हेलो 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 हो गया लाइव हेलो 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 नमस्ते 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 कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या जल्दी से एक बात थम्सअप कर देना मेरे एंटर अरे लेट ओपी नहीं है बताइए नमस्ते, 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 इवनिं लव 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 कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है हाँ नमस्ते जय श्री कृष्ण राधे राधे राम राम भाई सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में हाँ वेरी गुड आफ्टरनून आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है तो मेरा नाम है राजवल सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मंजिल सीरीज में और आज हमें करना है जल्दी से ठीक है जिन बच्चों ने रिवाइज कर लिया जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए हाँ देखा जाए कितने बच्चे मैंने वैसे बोला था कि प्लीज पढ़ के आइएगा तभी आपको इंपैक्ट पता लगेगा ठीक है हाँ क्या आप सर बेसिक से पढ़ाओगे या आ गए हैं बैकलॉग के देवता हाँ जब बैच लॉन्च हुआ था तब भी कुछ बताया था वहां देखा नहीं बस उठ के मुंह उठाया और आ गए हा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ कई सारे बच्चों ने रिवाइज किया है तो भाई साहब बहुत सारा दिल आ रहा है अच्छी बात है जिन बच्चों ने रिवाइज किया है उनको ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा उनको ज्यादा रिकॉलिंग आएगी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो ज्यादा देर तक बैठने की कैपेसिटी भी रखेंगे जो बिल्कुल ऐसी ही, हाँ दो साल से सोए हैं कुंभकर्ण के जैसे अचानक से जाग गए हैं उनको थोड़ी देर के बाद हाँ दर्द होना स्टार्ट होगा दिमाग में नहीं आपको भी पता है कहां पर फिर वो उठ के चले जाएंगे क्योंकि ज्यादा दर्द सहन नहीं होता ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आज ही आज ही आज ही है हाँ, तो मैंने आ, क्लास की स्टार्टिंग से पहले एक, अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लिए है ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब की क्लासेस में कई सारे प्यारे बच्चे रहते हैं और कई सारे शैतान भी रहते हैं ठीक है थीके? तो आ, हमारा जो गोल है वो उसमें लॉज ऑफ मोशन में हमें तीन चीजें पढ़नी है एक तो लॉज के बारे में हमें बात करना है फिर फ्रिक्शन के बारे में हमें बात करना है भारी भरकम बार लोड ले लिया है हम लोगों ने ठीक है एक बार तो मुझे भी लग रहा था कि यार इसको थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों ने ले रखा है तो हम लोगों ने ले रखा है और फिर हमारे पास सर्कुलर मोशन भी यहां पर रहेगा ठीक है क्योंकि हम सभी लोगों के पास समय की कमी है तो हमें एफिशिएंट वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप सभी लोगों को मैं आपको बता चुका हूं ड्यूरेशन का कोई लिमिट नहीं है ठीक है तो ऐसे सवाल जिसमें आपको ड्यूरेशन का डाउट हो ठीक है तो मैं यही बोलूंगा एक महीने का समय है जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं हमें उतना ही ट्राई करना है ठीक है तो इसमें आपका कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है जो भी सोच साच के हम लोग लाए हैं कोशिश करिए पढ़ने की और अगर आपको लगती है दिक्कत है तो बिल्कुल फ्री ऑफ बैच है फ्री फ्री निकल सकते हैं कोई लॉस भी फील नहीं होगा आपको ठीक है पेड़ बैच होता तो दर्द होता अरे भैया बयालीस सौ ले गए मास्टर अब कह रहा है समझा नहीं पाएगा नहीं <laughs> नहीं 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 बिल्कुल फ्री है ठीक है और यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज चलती हैं पिछले साल की भी हैं आराम से आप भ्रमण कर सकते हैं जैसे आपने दो साल में किया है ठीक है नारायण नारायण बोलिए और जगह से जगह आगे बढ़ते रहिए ठीक है थीके? वेरी गुड तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है पहली इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि बच्चे तंग करेंगे पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना <laughs> बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंने फिर ज्यादा हंसी मजाक नहीं मैंने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि वो मेरा समय ना खराब करे आपका भी समय इक्वली इंपॉर्टेंट है ठीक है सीरियस स्टूडेंट वेट करते हैं पर ध्यान नहीं देना क्रिस्प फॉर्म में स्लो या फास्ट पढ़ाना है ठीक है तो ज्यादा हंसी मजाक के ऊपर हम लोग नहीं रहेंगे ठीक है हाँ ओके और बीच बीच में अगर हो जाए वो अलग बात है स्लिप ऑफ टंग होता है हमारे लिए ठीक है लेकिन अगर देखा जाए तो हमें सीरियसली पढ़ना है ठीक है हाँ बहुत सीरियस पढ़ाई होने वाली है आज की ठीक है शक्ल से नहीं लग रहा होगा ठीक है मैं लेकिन कोशिश यही करना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो आज का टारगेट है दैट इज लॉज ऑफ मोशन मोशन फ्रिक्शन एंड सर्कुलर वो वन शॉट में हमें खत्म कर रहा है ठीक है तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड तो भाई टॉपिक्स नहीं चैप्टर्स टू बी कवर्ड होना चाहिए था हमारे केस में लॉज ऑफ मोशन है बीडी है क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम मोशन कंस्टेंट रिलेशन फ्रिक्शन क्वेश्चन टू ब्लॉक सिस्टम का सर्कुलर काइनेटिक्स सर्कुलर डायनेमिक्स एंड सोडो फोर्स लास्ट में हम लोग करने वाले ठीक है यस हा ट्वेल्थ का रिवीजन जो भाई मतलब इंसानी हो या क्या हो है ऐसा तो नहीं है ना किसी जानवर को हम लोगों ने लैपटॉप दे दिया है और मंजिल सीरीज देख लीजिए जब करा रहे हैं तो कर लीजिए जितना करा रहे हैं पहले उतना कर लीजिए बारहवीं भी अपने समय पर आएगा बारहवीं वैसे तो आपको ट्वेल्थ भी पढ़ाई गई होगी पढ़ी नहीं है ना तो जितना अब करा रहे हैं चुपचाप पढ़ाई करो ठीक है इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि है नहीं होता तो पहले पढ़ लिया होता है ना इगो हट हुआ हुआस होना भी चाहिए अरे जितना पढ़ा रहे पहले उतना तो पढ़ो यार ठीक है तो ये चीज है जिन बच्चों को अभी बीच बीच में डाउट आएगा सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी तो पीडीएफ एंड नोट्स आपको पीडब्ल्यू में मिलेगा फ्रॉम मंजिल बैच हाँ अब लेक्चर को कैसे देखना है जरा यहां पर ध्यान से देखना ठीक है लेक्चर में आप हाँ इसमें यह भी तो आते हैं ना अचानक से हमारे बीच में साइंटिस्ट आ जाते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं अचानक से उनको लगता है बस वीक रहेगी इसलिए रिसर्च पूरी नहीं हो पाई है ठीक है तो क्या सर मैं बेसिक से सारी चीजें लिखू नहीं लिखना है समय भी देख लीजिए दो साल दिए गए थे लिखने के लिए उस समय तो कॉपी जीरोक्स करा करा के काम किए है, है ना एग्जाम से पहले दूसरे की कॉपी मांग रहे थे जब समय था तब तो जीरोक्स पर डिपेंडेंट थे और आज जब समय नहीं है तो आज बेसिक से लिखना है आपको ठीक है तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि आपके वीक है या आप भूल जाएंगे उनको लिखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जैसे मान लीजिए मैंने कोई डब्बा बनाया और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आप जरूर लिखिएगा क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखें तो आप क्वेश्चन नंबर करेंगे एंड सोल्यूशन लिखेंगे दैट्स सेट ठीक है हां दैट्स सेट और कुछ नहीं करना है ठीक है यस yes. तो जितने भी हमारे बीच में स्पैमर्स हैं मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं ठीक है प्लीज आप भी कोशिश करिए कि आपकी भी जिंदगी किसी फ्रंट पे तैयार हो जाए ठीक है जैसे अभी लिखे पड़े हैं साइक्लोट्रॉन ये स्पैमर्स गलत वाले नहीं है ये हमारे ही एंटरप्रेन है मेरे को पता है आज खुश है क्योंकि बारहवीं का सिलेबस खत्म हो चुका है कईयों का तो ग्यारहवीं जब दोबारा हो रही है तो उसको खराब कैसे किया जाए ये ऑप्शन मंजिल बना लेंगे है ना यस तो बेटा बार 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 आपको लाइफ मौके नहीं देगी तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा ठीक है लंबा चलेगा सिलसिला चल क्योंकि तीन चैप्टर्स ठीक है थीके? हाँ आइए आइए तो स्टार्ट किया जाए क्या हाँ या इस गाने बीच बीच में होते रहेंगे उसका कोई लोड नहीं है ठीक है जल्दी से बताइए हाँ लक्ष्य बैच में अरे भाई लक्ष्य बैच वाला अलग रिविजन होगा ये अलग है अरे पगलेट बच्चे है का अरे कहा भेज दे रहे है हमको हाँ बोलो भाई स्टार्ट किया जाए यस तो अपनी कॉपी पेन उठा के रखिएगा भैया काम की चीज है वो ठीक है तो सबसे पहले जो मेन मेन चीजें हैं में हम लोग पहले उसके बात करेंगे और हर टॉपिक पे हम लोग सवाल लगाते हुए so अगर आप फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स एक ऐसी पुश या पुल है नौवीं क्लास में सिखाया जाता था और चार साल बाद अगर आपको दोबारा वही पढ़ना पड़े तो कितनी दर्दनाक बात है पुष या पुल एक धक्का या खिचाव जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है दैट इज कॉल्ड अवर फोर्स ठीक है स्टेट चेंज कहने का मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला सकता है चलती हुई बॉडी है तो वो रोक सकता है और अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है तो उसका डायरेक्शन पलट सकता है डायरेक्शन चेंज कर सकता है उस पुश या पुल को हम लोग क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं अब फोर्स निकालने के लिए हमें स्टेट को समझना था स्टेट जिसको आप इनर्शिया भी कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट जहां पर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा ही रुका रहना चाहेगी जैसे आपका दिमाग ठीक है स्टेट ऑफ मोशन अगर बॉडी कोई चल रही है तो वैसे ही चलता रहना चाहेगी जैसे सिलेबस से आप दूर दौड़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ठीक है तो हमारे पास रेस्ट एंड मोशन हमारे पास है और डायरेक्शन भी वही है कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी चल रही है तो उसको उसी डायरेक्शन में चलने का मन करता है जैसे आप सिलेक्शन यहां है यहां पर कबाड़ा है तो बिल्कुल सीधे कोई बोले कि लीनियर लाइन हाथ से नहीं खींची जा सकती आप दिमाग से खींच करके फेलियर की तरफ जैसे स्पीड से दाड़ रहे हैं उसी को हम कहेंगे डायरेक्शन ठीक है तो ये सारी चीजों को समझने से पहले हमें क्या करना था हमें एक मोमेंटम के बारे में सोचना था ठीक है जो स्टेट के बारे में हमें बता पाए तो सबसे पहली चीज है आपके लिए मोमेंटम सारे बच्चे लिखेंगे इसको ठीक है मोमेंटम ठीक है ये मोमेंटम का वैल्यू आप सभी लोगों को पता है एम इंटू वी वेक्टर ठीक है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं मजे लेते हैं और वो मजे का जो रिप्लाई बैक आता है वो रिप्लाई बैक आता है मार्क्स में ठीक है आदत है आदत है ठीक है जिद्दी एक नंबर का जिद्दी वेलोसिटी को वेक्टर अभी तक माने नहीं है पूरी दुनिया मान के आगे निकल गई और ये ना मान के बिल्कुल पीछे जा चुके अभी जब सेंटर ऑफ मास आएगा तो एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू होगा लेकिन वो तो दुनिया को आगे बढ़ना है हमें तो वही रहना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारे पास है है ना तो स्पीड लेके चलेंगे तो याद रखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो कभी भी अगर आप रखेंगे तो आई कैप एंड जे कैप में हमारे पास रखा जाएगा कहने का तात्पर्य मेरे पास ये है कि अगर मान लीजिए मास हमारे पास 2 के जी है और बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से है और एक मास हमारे पास टू के है सारे बच्चे मेरे को ये बताना क्या इन दोनों की जो मोमेंटम है वो सेम है या डिफरेंट है जल्दी से सीरियस बच्चे साथ साथ रहना जल्दी से क्या इन दोनों का केस, वन केस टू की के अगर मैं बात करूं तो केस वन में हमारे पास ये है केस टू में हमारे पास ये है तो क्या और केस थ्री भी ले लेते हैं ठीक है थीके? केस थ्री हमारे पास ये है यही दो के की बॉडी वन मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही है एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री क्या मोमेंटम इन तीनों केस में सेम है सारे बच्चे मेरे को ये बताएं हाँ जितने भी सीरियस है बिल्कुल डिफरेंट है कई बच्चे क्या करते हैं नौवीं क्लास की हरकतें करते हैं ठीक है सर एम इन वी तो सभी का सेम है अरे भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है अगर आप इसका मोमेंटम लिखेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे अच्छा यहां पर हाँ ठीक है इसको वही रखते हैं तो ये आपका 4 केजी मीटर पर सेकंड आई कैप में आएगा वेलोसिटी आपकी आई कैप में है तो डायरेक्शन के साथ लिखना है अगर आप यहां पर मोमेंटम की बात करेंगे ठीक है तो ये आपका आएगा 4 जे कैप तो डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है बाद में सेंटर ऑफ मास में बहुत मदद पड़ेगी इस चीज की और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो आप इसको नहीं लिख पा रहे तो आप इसको रिजोल्व करेंगे ये आएगा थर्टी एंड वन साइन थर्टी आएगा बेटा कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू बेटा ठीक है साइन थर्टी इज हाफ तो अगर आप मोमेंटम इस केस में लिखते बेटा तो आपका मोमेंटम आएगा टू इन टू आ जाएगा रूट थ्री बाई टू आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप क्लियर है क्या सारे बच्चे एक बार दिल बना दे और प्लीज एंड तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग एंड तक रुकेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की लेकिन कोशिश यह है कि प्लीज डाइवर्ट मत होइएगा आपको बार बार लाइफ मौका नहीं देती हम लोगों ने जब मंजिल बैच लॉन्च किया था आप सभी लोगों से बात बोली थी कि आपको होल्ड करना है आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल करेंगे लेकिन आपको पढ़ाई करनी है टफ होगा लेकिन यस कोशिश यह करनी है कि हम लोग पूरा एंड तक पहुंचे अच्छे से करें वेरी गुड लव यू बेटा आइए यस क्लियर तो अब न्यूटन्स के तीन लॉस के बारे में बात करते हैं जो हमें मेन मेन लिखना बेटा आपके शॉर्ट नोट भी होने चाहिए ठीक है न्यूटन्स के हमारे पास तीन लॉस थे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया ठीक है इतना ही लिखना है आपके लिए और दिमाग में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा कि जब तक आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे नेट एक्सटर्नल ये नहीं कि आपने दो न्यूटन दो न्यूटन लगाया तो स्टेट चेंज हो जाएगा नहीं नेट एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अगर जब तक आपकी बॉडी पर नहीं होगा उसका स्टेट चेंज नहीं होगा रुकी हुई है तो रुकी रहेगी चल रही है तो चलती रहेगी जिस भी डायरेक्शन में है वैसे ही सेकेंड लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सवाल होता है ठीक है याद करेंगे सारे बच्चे याद करेंगे इस चीज को मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी है राइट और कई बच्चों से जब पूछा जाता फोर्स क्या वो कहते थे एम ए नहीं बेटा ये आता है डी बाई डी टी ऑफ एम इन टू आया मास हमारे पास अगर कांस्टेंट हुआ तब अलग कहानी है और अगर मास वेरी करा तो अलग कहानी है आप प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाते हैं किस किस को यह याद था बहुत दिनों के बाद कई बच्चे इसको रिवाइज कर रहे होंगे किस किस को यह याद था कि भैया फोर्स यमे नहीं होता है कई बच्चे मम्मी से प्यार करते करते फोर्स से भी प्यार करते हैं और फोर्स इक्वल टू मां बोलते हैं हमेशा ना ना, ना 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 अरे अरे बड़े तेज बच्चे हैं यस फोर्स बाद में जाके वेरिएबल मासम्स के भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास में हम लोग करेंगे भी ठीक है डीएम बाई डी टी हमारे पास वहां पर रहता है तो उसकी वजह से भी एक फोर्स लगता है इन लॉज ऑफ मोशन जनरली हमारे पास क्या रहेगा इफ मासनना अगर आपका सिस्टम में मास कॉन्स्टेंट है तो डीएम बाई डी टी आपका क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा उस केस में आपका यह रहता है एम इन टू डीवी बाई डी टी और डीवी बाई डी टी मेरे एंटरपेंटर क्या हो जाएगा एम ए सिर्फ उस केस में और लॉज ऑफ मोशन का अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हम तो जब तक हम लॉज ऑफ मोशन की यहां पर बात हैं हम लोग मास को कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं वेरी गुड वेरी गुड लव यू बेटा ठीक है तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है अब जो तेज बच्चा होता है जो हमारे जैसा है वो यहां से दो तीन चीजें सीखेगा क्या? अगर मैं मोमेंटम को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दूं तो आप समझ जाना फोर्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम होगा सारे बच्चे जरा दिल बनाना कि आपको यह बात पकड़ में आ गई क्योंकि हर रिलेशन को अब आप क्या कर सकते हैं अपने माइंडसेट में सारी चीजों को ओपन करके समझें तब आपको क्वेश्चन वाइज समझ आएगा मोमेंटम को अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे दूं तो डिफ्रेंशिएशन से आएगा और स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ याद करें यही आपका यहां पर फोर्स हो जाएगा हाँ या ना कौन कौन सोच पा रहा है वेरी गुड वेरी गुड जहां पर भी डिफरेंशिएशन डीपी बाइडिटी मतलब मैं मोमेंट जैसे आपने अभी कैनेमेटिक्स पढ़ा था अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दू टू टी स्क् और अगर आपसे मैं विलोसिटी पूछता हूं तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना मैं x की जगह पर ध्यान सुनना मोमेंटम रख दूं तो मैं कह रहा हूं फोर्स आप निकाल सकते हैं बाई डी पी जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वही चीज तो यहां पर वैलिड है यस yes. वही चीज तो यहां पर वैलिड है हमारे पास ओके okay. और आपने भी पढ़ा होगा जब कर रहे हैं तो स्लोप की बात हो रही है तो ये वाले क्वेश्चन बन गए और इसी में जहां हो रहा है मेरे एंटरप्रेन वहां इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है तो आप ये कह सकते हैं f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज डी पी का इंटीग्रेशन तो याद रखना f डी टी का इंटीग्रेशन इज p फाइनल माइनस पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा और जहां इंटीग्रेशन है सारे के सारे बच्चे याद करें एरिया की बात आएगी एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ क्या आपको डेल्टा पी के बारे में आपको देता है हाँ या ना दिल बनाइए यस यस सारे जितने भी सीरियस बच्चे प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहना ठीक है प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहना वेरी गुड यहीं से आगे हमारी कहानी और जाएगी वेरी गुड हाँ, सर बेसिक्स प्लीज सर बेसिक्स ये है बेटा हाँ डेविल गेमर <laughs> नाम देखो हाँ बेटा ये बेसिक्स ही है ठीक है क्लियर नहीं तो सीधे अभी क्वेश्चन कर रहे होते ओके वेरी गुड तो जहां डिफ्रेंसिएशन आ रहा है वहां पर आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं क्या कह रहा है मोमेंटम का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स देगा और जहां डिफ्रेंसिएशन है वहां स्लोप की बात करेंगे और वहीं से एफ डी टी का इंटीग्रेशन जहां है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है काइनमेटिक्स अभी आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आपको साफ चीजें पता लग रही होंगी जो वीटी ग्राफ होता है उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता था वैसे ही फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास देता है दैट्स इट लव यू बेटा लव यू थर्ड लॉ क्या आप मेरे को सारे बच्चे बता सकते हैं ये तो सभी को लाइफ इज अ इफ यू यू डोंट रन विल बी लाइक ब्रोकन अंडा वहां पर बहुत ज्यादा यूज किया गया था थर्ड लॉ क्या है सर बेसिक से पढ़ाओ हाँ आपको बेसिक से ही पढ़ा रहे जल्दी जल्दी थर्ड लॉ हा वेरी गुड फॉर एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे एक्शन ऑफ फोर्स है तो रिएक्शन ऑफ द फोर्स भी होगा अगर मैं दीवार पर 10 न्यूटन से पंच मारूंगा तो 10 न्यूटन मेरे को भी फील होगा 10 न्यूटन दीवार को भी फील होगा एक्शन रिएक्शन और ये याद रखना कई बच्चे उस चीज को नहीं लिख रहे हैं हाँ कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं वेरी गुड दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज ये लॉज ऑफ मोशन में जब हम फ्री बॉडी डाइग्राम पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा क्लियर है क्या यश हम्म क्लियर सारे बच्चे क्लियर वेरी गुड यह हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर ही लगते हैं वेरी गुड ठीक है हा जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है बेटा बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ठीक है बस बात यह है थोड़ी सी स्पीड रखनी है ठीक है अगर आप देखें तो ये चीजें आपको बैच के नोट्स में भी ही मिलेंगी इसी ऑर्डर में मिलेंगी सेम यहीं से स्टार्ट होते हुए ही मिलेंगी ठीक है एक टर्म है विच इज कॉल्ड इंपल्स जिस पर जनली बच्चा ध्यान नहीं देता और ऐसा नहीं है कि इसको नहीं दिया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंपल्स हमारे पास एक टर्म है विच इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम अगर किसी बॉडी के बॉडी में चेंज इन मोमेंटम हुआ ठीक है तो आप उसको कहते हैं इंपल्स ये कोलिजन में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इसी को हम क्या कहते हैं बेटा इंपल्स ठीक है किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम में चेंज हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंपल्स वेरी गुड वेरी गुड तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे फिर थर्ड लॉ पर हम लोग जाएंगे ठीक है किसी भी बॉडी का अब आप मेरे को बताइए मान लीजिए स्पेस में बॉडी चल रही है दो मीटर पर सेकेंड से दो मीटर पर सेकेंड से अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या, अब ध्यान सुनना अगर मैं किसी बॉडी पर वो स्पेस में चल रही है दो मीटर पर सेकेंड से मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी हां या ना वेरी गुड वेरी गुड आराम से सोच के बताना क्योंकि ये वाली चीज पर बच्चा जल्दी ध्यान नहीं देता है कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इंपल्स निकालिए तो बच्चा घबरा जाता है इंपल्स क्या था कुछ भी नहीं है चेंज इन मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगी लेकिन अगर मैंने उसी बॉडी पर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पीछे से मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या विलोसिटी चेंज होगी हाँ या ना सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि एक बॉडी हमारे पास है टू के की ध्यान से सुनना ये वन मीटर पर सेकेंड से फॉर एग्जाम्पल जा रही थी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये चुपचाप जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी ठीक है अगर मैं यहां पर पीछे से इस पर फोर न्यूटन का फोर्स लगा दू फॉर टू सेकेंड्स दो सेकेंड तक मैंने ये फोर्स लगा के रखा तो क्या अब मोमेंटम चेंज होगा बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है अभी आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं आपको पता है सर फोर्स लगाया मास है एक्सलरेशन आएगा है ना सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखना अगर कोई बोले कि इसका एक्सलरेशन कितना होगा तो आप कहेंगे सर फोर्स बटे मास किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और अनबैलेंस फोर्स है तो स्टेट चेंज होगा फोर बाई टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जब आपकी एक्सलरेशन कांस्टेंट होती है तो काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स लगेगी काइनामेटिक्स इक्वेशन दो सेकंड पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछता तो आप क्या कहते सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये पहले जा रहा है वन से एसलरेशन है टू इंटू टू विलॉसिटी आ जाएगी फाइव मीटर पर सेकंड किस किस को ये समझ आ गया जरा एक बार दिल बनाना देखा जाए कितनों का आंसर आया था फाइव वेरी गुड ध्यान से सुनना जब तक आपका फोर्स कांस्टेंट है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है आपने दो सेकंड के लिए फोर्स लगाया दो सेकंड तक फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी तो अगर आपको बोला जाए कि भैया दो सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी निकालिए तो आप काइनेमेटिक्स लगाते क्योंकि एक्सलरेशन आपकी कांस्टेंट है और जब एक्लेशन कांस्टेंट होती है तब आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी फाइव मीटर पर सेकेंड वेरी गुड लव यू बेटा ठीक है तो अगर आप देखे इक्वल टू टू सेकेंड हमारे पास ये पांच मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है वेरी गुड ठीक है अगर आपसे कोई बोले इसका इंपल्स निकालिए इंपल्स ऑफ फोर्स बॉडी ने बॉडी पर जो आपने फोर्स लगाया है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज आया इंपल्स ऑफ द फोर्स निकालिए तो क्या करेंगे चेंज इन मोमेंटम सारे बच्चे जरा एक बार बताना क्या आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं हा बोलिए बोलिए वेरी गुड इंपल्स होता है आपका बस चेंज इन मोमेंटम एक अजीब सा नाम कईयों को लगता है उसकी वजह से घबराहट होती है तो हमारे पास अगर आप देखें मास इसका टू है टू के जी का तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा आपका टेन आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम आपका आ जाएगा बेटा हमारे पास टू वेरी गुड बच्चे आठ पहले से ही बता रहे थे वेरी गुड ये आपका इंपल्स है जिसको हम लोग जे से डिनोट करते वेरी गुड वेरी गुड ठीक है Very good. Very good. कहने का तात्पर्य सारे बच्चे पर कलम नीचे रखना और सुनना अगर कोई भी बॉडी चल रही है और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं कुछ देर तक तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्टेट चेंज होगा एज पर न्यूटन लॉ है ना स्टेट चेंज होना मतलब उसकी velocity change होगी या से में आ जाएगा कुछ ना कुछ ना होगा तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो आप बेसिक तरीके से भी जा सकते थे Impulse निकालना न्यूटन से के सेकेंड लॉ के हिसाब से ठीक से, है सेकेंड यह आपको लिखना है बेटा तो आपने क्या पढ़ा था एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ध्यान सुनना तो अगर मैं डीपी की बात करूं तो ये आ जाता है एफ इंटू डीटी और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज नथिंग बट एफ डी टी का इंटीग्रेशन राइट right? तो फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम प्लस एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या आप इतना लिख ले फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है सारे बच्चे प्लीज सीरियस रहना प्लीज सीरियस रहना ठीक है मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा ये सीरीज आप ही लोगों के लिए है ठीक है और आप लोगों को इसका जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे रिजल्ट वाले दिन आपको घबराहट नहीं होगी आज आप चाहे जितनी नौटंकी करना चाहें जितना स्पैम करना चाहें आप कर ले। लेकिन एग्जाम से पहले कोई टीचर कोई पेरेंट कोई भी आपका मित्र यार नहीं होगा आपके साथ सिर्फ आप होंगे और आपकी नॉलेज होगी तो ये आखिरी मौका है जहां पर आप चीजों को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं तो प्लीज इस एजुकेशन का रिस्पेक्ट रखिएगा ठीक है यस आइए उस दिन का सोचना बेटा जिस दिन एग्जाम जा रहे होगा ना हाथ कापेंगे नहीं तो जितने गलत कर्म करोगे उतने ही हाथ कापेंगे ठीक है याद रखना इस चीज का हाँ वेरी गुड तो ये एक हमारे पास थ्योरम होती है ठीक है इससे हम लोगों का जो यही वाला क्वेश्चन था ना आप डायरेक्टली भी कर सकते थे जरा ये समझना कैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि दो के की बॉडी है ठीक है ये वन मीटर पर सेकेंड से जा रही है ठीक है और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था फोर न्यूटन का फॉर टू सेकेंड तो आपको मान लीजिए फाइनल मोमेंटम चाहिए या फिर चेंज इन मोमेंटम चाहिए या फाइनल वेलोसिटी चाहिए ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको सवाल करना फोर्स अगर आप किसी भी देरी के लिए लगाए कुछ देरी के लगाए तो आपका मोमेंटम में चेंज आएगा तो ये क्या कह रहा है जरा समझना अगर आपको फाइनल मोमेंटम चाहिए तो इनिशियल मोमेंटम रखिए प्लस हमारे पास इस बॉडी पर जो आपने फोर्स लगाया है ठीक है वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा तो इनिशियल मोमेंटम में प्लस रहेगा इनटू टू डी टी फ्रॉम जीरो से टी सारे बच्चे मेरे को बताना क्या आपका फाइनल मोमेंटम भी वहीं वैसे ही आ रहा है हाँ ना तो इनिशियल मोमेंटम है टू प्लस इंटीग्रेशन में से फोर बाहर आ जाएगा और टी का जीरो से टू हमारे पास तो फाइनल मोमेंटम आपका कितना आ रहा है टेन का सारे बच्चे मेरे को बताना कि आपको यह चीज आई हां या ना वेरी गुड वेरी गुड तो ये आपका क्वेश्चन में आपको एक्सलरेशन तक जाने की जरूरत नहीं थी आपको वहां पर अद, आ, अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी आपने क्या करा इनिशियल मोमेंटम जो भी है उसमें एफ डी टी का जो भी इंटीग्रल आएगा फोर्स आपने कांस्टेंट लगाया था तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा जीरो से टू तो तक आपने इंटीग्रेट करा अपना आंसर निकाल लिया दैट्स दैट्स इट इट इसको हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये इंपल्स है ये मोमेंटम में क्या इंपैक्ट डाल रहा है इसको हम कहते हैं बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ठीक है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अच्छा एक बात बताओ अब मैं आपसे पूछता हूं अगर ये फोर्स मेरा फोर न्यूटन का इधर लग रहा होता तो क्या मेरे को प्लस मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा या डिक्रीज करेगा सोच के मेरे को ये बताइएगा अगर मेरा फोर्स पैरल ना होके एंटी पैरल होता अपोजिट डायरेक्शन में होता तो बॉडी की स्पीड बढ़ती चली जाती या घटती हुई चली जाती मुझे इतना सोच के बताइए बेटा। तो आपका फाइनल मोमेंटम कम आता है ना क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में इस फोर्स ने थोड़ी देर तक मोमेंटम को चेंज किया और डिक्रीज किया तो एक्चुअल में क्या आपको यह बात समझ आई कि यहां पर सर प्लस माइनस होना चाहिए वेरी गुड वेरी गुड सर प्लस माइनस प्लस कब यूज करेंगे प्लस तब हम यूज करेंगे जब फोर्स स्पीड को बढ़ाएगा ठीक है और माइनस आप तब यूज करेंगे जब फोर्स हमारे पास स्पीड को घटाएगा क्लियर है क्या क्लियर है क्या वेरी गुड बिल्कुल सीरियस चलना बेटा जितने बच्चे सीरियसली मेरे को सुनेंगे मैं डेफिनेटली बता रहा हूं इसके बाद ये चैप्टर भले ही हमें तीन चैप्टर खत्म करने में सात आठ नौ घंटा जो लगना लगे लेकिन अगर आप ये खुद से करेंगे तो तीन दिन से कम से नीचे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सीरियस रह के आपका टाइम स्क्वीज करूं आप कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर ले जाए ठीक है क्लियर लव यू बेटा तो ये वाली बात थी अब जैसे इसी पर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखना सारे बच्चे अगर आपसे कभी भी इंपल्स पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर तो आपसे चेंज इन मोमेंटम ही पूछा जा रहा है तो आपको कभी भी इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है या फिर अगर आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए तो टी वन से टी टू अगर आप इंटीग्रेट कर दें समझना एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पे दे देता हूं फोर्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर फाइंड इंपल्स ठीक है फाइंड इम्पल्स फ्रॉम इक्वल टू जीरो दूसरी चीज हमारे लिए ये, जहां इंटीग्रेशन हो रही है याद रखना बेटा वहां पर आपका एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फोर्स और टाइम का आपको कभी भी कोई ग्राफ दे दिया जाए ठीक है तो इसका क्या आएगा इंपल्स एरिया आएगा सारे बच्चे जो इस चीज को पकड़ पा रहे हैं वो बताइएगा कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ का एरिया आएगा दैट इज अवर इम्पल्स क्लियर है क्या सारे बच्चे एक बार दिल बनाना तो सारी कहानी हमारे पास यहां पर आके रुकती है क्लियर है क्या यस वेरी गुड बेटा हिंदी मुझे भी नहीं आती कि मैं तुम्हें इंपल्स का मतलब बता पाऊं ठीक है वेरी गुड ठीक है तो आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने वहीं पे बता दी है कुछ सवाल करते हैं चलिए सबसे पहले अच्छा ये पोल चलते हैं क्या एक बार देख लेते हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पास पोल आ रहा है क्या एक बार दे, देख के बताइएगा अ पार्टिकल ऑफ मास एम बस आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है सोल्व करना है ठीक है स्ट्राइक्स वॉल विद स्पीड वी एट एन एंगल थर्टी डिग्री विद वॉल इलास्टिकली मतलब जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा क्लियर राइट right. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स देखो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपल्स सर impulse का मतलब चेंज इन मोमेंटम जो भी आएगा चेंज इन मोमेंटम जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है इंपार्टेड टू बाय द वॉल आपके पास पोल आ रहा है क्या हा हाँ, पोल आ रहा है क्या आपके पास अगर आ रहा है तो एक बार बता दीजिए यश करके तभी कराएंगे अदरवाइज हाँ नहीं तो आप चैट में तो बता ही रहे हैं हाँ और कुछ बच्चे दिमाग तक तो चाट ही रहे हैं तो यहीं से देख लेंगे हाँ बताइए 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 बता नहीं आ रहा है अरे हमारा टेक्नोलॉजी एटेक एटेक नहीं रहा है क्या कुछ बच्चों का आ रहा है कुछ यश लिख रहे हैं हम एक तो हम पागल बच्चों से भी तो पढ़ा रहे भाई भाई ये पोल चलता है क्या है? चलना तो चाहिए तो चल का ही नहीं रहा बच्चे नो लिख रहे हैं हाँ आ जाओ भाई ऐसी ही जनसंख्या बाद में डोनाल्ड ट्रंप को लेके आई थी आप लोगों से डर लगता है भाई <laughs> बाद में जाके जैसे वोटिंग राइट आएगा आपका छीन लेना चाहिए ठीक है कुछ नो लिख रहे हैं कुछ यस लिख रहे हैं सब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ठीक है इनको समझ आ गया आप यहां पर दो ऑप्शन है एक पे टीचर तंग हो सकता है नो और यस पता है यस होना चाहिए आंसर लेकिन नो लिखेंगे जिससे टीचर कंफ्यूज होगा मैनेजमेंट परेशान होगा मजा आएगा ठीक है ऐसी जनसंख्या थी जिन्होंने ब्रेक्सिट करा ली थी और बाद में कहते नहीं 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 हमें ब्रेक्सिट चाहिए नहीं था <laughs> है ना यस आइए चलिए तो हम लोग यहां पर बात करें मोमेंटम का चेंज मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बेटा अगर यहां पर आपका एंगल थर्टी डिग्री है तो यहां पर आपका एंगल थर्टी डिग्री है तो आप इसको रिजोल्व करेंगे बेटा तो यहां पर आएगा एम वी कॉस थर्टी ठीक है और यहां आएगा आपका एम वी साइन थर्टी यस हां क्लियर और अगर आप देखें यहां पर हमारे पास थर्टी डिग्री है तो अगर आप यहां पर विलोसिटी की इस तरीके से बात कर लेंगे ठीक है तो करस्पॉन्डिंगली ये वाला एंगल हमारे पास थर्टी है तो यहां पर आ जाएगा एम वी कॉस थर्टी ठीक है और एम वी साइन थर्टी ठीक है कभी भी आप कहेंगे सर मोमेंटम में तो चेंज ही नहीं है ठीक है तो आपको क्या रखना है सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर में लिखिए तो अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात यहां पर करेंगे तो यह आएगा हमारे पास एम वी बाई टू आई कैप माइनस एम वी रूट थ्री बाई टू जे कैप यह आया बेटा फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल माइनस आई कैप में है माइनस एम वी बाई टू आई कैप और माइनस एम वी रूट थ्री बाई टू जे कैप अब आपको क्या करना है फाइनल इनिशियल आपको यहां पर करना है तो ये आप आ जाएगा बेटा माइनस एम वी बाई टू आई कैप माइनस एम वी बाई टू आई कैप तो ये वाला तो कट जाएगा बेटा हमारे पास तो एम वी आई कैप हमारे पास आएगा माइनस में ठीक है और किसी भी वेक्टर के आगे माइनस हमें क्या बताता है मेरे एंटरपेंटर डायरेक्शन क्लियर क्या बताता है डायरेक्शन हाँ तो आ रहा है चैट सर वो जो कमेंट करेंगे ना वही लेता है वो नहीं, नहीं, नहीं पोल, पोल. पोल नहीं आता सर वहां पे जो कमेंट करते ले लेता है ये क्या मतलब समझा नहीं मतलब मैं पोल यहाँ से करूंगा तो फिर आप हाँ तो कमेंट ये ना उठा तो पोल अच्छा इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है अच्छा तो बेटा इसका आंसर ए आ रहा है इनके हिसाब से है कि जब आप वहाँ पर चैट करोगे तो, तो चैट में आप स्मॉल कैपिटल ये लिखेगा अच्छा चलिए देखें इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है भैया हाँ लेकिन ये स्लो इतना है आ, ये लिखते जा रहे हैं तो चैट स्टॉप कैसे होगा तो बेटा आज की क्लास खत्म हो चुकी है ये पोल खत्म नहीं हो रहा ये ऐसे होएगा पोल सुबह आते हैं बेटा आराम से एक पोल का जवाब लाने के लिए भाई साहब दाढ़ी मुझ सफेद हो जाए क्या हुआ ओ हमें नहीं कराना है <laughs> इतना टाइम ठीक है हमें कतई नहीं कराना है ये सब बेटा ऐसे ही बता देना हम यहाँ से ही देख लेंगे हाँ ठीक है हा? ओके। अगला सवाल है, बेटा हमारे पास। ये तो ऐसी है कि जो आपका समय खराब कर दे पोल नहीं ठीक है मैं भी खुश हूं मेरी जिंदगी में कम प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसका नाम पोल नहीं टाइम टाइम वेस्टर होना चाहिए सर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आपकी क्लास में मदद करेगा मैंने कहा कैसे सर टाइम वेस्ट कर देगा जैसे ऑफलाइन में होता है टीचर से टीचर जैसे स्कूल में आके आपसे पूछता है रीडिंग आप करेंगे हाँ लास्ट क्लास में क्या बताया फार्मूला बताइए अब ऑनलाइन में वो फील नहीं आ रहा है तो आप पोल दे देंगे आपका समय बर्बाद होगा आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे समय बर्बाद हो जाएगा हमें नहीं चाहिए भैया ठीक है जरा अगला क्वेश्चन इफ एन बॉल हिट्स इलास्टिकली एंड नॉर्मली ऑन अ सर्फेस पर यूनिट टाइम ठीक है एन क्या है जरा ध्यान सुनना कुछ बच्चे नंबर नंबर अरे ऑफ बॉल्स हिटिंग पर सेकेंड इसके नीचे टाइम है ठीक है ऑल बॉल ऑफ मास मूविंग विद सेम वेलोसिटी यू देन फोर्स ऑन द सरफेस इज फोर्स की बात करनी है तो आपके लिए जरा समझना सारे बच्चे मेरे को बताना अगर मान लीजिए ये हमारे पास है दीवार एक एम मास की बॉल ये स्पीड से जा रही है इलास्टिकली टकराकर वापस आएगी ऐसे सारे बच्चे मेरे को चेंज इन मोमेंटम बताइए हाँ हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी हमको नहीं चाहिए जी हाँ, बच्चों का जवाब आते हुए हाँ बी आ रहा है ए आ रहा है चेंज इन मोमेंटम कुछ बच्चे कहते हैं जीरो <laughs> क्योंकि नौवीं क्लास के बाद सीधे ड्रापर बनना चाहते हैं ठीक है अरे भैया वेक्टर क्वांटिटी है, यहां सब आधी ले लेंगे तब समझोगे हमारे पास डेल्टा पी की बात करें तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है चच्चा वेक्टर है वेक्टर इज्जत दे दो बेटा वरना पापा यही तीर निकाल के पेट में घोप देंगे ठीक है तो फाइनल आपका आएगा एम वी आई कैप माइनस ऑफ माइनस एम वी आई कैप टू एम वी आपका चेंज इन मोमेंटम आया और फोर्स कैसे निकालोगे इसमें एह बॉल्स पर सेकेंड आ रही है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मैंने दिमाग लगाया क्योंकि मेरे पास है आपने नहीं लगाया इसलिए अतरंगी जवाब आ रहे हैं कुछ का सी आ रहा है कुछ का बी आ रहा है। एक बॉल का ध्यान सुनना चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बॉल एक बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है टू एम वी ठीक है एन बॉल्स का कितना आएगा टू एन एम वी ठीक है अगर आप यहां पर रखें टू एन एम वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी नजर मारना अंग्रेजी में फेल मेरे अंटरपंटर नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम यही तो है एन हा <laughs> कुछ बच्चा लोग समझाइए कहा गया टू एन एम वी आपका सीधे फोर्स दे देगा ठीक है टू एम एन यू हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हा? ठीक है सेकेंड ऑप्शन बड़े तेज बच्चे आए हैं आज हमारी क्लास में लव यू ठीक है यस yes. भैया एन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं है बॉल्स पर सेकेंड जब आप यहां पर कर रहे हो तो डिवाइडेड इसके साथ एक सेकेंड नीचे है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स ही, ही होता है चीज तो ग्यारहवीं में नहीं समझ पाए अगला सवाल हम्म ठीक है आइए अगला सवाल अब वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल अब हमारे बीच में क्या है बहुत शूरवीर बच्चे हैं सर वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल वो होता है क्योंकि हम हिंदी माध्यम से तो है ही नहीं हम तो बेसिक अंग्रेजी माध्यम से हैं वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है बस अब वेरी क्या करता है अबे चेंज होता है देखो फोर्स यहां पर कुछ और है यहां कुछ और है यहां कुछ और है यहां कुछ और है यहां कुछ और है, कुछ और है वेरी कर रहा है ऑन द पार्टिकल ऑफ मास फ्रॉम इक्वल टू टी नॉट द एफ टी प्लॉट इज सेमी सर्कल आपने क्या बनाया सेमी सर्कल द पार्टिकल इज इनिशियली एटरेस्ट यह आया हमारे पास वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल जल्दी से बताइए t इक्वल टू नॉट पर कितनी वेलोसिटी आएगी वेरी hmm. गुड एक बच्चे ने बोला सर इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट मतलब ग्राफ के क्वेश्चन में एरिया निकालो ठीक है तो जरा यहां पर सारे बच्चे देखना अब कभी भी सर क्वेश्चन क्लास में हिट नहीं होता एग्जाम में नहीं होता अभी समझ आ रहा है फोर्स और टाइम कभी भी हो किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो कुछ टाइम तो ऑब्वियस बात है मोमेंटम चेंज होगा तो मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ एफ्टीग्राफ यही हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता था ना? तो ये तो सेमी सर्कल दे रखा है तो क्या आप ये कह सकते हैं इसका जो एरिया आएगा यही होगा और दैट एरिया विल बी पाई इन एफ नॉट इंटू हमारे पास टी नॉट बाई टू होगा है ना हा पाईआर क्यूब कह रहा है <laughs> बेटा आई आई टी में एडमिशन के लिए पढ़िए आईटीआई के लिए नहीं पढ़ा रहा है ठीक है रिपीट क्वेश्चन नंबर टू करता है पहले इसको समझिए ठीक है सर ये कैसे हो गया एक इलिप्स को समझिए क्योंकि यहां पर आप कहेंगे ना कि सर एफ नॉट और टी नॉट दोनों टी नॉट बाई टू दोनों बराबर है तो भाई फोर्स की वैल्यू टी नॉट बाई टू की वैल्यू के बराबर है लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग है समझिए इस बात को हा ये है हमारे पास इलिप्स इलिप्स भी तो सर्कल ही होता है तो इसका जो एरिया होगा दैट इज पाई ए बी बाई टू समझना इसका एरिया ये बेटा मैथ्स नहीं है या फिजिक्स है। आप अगर कहें कि सर दोनों ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ और वाला तो बराबर है तो मैं यह लिख देता हूं पाई एफ का हमारे पास टू। ये आप ये लिख दे ठीक है तो आपसे गलती हो सकती है क्योंकि आप मतलब वैल्यू वाइज सही है लेकिन यहां पर कोई देखेगा तो क्या कहेगा यह फोर्स का स्क्वायर है तो गलती ना हो हमारे पास क्लियर यस दोबारा रिपीट कर दीजिए भाई देखो जो आपका सर्कल होता है ना जो आपका सर्कल होता है ये इलिप्स का ही एक केस है इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी जब सर्कल में ए और बी बराबर हो जाते हैं रेडियस तो इसका एरिया जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है क्योंकि यहां पर जब मैं इंपल्स ले रहा हूं फोर्स इनटू टाइम करना जरूरी है ठीक है ये वाला लेंथ है आपका एफ नॉट और ये वाला लेंथ है आपका टी नॉट बाय टू ठीक है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी इलिप्स एरिया ऑफ सेमी इलिप्स जिससे गलती ना हो ठीक है दैट इज पी फाइनल और रेस्ट से स्टार्ट था यही आ जाएगा क्लियर तो एरिया ऑफ सेमी इलिप्स हमारे पास क्या आएगा इसका एरिया कितना होगा That is, pi AB by 2, है ना? बस वैल्यू धरनी है आपको तो यहां पर आएगा पाई ए आप ले लीजिए एफ दूसरा है आपका टी बाय टू ठीक है टी नॉट बाई टू और एक और हाफ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एम इन टू वी फाइनल तो आपसे फाइनल व्लॉस्टी पूछी है तो आप फाइनल व्लॉस्टी यहां पर निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा बेटा पाई एफ नॉट या हाँ एफ नॉट टी नॉट बाय फोर एम आएगा हां क्लियर हां सर सेमी सर्कल दिया है अरे ओए कान में से मेल नहीं बेटा मेल में से कान निकाल के लगा ले ठीक है पहले बात आपकी सही है तो मैं गलत थोड़ना कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर आप इसको एफ नॉट के टर्म्स में रखोगे तो वो फोर्स का स्क्वायर दिखेगा फोर्स इंटू टाइम ही आपके लिए इंपल्स है तो पहला रिप्रेजेंटेशन आपका ये होना चाहिए अगर आपका ऑप्शन ऐसा हो कि इधर एफ नॉट इज इक्वल टू टी नॉट बाई टू वैल्यू वाइज बराबर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई एफ नॉट का स्क्वायर बाय टू एम लिख सकते हैं क्लियर हां सर इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा इंटीग्रेशन वहां करोगे जहां आपको स्ट्रक्चर का एरिया नहीं पता जहां इंटीग्रेशन पता है वहां पे कर लेंगे क्लियर यस अरे बोलिए वेरी गुड सर टी बाई टू कैसे हुआ भाई ये काहे ले क्वेश्चन अब हमको ये फील हो रहा है सेमी सर्कल दिया है सेमी सर्कल ठीक है तो इसका जो रेडियस है ना रेडियस ये पूरा डायमीटर होगा तो इसका ये वाला जो रेडियस होगा वो टी नॉट बाई टू होगा क्लियर हाँ माफी मांगते हैं आप सभी लोगों से आपका लेवल थोड़ा ऊपर करने की हमने कोशिश कर दी सॉरी ठीक है जरा यहां पर ध्यान से सुनो भाई देखो इस क्वेश्चन में जिनको क्वेश्चन नंबर टू में डाउट था एन क्या है एन इज नॉट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये कितनी बॉल्स पर सेकेंड क्वेश्चन भी रीड करना होता है आपको अगर कोई जेई में जब भी आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से आंसर देना अपने हिसाब से नहीं ठीक है पर यूनिट टाइम दस बॉल पर सेकंड में हिट कर रही है तो वो एक सेकंड की बात है जब आप फोर्स की बात करते हैं कितना मोमेंटम चेंज हुआ पर यूनिट टाइम की बात करते हैं तो मैंने एक बॉल का मोमेंटम चेंज है टू एन बॉल्स का होता तो टू एन एम पर यूनिट टाइम तो नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम ही आपको एन दे रखा है वो बस धर दिया और आंसर आ गया यस आइए अगला सवाल अगला सवाल जरा इसकी बात करेंगे एक केस हम मिलके करेंगे एक केस आप होमवर्क करेंगे अच्छा मैं आपके लिए होमवर्क भी लाया हूं कर, आप सभी लोगों को क्या करना है बीच में आपको दिखाऊंगा ठीक है होमवर्क भी है जो सिमिलर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कई बार पूछे मैंने होमवर्क दिए सो दैट आप क्लास के बाद खुद से भी ट्राई करना चाहें जो अच्छा बच्चा होगा वो करना चाहता है तो उसको रहेगा अपार्ट फ्रॉम डीपीपी अब जरा देखो जरा देखा जाए फोर्स ऑफ थ्री टी स्क् एक्स ऑन दॉडी ऑफ टू के एक बॉडी है बेटा दो के की इस पर फोर्स लग रहा है थ्री टी स्क्वायर न्यूटन का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ 50 मीटर पर सेकेंड ये 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ठीक है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टू सेकंड्स बोलिए 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 अब अगर आप तमीज से देखें फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है मेरे आ अरे बोलिए फोर्स आपका कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल वेरिएबल ये समय के साथ वेरी कर रहा है है ना यह समय के साथ वेरी कर रहा है आप इसको काइनेमेटिक्स से करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं आपको काइनेमेटिक्स में ऐसा सवाल कराया जाता है एक्सलेशन आपका आएगा थ्री टी स्क्टी एट टी इक्वल टू टू सेकंड्स पूछ रहे हैं है तो वही सवाल है तो वही सवाल लेकिन लॉज ऑफ मोशन में अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं इनिशियल फाइनल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम मेरे को ये बताइए प्लस माइनस में से कौन सा यूज करना चाहिए देखा जाए कि दिमाग आप में भी है या हम ही कोशिश कर रहे हैं आपका दिमाग बढ़ाने की प्लस या माइनस प्लस या माइनस प्लस या माइनस भाई देखो बॉडी चल रही थी आप फोर्स लगा रहे हैं थ्री टी स्क्वायर टाइम के साथ वेरी कर रहा है दो सेकंड तक आपने फोर्स लगाया अब वो बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए तो पहला केस मैं केस वन मैं सोल्व करूंगा केस टू आपको करना है घर पे केस वन है फोर्स इज पैरल टू दी वेलोसिटी तो स्पीड बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी तो हमारे पास जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा यस वेरी गुड तो आपका इनिशियल मोमेंटम है बेटा हमारे पास t इक्वल टू पे वेलोसिटी इज जीरो ठीक है तो आप यहां पर कहेंगे मोमेंटम इनिशियल इज जीरो ये तो e g था जी थ्री टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम हमारे पास जीरो से लेके टू तक फाइनल मोमेंटम आपको चाहिए अच्छा नहीं इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है t इक्वल टू जीरो हमारे पास वेलोसिटी तो फिफ्टी मीटर पर सेकेंड था हम फोर्स में डाल दिए कोई नहीं सॉरी आप भी इंसान हम भी इंसान ना हमारा खून फ्री का नहीं है जो चूसेगा तो ये आ जाएगा आपका हंड्रेड यस क्लियर तो इनिशियल मोमेंटम 50 से चल रहा था इनटू 100 हो गया ये हमारे पास बच्चों को बस मौका मिल जाए भाई साहब सिरिंज घोप के टीचर में से निकाल लेगा दौड़े दौड़े आते 100 प्लस प्लस क्यों क्योंकि ये फोर्स थोड़ी देर तक लगाओगे तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ठीक है तो बस हो गया क्वेश्चन 100 प्लस हमारे पास थ्री बाहर निकाल लियो तुमसे ना निकले तो दूसरे से निकलवा लियो निकलवा लियो और 0 से 2 आपका आ, टू इंटू वी फाइनल कर दीजिए यस तो ये कितना आ जाएगा बेटा हंड्रेड प्लस थ्री यह आ जाएगा फोर और टू की पावर फोर ये आएगा ना टी की पावर फोर बाय फोर आया ना टी की पावर फोर बाय फोर तो टू की पावर फोर तो हमारे पास ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस थ्री इंटू ये हमारे पास फोर बचेगा ये वन हंड्रेड ट्वेल्व बनेगा ठीक है तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है वी फाइनल दैट इज 112 डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो फाइव एंड सिक्स हां क्या हो गया पावर थ्री है ओह ओह कोई नहीं कोई नहीं इंसान ही है देखिए हाँ यही है ठीक है यही इंसान का फितरत है गलती करना और गलती से सुधार लेना ठीक है तो टी क्यूब ये तो हमारे पास टी स्क्वायर तो थ्री और थ्री चला जाएगा बस टी क्यूब बचेगा तो आठ आ जाएगा हमारे पास एक सौ आठ हो गया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक है एक आठ बटे दो तो फिफ्टी फोर हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं। फिफ्टी फोर किस अपोजिट वाला किया है ब्लिंडर में बेटा यू आता है <laughs> ब्लिंडर लिख रहा है क्योंकि उसने देखा अरे दूसरे बच्चे लिख रहे हैं मेरे को भी अंग्रेजी सुधार नहीं है ब्लिंडर ठीक <laughs> गुड एंटी पैरल में बस माइनस लेके सॉल्व करना है क्लियर अब आते सारे बच्चे जरा यहां पर देखना फ्री बॉडी डायग्राम सबसे आसान पाठ बस फॉलो करना है फोर्टी सिक्स आ रहा है वेरी गुड ये होती है स्पीड मेंटेन रखना बेटा हम्म फ्री बॉडी डायग्राम नाम से पता लग रहा है बॉडी को फ्री करिए और डायग्राम बनाइए लेकिन आप लोग कहां सुनने वाले हैं करियर बन जाएगा ना इससे इसमें आपको क्या करना है उसी डायग्राम में घिचड़ मचाना है मजा आता है हा या ना सही बताइएगा है ना जैसे अभी हम डायग्राम देंगे कहा गया जी हाँ अभी भाई से बताएंगे पोस्ट यहाँ हम आपको डायग्राम देंगे तो डायग्राम में अलग कौन करता है हमारा भी पहले से खराब है हम और खराब करेंगे इसी में बनाएंगे घुचड़ मुचड़ करेंगे तो सीखने का आखिरी मौका है फ्री बॉडी डायग्राम नाम में लिखा है इसका कुछ और नाम भी कर सकते थे बॉडी डायग्राम्स है ना लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अरे ये बच्चा तो बिल्कुल तुला पड़ा है अपना करियर खराब करने में किसी तरीके से बनाना पड़ेगा इसका नाम चेंज कर देते हैं एफ बी डी इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम्स ठीक है हा बॉडी को सेपरेट करें बॉडी को सेपरेट करें सेपरेटली ड्रॉ करके उसके फोर्सेस को एनालाइज करना को बनाना केला नहीं रहे बीच बीच में अंग्रेजी में डालिया ठीक है फोर्सेस को बनाना इसी को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इतना समझ आ गया तो अप करिए फिर बताए क्या क्या बनाना है। अरे सीरियस पढ़ा रहा है ठीक है टेंशन ना लीजिए भाई देखो ये वाला चीज सीरियस पढ़ाई का ही है जब मैं मतलब स्पेमर से इंपैक्ट हो जाऊं तब समझना मैं सीरियस नहीं हूं ठीक है यस वेरी गुड तो अब आपके पास कौन कौन से फोर्सेस हैं पहले तो उसको समझ लेते हैं फिर मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा उसमें वो फोर्सेस आप सभी लोगों को बनाना भाई देखो वेट किसकी वह? वेट पहली बात फोर्स होता है ये सारे फोर्सेस हैं हम लोग नॉर्मली बोलते हैं तुम्हारा वजन कितना है सेवेंटी एट के जी लेकिन हम मास को ही अपना वजन मान लेते हैं लेकिन ये गलत बात है ठीक है वेट आपका फोर्स है ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ठीक है है, आपको कितने फोर्स से खींच रही है That is your weight. तो इसको हमेशा टुवर्ड्स अर्थ बनाना टुवर्ड्स अर्थ हमारे बीच में कई सारे शूरवीर बच्चे होते हैं जब वेज वाले सवाल आएंगे ना अभी ये ब्लॉक यहां पे रख दूं तो इसका वजन बनाओ यहां बना रहे थोड़ी देर में इसका एंगल चेंज करेंगे तो बॉडी अपने आप सीधे वजन से सीधे जाना स्टार्ट कर देगी अरे भाई वेट यहां नहीं होगा धरती नीचे ही होती है ठीक है तो इसका अगर वजन बनाना है तो डायरेक्टली नीचे बनाइएगा ठीक है टूवर्ड्स अर्थ और किसी बॉडी का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू एम इन टू जी इतनी सी बात इतनी सी बात तो भावनाओं में मत वही कि नहीं यहां लग रहा है थोड़े से एंगल पे बना दे बिल्कुल सवाल गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे वजन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को सुनिएगा ठीक है नॉर्मल रिएक्शन को सुनिएगा नॉर्मल रिएक्शन है कॉन्टेक्ट फोर्स जब भी कोई दो रिजिड बॉडी ध्यान सुनिएगा दो रिजिड बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में आए हम आपको थप्पड़ मारे तो हम नहीं मार रहे नॉर्मल रिएक्शन मार रहा है। जैसे आपका गाल से हमारा हाथ लगेगा दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट आया नॉर्मल रिएक्शन ठीक है कोई भी दो रिजिड बॉडीज अगर कॉन्टेक्ट में आए तो नॉर्मल रिएक्शन बनाना है ये होता है पुश फोर्स अच्छा पुश मतलब कई बच्चे नहीं समझ पाते धक्का बॉडी को दूर करेंगे बॉडी को दूर करेंगे मैं दो ऑप्शन देता हूं जरा सोच के बताना ठीक है दो बॉडीज हैं एक ऐसे और एक ऐसे इनके बीच में देखो यहां पर मैं कह रहा हूं दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा मेरे को यह बताना अभी देखना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन कैसा होना चाहिए दो ऑप्शन देता हूं येलो वाला आ ग्रीन वाला जरा सोच के बताना नॉर्मल रिएक्शन कौन से कलर वाला होना चाहिए नीचे ही लगता है हाँ बेटा पापा मारेंगे तो नीचे ही जाओगे ठीक है जहां जहां कांटेक्ट होगा सर यहां नहीं होगा यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा हम्म ग्रीन वाला कुछ बच्चे येलो वाला कह रहे हैं इसीलिए कहते हैं पहले अंग्रेजी का ट्यूशन लगाओ फिर पीडब्ल्यू में आओ क्योंकि हम लोग तो और खराब है <laughs> अंग्रेजी में बेटा बॉडी को दूर करेगा ये ये ऐसे अगर दोनों पर फोर्स लगाऊंगा तो ये पास बुला रहा है ना ठीक है एरो से भी पता लग रहा है आ आ आ जा आ, 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 जा आ, 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 ये कह रहा है और ये क्या कह रहा है दूर जाओ सीधी सी बात तो यार ग्रीन वाला ही तो होगा ठीक है तो याद रखना धक्का देना है धक्का ठीक है और हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस टू कॉन्टेक्ट एंगल पे मत बना देना दूर करना है ऐसे कुछ नहीं भाई तमीज से सरफ़ेस के परपेंडिकुलर आपको दूर बनाना है दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रखने हैं स्कूल में पूछे नहीं जाते थे धागा धागा ये टूटे ना ये धागा है ना ये धागे ने परेशान कर रखा बच्चों हम को हमको ये पूरा फील आया तो हम पहले लिख लिया अंग्रेजी में ताकि हम अंग्रेजी में अगर लिखेंगे ठीक है तो आपका अंग्रेजी तो वैसे ही खराब है समझा रहे हैं वाई समझेंगे आंसर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा तो यहां पर ध्यान से सुनिए स्ट्रिंग होता क्या है स्ट्रिंग है धागा जब तक आपको क्वेश्चन में यह ना बोला जाए इसका मास है हम लोग इसको लेके चलेंगे मासलेस डबल एस आता होगा ठीक है हाँ। है, ठीक होगा मासलेस धागा याद रखना स्ट्रिंग से कभी मान लो आपको गाड़ी आपकी पंचर हो गई या खराब हो गई तो आपने देखा होगा सड़कों पर लोग वायर या रस्सी बांध के खींच के ले जाते हैं धागे से आप कभी किसी को धक्का दे सकते हो है? धागे से आप कभी किसी को धक्का दे सकते हो कतई नहीं अगर दे दियो तो भैया प्रभु है हमें बता दीजिए हम यही जमीन छुएंगे आपका पांव तक पहुंचेगा ठीक है धागे से अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल होता है मासलेस एंड एक्सटेंसिबल बोला जाता है एक्सटेंसिबल कहने का मतलब लेंथ कांस्टेंट रहेगा चाहे आप कितना फोर्स लगा लो अब मुझे पता है आपके अंदर ये खुजली होगी तो व्हाट इफ लेंथ विल वेरी इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तब तो आपका ये जो अचानक से साइंटिस्ट जागा है ना बुझ जाता है ठीक है मासलेस रहेगा उसका मास नहीं दिया जाएगा जनरली दिया जाए तो ये नहीं राजवंश तो हमको ये पढ़ाया क्वेश्चन में बोनस दीजिए ऐसा नहीं है इन एक्सटेंसिबल लेंथ कॉन्स्टेंट रहेगा दूसरी बात अगर आप बात कहेंगे टेंशन हमेशा सेम रहेगा टेंशन इन वन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में आपका टेंशन हमेशा क्या रहेगा सेम ठीक है याद रखना कि हमारे लिए ये हमेशा पुल फोर्स होगा अगर कोई दो बॉडीज धागे से बांध रखी हैं ऐसे और इनके बीच में धागा है तो यह धागा हमेशा इन दोनों को एक दूसरे के पास बुलाने की कोशिश करेगा धक्का नहीं दे सकता अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिए बेटा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा मान लीजिए ऐसे हमारे पास ब्लॉक्स थे और मैंने यहां पर फोर्स लगा रखा है एक्सटर्नल तो इस धागे के अंदर आपको अलग टेंशन लेना होगा पुल फोर्स दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा टीवन टीवन और यहां पर भी पुल फोर्स टी टू टी टू सारे बच्चे थम्सअप करें क्या ये क्लियर है hmm. क्या ये क्लियर है बताइए hmm. बताइए हाँ 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 यस हमेशा देखना पास बनाते हुए ही हम लोग रखेंगे ठीक है पास बनाते हुए ही हम लोग यहां पर रखेंगे पुली को भी समझ लीजिए पुली जो होगी आपकी हमेशा जनरली रोटेशन तक मासलेस रहेगी मुझे पता है आपके अंदर यह जिज्ञासा आएगी सर व्हाट इफ इट हैज मास तो रोटेशन में देखना तब यह जिज्ञासा खत्म हो जाएगी ठीक है अभी के लिए हमारे पास मासलेस है जैसे मान लीजिए कि एक आपकी ये पुली है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस कोई धागे में फ्रिक्शन नहीं लगेगा कहने का मतलब लॉज ऑफ मोशन में पुली डज नॉट रोटेट पुली आपकी रोटेट नहीं करती है ठीक है रोटेट सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई पुली आपकी मासलेस रहेगी उसका कोई भी मास नहीं है और फ्रिक्शन उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली पर सीधी सी एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका धागा यहां से ऐसे गया और यहां पर आपने पुली को फिक्स कर रखा है तो पुली का हमेशा मास आप कितना मान के चलेंगे जीरो क्लियर वेरी गुड तो जरा यहां पर ध्यान से देखना अगर आपने यहां पर टेंशन टी लगाया है तो एक धागे में सेम ही टेंशन टी आपको यहां पर मिलेगा ठीक है और इस पुली का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर आपको टी मिल रहा है इधर आपको टी मिल रहा है मार्च जीरो दैट मींस नेट फोर्स हमेशा आपका पुली पर कितना रहेगा जीरो ऑलवेज ये गलती मत करना इवन इफ इवन इफ इट इज एसलरेटेड इट इज एसलरेटेड मास ही नहीं ले रहे तो आपका एसलरेशन मतलब फोर्स हमेशा ही जीरो रहेगा क्लियर वेरी गुड तो हमारे लिए यहां पर कितना आएगा बेटा आपका अगर आपसे कोई फोर्स पूछे कि ये फोर्स कितना होगा तो भाई इस पर नेट फोर्स जीरो है तो एफ अपवर्ड जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड आपका लग रहा होगा तो आप यहां पे क्या कहेंगे बेटा एफ इज इक्वल टू टू टी सारे बच्चे क्या क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड कंस्ट्रेंट मोशन में ये आपको मदद करेगा ठीक है सारे बच्चे इस पर जरूर नजर रखना कि भले ही यहां पर तो सर पुली रेस्ट पर है आपने ने नेट F upward equal to F downward बोल दिया, net force zero दिया। कह अगर सर क्वेश्चन में होगा, तब आपका यह कंसेप्ट क्लियर है नेट फोर्स ऊपर जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए तभी आप आगे के क्वेश्चन आसानी से ले जा पाएंगे क्लियर है क्या कुछ बच्चे भागते हुए वेरी गुड टाटा बाय यस वेरी गुड यस अब आप सभी लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम्स यहां पर बनाने हैं ठीक है मैं कुछ डायग्राम्स दे रहा हूं ये बाद में आपको सिलेबस में मिलते हैं एक दीवार पे ब्लॉक आपने रखा है फोर्स लगा के रखा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेट्स सी कौन कौन मैच कर पाता है मैं टाइम दे रहा हूं जल्दी से जल्दी से इक्वेशन बनाना मैं सिखाऊंगा बस आपको फोर्स लिखना है आपको इस डायग्राम में बॉडी को अलग करिए और उस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ फोर्स बनाना है ठीक है क्लियर यस। आइए आइए तो पहला केस भाई देखो इसका मास है तो वजन होगा वजन इधर मत बना देना ठीक <laughs> है एमजी नीचे होगा सर आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया मैंने कहा बहुत सही ठीक है सर इसके साथ एक कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां मिलेगा सर और एक दीवार पर मिल रहा होगा एक्शन रिएक्शन देखिए अगर ये एक्शन है तो इसी का रिएक्शन इधर दीवार पर भी मिल रहा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ सर वजन का रिएक्शन अर्थ पे लग रहा होगा सर ये वाला एक बॉडी पर लगा एक मेरे हाथ पर लग रहा होगा किसका मैच हो गया मैच मैच वेरी गुड जरा एक सरफेस है ठीक है ये तीन ब्लॉक्स हैं हमारे पास तीनों कंडीशन पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है डायग्राम देख लीजिए हमारे पास यहां से ये किसी एंगल थीटा पर है ये दोनों का सेम ही है तो आप ए और बी का बनाएंगे ठीक है आप सभी लोग ए और बी की सिचुएशन पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ये हमारे पास कितना एंगल है बेटा दिस एंगल इज थीटा ठीक है दिस एंगल थीटा जरा सारे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अभी मैं फ्रिक्शन बोला ही नहीं ना बेटा अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं बोला ना फ्रिक्शन के अलग फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सिखाऊंगा मैं इस तरीके से ही लेके आया हूं ठीक है कहां गया भैया जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो इसमें इसके अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अभी मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है उतना बनाओ मैंने कहीं रफ वफ कुछ नहीं बोला ना तो आपको नहीं बनाना सीधी सी बात ठीक है आपको नहीं बनाना सीधी सी बात ठीक है आइए तो जरा इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस वाले को मैं बी कह देता हूं या चलिए मैं ऐसे बात कर लेता हूं ठीक है जरा ये देखना आपका बॉडी यहां है इसका वजन आप सीधे नीचे बनाएंगे दैट इज एम एंगल पर नहीं सोचना ठीक है ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपको ऐसा मिलेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा होगा सेंटर की तरफ हमारे पास जा रहा होगा ठीक है ये हमारे पास सेंटर की तरफ इस प्रकार से जा रहा होगा ठीक है तो अगर आपको रिजोल्व करना पड़ेगा वो अभी हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा क्लियर इक्वेशन नहीं लिखनी बस फोर्स लिखिए फोर्स बनाइए आगे मैं चलूंगा तो इक्वेशन बताऊंगा क्योंकि गलतियां होती हैं अगर आप यहां पर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा तो इसका एक खुद का वजन होगा और जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन मिला होगा N2 इस प्रकार से इसका N1 इस प्रकार से वजन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में क्लियर है क्या मैच बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं बेटा परेशान मत होइएगा ठीक है यस वेरी गुड अगला क्वेश्चन है मान लीजिए दो ब्लॉक्स M1 एंड M2 एक के ऊपर मान लीजिए एक किताब है उसके ऊपर एक और किताब है इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है ठीक है लेट्स सी किस किस का मैच होता है यहां गलतियां होती हैं तो भाई सबसे पहले तो इनका वजन बनाइए एम वन जी एंड एम टू जी या, या। देखिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है ना तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा धक्का देते हुए इसको दूर करेगा और इसको भी दूर करेगा ये एक्शन तो ये रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एन वन एन एन वन क्लियर क्लियर और एक आपका यहां पर है बेटा कांटेक्ट तो जब आप इस कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तो फिर से इनको धक्का मिलेगा दूर जाने के लिए तो दीवार से दूर जाने के लिए एक इसको मिलेगा एन टू यहां पर और एक आपको जमीन पर एन टू मिलेगा वो बनाने की अभी जरूरत नहीं है किस किस का ये मैच हो गया इक्वेशन नहीं लिखनी अभी इक्वेशन नहीं सर तीन नॉर्मल होंगे क्यों भाई दो ही तो कॉन्टेक्ट है एक और दो दैट सेट क्लियर सर प्लीज बेसिक्स ओके क्लियर वेरी गुड अगला है कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है बेटा जिससे आपने M मास को हैंग कर रखा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो जरा समझना आप इसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाएंगे कोई फिजिकल बॉडी में नहीं है कई बच्चों को ये डाउट आता है कि सर ये जो धागा है ये भी तो ब्लॉक के साथ कॉन्टेक्ट में है वहां नॉर्मल क्यों नहीं बनाया वही आपका बन जाता है टेंशन वही बन जाता है आपका टेंशन सारे बच्चे जरा देखना इधर आपका एक टेंशन होगा टी एंड टी देखिए ये इन दोनों पॉइंट्स को पास लाने की कोशिश कर रहा है टी टी और एक स्ट्रिंग का खुद में अगर आप बात करें मास नहीं है इस दीवार पर फिर से आपका टेंशन इन दोनों को सेम ही रखना है यहां होगा टी और यहां होगा आपका टी क्लियर है क्या यस इक्वेशन नहीं बनाना अभी इक्वेशन बनाने का समय आएगा ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अगला फ्री बॉडी डायग्राम वेज का सर ग्राउंड का नॉर्मल कौन सा ग्राउंड का नॉर्मल यही है बेटा दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड तो ग्राउंड पे अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं गलत नहीं है हम लोग जनरली क्या करते हैं इन्हीं की बनाते तो बनाया नहीं अगर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं ये एक्शन है तो रिएक्शन ग्राउंड पे ऑब्वियसली होगा क्लियर हा क्लियर सर पहले वाला रिपीट इसमें देखो भाई जो हमारे पास धा ये बॉडी है इसका वजन बनाया इस धागे के अंदर एक टेंशन रहता है जो हमेशा दो पॉइंट को पास लाने की कोशिश करेगा इन दोनों के बीच में पास लाने का टेंशन टी और एक धागे में टेंशन टी ही रहता है इन दोनों को पास लाने में टेंशन टी द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर जरा इसकी बात करके ठीक है हा वेरी गुड कईयों को कुछ याद आते हुए सारे बच्चे जरा देखना इस बॉडी को जरा आप फ्री करेंगे ऐसे और इस वेज को आप फ्री करेंगे ऐसे अगर आप ग्राउंड के साथ भी बनाना चाहते हैं तो अभी बना रहा हूं लेकिन बाद में हमें जरूरत नहीं पड़ती है जनरली तो आप ऐसे रखना चाहें तो रख सकते हैं जरा सारे बच्चे जरा देखना फ्री बॉडी डायग्राम इसका वजन कैसे आएगा बेटा इसका वजन होगा एमजी नीचे और इसका वजन कैसे होगा कैपिटल एम देखते हैं कितनों का मैच होता है ये ठीक है दो कॉन्टेक्ट हैं कौन कौन से एक तो यहां तो एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इनके परपेंडिकुलर देखना बेटा ये परपेंडिकुलर लाइन पे पुश तो एक नॉर्मल आपको यहां मिलेगा बेटा और एक नॉर्मल आपको यहां मिलेगा ऐसे ही आप एन वन और एन वन कहना चाहें आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सर एक कॉन्टेक्ट तो यहां पर भी है मैंने कहा ये है तो अगर सर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन बनाए तो एक नॉर्मल रिएक्शन आप यहां बना दीजिए एन टू और एक नॉर्मल रिएक्शन आप ग्राउंड पर बना दीजिए एन टू परुलर टू दर्फेस ये है इनका फ्री बॉडी डायग्राम कितनों का मैच हो गया भाई वेरी गुड वेरी गुड ये हुई ना बात ठीक है अगला फ्री बॉडी डायग्राम ये रोटेशन में आएगा ठीक है मान लीजिए कि मेरी एक रॉड है वो किसी ऐसे एंगल थीटा पर है जैसी मैं छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप रॉड का कैसे बनाएंगे भाई इसका वजन कहां लेंगे बिल्कुल सेंटर पर एम और जमीन के साथ ये यहां पर कांटेक्ट में है तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन बनाना पड़ेगा आपको एक वन और एक जमीन पर आप बनाएंगे ठीक है जमीन पर आपका एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इस प्रकार से एनवन किस किसका यह भी क्लियर हो गया कोई धागा नहीं कोई टेंशन नहीं वेरी गुड सर कंपोनेंट्स क्यों नहीं कर रहे अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे ब्रेक करना है आगे इक्विलिब्रियम आएगा मोशन आएगा सर्कुलर तब तो मैं आपको फोर्सेस को तोड़ना सिखाऊंगा अभी बस फोर्स बनाना है ठीक है अभी आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी बेटा क्योंकि इक्वेशन में मैंने देखा है कई बच्चों की गलतियां होती है तो मैं सिखाऊंगा कैसे इक्वेशन बनानी है ये वाली बात तो हम लोगों ने अभी करी ली थी इधर एक टेंशन जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वजन होगा तीनों ब्लॉक को अलग कर लीजिए एम वन एम टू एम थ्री ठीक है इन सभी का वजन बना लीजिए बेटा एम वन जी एम टू जी एंड एम थ्री अच्छा यहां पर तीनों का मास एम वन ही है चलिए ठीक है तो एम वन जी एम वन जी एम वन जी तीनों का वजन आ गया ये आपने बाहर से दस न्यूटन लगाया है वो बना दिया देखना तीन कॉन्टेक्ट है एक यहां एक यहां एक यहां तो तीन नॉर्मल रिएक्शन एक n1 वन एन टू एन थ्री जिनको ये डाउट आ रहा है कि सर ये तीनों बराबर होने चाहिए यस yes. आपकी बात सही है लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग अलग लेके चल रहे हैं अभी ठीक है और ग्राउंड पे अगर आपको बनाना होगा एन वन एन टू और एन थ्री क्लियर यस तीनों धा दाग, दो धागे हैं बेटा तो इधर का धागा दोनों को पुल करेगा टी वन टी वन इधर का धागा दोनों को पुल करेगा टी टू टी टू किस, -किस का ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया हुँ. सर आज कितना कवर होगा पूरा एनएलएम ठीक है वेरी गुड बस बेसिक्स को आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक है पुली वाले में जरा ये चीज देखना ठीक है पुली वाले सवाल भी आपको बाद में मिलेंगे तो घबराना नहीं है उसमें क्या करना है अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं ठीक है तो मैं यहां पर बना रहा हूं आपको अलग बनाना है तो इसका एक वजन बनाएंगे बेटा एम टू जी और इसका एक वजन बनाएंगे एम वन जी जरा स्ट्रिंग्स पर नजर रखना यह वर्ड बोलना वन स्ट्रिंग वन टेंशन एक धागे में एक ही टेंशन रहेगा वो भले ही कहीं पर भी घूमकर चला जाए जैसे ये देखना ये वाला धागा आपका ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया ये एक ही धागा है तो आप यहां पर एक ही टेंशन लेंगे इधर आपका टेंशन टी इधर आपका टेंशन टी दोनों को पास लाने की कोशिश इधर आपका टेंशन टी 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 क्लियर आदित्य आनंद बोरिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा हम पढ़ा रहे हैं एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं आप जा सकते हैं ठीक है थीके? हमने आपके जैसे ऑनलाइन कम से कम सात आठ लाख बच्चे पढ़ा लिए हैं हमें अब ज्यादा बच्चे पढ़ाने की इच्छा खत्म हो चुकी है हमें अच्छे बच्चे चाहिए तो आप बिल्कुल सूटम सूट निकल जाइए ठीक है आइए तो ये हो गया बेटा अब ये नया धागा है तो सर यहां क्या लेंगे आप नया टेंशन लेंगे टी और टी ऐसे सर यहां तो नया धागा है बिल्कुल तो नया टेंशन लेंगे इक्वेशन अभी नहीं लिख रहे हैं T3 और T3 सर यहां तो एक नया धागा है तो T4 फोर एंड टी फोर लाइक दिस क्लियर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड हाँ स्पीड स्पीड ऐसी रहेगी नॉर्मल है अब जरा देखना ये वाला धागा एक है ये वाला धागा एक है अच्छा एक और कह रहा है बोरिंग हो रहा है <laughs> बेटा इंटरेस्टिंग उस दिन होगा आपके घर वाले और पड़ोसियों के लिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बड़ा मजा आएगा सबको हाँ तो पढ़ लीजिए बेटा वरना आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा किसी और के लिए रहेगा यहाँ टेंशन टी और टी यही धागा टेंशन टी और टी ठीक है हम लोगों को अभी मोटी चमड़ी हो चुकी है इतना फर्क नहीं पड़ता इन सबसे ठीक है तो ज्यादा लोड हम लेके पढ़ाते नहीं है बैच में अगर थोड़ा सा बच्चा बोलता है तो बुरा लगता है पैसा दिया है ये फ्री हम मान लेंगे आपने फ्री में उसकी इज्जत नहीं करी और कोई दिक्कत नहीं जमीन ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन यहां पर M2G. ये नया धागा है बेटा तो नए धागे में नया टेंशन लेके चलेंगे टी टू एंड टी टू क्लियर यस yes. और क्या बैच में जब बच्चा बोलता है बोरिंग तो थोड़ा सा लगता है यार कि थोड़ा सा पकड़ के रखे बच्चे को यहां तो आप वैसी समुद्र में तैर रहे <laughs> तैरते तैरते भी दूसरी जगह जाके बकवास करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आ जाओ यस yes. हाँ सर व्हाट इज टेंशन भाई देखो दो प्रकार की होती है एक जो आपने कभी ली नहीं और एक आपके लिए धागे के अंदर जो फोर्स है उसी को हम टेंशन कहते हैं ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे ये वर्ड आपने कई बार सुना है यार, कई बार जब किसी बॉडी पर

जब भी कोई बॉडी हमारे पास हमेशा आपको रुकी हुई दिखे ना बेटा समझ जाना कि वो इक्लिब्रियम में वेरी गुड और टाइप ऑफ इक्लिब्रियम अगले चैप्टर में आपको मिलेगा जहां आप अगर नहीं आएंगे तो मिस हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी में स्टेबल इक्लिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्लिब्रियम अगर आपको याद आ रहा हो ठीक है एक ऐसा स्टेट जहां पर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर आपका जीरो है तभी तो होगा ना चच्चा ए मर्दवा नेट फोर्स जीरो जीरो पर रहेगा चलेगा तो चलेगा जी तो हमारे पास नेट फोर्स ऑलवेज जीरो कंडीशन अब इसमें करना क्या है क्वेश्चन कैसे करते हैं ड्रॉ ए तो अभी आप सिखा रहे तो हम पढ़े नहीं बिल्कुल और क्या अगली चीज जो सिखाऊंगा वो भी तू नहीं पढ़ेगा तभी तो तू अगली बार मंजिल प्रो मैक्स में भी आएगा <laughs> ठीक है ड्रॉ एफबीडी हमारे पास रिजोल्व दी आप अलोंग एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई और नेट फोर्स एक्स में जीरो कर दो बॉडी हमेशा रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है अलोंग एक्स एंड वाई आपका सवाल हो जाएगा क्लियर हाँ यस मजा आवत अवधा चला 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 मरदवा चल जा ठीक है तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस को रिजॉल्व करना है एक्स और वाई में जीरो करना है एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन करते हैं ठीक है सर रिजॉल्व की स्पेलिंग खराब है खराब नहीं कहते गलत कहते हैं और हम कॉन्फिडेंटली गलत करेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना है चलो आ जाओ अगला सवाल क्या कह रहा है देखो सबसे पहले हमें कैसे पता लगेगा सर ये इक्विलिब्रियम में है देख के पता लगेगा ये ठीक है यूज करना पड़ेगा ये बॉल हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ वेट डब्ल्यू रेडियस थ्री मीटर इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू मीटर अटैच टू द फ्रिक्शन वॉल एज शोन इन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज देख के पता लग रहा है आपको भी और हमको भी ये चल नहीं रही और चल नहीं रही तो इक्विलिब्रियम है चच्चा सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ये जो आपकी बॉल है ठीक है सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए देखे कौन कौन फ्री बॉडी डायग्राम एटलीस्ट बना लेता है इसका वेट डब्ल्यू दे रखा है सीधे सर एम जरूरत नहीं है। वेट दे रखा है ठीक है एक धागा होगा यहां पर तो यहां पर होगा आपका टेंशन टी और यही धागा आपका दीवार पर जा रहा है तो टेंशन टी दीवार को कंसीडर करना ही नहीं हटाओ इसको हट यस और एक इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो यहां पर आपका एक नॉर्मल रिएक्शन यहां मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन दीवार को मिलेगा दीवार की जरूरत है नहीं हमको हम हटा देते हैं ऐसे किस किस का मैच हो गया भाई क्लियर यस मैश वाले जल्दी से बताए राइट right? तो अब क्या करना है नेट फोर्स जीरो करना है मान लीजिए कि यहां एंगल थीटा है रुका हुआ है ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजोल्व कर लीजिए यह भी एंगल थीटा होगा तो यहां कितना होगा भैया टी थीटा और यहां कितना होगा टी साइन यस yes, हमसे पूछा गया था टेंशन इन द स्ट्रिंग इज है ना यही पूछा गया था तो जरा देखना ये आपका आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू हम्म थीटा कैसे निकालोगे मुझे हिंट करिए देखो यार नॉर्मल रिएक्शन हमें पता नहीं थीटा पता नहीं दो इक्वेशन दो वेरिएबल और ये ऊपर से टेंशन भी नहीं पता ऊपर से टेंशन भी नहीं पता दो इक्वेशन तीन वेरिएबल सर क्वेश्चन बोनस मारेंगे लपड़ पहले सोचिए थीटा कैसे निकालेंगे डिवाइड करके तो बेटा टेन थीटा आ जाएगा <laughs> थीटा तब भी बच जाएगा पागल इंसान लेंथ गिवन है वेरी गुड जरा ये समझो यार थ्री ये हुआ दो मीटर का धागा ये हुआ और इसका रेडियस थ्री ये हुआ तो क्या आपको ट्राइंगल दिख रहा है भाई साहब ये, ये, ये आपका फोर है इस ट्राइंगल आपके पीठ पे चिपका पड़ा है ग्यारहवीं से आप लोग इसको ढूंढ ही नहीं पाते यही एंगल आपने थीटा लिया था हो गया क्वेश्चन इस क्वेश्चन में टेंशन निकालना है तो आप यहीं पर

किसी को यह तो नहीं लगा सर एम क्यों नहीं लगाया बेटा वेट दे रखा है वेट इज नथिंग बट योर एम क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है सारे वेट के टर्म्स में है तो वही बना दिया डब्ल्यू यस yes. अगला सवाल ओ ये बीच बीच में लिखा है क्योंकि पगला बच्चा आता है ठीक है अगला सवाल सारे बच्चे अगला सवाल टू वेट्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू टू सीधे वेट दे रखा है अब एमजी करने की जरूरत नहीं है इसका वेट आपका W1 ठीक है इसका वेट आपका W2 ऐसे ही दे रखा है ठीक है एन एट रेस्ट सस्पेंडेड रेस्ट बोल दिया क्वेश्चन में हिंट दे दी बेटा इससे ज्यादा क्या लोगे आंसर पूछ लो उससे इक्लिब्रियम और इक्लिब्रियम मींस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम नेट फोर्स सभी जगह पर आप जीरो करेंगे एस शो इन द फिगर डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू बेटा दसवीं क्लास का जो बच्चा है प्लीज अपना जाके दसवीं पढ़ ले तू हमारा फैन भले ही होगा लेकिन दसवीं में रह जाएगा तो हमसे पढ़ नहीं पाएगा ठीक है दसवीं पढ़ ले बेटा पहले ठीक है ग्यारहवीं बारहवीं में हम पीडब्ल्यू छोड़ के भाग तो रहे नहीं है पढ़ लेना हमसे ठीक है अभी चले जाओ यहां पे राक्षसों की सेना को पढ़ा रहे हैं घर आके नोच के खा जाएंगे मांस वास हाथ से निकाल ले जाएंगे क्योंकि इनके पास है नहीं अभी ठीक है इनके बीच में मत पड़िए कुचल देंगे ये कौन सा इक्लिब्रियम अभी आपके लिए बस इक्लिब्रियम है ठीक है तो भैया पूरा सिस्टम रुका हुआ है by चाहिए ठीक है तो देखो पूरा सिस्टम है तो आप क्या करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जैसे मान लीजिए यहां पर टेंशन टी ले टी वन ले लिया तो ये रुका कब होगा जब T1 की वैल्यू W2 होगी तभी रुका रहेगा ना यार हाँ या ना मतलब राक्षसों के बीच में दसवीं वाला बच्चा आ रहा है भाई ये दसवीं के पास हुए बच्चे हैं दो साल हो गया भूल चुके हैं अब इनको दया हाया कुछ नहीं है घर आके नोच के ले जाएंगे तेरे को तो यहां पर माता ठीक है यही टेंशन टी वन यहां रहेगा सर ये धागा अलग ले ले यस आप टी टू यहां मान लीजिए और टी थ्री आपको यहां मान लेना पड़ेगा धागे अलग फिर भले ही वैल्यू सेम है पहले हमें अलग लेना चाहिए यस हाँ, तो ये कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा भैया नेट फोर्स जब T3 की वैल्यू W1 के बराबर हो जाएगी है ना सर अब इन दोनों का रेशो पूछा था तो मैंने कहा रेशो तू लेगा तो T1 और T3 के टर्म में आ जाएगा उनको किसी ना किसी रिलेशन में ला तो तुम कहोगे ये भी तो रुका हुआ है अब जरा देखो आप कहते सर यहां T1 है ये 37 डिग्री यहां T2 है ये 53 डिग्री और यहां T3 है पूरा सिस्टम रुका हुआ है यह अचानक से नाचेगा ना यह भी रुका है तो रिजॉल्व कर दीजिए तो यहां पर आएगा बेटा आपका T1 वन कॉस थर्टी सेवन टी वन साइन थर्टी सेवन आई होप आपको रेजोल्यूशन आता होगा T2 टू कॉस फिफ्टी थ्री ठीक है और T2 टू साइन फिफ्टी थ्री आया जरा देखना अलोंग एक्स ये चल नहीं रहा तो अलोंग एक्स आप कहते टी वन कॉस थर्टी सेवन की वैल्यू आपकी किसकी बराबर होगी टी टू साइन फिफ्टी थ्री किस किसकी इक्वेशन से मैच हो गई है सारे बच्चे मेरे को बताना ये आ जाएगा और हमारे लिए नेक्स्ट इक्वेशन ये वाई एक्सेस में भी नहीं चल रहा है टी वन कॉस थर्टी सेवन प्लस टी टू कॉस फिफ्टी थ्री ये आपका होगा T3 के बराबर किस किसकी इक्वेशन मैच हो गई दिल बना दीजिए यश और नो यश और नो सारे बच्चे ये ये T1 ले लिया है मैंने तो T1 वन इक्वल टू डब्ल्यू टू और यहां पे T3 थ्री इक्वल टू डब्ल्यू वन टी थ्री इक्वल टू डब्ल्यू वन ये T1 है तो T1 वन कॉस थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन कॉस फिफ्टी थ्री साइन फिफ्टी ये Y में भी आपका मैच होगा तो दिन इन दोनों समीशन टी T3 के बराबर करना है इन दोनों को इक्वेट करना है यस हा क्लियर कहां पर हां कहां पर अरे ये बताओ कहां पर गड़बड़ हुई है जल्दी 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 T3 W1 के बराबर है T1 W2 के बराबर है ठीक है यही वाला टीवन आपका यहाँ कॉस थर्टी सेवन ठीक है अच्छा ये वाला टीवन साइन थर्टी सेवन होगा ओ, ओ, पहली इक्वेशन में यहां जिनको रेजोल्यूशन की दिक्कत आ रही है ठीक है जिनको रेजोल्यूशन जिस साइड आपका एंगल होता है उसी साइड आपका कॉस कॉम्पोनेंट क्योंकि बेस अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो बेस यहां मिलेगा तो कॉस कॉम्पोनेंट बेस की साइड जाता है ठीक है तो अब आपकी ये क्वेश्चन सोल्व करिए जल्दी से T1 की वैल्यू आपके लिए W2 आ रही है T3 की वैल्यू आपके लिए W1 आ रही है आपके लिए ये ये वाली इक्वेशन कितनी थी T1, ठीक है? है, है। अब जो बच्चों को ट्राइंगल का दिक्कत है, याद रखना, स्टैंडर्ड इन दोनों के बीच का एंगल तिरपन डिग्री फाइव और थ्री का और इसमें है डिग्री। जिनको थर्टी सेवन और फिफ्टी थ्री डिग्री का नहीं पता है दिस इज स्टैंडर्ड ट्राइंगल तो आप इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा वन जरा देखना साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन कैसे निकालोगे फोर बाय एक equation आपकी यहां से आ गई थ्री टी वन इज इक्वल टू फोर टी टू ये आ गया बेटा सेकेंड इक्वेशन सारे बच्चे जरा देखना सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है वन कॉस थर्टी सेवन तो कॉस थर्टी सेवन बेस ओवर हाईपोर्ट फोर बाय फाइव प्लस टी टू हमारे पास कितना है बेटा कॉस फिफ्टी थ्री कॉस फिफ्टी थ्री बेस ओवर हाईपोर्ट 3 थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इस टी थ्री यस तो जरा टी वन की जगह डब्ल्यू टू डाल दो ठीक है फोर डब्ल्यू टू प्लस थ्री टी टू इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ टी थ्री की जगह डब्ल्यू वन डाल दो अब मेरे को टी टू टी टू आपको अगर यहां पर देखा जाए तो थ्री टी वन बाय फोर है ये उठा करके इधर रख दो तो फोर डब्ल्यू टू प्लस थ्री इंटू टी टू की बात करोगे तो थ्री टी वन बाय फोर इज इक्वल टू फाइव डब्ल्यू वन और टी वन आपका किधर आता डब्ल्यू टू क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे एक बार दिल बना दीजिए डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू का रेशियो आपको यहां से मिल जाएगा क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे दिल बना दीजिए यस yes? hmm. पढ़ा दो सब पढ़ाएंगे बेटा जल्दबाजी मत करिए आपके लिए सारी चीजें हैं ठीक है ठीके? क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे या मैं आप पे छोड़ू ठीक है इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बस डब्ल्यू वन बायू टू वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला सवाल देखिए एक दो बॉल्स हैं एक सिलेंडर में हमारे पास अटक गई हैं ठीक है आपको देख के पता लग रहा है ये पूरा का है सबका रेडियस सब कितना है पांच वेट डब्ल्यू यस सर वाई टी टू इज नॉट इक्वल टू टी वन बेटा हमारे पास वो जॉइंट है जॉइंट में दोनों का अगर एंगल हमारे पास सिमेट्रिकल होता ध्यान समझिए यहां पर अगर ये एंगल सिमिट्रिकल होता इधर भी 37, इधर भी भी 37 37 तब आप कह सकते थे सिमेट्रिकली दोनों साइड टेंशन सेम होगा लेकिन नहीं है तो अलग लेके चलेंगे इक्वेशन अगर आप पहले लेके देखें तो ये दोनों साइड अगर एंगल सेम होता कट जाता टी और टी तब बराबर आता तो पहले आप अलग लेके ही चलेंगे ठीक है आइए अब स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस आठ सेंटीमीटर मतलब ये सोलह सेंटीमीटर हो गया बेटा रिएक्शन बिटवीन द फेयर एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं इनके बीच का रिएक्शन बताना है एंड हमारे पास एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर से नॉर्मल रिएक्शन बताना है क्लियर hmm. सर आप रीजन भी बताएं। तो रीजन बताए तो हा क्लियर क्या दिक्कत है hmm. यस क्लियर हाँ क्या दिक्कत है लैग कहां से आ रहा है यार प्लीज तंग मत करो यार हम्म नीट के स्टूडेंट नहीं पढ़ो यार यहां पर ये ये सब सवाल नहीं आते तुम्हारे कहां घूम रहे हो गधे हो क्या फिर रुको भैया पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना है ज्यादा हंसी मजाक नहीं सीरियस स्टूडेंट वेट कर रहे हैं स्पैमर्स पर ध्यान नहीं देना क्रिस्मा ठीक <laughs> हाँ यस कोई लैग नहीं है ना आ जाओ जरा इनका फ्री बॉडी डायग्राम सारे बच्चे बनाना इसीलिए रखा गया है ये पागल बच्चे हैं भाई साहब क्लास डिस्टर्ब करेंगे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आराम से ठीक है आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए देखना यहां पर कई बच्चों को दिक्कत आएगी यह आपका एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जिसका रेडियस कितना है आठ सेंटीमीटर का सोलह सेंटीमीटर हुआ ठीक है तो मैं इनको ऐसे थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम है ना बेटा एक यहां कहीं होगा ठीक है और एक आपका यहां कहीं होगा एक यहां कहीं है और एक आपका यहां कहीं है थोड़ा दूर दूर, दूर बना रहा हूं समझ जाना ठीक है अब पहले तो इन सभी का वजन बनाएंगे आप एक यहां पर और एक आपका यहां पर है ना इनका वेट दे रखा है क्या वेट W है रेडियस पांच सेंटीमीटर है तो आप देखेंगे तो यहां W आएगा यहां W आएगा जो बिल्कुल बेसिक्स वाले बच्चे हैं ना क्योंकि मुझे पता लग रहा है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाओ आप जाके सबसे पहले वो देखिए जब ये बैच लॉन्च हुआ था तो बेसिक्स होते क्या है आपको नहीं पता है बेटा दो साल हो गए ठीक है अभी मैं कहूंगा अगर इतनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है नहीं कर सकते तो फिर आपको शायद यहां से जाना पड़ेगा मैं खराब टीचर बन जाऊंगा उसमें लेकिन फिर भी आपका उसमें भला हो जाएगा मैं यही बात बोलूंगा देखो तो ये इधर से भी कॉन्टेक्ट में है तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन आपको इधर से एन वन मान लीजिए ठीक है एन वन मान लीजिए यस और एक नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां से मिलेगा इस वाली दीवार से तो एक आप नॉर्मल रिएक्शन यहां पर एन टू मान लीजिए क्लियर सारे बच्चे श हा यश हम्म ब्रेक और कुछ नहीं मिलेगा बेटा मैं पहली बता रहा हूं मैं ये सोच के आया हूं ब्रेक जब मेरे को देना होगा तब दूंगा तुम ये सब ये मैं आप लोगों को मैंने मंदिर इतनी बार पढ़ा लिया मैं आप इन सब चीजों से यूज हो चुका तो मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा मैं धुआधार पढ़ाता चाहूंगा जब तक मेरे को पढ़ाना है ठीक है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा आप पहली बार पढ़ रहे होंगे हम कई बार पढ़ा चुके हैं तो हमें पता है यहां पर क्या मेंटेन करना है एक नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में एनसी कांटेक्ट कह देता हूं ऐसे अच्छा ये बताइए किस किस का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया यस हम्म सारे बच्चे हमारे पास एक एन वन यहां ले लिया इस दीवार से सर एन वन इधर भी आएगा बिल्कुल आएगा लेकिन मैं इस दीवार को कंसिडर नहीं कर रहा एक एन टू इधर से आ गया एक इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा पुश इसको धक्का इसको धक्का और वजन यस वेरी गुड जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरे पास रहे वही बहुत है ठीक है वेरी गुड अच्छा तो जरा इस डायग्राम में अगर मैं आपको बात बोलू ना ध्यान से समझना ये आपका पांच सेंटीमीटर है ये आपका पांच सेंटीमीटर है फाइव एंड फाइव दोनों टेन हो गए इन दोनों के सेंटर्स के बीच का ये वाला लेंथ अगर मैं मार्क करूं ये वाला लेंथ अगर मैं मार्क करूं तो ये तो टेन सेंटीमीटर हुआ ना बेटा हमारे पास नहीं ये हमारे पास कितना हुआ ये दस हो गया ये सिक्स सेंटीमीटर हुआ या ना यश क्लियर yes. hmm. एक हमारे पास इन दोनों के बीच का कांटेक्ट आएगा बेटा एक हमारे पास इन दोनों के बीच का कांटेक्ट आएगा ये जमीन वाला कांटेक्ट वो कह रहे हो ले लो इसको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप इसको वन ले लिया हम लोगों ने टू ले लिया एन थ्री लेना चाहो ले लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सॉल्व हो जाएगा देखिए क्या यार ये सिक्स सेंटीमीटर हो गया बेटा इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा ये वाला आपका हो जाएगा टेन सेंटीमीटर हाँ या ना सर सिक्स कैसे भाई ध्यान देख इनका रेडियस ये वाला लेंथ कितना पांच और ये वाला लेंथ कितना आपका पांच है ना यहां से यहां तो ये तो दस सेंटीमीटर हो गया डायामीटर आपका कितना है कई बच्चों ने क्वेश्चन रीड नहीं कराया है रेडियस रेडियस है आपका कितना आठ सेंटीमीटर का है ना एट mm, सेंटीमीटर का तो डाया कितना होगा बेटा इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर का डाया दस yes. सेंटीमीटर तो यहां से चला गया छह सेंटीमीटर ये दस सेंटीमीटर ये अगर आपको ये ट्राइंगल याद हो आठ सेंटीमीटर ये होगा एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स टेन का स्क्वायर हंड्रेड बनता है तो एक ट्राइंगल आपको मिल गया यस yes. वट इज एन वेरी गुड वेरी गुड हाँ वेरी गुड तो आपका एक ट्राइंगल बेटा यहाँ पर मिला हुआ है ऐसे ठीक है दिस इज सिक्स दिस इज एट ठीक है एंड दिस इज टेन क्लियर अब आपको क्या क्या चाहिए था जरा सारे बच्चे देखना सर टेन कैसे अरे हमारे पास साइंटिस्ट आ गए हैं ठीक है रेडियस ऑफ दिस फाइव सेंटीमीटर बेटा वर्ड भी सुन लो मेरे हम्म ठीक है इस स्वेयर ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर है तो पांच सेंटीमीटर यहां तक होगा पांच सेंटीमीटर आपका यहां तक होगा तो ये दोनों का कॉन्टेक्ट है ये तो दस सेंटीमीटर हो गया ठीक है हाँ ये तो दस हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर गधे रेडियस ऑफ सिलेंडर आठ सेंटीमीटर है ये जो हरकत कर रहे हो उससे मेरी एनर्जी खराब हो रही है उससे आप पे ही इंपैक्ट आएगा घूम के ये सोचना ये आपके कर्म है ठीक है जिस सिलेंडर में आपने रखा है ये दो बॉल्स हैं उनका रेडियस पांच और पांच था इसका रेडियस आठ डायमीटर सोलह तो ये सोलह हो गया यहां से कांटेक्ट में है तो ये पांच सेंटीमीटर ये पांच सेंटीमीटर दस में से हटाओगे छह हो गया ये दोनों कॉन्टेक्ट में है पांच पांच दस हो गया एक ट्राइंगल आया आठ छे और दस का क्लियर हाँ चलिए क्वेश्चन और मत रीड करिएगा इससे रैंक बढ़ जाती है ठीक है आइए अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी जरा सुनना द रिएक्शन बिटवीन द स्फेयर इन दोनों के बीच का जो ये कॉन्टेक्ट है वो और हमें साइड वॉल से सिलेंडर से जो रिएक्शन आ रहा है वो चाहिए अब जरा ये देखना बेटा सारे बच्चे जरा ये बताना मेरे को अगर मैं इस फेयर की बात करूं तो यही वाला ट्राइंगल की आप यहां पर जो एंगल थीटा कह रहे हैं वही एंगल थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल भी थीटा है करस्पॉन्डिंग हा या ना सारे बच्चे मेरे को बताना यस और नो यस और नो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस पर आपका एक फोर्स लग रहा है एनसी इस पर आपका क्योंकि कुछ बच्चे इलेवेंथ क्लास के बैकलॉग कवर करने के लिए आए हैं उनको दिक्कत हो सकती है अगर नहीं पढ़ा है ठीक है एन टू और दिस एंगल थीटा यस वेरी गुड ठीक है तो अगर आप इसको रिजोल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा थीटा थीटा एंड ठीक है अब सवाल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है ना बेटा और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप कहते एनसी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो है और Nc साइन थीटा की वैल्यू आपकी वजन के बराबर है तो साइन थीटा कहां से निकालोगे तो एट बाय आपका आ जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं Nc हमारे पास एट बाई टेन इज इक्वल टू डब्ल्यू और Nc जो कॉन्टेक्ट आएगा फाइव डब्ल्यू बाय फोर आपका आ रहा होगा पहले तो कॉन्टेक्ट का आ गया बेटा यस और नो कॉन्टेक्ट का आ गया हाँ या ना बहुत गर्म है बहुत गर्म है थोड़ा सा ठंडा मिला देना यश वेरी गुड यह आया और अगर मेरे को वॉल से चाहिए था तो मैं एनसी की वैल्यू आ गई है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए बेटा तो आप कहेंगे एन टू इज इक्वल टू एनसी कॉस थीटा तो एन टू की वैल्यू आपके लिए क्या जाएगी? आ जाएगी एनसी आया था फाइव डब्ल्यू बाई फोर और कॉस्टा ट्राइंगल से निकाल लो दैट इज सिक्स बाय टेन तो थ्री बाय फाइव तो यह आ जाएगा थ्री डब्ल्यू बाई फोर किस किस के ये मैच हो गए जरा दिल बना दो किस किसके ये मैच हो गए जरा दिल बना दो क्लियर hmm. क्लियर hmm. हमारे लिए यहां पर राइट वेरी गुड यहां पर एनसी साइन थीटा बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर एट बाय टेन हुआ तो फोर बाय फाइव तो यहां पर फाइव हो जाएगा यहां पर फोर हो जाएगा तो फाइव डब्ल्यू बाय फोर आया और ये आपका फाइव डब्ल्यू बाय फोर है और यहां पर थीटा है हमारे पास ठीक है हाँ तो कॉस थीटा सिक्स बाय टेन तो थ्री बाय फाइव हमारे पास आ जाएगा ये कट गया थ्री डब्ल्यू बाय फोर यस सर ट्राइंगल की साइड एट कैसे आई बेटा कलम चला ले दिमाग तो है नहीं कम से कम पाइथागोरस ठीक है अंडर रूट में टेन का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर एट आता है क्लियर यस सर रिपीट हाउ सिक्सटीन बेटा क्वेश्चन रीड कर टू स्मूथ रेडियस रेस्ट वन ऑन अनदर इन अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस आठ गवार हो रेडियस कितना है आठ आठ है तो डायमीटर कितना हुआ सोलह एंड टू एंड सोलह हो गया भाई अंग्रेजी भी थोड़ी सी सीख ले थोड़ी सी ठीक है क्लियर है क्या सारे बच्चे तो हमारे पास जो वॉल से फोर्स आया है जरा सारे बच्चे जरा देखना जो वॉल से हमारे पास फोर्स आया है दैट दैट इज थ्री डब्ल्यू बाय फोर एंड वॉल इज थ्री डब्ल्यू बाय फोर और जो इनके बीच का कॉन्टेक्ट है बेटा वो कितना होगा ठीक है जो इन दोनों के बीच का हमारे पास कॉन्टेक्ट है दैट इज फाइव डब्ल्यू बाई फोर तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इन्होंने पहले पूछा है रिएक्शन बिटवीन द दैट इज फाइव डब्ल्यू बाई फोर अरे हमारे पास कुछ गड़बड़ हुआ है क्या एंड थ्री डब्ल्यू बाई फोर कहा गड़बड़ हो रहा रिएक्शन बिटवीन दस या तो ऑप्शन महाराज ने कुछ गड़बड़ कर दिए हमारे लिए यहां पर सोलह और पांच दस ठीक है मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या हम्म यहां पर पांच पांच दस सोलह में से छह यहां पर है दस यहां पर है तो आठ हो गया आपका ठीक है और यहां पर एनसी कोस थीटा इज इक्वल टू एन टू इक्वल टू डब्ल्यू इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो यही वाला आपका थीटा हुआ ठीक है तो हमारे पास साइन थीटा हा तो परपेंडिकुलर ओवर है बेटो फोर बाय फाइव एनसी फाइव डब्ल्यू बाई फोर ही आ रहा है ऑप्शन रॉन्ग है ठीक है फाइव डब्ल्यू बाई फोर ही आ रहा है एन थ्री डब्ल्यू बाई फोर ही है ठीक है तो इसको डब्ल्यू बाई फोर कर लेना ठीक है? ये वाला आप कर लेना अच्छा, एक डाउट बच्चों को आ सकता है सर आपने एक से से निकाला, दूसरी से क्यों नहीं निकाला एक से निकाला, दूसरी से आपने क्यों नहीं निकाला? सारे बच्चे जरा देखना अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये भी है। अगर मैं इनको एज अ सिस्टम ले लूं ये दोनों बॉल्स हमारे पास एज सिस्टम है इनका वजन है ठीक है और जो भी इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन था ये दोनों तो कट गए अगर पूरा सिस्टम ले लू इधर से फोर्स लगा है आपको वॉल से इधर और एक इधर से आपको फोर्स लगा है वॉल से इधर क्या आपको ये बात समझ आ रही है पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है नेट फोर्स अलोंग एक्स जीरो होना चाहिए तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा हाँ या ना कई बच्चे बेटा इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ पा रहे कि आठ और पांच का डिफरेंस क्या है कैसी बात यार ये एक सिलेंडर है इसका अगर मैं रेडियस आठ कह रहा हूं तो डायमीटर कितना होगा सोलह मैंने इसमें दो क्रेजी बॉल्स जो छोटी छोटी या बोल दिए टेबल टेनिस की बॉल एक रखी और दो इस ऑर्डर में हमारे पास रखी हुई है उन बॉल्स का रेडियस पांच सेंटीमीटर है गवार तो अगर मैं डायमीटर के लॉन्ग देखूंगा तो मैं कह रहा हूं ये पांच है ये पांच है ये टोटल सोलह है आपको ये डिफरेंस कैसे नहीं समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हो सारे बच्चे जरा अगला सवाल देखे ठीक है सारे बच्चे जरा अगला सवाल देखे ठीक है टू टू इज एंड एंड कनेक्टेड ऑफ स्ट्रिंग मेड पास ओवर लाइट स्मूथ पुली पुली आपकी जनरली हमेशा वो रहेगी आर इन इक्विब्रियम जब भी आपको इक्विब्रियम वर्ड मिल जाए समझ जाना कि आपकी पूरा सिस्टम रुका हुआ है ऑन अ फिक्स स्मूथ वे इन द फिगर थीटा एंड अल्फा अच्छा ये एंगल आपका 60 डिग्री दे दिया बेटा और ये वाला एंगल आपको तीस डिग्री दे दिया गया है ठीक है फाइंड द रेशन एन एम टू ठीक है सर वी कैन से दैट दोनों साइड देखो भाई पूरा सिस्टम भी तो रुका हुआ है ना इस सिस्टम में देखो कि वजन नीचे जा रहा है ठीक है एक्शन रिएक्शन सिस्टम के अंदर है तो इंटरनल फोर्स है वो सिस्टम को चला नहीं सकते इस वाली दीवार ने जितना फोर्स लगाया हुआ उतना ही इसने लगाया हुआ अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं होते तो सिस्टम चल रहा होता चल तो नहीं रहा है ना तो दोनों वॉल्स का जो फोर्स होगा वो बराबर होगा क्लियर आइए अब जरा ये देखना बेटा वेज के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे ठीक है आ आ आ जाओ 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 सर आपने मेरे चैट को इग्नोर किया थैंक यू बेटा क्योंकि कुछ गलत ही लिखा होगा इसीलिए इग्नोर कर दिया है M1 की बात करें जरा देखना M2, तो सबसे पहली बात कई बच्चों को वेज के सवालों में दिक्कत आती है तो पहले मैं वेज का सवाल में आपको बता देता हूं अगर आपका कोई भी ब्लॉक एम वन एम मास का वेज पर रखा है एट एन एंगल थीटा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाते आप कहते सर एक एम जी इधर है ठीक है और एक नॉर्मल आपका इधर है राइट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड क्या आपको यह बात समझ आ रही है यह 90 डिग्री हुआ बेटा ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा राइट इस छोटे से ट्राइंगल को जरा देखना इस छोटे से ट्राइंगल को जरा आप देखना ये वाला आपका नाइनटी माइनस थीटा है तो ये वाला भी आपका नाइनटी माइनस तो क्या आप ये कह सकते हैं पूरा, है। हाँ, पूरा एंगल आपका थीटा होता है अब अगर आप इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो ये किधर जाएगा इधर जाएगा ले जाने वाला फोर्स किधर होना चाहिए इधर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो आप इस ब्लॉक को कैसे रिजोल्व करते हैं ध्यान समझना आपका ब्लॉक कभी भी किसी एंगल थीटा पर है आपका Mg इस प्रकार से है बेटा एट एन एंगल थीटा तो आप रिजोल्व कैसे करेंगे दिस इज एम जी कॉस थीटा ठीक है एंड रिजोल्व करेंगे एम जी साइन थीटा एंड दिस इज नॉर्मल ध्यान से देखना ये था आपका नॉर्मल क्लियर वेरी गुड कई बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि इस डायरेक्शन में चल नहीं रहा तो आपका एन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थीटा के बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा है और न्यूटन ने बोला जब भी कोई ब्लॉक चलेगा नहीं तो नेट फोर्स जीरो एमजी साइन थीटा ही इसका मोशन कराने की कोशिश कर रहा है आगे चल के इसी को एफिकल टू एम ए कहेंगे ये हुई आपकी इक्विलिब्रियम और अभी मोशन की इक्वेशन नहीं लिखी ये मोशन कराएगा तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं अगर ये इक्विलिब्रियम में है ध्यान समझना एक ही धागा है टी और यहां पर भी टी आ जाएगा इसका वजन होगा एम वन जी साइन सिक्सटी ये होगा और इधर आपका होगा एम टू जी साइन थर्टी यस ये इधर नहीं चल रहा तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर राइट right? तो जरा आप देखें तो एम वन जी साइन सिक्स किसके बराबर होना चाहिए टी के बराबर और वही T किसके बराबर हो रहा है एम टू जी साइन थर्टी के बराबर है ना तो जी और जी को उड़ा दो क्वेश्चन हो गया मेरे एंटरपेंटर क्या चाहिए था रेशियो एम वन बाय टू तो एम वन बाय टू यह आएगा आपका साइन थर्टी वन बाय टू और यह आ जाएगा रूट थ्री बाय टू तो वन बाय रूट थ्री का रेशियो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आंसर आ रहा है किसका कौन सा आंसर आ, आ, आ रहा है भाई तो, जी जी तो यहां पर एम वन बाई एम टू का रेशियो चाहिए ना भाई एम वन बाई एम टू इज साइन थर्टी वन बाई थ्री और ये रूट थ्री बाय टू वन बाई रूट थ्री आ रहा है यार फोर्थ ऑप्शन कौन कौन है हाथ वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट फॉर इक्लिब्रियम ये आपने सवाल देखा होगा HCV में भी ये सवाल है ठीक है जरा सारे बच्चे यहां पर देखना ठीक है फिगर शोज अ मैन ऑफ मास फिफ्टी केजी स्टैंडिंग ऑन लाइट वेइंग मशीन सारे बच्चे अब रिकॉल करेंगे दिमाग लगाना ये चीज ठीक है वेइंग मशीन क्या बताता है वेइंग मशीन देखते हैं आखिरी तक कितने मैक्सिमम मैच करवा पाते हैं ठीक है थीके? तो क्लास में होता है ना चैट ऑफ करने का ऑप्शन होता है जब हम कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहे होते हैं तो हम चैट ऑफ कर देते हैं जिससे बच्चों को ना फोकस बना रहता है यूट्यूब बस एक यही कमी है कि हम चैट ऑफ नहीं कर सकते ठीक है तो आप लोग क्या करिएगा बेटा अगर आपको डिस्ट्रेक्शन है आप चैट ऑफ करके ध्यान से सुनिएगा ठीक है हाँ आ, कई बच्चे इसमें फंस रहे हैं वो कह रहे हैं सर वजन बताता है बिल्कुल नहीं बेटा याद रखना ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से चेक करता है वेइंग मशीन वजन नहीं बताती वेइंग मशीन आपका नॉर्मल रिएक्शन बताती है क्या बताती है नॉर्मल रिएक्शन अब ये बात कई बच्चों को पछती ही नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है अच्छा एक बात बता मेरा मास 70 के का तो 700 न्यूटन मेरा वजन हुआ मैंने अब वेइंग मशीन हल्का सा पांव रखा क्या वो सात बताएगा नहीं सर आपने तो टच ही धीरे से कराया तो मेरा वजन तो सात है ना भाई सात न्यूटन सात न्यूटन बताना चाहिए उसको मैंने तो पूरा फोर्स लगाया ही नहीं तो वो एक्चुअली में वजन नहीं बताती मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन उसको अपने वजन से भी ज्यादा प्रेस करूंगा तो ज्यादा बता देगा वो कांटेक्ट फोर्स बताता है वो नॉर्मल रिएक्शन बताता है हा या ना हा या ना गलती मत करना कभी भी अगर आपको वेइंग मशीन आए तो आप नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और अपना वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन जो उस पर है वो बताना है देखो अब क्या बोला है एक फिगर शो द मैन ऑफ मास 50 केजी इसका मास है 50 केजी और इस डब्बे का मास है थर्टी के तो थर्टी इसका वजन होगा ठीक है द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुलिस फिक्स टू द सीलिंग सारे बच्चे डायग्राम देख लेना फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है टू दी अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाई द मैन हिमसेल्फ ये धागा गया और इस बंदे ने पकड़ रखा है ठीक है इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट मतलब का सवाल द द वेट शोन बाय वेइंग मशीन इज कई बच्चे कहेंगे सर वजन उस बंदे का पचास है ना फिफ्टी के या फाइव न्यूटन होना चाहिए ठीक है ऑप्शन ही नहीं है सर क्वेश्चन गलत नहीं एक बार देख लो सोच लो प्री बॉडी डायग्राम सारे बच्चे बनाना और अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल देंगे जवाब आ जाएगा तो जरा ये देखना ठीक है जरा सारे बच्चे जरा ये देखना ये डब्बा था और यहीं पर मैं वेइंग मशीन मान लेता हूं इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इस बंदे का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसका खुद का वजन होगा हाथ में धागा है, धागा है, इसको पुल करेगा टेंशन और यह है नॉर्मल रिएक्शन एन यही धागा गोल घूम करके इस पर गया है ब्लॉक पर टेंशन टी डब्बे का खुद का वजन है थर्टी जी और यह वाला नॉर्मल ध्यान सुनना इस वाले नॉर्मल को अलग कलर से बनाता हूं क्योंकि यही हमें रिपोर्ट करना है ये है नॉर्मल एन और ये है नॉर्मल एन किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया दिल बनाओ अरे वाह वेरी गुड बेटा सीरियस रहिएगा ठीक है मेंटेन करिएगा मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं ये आखिरी मौका है जितना आप होल्ड कर पाए जितना ठीक है आपके सारे कुकर्म माफ हो जाएंगे अगर आपने अब पढ़ लिया लिटरली बता रहा हूं आठ दिसंबर को मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो वहां से सिलेक्शन ले लिया था आप उससे पहले से स्टार्ट करें बस सीरियस रहिएगा मैंने उस सीरियसनेस के साथ पढ़ा था ना आठ दिसंबर के बाद क्योंकि मैंने कोई फालतू चीज नहीं करी थी तो जितने भी बच्चे सीरियस हैं प्लीज सीरियस रहिएगा मेरे को पता है आखिरी तक छठते छठते बहुत कम बच्चे बचेंगे ये हर साल हम लोगों ने देखा है लेकिन जो भी है जाने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप स्ट्रेच बच्च कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा रुके रहे ठीक है क्योंकि तो इसके बाद दोबारा आप सोचेंगे रिकॉर्डेड कर लेंगे मन नहीं करेगा अगली क्लास का लोड रहेगा साथ में निपटा लोगे बेटर रहेगा ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम क्यों का मैच हुआ कहीं कहेंगे सर टेंशन ऊपर क्यों अब खुद सोच तू धागे को खींच रहा है तो धागा तेरे हाथ पर जब भी मान लो तूने धागे को पकड़ के खींचा तेरे को छिल जाता है हाथ तो ऊपर फोर्स लगा होगा तभी तो छिलेगा ना राइट तो तेरे हाथ पर फोर्स किधर है इधर तो इस बंदे को रेस्ट पर माने अगर मैं बंदे को पर्सन का इक्विलिब्रियम ये भी तो रुका हुआ है तो अगर मैं आप बात कहते हैं, तो टोटल अफर्ड फोर्स एन प्लस टी की वैल्यू कितनी आएगी इसके 500 के बराबर है ना 500 के बराबर और अगर मैं बॉक्स की बात करूंगा बेटा बॉक्स भी तो रेस्ट पर है इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए ये ये इसका हटा के देखना यही टेंशन टी गया तो टी इज इक्वल टू इसका वजन और नॉर्म इसको बच्चे नहीं लेते अरे वेइंग मशीन पर जो वजन लग रहा है वो बॉक्स पे ही तो लग रहा है तो आप कहेंगे टी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस एन हमें क्या चाहिए था एन टेंशन की जरूरत नहीं है तो ये उठा करके इधर रख दो तो एन प्लस थ्री हंड्रेड प्लस एन इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड हमारे पास ये आ जाएगा तो टू एन ठीक है हमारे पास टू हंड्रेड आ रहा है एन की अगर आप बात करोगे तो हंड्रेड आ रहा है ठीक है हमारे पास तो एन की वैल्यू हमारे पास हंड्रेड आ रही आपका कितना आ रहा था भाई हमारे पास एन प्लस टी फाइव था g की वैल्यू रख दिया मैंने एन प्लस टी फाइव था इसको अगर अब आप इसको मिटा दें इस बॉक्स का इक्विलिब्रियम आप कैसे कहेंगे t इज इक्वल टू एन प्लस थ्री ठीक है ये t उठा करके मैं इधर रख दूं तो n प्लस थ्री हंड्रेड प्लस एन इधर गया 200 तो n की वैल्यू 100 आ रही है कुछ बच्चे 800 कहां कह रहे थे ठीक है रिपोर्ट आपको क्या करना है या तो वो दस के में पूछे तो दस के या फिर वेट की अगर आप बात करें तो वेट आपका आ जाएगा हंड्रेड न्यूटन आठ सौ कौन बता रहा था भाई पचास के जी बंदे का और तीस के जी वाह 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 वा, भैया आठ सौ वहां से आ रहा था री एक्सप्लेन कर रहा हूं एच वर्मा का सवाल है ध्यान से सुनना यार देखो इस बंदे का ना अच्छा खुद सोचो वेइंग मशीन है आप उस पर खड़े हो चुपचाप तो जो आपका वजन होगा वही बताएगा या उसके नीचे धरती का भी वजन बता देगा जिन बच्चों ने 500 प्लस 300 800 करा कितने गधे वाली फाइव हंड्रेड आपने जरा सोचना आप एक करा मशीन पे खड़े हो ठीक है और आपने उससे नीचे जो चीज पड़ी है उसका भी वजन बता दिया मतलब अगर आप विंग मशीन पे खड़े हो तो आपका वजन मशीन बताती है और उसके नीचे अर्थ है तो पूरे अर्थ का भी वजन बता देती है आप लोगों के हिसाब से यह था ठीक है दूसरी बात अब मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं और ऊपर से रस्सी आ रही है मैंने रस्सी को पकड़ के थोड़ा सा करा तो क्या मेरे वजन से कम बताएगा बिल्कुल बताएगा कम ज्यादा कैसे बता सकता है मैं तो पुल करने की कोशिश कर रहा हूं तो इस बंदे के हाथ पर एक टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा वही फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने उस बंदे के हाथ में टेंशन टी लिखा और ये घूम घाम के इस पर भी टी आ गया ये बंदा भी रुका हुआ है बॉक्स भी रुका हुआ है तो इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो टोटल तो तो, रेस्ट पर कब आएगा जब फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू एन प्लस टी और एन प्लस थ्री हंड्रेड इज टू टी सॉल्व कर आंसर आया क्लियर क्लियर यस हा क्लियर यार लैग वैग आ रहा है क्या एक बार देखना कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी ये क्लास डिस्टर्ब करने के लिए लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं एक बार देख लो ये डिस्टर्ब करने आ रहा है हाँ ये दूसरा लैग इंसान है

हाँ ये सामने वो भी है, वो तो हैं वो आना नहीं चाहते डरते हैं वो गोट आदमी डरता है बताओ ओ डियर गोट 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 जा चुका है चलो भाई वो पढ़ा ले <laughs> तो ओम सर का कहना ये है कि कल उनकी क्लास कौन सी है ऑर्गेनिक में कौन सी आपका जीओसी आइसोमेरिज्म बीएमडब्ल्यू मैरिजम्लू बी एमडब्ल्यू पार्टी भागा ओम पांडे नाम में भाई पांडे लगाने से लोग अमीर नहीं होते ये गरीब वाला ही है ठीक है <laughs> नकली पांडे हाँ जरा यहां पर ध्यान से सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुनना अब कैसे गाड़ी ले ली है बीएमडब्ल्यू ये नहीं समझ आ रहा बस ले लिए ठीक है सर टेन से डिवाइड क्यों किया भाई देखो अगर आप वेइंग मशीन पर खड़े होते कई बार वो के जी में बताती है लेकिन वेइंग मशीन का काम है नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करना वो रिपोर्ट किसमें कर रही है के जी में कर रही है ठीक है वो रिपोर्ट किसमें कर रही है के जी में कर रही है ठीक है आ जाओ अगला है हमारे पास यस हा अगला है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को देख के बच्चे घबरा जाते हैं ठीक है बचपन से स्प्रिंग में मजा जरूर आता है लेकिन देख के घबरा जाते हैं अरे बहुत सिंपल सी बात है जब भी हमारे पास नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग होती है अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्प्रिंग क्या होता है ठीक है स्प्रिंग हमारे पास एक मेटल का कॉइल बेसिकली होता है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं देखा जरूर होगा जब जब हमारे पास स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे मतलब ना ही आपने कोई खिंचाव कर रखा है ना ही कोई कंप्रेशन कर रखा है दैट इज अवर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग और इसमें स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है इस केस में दैट दैट इज 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 इक्वल इक्वल टू टू ध्यान से सुनना स्प्रिंग फोर्स लेकिन जब आप यहां पर बॉडी को स्प्रिंग को जब खींचना स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल लेंथ से इसको कितना आगे आपने खींचा है ठीक है नेचुरल लेंथ से आपने कितना आगे खींचा है उसके हिसाब से स्प्रिंग के अंदर फोर्स बनता है क्या आपको याद आ रहा है स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा वैल्यू छोड़ दो भाई आ, वैल्यू छोड़ दो बस मेरे को ये बताना अगर मैं स्प्रिंग को इधर खींचूंगा तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा बोलो 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 लगाएगाइड कह रहा है <laughs> जब पढ़ा रहे थे तब तो वो तो समझ आ नहीं रहा था स्प्रिंग में सोलोन मत सोच बेटा आ, नेगेटिव में जाएगा अपोजिट स्प्रिंग हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है Whenever, whenever elongated, आप इसको खींचिए या फिर आप इसको कंप्रेस करिए दोनों केस में यह हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है रीस्टोरिंग कहने का मतलब हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ वो फोर्स लगाता है अगर आप खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा इधर की डायरेक्शन में दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स और यह दीवार को भी खींचेगा ऐसे यह हमेशा छोटा होना चाहेगा अगर आपने कंप्रेस कर दिया है तो स्प्रिंग फोर्स आपका इधर होगा और दीवार को भी यह धक्का देगा इधर दोनों साइड में यह हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होगा क्लियर है क्या हा अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो बाहर की साइड फोर्स लगाएगा इलांगेट कर रहे हैं तो अंदर की साइड फोर्स लगाएगा बिल्कुल आपके जैसे पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाइए सर है ना बिल्कुल वैसे तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स X क्या था इलाशन माइनस क्यों लगाया है किसी वेक्टर के सामने माइनस क्या बताता है उसकी डायरेक्शन को जीरो से छोटा नहीं बता रहा <laughs> अब सीख पाएगा खींचोगे तो इधर फोर्स लगाएगा एक्स अगर आपका नेगेटिव है तो फोर्स जरा देखिए पॉजिटिव है माइनस रिप्रेजेंट दी हा बहुत सही माइनस रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका रिस्टोरिंग नेचर और जब आप प्रोपोर्सनैलिटी हटाते हैं तो ये तो नौवीं क्लास से आपको पता है कि कांस्टेंट लगाते हैं इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इसको के को क्या कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट ये मटेरियल पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लेंथ पर डिपेंड करता है बहुत सारी रेडियस वेडियस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है इतना हमें जरूरत नहीं के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसका दूसरा नाम भी है स्टिफनेस कॉन्स्टेंट क्लियर क्लियर यस हा यस तो जरा ये समझना ठीक है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है इक्वली के लिए बना रहे हैं आगे चल के स्प्रिंग सिलेबस में कई बार आता है अगर मान लीजिए मेरे पास स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है पहले इसको देखते हैं ठीक है एम मास और स्प्रिंग अभी ये है नेचुरल लेंथ पर सारे बच्चे बताना अगर मैं इसको धीरे 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 नीचे जाने दूंगा नाचे जाने 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 दूंगा जाने दूंगा जाने दूंगा और छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा ठीक है ये खींचेगा सारे बच्चे मेरे को ये बताना इक्विलिब्रियम में अगर ये यहां रुका हुआ है स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा इतना सोच के बता दो बस अरे बोलिए मेरे एंटरप्रेन वेरी गुड ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा क्यों क्योंकि आपने स्प्रिंग को खींचा है तो स्प्रिंग का फोर्स होगा एफ एस ठीक है मान लेते हैं ये नॉट लेंथ नीचे गया है वर्क पावर में दोबारा आएगा ये के एक्स नॉट ये और इसका वजन ये आपसे अगर इक्विलिब्रियम में इलांगेशन आपसे पूछी जाए बेइज्जती मत करा देना हा ये दोबारा आपको वर्क पावर में आएगा वहां जाके बेइज्जती मत कराना पता लगे मैं ना करा रहा कोई और करा रहा तुमसे टीचर ने बोला इसको अगर मैं सडनली छोड़ दूंगा इलांगेशन कितना होगा एम वाई के पढ़ाया नहीं है लोजो वाले ने कौन था राजा भैया सडनली नहीं इक्विलिब्रियम धीरे 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 हाँ बल्कि अगर वो बोले कि कितना इलांगेशन हो टू लगा के बोलना जब रीजन वो खुद बताएंगे सिलेबस में है छोड़ के नहीं जाएगा टीचर हाँ थोड़ा सा वो कह रहा है कि हाँ मोशन हमने पढ़ा सर सडनली रिलीज करोगे टू हो जाता है एनर्जी कंजर्वेशन और उससे वर्क एनर्जी से लेकिन में के होता ठीक है इज्जत बचा लेना भाई हमारी ठीक है इक्लिब्रियम सर इक्लिब्रियम इक्म में दोनों फोर्स बराबर ना तो के एक्स नॉट एम जी के बराबर होता और एक्स नॉट एम जी बाय के होता सडनली रिलीज करता ना तो ज्यादा जाता क्योंकि वो यहां पर आता है थे, इन कर लेता है, टू एम जी के आता है सडनली में ठीक है धीरे-धीरे 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 करके लाओगे जरा जरा इसकी बात करते हैं। जरा इसमें बताना है इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम अब मान लीजिए वेज के साथ कर दिया है स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम में है ये आपने इसको छोड़ा धीरे 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 नीचे आया इलोंगेशन कितना होगा लेट सी कौन कौन सोच पाता है हाँ। सर हाट की है एक्सनॉट है इलोंगेशन अगले इलांगेशन कितना इसमें खिंचाव आएगा हां अरे बच्चा लोग सीख रहा सीख रहा यहां पर बेटा नेचुरल है। जैसे ही आप इसको धीरे धीरे नीचे आने दोगे तो नीचे ही आएगा ऊपर नहीं जाएगा है ना तो मान लीजिए आपकी स्प्रिंग ऐसे इलांगेट हो गई है तो ये फोर्स कितना होगा एमजी साइन थीटा और मान लो ये इलांगेशन कितना है नॉट का तो आप फोर्स क्या कहते हैं यहां पर के नॉट, स्प्रिंग का होता है इक्विलिब्रियम में नॉट की वैल्यू कितनी होगी एम जी साइन थीटा तो नॉट कितना आएगा एम जी साइन थीटा बाय के आएगा बेइज्जती मत कराना बेटा बाद में एस एच एम में भी आएगा ये एस एच एम में ये हमारे पास मीन पोजीशन बनती है जब आप इसको छोड़ोगे इस पोजीशन के अबाउट इस पोजीशन के अबाउट ये एस एच एम करेगा ये इस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा टीचर पूछेगा मीन पोजीशन कहां है तो बता देना जहां इक्विलिब्रियम है जहां फोर्स जीरो है वही होता है मीन पोजीशन। उसी के अबाउट एसएचएम होगा उसी के अबाउट एम्पलीट्यूड होगा क्लियर है क्या यस? अरे भैया नेट फोर्स जीरो करना है इसमें रिपीट क्या करना है पीटना पड़ेगा इसमें यस हा बच्चा लोग सीख रहा अब जरा समझना स्प्रिंग बैलेंस याद रखना है ना ये चीज ठीक है मैं आपको ये चीज बता देता हूं अगर आपका कभी नॉर्मल रिएक्शन पूछा वो वेइंग मशीन वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी जाए क्या बताएंगे वेइंग मशीन की अगर आपसे कभी भी रीडिंग पूछी जाए तो आप बताएंगे नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस का अगर आपसे कभी भी रीडिंग पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे टेंशन ये जिसने समझ लिया उससे सवाल गलत नहीं होंगे मैं पहली बता रहा हूं अरे हमारे पास जिसने ये चीज समझ ली उसका सवाल गलत नहीं होगा सीधी सी बात ठीक है स्प्रिंग बैलेंस आपका मासलेस भी हो सकता है विद मास भी हो सकता है कोई घबराने वाली बात नहीं है लेकिन आपको बतानी क्या है टेंशन ज्यादा समझना दो स्प्रिंग बैलेंस है ये आपको लिखना नहीं है नो नीड टू राइट बस सोचना नो नीड टू राइट जो मैंने आपको पिछले अभी बताया है अगर आपने उतना सीख लिया तो ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है एस वन एस टू अगर दस के जी है तो ये दस के जी का वेट बताएगा ये क्या होता है सर ये रीडिंग शो करेगा रीडिंग रीडिंग शो करेगा अगर फोर्स की कर रहा है तो ये हंड्रेड न्यूटन शो करेगा या फिर वजन के केजी में रिपोर्ट करेगा दस के देखिए यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा सब में है यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन टी होगा यहां टेंशन सभी में टेंशन टी ही रहेगा और टी की वैल्यू होगी टेन केजी के के बराबर टेन के वजन के बराबर तो क्या आपको समझ आ रहा है दोनों की रीडिंग क्या रहेगी टेन और टेन हा या ना यस यस और अगर आइडेंटिकली ये दोनों को हम लोगों ने लिए रखा है तो दस के जी पांच के जी ये बताएगा पांच के जी ये ऐसा क्यों हुआ सर अरे फ्री बॉडी डाय टेन जी ये ठीक आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस है, है सिमेट्रिकली रख, सिमेट्रिक रख रहे हो तो टू टी की वैल्यू आपकी हंड्रेड होगी टी की वैल्यू आपकी फिफ्टी न्यूटन होगी या फिर फाइव के जी का जो वजन होगा वो होगा के जी वेट मीन वेट ऑफ फाइव के जी की रिपोर्टिंग करेगा तो फाइव के जी वेट फाइव के जी वेट क्लियर है क्या यस हाँ, स्प्रिंग और और स्प्रिंग ऑफ द आप पढ़ेंगे कहां पर अपने वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे और आपका एस एच एम में आएगा यस हा क्लियर तो स्प्रिंग का आपको यह चीज ध्यान रखना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सारे बच्चे की रीडिंग्स बताएंगे द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताइए भैया रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना है तीनों केस में जरा देखिएगा और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आप सभी लोगों को यहां बताना है चलिए 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 हा सर केजी वेट क्या होता है दस केजी वेट मीन्स दस केजी का जो भी वजन आएगा वो रिपोर्ट हो रहा होगा देखा जाए पहले केस में अगर आप यहां पर टेंशन टी निकालेंगे तो यही आपका टेंशन टी आएगा इसका मास जीरो है स्प्रिंग बैलेंस का आपका मास जीरो है तो नेट फोर्स कितना आएगा जीरो आएगा नेट फोर्स जीरो आएगा इधर टी है तो इधर भी आपका टी होगा देखिए यहां पर भी आपका टेन जी है यहां पर आपका टी है तो टी की वैल्यू आपकी कितनी है हंड्रेड न्यूटन तो आप बोले टेन के जी वेट ये यह यहां रिपोर्ट करेगा फोर्स में बोलेंगे तो हंड्रेड न्यूटन उसमें टेन के जी वेट इसमें कितना आएगा वेरी गुड कई बच्चे सही बता रहे हैं सर यहां पर इसका वजन होगा टेन जी इसका वजन होगा टेन जी यहां है टेंशन टी टी यहां होगा टी टी इधर कितना होगा टू टी देखिए तो फोर्स इन या टेंशन इन हमारे पास जो आएगा टू टी आपको रिपोर्ट करना है टी की वैल्यू आपकी टेन 10, हंड्रेड है तो ये आ रहा होगा 200 न्यूटन कितना आया एक कह रहा है जीरो वाह 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 क्यों क्योंकि ऐसे खिंच रहा है ना तो जीरो बता देगा पगले ए पागल पागल प्राणी यहां इसका वजन हंड्रेड है तो ये टेंशन कितना है सौ तो इधर ये सौ से खिंच रहा है नेट फोर्स छोड़ना पूछा है मैंने तेरे को नेट फोर्स छोड़ना पूछा है तेरे को मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जितना भी टेंशन होगा उतना ही ये रिपोर्ट करेगा तो टेंशन कितना होगा दस का होगा अगले का कितना आ रहा है जरा देखा जाए जब आप देखेंगे तो इधर आएगा बेटा टेन जी साइन थर्टी एंड दैट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड है ना हमारा फिफ्टी हमारे पास यस टेन के जी है ना तो टेन जी हंड्रेड साइन थर्टी वन वन बाई टू तो फिफ्टी न्यूटन आपका आएगा तो ये कितना शो करेगा फाइव के वेट की रिपोर्टिंग करेगा और न्यूटन में बोलोगे तो फिफ्टी न्यूटन किस किस का मैच हो गया सारे जरा बताना हा वेरी गुड हम्म वेरी गुड अरे भाई हाउ टू टी वेरी गुड वेरी गुड हम पागल होके जाएंगे आज क्लास से अभी पढ़ाए थे यहां पुली पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा यहाँ टी और टी है तो इधर कितना होना चाहिए टी होना चाहिए और ऊपर स्प्रिंग पर हमारे पास टी आएगा अरे ओ क्या कर रहा छोरे मारेगा क्या रात को है हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसके बाद आपको मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं या आपको करने हैं इक्लिब्रियम के ऊपर आपके सवाल हैं ठीक है यस तो जिनको नोट्स वोट चाहिए होगा तो ऐप में जाइएगा और क्वेश्चन नहीं लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फार्मूला लिखना है ठीक है हाँ बोलो भाई हाँ समझ नहीं आया उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए कभी अपने पे डाउट किया है ओह कैसे करोगे दिमाग भी तो नहीं है आओ कोशिश करते हैं दोबारा बताने की भाई टेंशन निकाल सकते हो एक बात बताओ इतनी सी बात बता दो तुम टेंशन निकाल सकते हो अगर मैं आपको ऐसे दे दूं यहां दस के जी है ठीक है यहां पर हमारे पास क्या है दस के जी इस धागे का टेंशन बता देगा दे। तो यहां क्या कहेगा तुरथा टेंजी है सर यहां टेंशन टी है यहां टेंशन टी है यहां टेंशन टी है यहां टेंशन टी है इतना ही बोलेगा तो टी की वैल्यू कितनी आएगी कि भैया 100 मैंने कहा इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता हूं ठीक है इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता हूं तो इसकी रीडिंग क्या होगी ये रीडिंग वही होगी जो यहां की टेंशन होगी गधे तो ये हमारे पास 100 न्यूटन और 10 के वेट होगा इतना ना कर पा रहा छोरे इतना ना कर पा रहा आखिरी में भी है, है? सारे बच्चे क्या आपको ये बारी चीजें समझ आ गई हैं वैसे बिल्कुल बेसिक से ही बताई थी लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल थ्षुं, थ्षुं, दिमाग में हो चुका है खत्म यहां पर आपका टेंशन हंड्रेड रहेगा इस इतने ये रुका हुआ है ना यही मान लो यार टेंशन आपका टेन आएगा यहां टेंशन टूटी आएगा टू हंड्रेड आएगा सारे बच्चे जो पढ़ रहे बेटा एक बार दिल बनाना कहीं ऐसा तो नहीं हो गया थोड़े से मधुमक्खी जो वाले बच्चे हैं जो डंक मारते रहते हैं वो उड़के आ गए हमारे पास पॉजिटिविटी uh, के साथ पढ़ाना है ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है सीरियस स्टूडेंट वेट करता है स्पैमर पर ध्यान नहीं देना है क्रिस फॉर्म में स्लो या फास्ट पढ़ा ओह हाँ थैंक यू बेटा थैंक यू यस ठीक है आइए भाई अब प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन की बात करेंगे ठीक है धन्यवाद हमको लगा हम पढ़ाई ही नहीं पा रहे हैं हाँ ये भाई साहब पन्ना ये फर रहा है आज के लेक्चर का पॉजिटिविटी <laughs> के साथ पढ़ाना है यस चलिए वेरी गुड थैंक यू सो मच लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल ठीक है हाँ अब ब्रेक के लिए भी मैं एक, एक लिखा हुआ है ठीक है ये यहां से आप लिख देते हैं ब्रेक तब मिलेगा जब हम देंगे ब्रेक तब मिलेगा जब हम देंगे इस क्लास का गुंडा है वही बता के ब्रेक मत देना <laughs> ब्रेक तभी लगेगा जब हम देंगे ठीक है जिनको पहले चाहिए जिनको पहले चाहिए बैक बटन दबाइए इससे ज्यादा फ्रीडम क्या हो सकती है भाई इससे ज्यादा फ्रीडम आपको क्या मिल सकती है ठीक है कि आपको टीचर पसंद नहीं आ रहा सीधे बैग दबाओ शूट अप शूट हां हमें हाँ नहीं देखना है बिगड़ेल छूट का टीचर कौन सा है हम मत देखिए हमें जाइए ठीक है पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी बहुत सारे दिल भेजे हैं उन्होंने उसके साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे अब जरा देखिए मोशन जरूरी तो है कि एक बॉडी पर फोर्स लगे तो वो रुका ही रहे इक्विलिब्रियम ही हो एक्सीलरेटेड भी तो हो सकता है Yes. देखो भाई जो लोग ब्रेक देखो मेरे को देना होगा ऑब्वियस बात है मैं इंसान हूं मैं भी तो लगातार नहीं पढ़ा सकता तो ब्रेक दूंगा ठीक है आपको ब्रेक मिल जाएगा सीधी सी बात और जिनको पहले चाहिए आप दूसरे बच्चों का क्यों रोक रहे हो उनको पढ़ने का मन कर रहा है उनको पढ़ने दो तुम आना आधे घंटे बाद से फिर पीछे पीछे चलना यस हाँ चलिए मोशन के सवाल भाई दे ध्यान से समझना ठीक है अगर हमारे लिए ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं कभी भी मोशन का सवाल क्या है मोशन कहने का मतलब एक्सलरेटेड मोशन सारे बच्चे कंसेप्ट को समझ लेना मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए ना बेटा तो आपको आसानी से सारी इक्वेशन बनानी आ जाएंगी ये एम मास का है मेरे को ये बताना कि मैंने यहां से टेन न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां से टू न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक किधर चलेगा ये पहले रेस्ट पर था इनिशियली एट रेस्ट इनिशियली एट रेस्ट सारे बच्चे मेरे को बताना मैंने दस न्यूटन दो न्यूटन इधर ब्लॉक लगाया किधर चलेगा राइट की साइड चलेगा वेरी गुड आपको यह बात कैसे पता लगी आपको यह बात कैसे पता लगी कैसे पता लगी क्योंकि तो सर इस साइड का फोर्स ज्यादा है अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा जरा यह बता देना नेट फोर्स कितना होगा जिसने इस चीज पर ध्यान दिया उसके बाद खटाखट लाइन से सवाल होंगे और फिर बाद में बोलोगे कि सर ये वाला चीज कैसे लिखी वो यही समझा रहा हूं ध्यान सुनना ठीक है कैसे? आ, सर नेट हो जाएगा इनके इनके में 12 न्यूटन भैया हम यहां जमीन धर रहे हैं समझिएगा धरती पर ही हैं आप नहीं, नहीं नहीं आप धरती पे कहा आप तो स्वर्ग में होंगे प्रणाम कर रहे हैं बारह न्यूटन कह रहा है एक तभी तो आपको पिछला समझ नहीं आ रहा था ओ हाँ बारह आ गया ना देखो एक और भी लिख रहा है ये इनको कैसे कोई सिखा सकता है ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जरा यहां पर ध्यान देखना यहां से दस न्यूटन यहां से दो न्यूटन बारह न्यूटन हो गया सर जोड़ने के लिए आपने बोला था दस और दो बारह होता है अरे वेक्टर पढ़ा रहे हैं डायरेक्शन भी होती है अपोजिट डायरेक्शन में ए माइनस बी यहां होगा आठ न्यूटन और इस फोर्स की वजह से ये एम मास का था तो यहां होगी इसकी एक्सलरेशन ध्यान से देख तो क्या ये कह सकते हो इसमें से जो फोर्स बड़ा है उस डायरेक्शन में ये ले जाने वाला फोर्स हो जाएगा ले जाने वाला फोर्स जो उसको ले जा रहा है उधर और ये रोकने वाला फोर्स हो जाएगा है ना दोनों की अपोजिट डायरेक्शन अगर आप इसको देखें इसकी वजह से एक्सलरेशन है तो न्यूटन्स ने क्या बोला था ठीक है न्यूटन्स ने बोला था कि अगर एक बॉडी का मास कांस्टेंट है तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है अब जिसने ये चीज सुन ली उसके क्वेश्चन होंगे फिर वो परेशान नहीं होगा ले जाने वाला फोर्स कौन सा है दस ये दो न्यूटन रोक रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा अगर आप देखें तो टेन माइनस टू इज इक्वल टू एम ए ए की बात करोगे एट बाय आ जाएगा क्लियर हुआ क्या Ma, जब भी बॉडी का मास हमारे पास सेम रहता है कांस्टेंट रहता है तब आप नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कहते हैं तो नेट फोर्स यहां पे 10 माइनस टू क्यों करा? क्योंकि एक फोर्स ले जाने की की कोशिश कर right, की कोशिश कर कर रहा रहा है है टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट ये वाला लेफ्ट धक्के देने अगर ये दोनों बराबर होते रुका रहता लेकिन टेन माइनस टू एट न्यूटन इक्वल टू एम इन टू ए ए आ गया हमारे पास क्लियर अब जरा इसी चीज को जब मैं यहां पर बताने लगता हूं ना तो कई बच्चे कहते हैं जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम सारे बच्चे देखना मान लीजिए मैं यहां पर फोर्स मैं इस फोर्स को वैल्यूज के टर्म में ही हम लोग क्वेश्चन को करते हैं ठीक है मान लीजिए ये फोर्स है आपने दस न्यूटन यहां लगा दिया है ये 1 थोड़ा पतला लिख लेते हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास 1 का ब्लॉक है और ये हमारे पास थ्री के का ब्लॉक है सारे बच्चे एक्सलरेशन बताएंगे और इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन चलिए कटिंग ऑफ द स्प्रिंग वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है आइए लॉज ऑफ मोशन में बस स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन रहता है बेटा मल्टीपल टाइम्स आप सिलेबस में पढ़ते हैं सारे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ठीक है थीके? याया, याया। थीके? देखा जाए फ्री बॉडी डायग्राम में आप मैच करा पा रहे हैं यहां से दस न्यूटन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहां से दस न्यूटन इसका खुद का वजन वन जी यहां पर इसका खुद का वजन थ्री जी मोबाइल में है फोर जी आलस आएगा क्योंकि लेना है फाइव जी ए हमारे पास इधर नॉर्मल रिएक्शन एन वन मानेंगे एन टू मानेंगे जरा बताना ये नॉर्मल रिएक्शन सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं मुझे ये बता दीजिए हाँ कई बच्चों का जवाब आते हुए वेरी गुड क्या नॉर्मल रिएक्शन सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं पकड़ी सवाल गलत हम्म हाँ वेरी गुड सही बनाए क्यों क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पुश फोर्स होता है तो ही तो नहीं रहे तो आप कह सकते वैल्यू टेन होगी अगर आपसे एन वन और एन टू पूछा जाए n2 की वैल्यू आपकी थट्टी होगी इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है हाँ और ये सिस्टम तो इधर चलेगा सर आपको कैसे पता लगा मैंने कहा तेरे को भी पता लगना चाहिए दो ब्लॉक है कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तू इधर से दस न्यूटन लगा रहा है रुका रहेगा है रुका रहेगा पागल तो ये तो इधर चलेगा तो इसको ए एक्सलरेशन मानिए और इसको भी ए एक्सलरेशन दोनों साथ में चलेंगे तो इसकी इक्वेशन जरा देखना कैसे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है दस टेन माइनस ये रोकने वाला फोर्स है एन इज इक्वल टू वन इन टू तो लिखा है एफ नेट इक्वल टू एम इन बेटा ले जाने वाला फोर्स दस रोकने वाला फोर्स एन थ्री इक्वल टू एम इन टू ए इसके लिए इक्वेशन क्या रखोगे सिर्फ ले जाने वाला है रोकने वाला कोई नहीं है कोई नहीं एन थ्री इज इक्वल टू थ्री इन टू ए जैसे आप देखोगे टेन इज इक्वल टू फोर ए ए की बात करोगे टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए आ गया तो एन की वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन थ्री आ जाएगा किस किस का मैच हो गया भाई हा सर मेरा आठ रॉन्ग हो गया आठ नहीं कहते फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं आठ <laughs> बच्चा इसको आठ कह रहा है हाँ बेटा मैं फूल पत्ती बना दू साइड से यहां से जिधर बॉडी जाएगी उधर का नेट फोर्स माइनस रोकने वो नेट फोर्स में ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू एम इन टू ए जरा इसकी बात करना तीन ब्लॉक्स है ठीक है मैं वैल्यूज दे देता हूं वैल्यूज के साथ ही करिए ठीक है वैल्यूज के जरा साथ ही करिए टेंशन टी टू टी टू ले लेंगे हमारे पास यहाँ पे ये टेन न्यूटन है हमारे पास दिस इज वन के जी हमारे पास थ्री टू के जी ठीक है और यहां पर टू के जी जरा सारे बच्चे यहां पर टी वन टी टू एंड एक्सलोरेशन निकालेंगे देखना जरा करिए 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 सर टेन प्लस एन क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है हमारे पास है यार दोनों अपोज कर रहे हैं क्या बताया भाई क्या बताया दोनों सेम डायरेक्शन में होते तभी तो फोर्स जुड़ते हैं ना मैग्नीट्यूड वाइज तेरे को नेट फोर्स निकालने तो वही हरकत कर रहा है सर इसमें नेट फोर्स है टेन प्लस एन थ्री अपोजिट डायरेक्शन है यार क्या बात कर रहा है ठीक है चलिए भाई जरा देखा जाए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें फोर्स इधर है तो सारी के सारे इधर ही चलेंगे से इसके लिए जरा देखना यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में ये हटा दो ये हटा दो सर नॉर्मल रिएक्शन आपने बनाया नहीं हमसे पूछा ही नहीं है इनका जमीन का तो क्यों ये किधर जाएगा ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज वन इंटू एफ की वैल्यू आप डाल दीजिए टेन ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू टू इंटू ए ले जाने वाला फोर्स कोई रोकने वाला है ही नहीं इक्वल टू टू इंटू ए जैसे आप इनको एड करेंगे बेटा तो टेन इज इक्वल टू फाइव इंटू ए ए की वैल्यू आपकी आ रही होगी टू और जैसी ए की वैल्यू आ रही है टू तो टी टू की वैल्यू आ रही होगी चार न्यूटन ठीक है और यहां पे ए की वैल्यू टू डाल दीजिए तो यहां से टी वन टेन माइन टी वन की वैल्यू आ रही होगी एट न्यूटन किस किसका ये मैच हो गया भैया टू एट फोर टू एट फोर वेरी गुड इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने होते हैं मोशन के सवाल जरा अगला सवाल वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं हाँ सर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास आपकी बात बिल्कुल सही है आते ठीक है आते जरा सारे बच्चे मान लीजिए अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं अब हमें क्या बताना है फाइंड एसलरेशन फाइंड एसलरेशन एंड टेंशन मैं यहां पे t1 ले रहा हूं यहां t2 और यही आप t3 या f मान लीजिए इसी धागे में आपका f है वैल्यूज ले, ले लेता हूं सो so दैट आपको समझ भी आए मान लीजिए 10 न्यूटन है बेटा ठीक है ये हमारे या हमारे लिए ये 20 न्यूटन है ये 2 kg है ठीक है ये हमारे पास 5 kg है और ये हमारे पास 3 kg है और एक्सीलरेशन हमारे पास हाँ एक्लरेशन आपको निकालना है टी वन और टी टू निकालना है चलिए हम्म बोलो 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 हम कैसे करेंगे आप प्री बॉडी डायग्राम बनाइए सभी का यहां पर मैं बना रहा हूं बेटा आप लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम मैच होना चाहिए यहां आएगा थ्री जी यहां आएगा टी वन यहां आएगा टी वन यहां आएगा, आएगा आपका खुद का वजन इसका कितना फाइव जी यहां पर पहले तो सारे ब्लॉक जिनका फ्री बॉडी डायग्राम वीक है उनके लिए कर देते हैं ठीक है देखो सबका पहले तो वजन बना दो जब भी आपको दिक्कत लगे इसका खुद का वजन होगा 2g इसका खुद का वजन होगा 5g इसका खुद का वजन होगा 3g और जहां जहां टेंशन है वहां वहां टेंशन बना दो T2 एट्रैक्ट वो बनाना दोनों को पास लाने के लिए t2 थ्री या टी वन किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम जिनको दिक्कत होती है उनका मैच हो गया बेटा आप मेरे को यह बता दो बोलो 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 कितना आ रहा है दोन हाँ। सिक्स, कुछ बच्चों का आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया पहले सभी के वजन बना दिए इधर टेंशन आपने धक्का दिया नहीं पास लाने के लिए बनाया है टेंशन हमेशा पुल फोर्स रहेगा टी वन टी टू एंड ट्वेंटी क्लियर हाँ, सर फूड से कर सकते है? बिल्कुल कर सकते आखिरी में कराएंगे इसको ठीक है करने के बहुत सारे तरीके बेटा ठीक है जरा ये देखना अगर आप यहां पर बात करें तो आप इक्वेशन क्या कहेंगे ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और ये भी ए से जाएगा सारे के सारे कनेक्टेड ही है इक्वेशन कैसे बनाओगे जरा देखना ले जाने वाला फोर्स ट्वेंटी रोकने वाले फोर्स में दो है इस पर ठीक है हमारे पास अरे ये फोर्स थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा एक्सलरेशन नहीं तो हमारे पास फोर्थ यहां पर फोर्टी लेना बेटा ठीक है फोर्थ यहां पर फोर्टी ले लो फोर्टी भी नहीं हंड्रेड ले लो बवाली खत्म ऊपर नीचे ना जाए भी नहीं तो पगला जाएंगे हाँ नीचे चला जाएगा सिस्टम नहीं तो हम्म फोर्स कम लगाया नीचे चला जाएगा हंड्रेड पांच छह सात आठ नौ हंड्रेड भी नहीं दो सौ लगा लो अब ऊपर जाएगा वजन से थोड़ा छोटा बोझ लगा दिए सोरी सोरी आ, नीचे चला जाएगा तो दो सो ठीक है तो यहां पर दो सो कर यस तो इसका पहले वाले का कितना आएगा टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी माइनस टी टू या प्लस टी टू हो जाएगा इसका टू या या। फिर इस वाले को देखना ले जाने वाला फोर्स बेटा इधर है टी टू माइनस प्लस टी वन इज इक्वल टू इसका कितना मास्ता फाइव इंटू एन माइनस थर्टी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए किस किस की इक्वेशन मैच होगी भैया सारे बच्चे बताइए कुछ बच्चे पागल पागल हो गए क्या किस किसकी इक्वेशन मैच हो गई सर ट्रिक से बता दीजिए बेटा मैं बताना चाहता हूं तो बता दूंगा लेकिन पहले बेसिक से करा लो ठीक है अभी कई बच्चों को फोर्स बनाना नहीं आ रहा तू कह रहे ट्रिक बता दो तो वो ट्रिक में भाग जाएंगे फिर बनाना नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बाद में मेरे को आएंगे, तो पहले बेसिक से पढ़ा लेने दे ले जाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स टू हंड्रेड माइनस टू जी माइनस टी टू यह आया हमारे पास इसका ले जाने वाला फोर्स टी टू इसको रोकने वाले दो फोर्सिस थे फिफ्टी और टी वन और फिर इसको ले जाने वाला और माइनस दिस किस किस की इक्वेशन मैच हो गई सभी की वेरी गुड अगर आप देखें इसको मैं ऐसे लिख दू टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी क्योंकि मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं जो बच्चा बार बार कह रहा है, ट्रिक, 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 मैं वही बताना चाह रहा हूं टी वन माइनस थर्टी इज इक्वल टू थ्री इन टू ए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें जैसे आप इनको एड करेंगे टी टू टी टू जाएगा टी वन टी वन जाएगा ये दोनों हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हो गए दोनों क्या हुए इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन कभी भी सिस्टम में होंगे तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे वो कट गए बेटा तो अगर आप देखें तो यहां 200 है माइनस पचास साठ सत्तर और 100 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए ये आ जाएगा ए की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ए की वैल्यू 10 आ गई हाँ, कंबाइन करके नेट भी आप निकाल सकते लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा ए की वैल्यू आपको टेन आ गई यस अगर आपकी ए की वैल्यू आ गई आप कोई सा भी टेंशन ना निकाल सकते थे कोई सा भी आप टेंशन आसानी से निकाल सकते थे तो कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है अब मैं आपको क्या बता रहा हूं इन क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन में जरा देखना करना चाहो एसलरेशन अगर आपको निकालना है तो आप नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ही तो करते हैं ना तो अगर आप देखिए इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लू पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लू तो ये दोनों नॉर्मल जो है हमारे पास इंटरनल फोर्स बन जाएंगे कट जाएंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है टेन यही इन दोनों को इस डायरेक्शन में चलाएगा तो अगर आपको करना था तो नेट फोर्स आपका 10 है डिवाइडेड बाय जो मास है दैट इज 4 तो पॉइंट 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपको यहां पर डायरेक्टली मिल सकता था क्लियर है क्या स yes, डायरेक्टली आपको मिल सकता था फिर अगर आपसे कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ए आपको पता है ए रख के आप सॉल्व कर लीजिए क्लियर जरा यहां पर ध्यान से देखना कोई बोले इसमें ए डायरेक्टली कैसे निकाले ए आप कहेंगे अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो आप नेट एक्सलेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे एफ नेट डिवाइडेड बाई एम नेट तो नेट फोर्स आपका कितना है बेटा दस लगाया है और टोटल मास आपका कितना है तो यहां आपका टू आ जाएगा अगर आपसे कोई टेंशन वेंशन पूछता तो इसकी इक्वेशन बना लो ये टू से जा रहा है टेन माइनस टी वन इज इक्वल टू तो वन इंटू टू आंसर वही आ जाता क्लियर क्लियर यस हाँ। यस इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछता तो मैं यहां पर कहता भाई जरा समझो इन तीनों का जो टोटल मास है ठीक है आपने यहां पर फोर्स लगाया था 200 न्यूटन ध्यान से देखना बेटा इनका जो टोटल मास था ठीक है जो टोटल मास था दैट वाज 10 कीची है ना पांच छह सात आठ नौ दस ये था आपका 10 कीची तो इनका सभी का वजन होगा 100 न्यूटन ध्यान से देखना दिस इज योर वेट सर पहले क्यों नहीं ले रहे थे वेट क्योंकि वेट रोकने वाला फोर्स नहीं था सारे बच्चे ध्यान से सुनिए वेट वॉज नॉट दी मतलब अपोजिंग फोर्स ऊपर ले जा रहे हो 200 से नीचे है 100 तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है दू हंड्रेड माइनस हंड्रेड यस तो अगर आपको ए चाहिए था तो आप नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास यहां पर करेंगे तो दिस इज 100 डिवाइड बाय टोटल मास 10 आपका आंसर आ जाता क्लियर है क्या सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए इस बात पर हाँ या ना बेटा जो आप लोग इतना फालतू तो लिखने की मेहनत कर रहे हो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं मुझे जो रेलिवेंट है बस उसी का जवाब दूंगा तो कोई करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ तीन हजार बच्चे जा चुके हैं आखिरी तक रुकना है जो भी बच्चे सीरियस है ठीक है बीच बीच में आपके हजार काम आएंगे हमारे भी आ रहे हैं हम भी फोन काट रहे हैं आपको भी फोन काटना पड़ेगा प्लीज पढ़ना है तो पढ़िएगा ठीक है यस जो बड़े बड़े आप लिख रहे हो बेटा मैं नहीं पढ़ रहा हूं उसको क्यों मेहनत कर रहा है सुन ले कुछ फायदा हो जाएगा ठीक है और भगवान हमेशा देखता है बेटा तू क्या करता है क्लियर जैसे अब ये सवाल है सारे बच्चे जरा इस सवाल को देखना M M. देखो अब इस क्या है? ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अब आपका एक रोप है उस रोप का भी मैंने मास दे दिया है एम हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ दो द रोप एट इट्स मिड पॉइंट ठीक है सर पिछले वाले में आपने क्यों नहीं किया ये वाली चीज कई बच्चे कह रहे हैं कि वजन वाला पिछले वाले में क्यों नहीं किया बेटा रोक नहीं रहा है, ma, ठीक है? लेकिन इस सवाल में, सर, आपने वजन क्यों लिया इस सवाल में वजन इसलिए लिया क्योंकि आप वर्टिकल की बात कर रहे हैं ये जो एक्शन रिएक्शन है ये कट गए ये कट गए इंटरनल हो गए ले जाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स इक्वल टू एम ए आपने सॉल्व किया यहां पर क्लियर हाँ सर इंटीग्रेशन से करना है नो नो जरे सुनना व्हेनेवर ये क्वेश्चन है व्हेनेवर टेंशन एचसी वर्मा में आपको सवाल मिलेगा व्हेनेवर टेंशन इज आस्क्ड इनसाइड अ बॉडी इनसाइड बॉडी किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको टेंशन निकालना है तो आप सवाल कैसे करेंगे कोई हिंट दे सकता है कैसे करना है रोप को ब्लॉक मान लो वेरी गुड और कोई हां टेंशन कैलकुलेट कर देनी है बस हो तो गया यार सवाल पर पर पूछ रहा आधे पर, तो मैंने कहा ठीक है भैया इसका मास एम बाई टू यहां आप एक टेंशन टी यहां आप एक टेंशन टी और ये वाला मास है m यहां एम बाई टू और ये है आपका किस किस को ये चीज समझ आ गई हाँ कभी भी एच सी वर्मा में लॉज मोशन में आपको एक सवाल मिलेगा वो एक ब्लॉक के अंदर का टेंशन पूछते हैं तो आपको दो हिस्सों में तोड़ लेना है और वहां पर आप टेंशन बना लीजिए क्लियर वेरी गुड अच्छा अब आप सारे लोग मेरे को बताना क्योंकि ये वाला टेंशन तो इंटरनल फोर्स है इसका खुद का वजन नीचे बीच होगा जरा ये देखना क्या आप ये कह सकते हैं नेट फोर्स इस पर इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं इनको एज अ मै सिस्टम ले लूं आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैसे भी मैं डायरेक्टली अगर लिखने की बात करूं अगर मैं इसको एज इस ए सिस्टम ले लू तो ले जाने वाला फोर्स एफ है रोकने वाला कोई है नहीं टोटल मास आपका कितना है एम प्लस एम और अगर आप एक्सलरेशन ऑफ दिस सिस्टम की बात करें तो ये आ जाएगा दिस आप डायरेक्टली लिख सकते थे ये वाली चीज हां या ना वेरी गुड वेरी गुड हाँ सर हाउ एम बाई टू जरा देखो सवाल भी तो पढ़ना होता है ना मेरे एंटरप्रेंटर ठीक है हमारे पास फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट अगर मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो आधा मास इधर होगा आधा मास इधर होगा हाँ या ना यस यस वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो हो तो गया सवाल अब आपसे टेंशन पूछ रहा है ये एक्सलेशन से जा रहा है आप इक्वेशन से जाना चाहते हैं मैं वो भी लिख देता हूं इसकी इक्वेशन आएगी बेटा इसकी इक्वेशन आएगी एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम बाई टू इंटू ए इसकी इक्वेशन आएगी बेटा टी रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है प्लस एम प्लस एम बाई टू इंटू ए की वैल्यू आपकी यही आ जाएगी एफ अपॉन एम प्लस एम वेरी गुड सर यूनिफॉर्म आज तो गिवन नहीं है तो आप पहले यूनिफॉर्म ही लेंगे क्योंकि वेरी कराने के हजारों करोड़ों तरीके हो सकते हैं नहीं दिया तो आप यूनिफॉर्म लेंगे अब आपको टेंशन चाहिए था तो भाई इधर लगा दो इसको ले जाने वाला फोर्स था ना बेटा तो ये आपका किस किस का ये एम प्लस एम बाई टू इंटू ए की वैल्यू आएगी एफ डिवाइडेड बाय प्लस एम किस किस का यही आंसर आया था एक बार दिल बना दो किस किस का यही आंसर आया था एक बार दिल बना दो सारे बच्चे भाई देखो अगर आप लोग मैं एक दिल से बात बोलूंगा आप लोगों को अगर आप लोग आखिरी मोमेंट में भी सनकियों के जैसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वो नहीं मिलने वाला जो आपने सोचा था जब बैच स्टार्ट होता है ना तो सभी के अंदर जोश होता है एक्चुअली में पता है कौन बचता है जो आखिरी में बचता है ना वही रियल कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि वही मेहनत करना चाह रहा है ठीक है तो स्टार्टिंग देखो ये ये हर बार का मैं लेकिन मैं बता रहा हूं जितना आप अपने आप को पुश करते हुए चाहते हैं ना उतनी ही चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल के पास पहुंचेंगे मुझे पता है आपके हजारों काम आएंगे आप निकलते चले जाएंगे और मैं बोलता रह जाऊंगा लेकिन आप फिर भी निकल जाएंगे क्योंकि आपके लिए वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बार बार रियलाइज कराऊंगा इसके बाद कोई भी सीरीज नहीं आती है आपको ये बात पता होगी ठीक है कोई भी सीरीज नहीं आएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी नहीं पढ़ाने वाला इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप अकेले रहेंगे ठीक है यहां आखिरी साथ है आपका टीचर्स का आखिरी में कुछ क्वेश्चन जरूर करा दिए जाएंगे लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व पर्पस अलोन ठीक है जिन्होंने इसमें दिन रात हमारे साथ मेहनत करी और आखिरी में सवाल लगाए तब भी कुछ लेके चला जाएगा तब भी कुछ फायदेमंद ले जाएगा और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे जो लगातार लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है मैं बता रहा हूं आपको ठीक है इतना सीख लिया है ऑनलाइन की इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा डोंट राइट एनीथिंग और ऐसा मत करो कि आप आखिरी मौके में भी नहीं पढ़ रहे हो जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था ना बैच स्टार्ट होने से पहले हर बार बच्चा क्या कहता सर मंजिल बैच ले आओ मंजिल बैच ले आओ सर हमने इतनी काम चोरियां करी हैं इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है कि अब समझ नहीं आ रहा आज और कल मैं बता रहा हूं पढ़ने वाले बच्चों को सेग्रीगेट करके अलग बैच में डाल दें और आपको छोड़ देना आपके आंसू आ जाएंगे सर प्लीज हमारे को वापस ले लो बैच में और जब आज आपके हाथ में है वो चीज तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं ठीक है और मैं तो कोई भी नहीं हूं आपका करियर डिसाइड करने वाला ऊपर वाला भी ये सारी चीजें देखता है ऊपर वाला भी ये सारी चीजें देखता है और फिर आखिरी में जिस दिन रिजल्ट आता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर आप उनकी तरफ नहीं देख रहे जो नहीं कर पाए उनकी तरफ हमेशा हम लोग देखते हैं तीन सौ पैंसठ दिन साल में और दो साल लगाकर आखिरी में दिन रात पढ़ाकर हमेशा उन बच्चों की देखी जाती है लेकिन जिस दिन सेलिब्रेशन होता है ना बेटा तो उनकी भी हमें कदर करनी होती है जिन्होंने उस मेहनत को जो हमने दो साल लगाई है उन बच्चों के साथ जब उनका फल आता है ना और वो सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास आता है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी होती है और मैं चाहता हूं कि आप में से कई सारे अगर लास्ट मोमेंट में भी जाग के मेहनत कर ले जाए और सिलेक्शन ले जाए यहां से तो आपका ही बेटरमेंट होगा दस साल के बाद आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ना कहीं काम नहीं आएगा हो सकता हूं मैं इनसिग्निफिकेंट हो जाऊं यहां पर सारे बैच के टीचर इनसिग्निफिकेंट हो जाए लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब पाते हैं और आप अपने घर को चला पाते हैं वही हमारे लिए खुशी का पात्र है ठीक है तो ये चीज आपको लग रहा हो कि ये मेरे बेनिफिट के लिए हो रही है भूल जाइए इस बात को रियलिटी मुंह पर मार रहा हूं कईयों को शायद तमाचा लगेगा ये ठीक है इसके बाद ये अगर आप रो रहे हैं कि आपको लाइफ में किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो ये आपका सिर्फ एक्सक्यूज होगा रीजन नहीं ठीक है और जिस दिन जागोगे ना बेटा उस दिन इतनी पेनफुल चीजें दिखने लगेंगी ना जिस दिन जो आपको एक्सेप्ट भी नहीं होगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है क्योंकि आपके कर्म वैसे थे ठीक है तो मैं आप सभी लोगों को यहां पर बोल रहा हूं ठीक है जिनको जाना है अभी चले जाइए अभी राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम डू इट प्रॉपरली एटलीस्ट डू इट प्रॉपरली कोई भी चीज ढंग से करिए कम से कम ठीक है और जो पढ़ रहे हैं मैं चाहता हूं आप लोगों को आखिरी तक रुकना है आपको दर्द होगा आपको प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपको नहीं मेरे को भी होगी ठीक है तो साथ में मिलके पढ़ना है तो ये सोचा है तो प्लीज पढ़िएगा क्लियर क्योंकि मैं तब से देख रहा हूं कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली चीजें उल्टी फुलटी चल रही है एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट मैं आपको पहली बता रहा हूं फर्क नहीं पड़ रहा आप जो लिख रहे हो सैलरी वैलरी में को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे क्लास के कमेंट्स में क्लास में जवाब देता हूं क्योंकि वहां पे हंसी मजाक का मोमेंट होता है यहां आपको इतना बड़ा टारगेट लिया हुआ है तो उसके स्ट्रेस के चक्कर में मैं हंस भी नहीं पाऊंगा ठीक है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा प्लीज उस चीज को समझ लीजिएगा एक महीने बाद हम में से कोई नहीं होगा आपके साथ रियलिटी है बोलने के लिए मैं कितना भी बोल दू बेटा आखिरी तक सपोर्ट होगा थॉट में पढ़ाई में नहीं करना आप ही को पड़ेगा और जिस दिन ये सीरीज खत्म होगी ना बेटा उस दिन आपके पास होगा बैकलॉग फिर से वही चीज जो आपने ग्यारहवीं में करी वही चीज जो आपने बारहवीं में करी आपने एक बार भी पलट के ये ये नहीं देखा कि ये होता क्यों है होता क्योंकि जब जाता है ना आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं और आप आज इस एज पे हो आपको भी मुश्किल से एक महीने बाद का भी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मुझे यहां से देखने के बाद आपका छह साल दिखाई दे रहा है कि आप छह साल किस मुसीबत में जाओगे ठीक है अगर आप आज नहीं पढ़ते हो आज क्या कोई भी टीचर आपको आके पढ़ा रहे हैं ना बेटा अगर आप उसकी बैच में उसकी क्लास में सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो हमें आपका छः साल दिख रहा है यहां से छः साल हो सकता है एक ड्रॉप हो जॉब का फर्स्ट ईयर और चार साल आपका बीटेक सब दिख रहा है कि कैसे जाएगा उसके बाद तो कर ले जाओगे अगर समझ आ गई अकल आ गई तो लेकिन अगर नहीं करा तो ये पाँच छः साल का जो चीज़ है ना वो मेरे को दिखाई दे जाता है यहां से कमेंट से ठीक है कर लिए चलिए वेज के प्रॉब्लम से अभी मैंने आपको बताया था अगर आप इस ब्लॉक को यहां से छोड़ते हैं ना बेटा तो फ्री बॉडी वाला फोर्स तो कोई रोकने वाला फोर्स अभी फ्रिक्शन नहीं है तो कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है एम जी होगा नॉर्मल रिएक्शन होगा तो जरा यहां पर सारे बच्चे देखना यहां पर एमजी साइन थीटा अलोंग दी वेज इसी को वेज कहते हैं बेटा अलोंग दी वेज हमारे पास एम जी साइन थीटा मेरे को यह देख के बहुत दुख होता है कि पहले आप ही लोग डिमांड करते हैं और फिर जब आपको मिल जाता है तो आपको उसी की कदर नहीं होती है ठीक है ये तो सिस्टम का भला मानिए कि आपकी सुन ली जाती है ठीक है नहीं तो भगवान की जिस दिन आएगी तो भगवान भी आपकी नहीं सुनने वाला ये बात याद रखिएगा जिस दिन समय आएगा ना भगवान देखेगा भाई आप समय खत्म हो गया दे दिया जितना टाइम देना था नहीं किया है तो आप भुगतेगा ये ठीक है तो जरा ये चीज याद रखना ये है एसलरेशन अगर मेरा थीटा कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन आपकी आएगी कांस्टेंट और याद रखिए काइनेमेटिक्स में आपको बताया गया होगा कि जब भी एसलरेशन कांस्टेंट होती है तभी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड होती है बेटा तो अगर आपसे बोला जाए एसलरेशन ऑफ द बॉक जी साइन थीटा टाइम टू तो रीच द ग्राउंड कितना टाइम लगेगा क्योंकि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है मान लो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है नहीं भी होता तो इक्वेशन में रखेंगे ये इतना लेंथ चलेगा बेटा ये इतना लेंथ चलेगा तो जरा देखना सारे बच्चे मान लेता हूं मैं x है या ऐसे ले लीजिए ठीक है ये h ये x साइन थीटा अगर आप लगाएंगे बेटा तो h x आएगा तो लेंथ कितना चलना है इसको x की वैल्यू है दैट इज h cosec थीटा यस कोई आपसे बोले कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा तो भाई बोले कितनी पहुंचेगा तो, तो जरा देखना प्लस हाफ स्क्वायर किस किसी ने चीज पकड़ लिया था यही प्रोसेस करना है एक्सलरेशन निकालेंगे सारे बच्चे दिल बनाना जिन्होंने ये प्रोसेस पकड़ लिया था सर एक्सलेशन निकालेंगे टाइम निकालने के लिए मेरे को चाहिए एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में लगा दूंगा तो ये आ जाएगा बेटा एक्स टू एक्स बाई ए का रूट दैट इज द टाइम तो ये आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट में टू एक्स की जगह आप रख सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाई ए दी साइन थीटा ठीक है हमारे पास क्लियर वेरी गुड हा सर एम ए बाई टू इक्वल कैसे किया कहां पर बेटा एम ए बाई टू कहां करा ये पूरे को मैंने कहा कि ये टेंशन निकालना था तो इसको पूरा एज ए सिस्टम ले लिया तो टेंशन इक्वल टू दिस m इन टू ए की वैल्यू थी f by m plus m, वो रख दिया बेटा आंसर आ गया क्लियर वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब एक तो टाइम निकाल लिया अगर आपसे कोई बोले ये जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन टू यू प्लस ए टी या फिर आप लगा लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस इनिशियल जीरो वी वी की अगर आप बात करोगे तो अंडर रूट में टू ए की वैल्यू थी g साइन थीटा और x की वैल्यू है बेटा हमारे पास h एच थीटा ठीक है तो साइन थीटा और थीटा हमारे पास कट जाएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट में 2GH. बाद में जाके आप इस चीज को नोटिस करना आप एनर्जी से भी जाएंगे तो यही आएगा क्लियर मैंने आपको क्या बात बोली? अगर आप वेज पर छोड़ते तो एनजी साइन थीटा से नीचे जाएगा. ये वाला फोर्स ले जाएगा तो एक्सलेशन आई जी साइन आपकी एक्लेशन कॉन्स्टेंट होती है तो काइनामेटिक वैलिड है कोई बोले इधर तक आने में टाइम कितना लगेगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट से और एस ने पढ़ा नहीं है ना बेटा तो हम लोग उससे नहीं कर रहे सारे बच्चे इन क्वेश्चंस में एक्सलरेशन की बात करेंगे चलिए फाइंड देशन ऑफ द ब्लॉक अगर एम वन ज्यादा है एम टू तो आप डायरेक्टली लिखने की जरा आप कोशिश करना ठीक है क्या आपको यह बात पता है अगर मैं डायरेक्टली की बात करूं मैं भी बना दूंगा सारे बच्चों के लिए यहां पर आपकी टेंशन मान लीजिए टी है तो यहां पर भी टी होगी इधर आपका ब्लॉक चलेगा एम वन जी साइन अल्फा इधर है बेटा और इधर आपका आएगा एम टू जी साइन बीटा इधर आएगा ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा बेटा हमारे पास ठीक है मैं यहां पर कह देता हूं कि मोशन इधर ही है क्योंकि वैल्यूज नहीं दे रखी है ना बेटा हो सकता है एंगल ये वाला कम हो या ज्यादा हो ठीक है अभी के लिए मान लीजिए इधर जब वैल्यूज होंगी तो वैल्यू के साथ अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिल जाएगा क्लियर हाँ सर एमजी टू हाफ एम स्क्वायर कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो वर्क एनर्जी पे पढ़ना ना बेटा मिक्स मत करो अब पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ो तो उसके हिसाब से पढ़ो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं लेकिन अभी एनर्जी के बारे में कईयों को नहीं पता होगा जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे करना ठीक है आइए तो यहां पर आप ले जाने वाला फोर्स आपके लिए क्या है ये वाला फोर्स ठीक है मान लीजिए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा भी है ये वाला एंगल भी बढ़ा है तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास किस किसने ने डायरेक्टली लिखा है ये बता दीजिए और जिन्होंने डायरेक्टली नहीं लिख पाए हैं मैं इक्वेशन बता रहा हूं आप उनसे मैच करिए इधर जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी ले जाने वाला फोर्स बेटा माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू एम ए ऊपर t माइनस ले जाने वाला फोर्स माइनस एम टू जी साइन बीटा इज इक्वल टू एम टू इन टू ए या जैसे आप ऐड करेंगे जाएगा किस किस ने डायरेक्टली लिखा है वेरी गुड वेरी गुड सर जिनको नहीं आ रहा डायरेक्टली आप दोनों को करके ऐड कर दीजिए आपका बेटा वही जवाब आ जाएगा क्लियर आपका वही जवाब आ जाएगा और अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भैया टेंशन क्या है तो आपको इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी किसी एक की इक्वेशन लिख के की वैल्यू डालिए टेंशन निकालिए क्लियर वेरी गुड जरा इस सवाल को सारे बच्चे जरा बताना एक्सलरेशन ऑफ दी ब्लॉग यहां पर देखते हैं कौन कौन डायरेक्टली और इक्वेशन दोनों लिखनी पहले डायरेक्टली लिखेंगे एक्सलरेशन और फिर आप इक्वेशन में लिखेंगे सर प्रीवियस में एक्स कैसे आया सारे बच्चे एक बार डायग्राम बना लीजिए फिर मैं एक्स का बता देता हूं देखो बेटा वहां पर आपका ये h था और ये थीटा ब्लॉक कितना चल रहा है ब्लॉक तो ये वाला लें चल रहा है ना बेटा तो मुझे तो ये चाहिए तो मुझे ये वाला लें चाहिए होगा इसके टर्म में तो मैंने sin थीटा यूज किया दैट इज h by x तो x की वैल्यू आ जाएगी h sin थीटा या h cosec थीटा क्लियर ये करा था बेटा हम लोगों ने आजा 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 सारे बच्चे सारे बच्चे जरा देखना चलिए अगर आप देखेंगे तो इसका वजन ले जाने वाले में एक ये भी होगा एक ये भी फोर्टी का भी फोर जी साइन थर्टी भी होगा और रोकने वाले में यहां पे वन जी होगा लेट्स सी कौन कौन इतना सोच पा रहा है ठीक है इक्वेशन की भी बात कर लेंगे दोनों चीजें देखना मैं कह रहा हूं ले जाने वाले फोर्स में एक तो इसका वजन है और इसका भी वजन है ठीक है तो ए नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल मास तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा बेटा ट्वेंटी प्लस फोर्टी साइन थर्टी फोर जी ऐसे लिख देता हूं फोर जी साइन थर्टी माइनस वन जी डिवाइडेड बाय टोटल मास चार पांच छ सात कौन कौन ये कर पाया वेरी गुड एच में क्वेश्चन दे रखा है ये बेटा आपका 20 plus 20 minus 10 divided by 7 30 by 7 आपका आंसर आएगा मान लीजिए आपसे सवाल में पूछा जाए टेंशन बता दो तो आपको इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी तब तो जरा सारे बच्चे देखना मान लो मैंने यहां पे कहा t और यहां कहा t या t1 t1 यहां है t2 और इस धागे में यहां गया t2 इक्वेशन भी लिख देता हूं जिससे इक्वेशन वाले बच्चों को दिक्कत ना आए तो ये क्या इक्वेशन बनेगी बेटा ये होगा टू जी ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू टू इन ए ले जाने वाला फोर्स फोर जी साइन थर्टी माइनस रोकने वाला फोर्स प्लस टी वन माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू फोर ए ठीक है उसके लिए टी टू माइनस वन जी इज इक्वल टू वन ए आपकी इक्वेशंस ये आ रही होंगी किस, किस की इक्वेशन मैच हो गई बोलो 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 सर तो आप डायरेक्टली ये कैसे लिख रहे हो जो ले जाने वाले फोर्सेज है देखो ये इंटरनल फोर्स हो गए इंटरनल फोर्स को आपको देखना ही नहीं है वो कट जाएंगे एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन ये कट जाते हैं इंटरनल फोर्सेज जब एक्शन रिएक्शन सिस्टम में है तो कट जाएंगे ले जाने वाला फोर्स क्या है इसका वजन इसका वजन जो अलोंग दी वेज है तो 4g जी साइन थर्टी टू जी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये रोकने की कोशिश कर रहा है नेट फोर्स में दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास आंसर आएगा क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल बेटा जरा ये देखना हमारे पास टू के जी फोर के जी थर्टी डिग्री सारे बच्चे इसमें नेट आपको लिखना है ऑफ बॉडीज एंड टेंशन भी आपको निकालना सर एक्सलरेशन रिपीट कर दीजिए अरे तो इक्वेशन से जा भाई डायरेक्टली मत कर देख अब प्रॉब्लम ये है जब मैं इक्वेशन से बता रहा था कई बच्चे तंग कर रहे थे सर डायरेक्ट 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 अब डायरेक्ट बता रहा हूं तो कई बच्चे उसमें आ रहे हैं जिसको जो ये चीज आएगी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ जब आप इसको करेंगे ना प्रैक्टिस में आपको पता लगेगा ये इसके साथ गया क्यों क्योंकि इंटरनल फोर्स था ये इसके साथ गया क्योंकि इंटरनल तो ले जाने वाले फोर्स कौन से बने इसका वजन और इसका एक कंपोनेंट ऑफ दी वजन रोकने वाला कौन सा बना ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ जाना भाई दूसरे के लालच में मत आके ये डायरेक्टली लिख रहे हैं तो मैं भी लिख लूंगा ना अगर पहले बेस वीक था तो इक्वेशन से जा अगर डायरेक्टली आ रहा है समझ तो डायरेक्टली जा जरा ये देखना अगर इसकी बात करी जाए तो इसका वजन है टू जी ठीक है यहां आप टेंशन लेंगे टी, धागा एक ही है तो यहां टेंशन टी, और यहां टेंशन और आ जाएगा आपका फोर जी साइन थर्टी ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा ये रोकने वाला कुछ है क्या फ्रिक्शन विक्शन नहीं तो टेंशन इंटरनल इंटरनल फोर्सेस हमेशा कट जाएंगे तो जरा ये देखना अगर मान लो इसकी एक्सलेशन ए है तो इसकी भी ए होगी तो इक्वेशन वाइज जरा चलना यह आएगा बेटा फोर जी साइन थर्टी फोर जी साइन थर्टी माइनस टी इज इक्वल टू फोर ए इसको कोई रोकने वाला नहीं है टी इज इक्वल टू टू ए अगर तू एड करेगा तो देख क्या आया तो टू सिक्स थर्टी ले जाने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय रोकने वाला कुछ था ही नहीं डिवाइडेड बाय फोर प्लस टू सिक्स हमारे पास ये आया तुम्हारा एक्सलरेशन किस किसका ये मैच हो गया दिल बनाओ भाई हाया ना स्ट्रिंग कैसे डिफरेंट हो गया कहां पर भाई अब ये ये मेरे को बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग डिफरेंट है तूने धागा इसे अंदर से पार कर रखा है ये धागा तू तो यहां से लेके यहां बांधेगा यहां से लेके तू तो यहां बांधेगा अलग धागे नहीं हो गए अरे कैसे पागल इंसान है? है पहली बार पढ़ रहा है क्या हा वेरी गुड अब इसका जरा सारे बच्चे जरा देखना ठीक है ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है कई बच्चे गलत करते हैं ठीक है हाँ सारे बच्चे अस्मूथ ग्रूव इज मेड डायग्रेली ऑन वेज द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम फाइंड टाइम इट टू रीच पॉइंट बी ये ए है बी कई बच्चों को ग्रूव नहीं पता होगा इक्वेशन पर जाइए ठीक है डायरेक्टली मत जाइए अगर आपको एक बार में नहीं समझा इक्वेशन लिखिए इक्वेशन वैसे तमीज से लिखिए सॉल्व करिए इसके बाद आपको ब्रेक दूंगा इस सवाल के बाद क्योंकि इसके बाद आपका आ, नया ये होमवर्क आ जाता है ये आपको ट्राई करना है इसके बाद हम लोग करेंगे अपना मोशन एंड कंस्टेंट मोशन ठीक है ब्रेक के बाद हाँ। सर टी टू कैसे हुआ कैसे भाई कहां से आई हो इसमें क्या दिक्कत है ले जाने वाला बहुत रोक दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए दिस यहां कोई फोर्स है क्या नहीं है भाई टू जी क्यों नहीं ले रहा ये इसे डायरेक्शन में है भाई टीवल टू टू ए। ये वाला धागा यार, ये वाला धागा अलग है ये वाला धागा अलग है तो टेंशन तुम अलग अलग लेके चलोगे गधे वैल्यू बाद में अगर सेम आ गई तो सेम कह देना लेकिन स्टार्टिंग में अलग अलग लेके चलोगे कैसी बात कर रहे हो यार बोला तो था वन स्ट्रिंग वन टेंशन सुना ही नहीं होगा बकवास करने में बिजी होंगे उस समय बोला था ना वन स्ट्रिंग वन टेंशन एक धागे में एक ही टेंशन रहता है आइए अच्छा एक बात बताओ किस किस को ग्रुव मतलब नहीं पता है हम्म हाँ देखो आगे गुरु गुरु मतलब गड्ढा ठीक है जैसे आपने स्कूल की टेबल पर कई बार कोशिश करा होगा कंपस से खोद करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे एक गड्ढा बनाने के लिए किया ही होगा हाँ या ना हा गुरु मतलब होता है गड्ढा कुछ बेसिक वर्ड आपको पता होने चाहिए ठीक है गुरु मतलब होता है गड्ढा जैसे आपके घर के बाहर नाली है ठीक है जिसमें पानी जाता है या फिर जो भी छीछा लेदर आप करते हैं वही जाता ठीक है तो अगर आप यहां पर देखें ये भी एक गर, गली में गुरु भी ही है गुरु मतलब आपका एक गड्ढा है ठीक है अब आपने करा क्या है जरा क्वेश्चन को जरा समझना थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल है ठीक है कुछ ऐसा है ये आपका वेज होता है थ्री डायमेंशनल अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर वेज ये है आपका थर्टी डिग्री समझना अगर मैं यहां पर एक ब्लॉक को रिलीज करता हूं तो ये ब्लॉक पता है कैसे जाएगा ऐसे सीधे हाँ. यस सीधा नीचे जाता तो ये एक्सलेशन होती है आपकी यहां पर जी साइन थर्टी की हाँ याना, पहले तो इतना बताओ जो अभी आप साइड व्यू बनाते हैं वो एक्चुअली में यही तो है कि इसके एक्सलेशन होगी यहां पर जी साइन 30 या थीटा सारे बच्चे हाँ या ना ये yes no. hmm. बोलो 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 यही तो होता अगर आप इसको यहां से छोड़ोगे तो सीधे नीचे जाएगा ये तो वही है लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों ने यहां नहीं रखा है जी ऐसे नहीं है यहां हम गड्ढा कर दिए हैं अरे हाँ यहां हम ऐसे एक गड्ढा कर दिए तो अब किसी भी चीज को छोड़ोगे मेरे को यह बताना किसी भी चीज को छोड़ोगे तो वो ऐसे थोड़ा ना जाएगा वो तो अब ऐसे जाएगा क्या क्वेश्चन समझ आया इतना हाँ या अरे बोलो यार आ ये इस बार इन्होंने कहा है क्वेश्चन में जरा देखना कि ये थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री टू मीटर का है से रिलीज कर रहे हैं ठीक है कहा गया हा ये रेस से रिलीज कर रहे हो ये है आपका टू मीटर टाइम बताना है कितने टाइम में या कितनी वेलोसिटी से ये निकलेगा अब बताओ हा अब बताओ एक्सलरेशन कितनी होगी सारे बच्चे मेरे को ये बताना क्योंकि यहीं पर ठुस होने वाले हो तुम ये वाला जो तो ब्लॉक होता उसकी एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में हमारे पास रहेगी जी साइन थर्टी ये आप ही लोगों ने बताया अभी किधर रहा है उधर जा रहा है आ, में था अच्छा ठीक है होगा ये वाला एंगल कितना है थर्टी डिग्री ये वाला एंगल कितना है नाइनटी डिग्री तो ये वाला एंगल कितना हुआ ससुरे साठ डिग्री हा यस और दो बार कॉम्पोनेट क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये वाली इसकी एसलरेशन लेनी होगी तो यहां पर आएगा जी साइन थर्टी का एक और बार कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा 60 का ये आएगी इसकी नेट एसलरेशन अलोंग अलोंग ग्रूव बस जी साइन थर्टी का कॉस सिक्सटी तो कॉस सिक्सटी आपका वन बाय टू हुआ तो एक्सलरेशन जो आएगी दैट इज जी बाय फोर आ अब आया बच्चों को एक और कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा अब हो गया क्वेश्चन यार ये, ये ही तो है और कॉन्स्टेंट है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यही लगा लेते हैं रेस से स्टार्ट हुआ तो लेंथ कितना चलना है टू इज इक्वल टू हाफ इन जी बाय फोर इन टी का स्क्वायर तो ये फोर फोर सिक्सटीन हमारे पास यही आएगा ना फोर सिक्सटीन बाय या रूट ऑफ वन पॉइंट सिक्स दैट इज इक्वल टू टी लेंथ टू मीटर था यू जीरो है हाफ आपका आ जाएगा जी बाय फोर तो जी बाय इन टू टी स्क्वायर ठीक है तो ये हमारे स्क्न वन पॉइंट सिक्स रूट टी यस हाँ क्लियर हाँ अगर कॉन्स्टेंट नहीं हो तो काइनामेटिक्स क्यों पड़ी थी तूने क्यों पड़ी थी इंटीग्रेट करके निकालेगा हां सर एंगल बता दो भाई मेरे को तो लग नहीं रहा है कि मैं आज आप लोगों को करवा पाऊंगा ये जिस हिसाब से आप लोग हो ये कह रहा है स्पीड अप कर दो और ये कह रहा है ये एंगल बता दो यार क्वेश्चन भी पढ़ ले ये तीस डिग्री है अगर तू ब्लॉक को यहां छोड़ता यार ये सीधे नीचे जाता जी साइन थर्टी होता लेकिन इसका एक्सलरीज ये नाइनटी डिग्री है ना भाई ये थर्टी डिग्री तो ये एंगल कितना हुआ साठ डिग्री नहीं होगा तो इस एक्सलरेशन का इधर कॉम्पोनेंट करेगा जी कॉस सिक्सटी आएगा कॉस सिक्सटी की वैल्यू तेरी वन बाय टू होती है तो जी इक्वेशन आ गई क्लियर hmm. मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया ठीक है सॉरी यस हा क्लियर वेरी गुड अब यह आ गया कोई वेलोसिटी पूछ लेगा तो वी देखो एक एडवांस एडवांस लिख रहा था देख ले भाई एडवांस अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ये देख ले ठीक है ए आपका G बाय फोर है टाइम आपने यहां पे निकाल लिया है ये आप सॉल्व कर लेंगे क्लियर आपके ना स्पीडअप बोलने से ना एडवांस बोलने से कुछ होने वाला है चुपचाप रहिए सुनिए ठीक है हम्म अरे बोलो भाई मैंने क्या बोला ना आपके स्पीडअप बोलने से ना आपके एडवांस बोलने से कुछ होगा चुपचाप पढ़िए ठीक है।, है हाँ जी की वैल्यू कहां गई ढूंढो 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 ठीक है अगला अच्छा हमारे पास अगले में हमारे पास रहेगा ये पुली वाले कुछ सवाल है और कंस्टेंट रिलेशन ठीक है इसके बाद ये आपको देखो कितने सारे होमवर्क ढूंढ ढूंढ के दिए जाते हैं कंस्टेंट रिलेशन ठीक है, है? चलिए तो अभी आपको मैं ब्रेक दे रहा हूं ठीक है अभी आपको मैं ब्रेक दे रहा हूं फिफ्टीन मिनट का ठीक है पंद्रह मिनट मेरे को पता है कुछ भी नहीं होते लेकिन घूम घाम के आइएगा आइएगा जरूर ठीक है अभी दो दस हो रहे हैं तो चलिए मैं ये मान लेता दो आ, वो दो दस कह रहा हूं आठ छह के आसपास हो रहा है तो आठ दस से ही अगर माने तो आप आठ बीस पर हम लोग मिलेंगे ए ट्वेंटी पीएम के आसपास हम लोग रिज्यूम करेंगे ठीक है अभी देखते हैं कितने बच्चे साढ़े सात हजार के आसपास आई थिंक है ठीक है तो अब वापस आएंगे इसमें से सात हजार <laughs> मुझे पांच सौ के आसपास चले जाते हैं आएंगे फिर भाग जाएंगे तो हाँ ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा घूम के आइए सोचिए जो चीजें कही है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएंगी भाई कोई भी उतरेगा आती है कोशिश ये करनी है बेटा आपको थोड़ा सा देखो हमें तीन चैप्टर करने कोशिश ये करनी है इनको आपको प्रैक्टिस करना है मैं क्वेश्चन और छोड़ूंगा ट्राई करना है और कोई सोल्यूशन नहीं होता आपको लग रहा है एक ही बार में टीचर बताएगा वही आपके दिमाग में फिट हो आपके सारे सवाल होते। That's not the आपको सवालों से लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन गलत आएंगे उनको और सीखना पड़ेगा ठीक है हाँ। तो मिलेंगे हम लोग 820 पर क्लियर यस यस आप लोग कुछ खा लीजिएगा ठीक है और आइएगा जरूर देखते हैं अभी कितना कुछ जाके ठुस होकर सो जाएंगे हाँ क्लियर चलिए तो फिर आप लोग मिलेंगे बेटा ब्रेक के बाद हेलो हेलो सर ग्रु वाला समझ नहीं आया एक और बार रिपीट कर दीजिए बिल्कुल कर देते हैं बेटा यश 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 ग्रुह मतलब गड्ढा है भाई देखो जिस डायरेक्शन में जाओगे उसी डायरेक्शन में आपको एक्सलोरेशन निकालनी इतनी बात आप समझिए ठीक है ये ब्लॉक ये ब्लॉक हमारे पास सीधा ना जाके ये ब्लॉक हमारे पास सीधा ना जाके इस गड्ढे में जाएगा तो आप लोग जब ये वेज में ऐसे करते हैं जी साइन थीटा ये क्या होता है ये सीधा सीधा जाने की एसलोरेशन होती है ऐसे लेकिन इस एसलरेशन का आपको क्या करना है कॉम्पोनेंट लेना है जो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा तो जी साइन थर्टी का 60 आपको और करना है एक बार आ जाएगा फिर उसके बाद आपको अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगानी है क्यों क्योंकि जब भी एसलरेशन कॉन्स्टेंट होता है तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं आने दीजिए भैया एंटरपेंट्रस को सभी लोगों को एक बार आने दीजिए यस यस हा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ अरे लेट बिल्कुल नहीं है भाई बिल्कुल सही टाइम पर आए हम हाँ मैं तो सोच रहा था पांच सौ ही भागेंगे ये तो भाई साहब दो ढाई हजार बच्चे भाग गए देखते हैं क्या पता आ रहे हो आ रहे हो हाँ कुछ खा रहे होंगे कुछ पंपों कर रहे होंगे आ रहे हैं आ रहे हैं यस हाँ सर एम जी साइन थीटा क्यों नहीं लिया बेटा अगर भाई ओहो ओहो अगर इस वेज पर ब्लॉक सीधे सीधे आता तो एमजी साइन थीटा होता ना लेकिन गड्ढे में डाल दिया तो गड्ढे में तो इसकी वजह से कंपोनेंट लेना पड़ेगा उस डायरेक्शन में यस 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 तो एक लाइन हम आप सभी लोगों के लिए गा देते हैं ठीक है वेरी गुड अरे दो हजार बच्चे भाग गए क्या हाँ कोई नहीं पढ़ने वाले ही तो टिकेंगे फिफ्टी परसेंट एफिशियंसी देखा जाए तो दस परसेंट का ही दस परसेंट बहुत ही कम परसेंट का ही सिलेक्शन होता हाँ आ रहे आ गया।, आ गया। <laughs> बेजती मत करो इनकी गुस्सा के भाग जाएंगे दोबारा हाँ यस तो टूटी चार पाई वही ठंडी पुरवाही रस्ता देखे दूधों की मलाही वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुदगर ना धूप चुने ना छाऊ कैसी तेरी खुदगर ना धूप टिके ना पाऊ हा मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर मिट गया अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यू न जा आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइया ठीक है कॉपीराइट आ जाएगा ये बात सही बोल रहा है बच्चा पता लगे कंपनी वाले हमें पकड़ के मार दे कि भाई ए, क्या कर रहा हाँ सॉरी सॉरी भाई ओ अलग से अलग से करवा लीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हाँ अलग से करवा लीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है यस आइए आइए चलिए तो बेटा सारे बच्चे जरा यहां पर समझना अगर मान लीजिए इस प्रकार से पुली वाला हमारे पास सिस्टम है बेटा बीच में मेरे को ना एक अर्जेंट कॉल भी आ सकती है तो मैं एक बार आ, अगर कॉल पे जाऊं तो परेशान मत होना जो क्वेश्चन दूंगा आप वो चीज करते रहना क्योंकि तो मेरे पापा मम्मी कहीं जा रहे थे वो रास्ता भटक गए हैं उनकी लाइव लोकेशन में देख रहा हूं जिधर जाना चाहिए था उधर से अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ठीक है और मस्त दौड़ा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है वो परेशान होकर मेरे को कॉल करें तो आप लोग घबराइएगा मत ठीक है हाँ क्योंकि रात का समय है वो लोग परेशान होते हैं ना तो मैं एक बार कॉल कर लूंगा आइए चलिए तो मान लीजिए बेटा यहां पर आपका है चार के जी अगर यहां पर आपको जाए। यहां पर है आपका एक के जी ठीक है और यहां पर है आपका तीन के जी फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब आपको यहां पर एसलरेशन बताना है चलिए 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 और अब सर यहां पर पहले ये बताओ कितने धागे हैं हाँ बोलिए 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 यहां पर कितने धागे हैं ठीक है हम्म अरे 500 बच्चे भाग गया का हा भाग गया भाग गया ठीक है 500 से ज्यादा ही भागा है ठीक है अगर मान लीजिए अब देखा जाए तो यहां पर तो दो धागे हो गए ना सर तो यहां एक T1 लेंगे यहां आप एक T1 लेंगे यहां आप एक T2 लेंगे यहां आप एक T2 लेंगे यहां आप एक T2 लेंगे और यहां आप एक T2 लेंगे टेंशन ये वाला धागा सेम है तो टेंशन T2 रहेगा दो धागे तो दो टेंशन लेनी है इक्वेशन के साथ पहले चलते हैं तो बात है है इधर 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 ज़्यादा वजन वजन तो तो ये इधर आप A इधर आप A मानेंगे, तो आप मानेंगे मानेंगे बेटा बेटा पर 4G, यहां पर पर आपका देखिए कहेंगे ज़रा देखा जाए कितनों की इक्वेशन यहां पर मैच हो जाती है फिर मैं डायरेक्टली भी लिखा दूंगा जा रहा है इक्वल टू वन ए आ गया ये नीचे जा रहा है बेटा दैट इज फोर जी प्लस टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू फोर ए ये ऊपर जा रहा है बेटा तो टी टू माइनस थ्री जी इक्वल टू थ्री ये किसकीक्वेशन मैच हो गई है दिल बना दीजिए हाँ, इसी को एटवुड मशीन भी कहते हैं मैंने नाम इसलिए चेंज कर दिया कुछ बच्चे कहेंगे मशीन क्या है भाई इसलिए हटा दिया पुली प्रॉब्लम्स वेरी गुड ठीक है पुली प्रॉब्लम्स हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा बेटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पर T1 T1 T2 T2 अब जरा देखिए क्या आपको समझ आ रहा है 1G और 4G एक से इनका वजन ले जाने वाला था माइनस थ्री जी इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ए तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव जी माइनस थर्टी फिफ्टी माइनस थर्टी ट्वेंटी डिवाइड बाई एट इज इक्वल टू ए हमारे पास यह आ जाएगा टेन टेन डिवाइडेड बाई फोर या फिर हमारे पास 2.5 का हमारे पास ए आ रहा है हाँ वेरी गुड अगर अब आप आपसे कोई टेंशन पूछता तो क्या आप इक्वेशन निकाल लेते थम्स अप कर दीजिए मेरे एंटरप्रेंटर्स ये yes और नो no? यस yes और नो no? क्या अगर आपसे कोई टेंशन पूछता तो आप निकाल पाते हैं यहां पर यस और नो वेरी गुड हा वेरी गुड अच्छा आप जरा देखो यहां सिक्स के जी है यहां फोर के जी है हमें रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस चाहिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर मैं आपसे पूछ लू तो अब आप कैसे करेंगे तो क्या ये सिस्टम रेस्ट पर रहेगा या चलेगा मेरे को ये बता दीजिए सारे बच्चे मेरे को जरा ये बताइए क्या ये सिस्टम रेस्ट पर चलेगा रेस्ट पर रहेगा या चलेगा हा हा वेरी गुड चलेगा 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 टेंशन ही बताना है वेरी गुड तो बेटा यहां होगा आपका सिक्स जी यहां टेंशन मान लीजिए टी वन यहां मान लीजिए आपका यही वाले धागे में टेंशन रहेगा टी वन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो दूसरा धागा है ठीक है आप मान लीजिए टी टू और यहां पर आ जाएगा आपका टी टू और ये हो जाएगा फोर जी देखिये एक साइड भारी एक साइड हल्का तो चलेगा वेरी गुड अगर आपको स्प्रिंग का बैलेंस का फोर्स बताना है तो हमें तो टेंशन ही बतानी है अच्छा एक बात बताइए टी वन और टी टू सेम होंगे या डिफरेंट होंगे ये बताओ Let's see, कौन कौन सोच पाता है सोचिए 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 होंगे या होंगे ये बता दीजिए वेरी गुड यहां पर हमारे पास इसका मास तो जीरो ही रहता है तो अगर मान लीजिए इधर चल भी रहा है ए एक्सलरेशन से इधर और ए एक्सलेशन से ये इधर हा अरे डिफरेंट कैसे होगा दिमाग लगाइए इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे आप कहेंगे सर सिक्स जी माइनस टी वन इज इक्वल टू सिक्स ए इसकी इक्वेशन बनाएंगे टी वन माइनस टी टू सर इसका मास नहीं मैंने कहा ठीक है तो यहीं से तो आपका और बराबर आ गया सेम रहेगा रे पागल बताया तो था यही चीज तो एक्चुअली में आपको टी वन और टी टू बराबर रहेगा तो यहां हो जाएगा टी टू माइनस फोर जी इज इक्वल टू फोर ए तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा अब आपकी बनेगी सिक्सटी माइनस टी वन इज इक्वल टू सिक्स ए और इस टी टू और टी वन बराबर है तो टी वन माइनस फोर जी या फोर्टी टू फोर एड कर दीजिए बेटा तो ये हट गया तो ट्वेंटी होगी और ए की वैल्यू अगर आपके पास टू आ रही है कहीं पर भी टी वन माइनस फोर्टी इज इक्वल टू एट टी वन की वैल्यू फोर्टी एट आ रही होगी तो फोर पॉइंट एट के जी वेट किस किस का यही जवाब आया था दिल बनाओ वेरी गुड वेरी गुड फोर्टी एट सर हाउ जीरो इंटू ए भाई स्प्रिंग का स्प्रिंग बैलेंस हैज मास जीरो हैज मास इक्वल टू जीरो तो जिसका मास जीरो उसका तो फोर्स सी जीरो होगा और फोर जीरो हुआ तो यहां टी वन और टी टू को बराबर होना पड़ेगा मेरे एंटरपेंटर वेरी गुड ये हुई ना ये आप आपने बेसिक बात पकड़ ली तो स्प्रिंग बैलेंस के सवाल में कभी कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली ठीक है यस अब अगला सवाल मान लीजिए यहां पे स्प्रिंग बैलेंस ना हो एक ब्लॉक रख दिया है ये एचसीवी में आपका सवाल दे रखा है ठीक है ये ब्लॉक वैसे हवा में तैर रहा है हवा में नहीं जमीन पर है ऐसे ठीक है ये आपका जमीन पर है ऐसे 2 केजी का अब जरा 1.5 बच्चे इसकी एक्सीलरेशन बताइए PYQs भी करेंगे बेटा टेंशन मतलब अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ को लगेगा बेस कहां है बेटा बेबी को बेस पसंद है बेस लेके भाग गई। अब तू यहां पर आ जा बस ठीक <laughs> हैेशन हाँ। तो यहां पर लिख रहा है ऑब्वियसली बात है ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और ये हमारे पास इधर जाएगा यस क्लियर हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है तो इसका वजन हमारे पास क्या रहेगा दैट इज 5g यहां पर आपको आप टेंशन देखो दो धागे हैं ना दो टेंशन लेके चलना t1 इधर t1 रहेगा इधर आपका t2 रहेगा इधर आपका t2 रहेगा और यहां 1g हो जाएगा राइट यहां 2g हो जाएगा यहां नॉर्मल हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता होगा तो खट हो जाएगा यस वेरी गुड अब जरा यहां पर ध्यान से देखना डायरेक्टली भी डायरेक्टली भी लिखना आता होगा तो डायरेक्टली बच्चे लिख जाएंगे देखो ले जाने वाला फोर्स मैं अगर लिखूं फाइव जी ले जाने वाला फोर्स वन जी रोकने वाला फोर्स इसका वजन कुछ रोकेगा ही नहीं तो टोटल मास आएगा 5 +2 +1। देखा जाए कितने बच्चों ने डायरेक्टली भी इस चीज को लिखा है और इक्वेशन वाइज लिखेंगे फाइव जी माइनस टी वन इज इक्वल टू फाइव ए ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू फाइव ए ये इधर चलेगा तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू टू ए ठीक है और ऊपर यहां जाएगा टी टू माइनस वन जी इज इक्वल टू वन यस और जैसे आप ऐड करोगे आ जाएगा दिल बना दो भाई हाँ या ना सारे बच्चे दिल बना दो वेरी गुड वेरी गुड ये हुई ना बात ठीक है अब आते हैं हम लोग बंदर वाले प्रॉब्लम्स पर मतलब बेसिकली आपके ऊपर के सवाल ठीक है हाँ, मंगी प्रॉब्लम्स भी तो होते थे और अब तुम्हें बंदर से प्यार नहीं आएगा गुस्सा आएगा ठीक है अगर मान लीजिए ये हमारा कोई एंटरपेंटर है ठीक है इसका मास हम मान लेते हैं दस के जी का ये हमारे पीछे ही पड़ा है लटका पड़ा है पास करा दीजिए किसी तरीके से हम एक नंबर के काम चोर है जब टीचर बोलता है पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ते जो कहता है फोकस करने के लिए हम नहीं करते सब पास करा दीजिए ऐसे पढ़े हुए ठीक है तो अब ये हमारे हमारे ये हाथ है हमारे हमारे हाथ पे फोर्स लगाएंगे चुपचाप बैठा पड़ा है मान लीजिए रेस्ट पर है अगर मंकी रेस्ट पर है तो इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ठीक है तो मंकी का खुद का वजन है ना जी दस के जी का हंड्रेड अच्छा और बताइए इसपे और कौन सा फोर्स होगा या मैं ऐसे टेन जी लिख देता हूं मेरे को यह बताना बेटा इस मंकी पर और कौन सा फोर्स होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा सर इज इज वर्मा एंड डीसी पांडे बुक इनफ फॉर एडवांस बेटा पहले पढ़ ले पढ़ाई शुड बी इनफ फॉर एडवांस ठीक है किताब नहीं होती कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताब लगाते हैं सिलेक्शन नहीं होता कई सारे बच्चे होते हैं जो किताब लगाते फिर भी सिलेक्शन होता तो ऐसा कोई जवाब नहीं है हाँ और कौन सा फोर्स होगा नॉर्मल कह रहा है अरे दादा रे दादा धागा है यहां टेंशन लेंगे हाँ अब टेंशन की डायरेक्शन बता दीजिए मेरे को टेंशन किधर होगी नीचे या ऊपर देख अब देखना हमारे पास बच्चे फिजिक्स तो जानना चाहते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाना चाहते किधर लेंगे जिन्होंने सोच लिया उसको आगे के तीन चार केसेस अपने आप समझ आ जाएंगे हम्म वेरी गुड टेंशन अरे इतने तेज बच्चे कैसे बच्चे पढ़े हैं यहां तक हाँ फ्रिक्शन रहेगा सर हाँ, रहे हाँ वही फ्रिक्शन धागे के अंदर टेंशन बनाएगा ठीक है अपवर्ड वेरी गुड मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को लग रहा था कुछ बच्चे कह देंगे डाउनवर्ड तो मैं कहता भैया अगर फोर्थ डाउनवर्ड लगेगा तो बंदर रुकेगा कैसे कोई तो रोक के रखेगा तो यहां पर अगर ये रेस्ट पर है तो आप कहेंगे टी इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन हाँ ऊपर लगेगा भाई देखो इसको पकड़ के वो बैठा हुआ है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है नो डाउट अगर आप धागे की बात करेंगे ना बेटा धाग इसके हाथ की बात करेंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा जो उसको रोक रहा है और यही एक्शन है तो रिएक्शन है यही फ्रिक्शन टेंशन बन जाएगा धागे के अंदर का तो मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं मैं सीधे टेंशन की बात कर रहा हूं बंदर के हाथ पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा रोक के रखने के लिए वजन नीचे है फ्रिक्शन ऊपर है वही फ्रिक्शन टेंशन का काम करेगा क्योंकि एक्शन है तो रिएक्शन धागे पर है धागे को यही खींच रहा है तो ये टेंशन बन जाएगा क्लियर है क्या हा आ... अच्छा मान लीजिए अब आपको लगा कि हम आपको भाव नहीं दे रहे है। यही हमारा है अंटरपेंटर है। ठीक है यही दस के जी का अंटरपेंटर अब इसको लगा कि यार राजवंश तो सुन नहीं रहा हमारा हमारा रुक रहा, तो अब ये क्या कर रहा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा एक टू, टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो अब ये हमारे हाथ को कितने से खींचेगा आप सोचिए हाँ चलिए 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 अब ये बंदर क्या कर रहा है ऊपर एक्सलरेटेड होके चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा गर्दन पे से ही हाथ बना दिया कोई दिक्कत नहीं है इसका खुद का वजन है बेटा टेंजी गलत जगह से हमने टेंजी निकाल दिया लेकिन ठीक है टेंजी का पोंपो भी तो हो सकता है हाँ मान लेंगे ठीक है वैसे वहां पर भी टेंजी गलत जगह से निकल गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है पेट खराब भी हो सकता है बंदर जी का यहां है टेंशन टी और ये इस बार ए एक्सलरेशन से जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो भैया आप टेंशन इक्वल टू टेन जी थोड़ा बोलोगे आप क्या बोलोगे आप कहोगे सर टी माइनस टेन जी इज इक्वल टू टेन इन टू ए तो टी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये ट्वेंटी हो गया वन ट्वेंटी न्यूटन का ये हमारे पास फोर्स लगा रहा होगा नीचे अगर जाता इफ एसेशन डाउनवर्ड शन इज डाउनवर्ड तब आपका यहां पर होता मंकी टेंशन एम जी और ए तब आपका आंसर आता अस्सी वाला क्लियर हा बहुत सही अपने बारे में जान पा रहे हैं अब मान लीजिए दो बंदर हो गए आपके घनिष्ठ मित्रता होगी टेलीग्राम ग्रुप चलिए राजवंश सर से पूछेंगे ठीक <laughs> है ये दो के जी का बंदर तू पांच के जी का बंदर सर देखिए मैं तो हट्टा कट्टा हूं नहीं बेटा पेट में बस तूने ज्यादा खाना खाया है है तू भी दो के जी का ही बंदर ठीक है पांच के जी दो के जी ये जा रहा है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और तेरे को जल्दी पास होना है तू जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अब बताना यहां पर टेंशन कितना होगा ठीक है आ जा चलो भाई सब फोर हैंड है फोर टी कर दो भाई कर ले तू बस तू तेरे पास एक हैंड है ना तो टू टी करके सोल्व कर ठीक है बंदर का मत छोड़ वो नेट फोर्स की ही बात कर रहे हैं तू कर लियो ठीक है ये अलग प्राणी है ये पूरी मतलब पूरे बेसिक से पढ़ने के लिए तैयार है बंदर ने चारों हाथ पाव पकड़ रखे हैं और इसको ये भी बात बंदर ने बता दिया मैं हर हाथ से बराबर फोर्स लगा रहा हूं ये अलग अलग कहां से उठ के जाते हैं भाई क्या टाइम हो रहा हाँ, ये चुके है ठीक है हाँ, अब, अब तो रात को जागने वाले, निशाचर, वाले को निशाचर ही कहा जाता है अब वो जागेंगे दिनचर्या उनकी खत्म हो चुकी है सो चुके हैं अब पढ़ाई करने आए तो अचानक से उनको डाउट आएगा तो इस बंदर मंकी वन कह देते हैं योर फ्रेंड एंड मंकी टू यू ठीक है हाँ क्लियर आ जाओ तो जरा ये देखना मंकी वन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे यहां टेंशन टी वन होगा देखो दोनों अलग अलग असलेरेशन, असलेरेशन से जा रहे हैं दोनों का अलग है तो टी वन टी टू लेकर चलेंगे यहां पर है ट्वेंटी टू जी आप मान लीजिए और ये वन से जा रहा है ये वन मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनाते है? टी वन माइनस टू ट्वेंटी इज इक्वल टू टू इन टू वन टी वन की वैल्यू आएगी बाईस न्यूटन मतलब इन दोनों के बीच में जो ये धागा है ना ये 22 न्यूटन से खिंचा हुआ होगा क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहा हाँ कई बच्चों का मंकी, मंकी टू की अगर बात करेंगे यहां होगा टी टू इस धागे में टेंशन टी वन पहले से था इसका खुद का वजन है बेटा फाइव जी और ये ऊपर जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से Let's see, कौन देखो भाई नीचे कोई नहीं टंगा है तो यहां टेंशन नहीं होगा यहां टंगा है तो इधर के बीच में टेंशन होगा इधर एक और बंदा है तो इधर टेंशन अलग हो जाएगा तो यहां का टेंशन और यहां का टेंशन अलग अलग हो जाएगा यह बात क्लियर हुई तो एक बार थम्सअप कर दीजिए हाँ या ना तो जरा यहां की इक्वेशन बनाएंगे तो टी टू माइनस टी वन प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव इंटू टू तो T1 कितना था 22 तो T2 टू माइनस ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टी इक्वल टू टेन तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 60 70 अस्सी बयासी न्यूटन किस किसका का 82 न्यूटन आया है भाई वेरी गुड हाँ अरे लोग जाग रहे हैं लोग जाग रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड ये हुई ना बात ठीक है अब जरा इस सवाल की या चलिए इस सवाल की बात करें सारे बच्चे जरा इस सवाल की बात करें टू ब्लॉक्स ऑफ मास फोर के जी रिस्पेक्टिवलीफ देर इनिशियल वेरी गुड भाई बच्चे लोग एक्टिव हो चुके हैं ब्रेक के बाद अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है पढ़वा दे ठीक है हाँ नहीं तो ये भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो इतने साइंटिस्ट लोग हैं हमारे पास वो डायरेक्टली क्या करते हैं ठीक है हाँ वो डायरेक्टली क्या करते है? सीधे अरे पापा लोग कहां जा रहे हैं एक मिनट रुकना अच्छा ठीक है मुझे लगा पापा लोग कहीं घूमने ना लग गए हाँ। <laughs> चलो गु, गुम तो हो ही गए हैं थोड़ा घूम लेते हैं ठीक है पेट्रोल पंप पे है चलो सही है चलो तो, तो जरा देखना एट्रेस्ट आफ्टर फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूट्रन अप्लाइड अपवर्ड इनकी एक्सलरेशन बतानी अच्छा एक बात बताओ इसका मास कितना होगा सारे बच्चे पुली का मास कितना होगा हम्म पुली का मास जीरो तो अगर आपने यहां पर कितना फोर्स लगाया था सौ न्यूटन तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं इस धागे में फोर्स कितना होगा टी एंड टी बताइए भाई लेट्स सी वेरी गुड जब पुली का मास बेटा आप जीरो ले रहे हो तो नेट फोर्स भी इस पे जीरो होगा जिसका मास ही नहीं उस पर फोर्स कैसे लगा दोगे जीरो होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक धागे में तो टेंशन सेम ही रहेगा तो हंड्रेड इज इक्वल टू टू टी है बेटा टी की वैल्यू कितनी हुई पचास वेरी गुड अब ये बता दो यार तुम लोग तो सीख रहे हो तेज हो गए मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा गड़बड़ था एट जी वाले पर अस्सी न्यूटन यहां पचास न्यूटन लगाया है आपने और आपका जो ये चालीस वाला है इस पर आपने पचास न्यूटन लगाया कौन चलेगा भाई हम्म कौन चलेगा सोचिए भाई देखो इस धागे के अंदर टेंशन कितना है? पचास क्यों क्योंकि पुली का मास नहीं तो तो यही तो, तो उठेगा ऊपर आप पचास से लगा रहे हो नीचे इसका वजन ये है तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा दैट इज फिफ्टी माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर तो टेन डिवाइडेड बाय फोर टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बस अस्सी वाला उठा रहा है वाह 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 भाई आठ के जी का है अस्सी न्यूटन नीचे तू तो पचास से उठा रहा है उठ जाएगा तेरे से उठ जाएगा तेरे से नहीं उठेगा ना चालीस के वो चार के जी वाले का वजन चालीस है ऊपर पचास है यही तो उठेगा आ वेरी गुड अगला सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को बोल देता हूं आ आ जाओ देखना अभी देखना सॉरी बुलवाऊंगा सॉरी ठीक है ये सवाल मैंने हर साल बच्चों से गलत होते हुए देखा है ठीक है इन अ फिगर ब्लॉक ए बी सी है ये इसका हमारे पास इसमें जो एक्सलरेशन है इसका है ए वन ये हमारे पास ए टू से जा रहा है और ये हमारे पास ए थ्री से जा रहा है ठीक है F1, F2, F3 एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2mg एंड mg रिस्पेक्टिवली ये 2mg है, mg है। फाइंड वैल्यू ऑफ A1, A2 एंड A3। हाँ, पहली सॉरी बोल <laughs> एक कह रहा है सर सॉरी प्लीज सॉल्व <laughs> ये ये पहली वो होते हैं कि मतलब हल्की सी चोट लगी नहीं आ, पेट दर्द हो रहा है इनको ये ये हमारे जैसे भी है कई बार जैसे ऑफिस में हमें छुट्टी चाहिए होती है ना तो मैं पहली बोल देता हूं कि मैं 25 तारीख को हमारे पेट दर्द रहेगा तो हम छुट्टी पर रहेंगे ये पहली बताया उस दिन ज्यादा काम होगा ठीक है तो पहली वो कहेंगे रीजन क्या पेट दर्द होगा हमारे इतना टाइम रहता है इनका अब वैल्यू निकालो वैल्यू वैल्यू अच्छा किस किस को लग रहा है सेम ही तो है सारी चीजें हाँ ईमानदारी से बताना किस किस को लग रहा है यार ये सेम ही तो है इधर टू एम जी है इधर टू एम जी है इधर एम जी और एम जी टू एम जी है ऑल सेम आइए सुधरेंगे है नहीं आप अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां टू एम लगाया है तो इस धागे में टेंशन तो होगा 2Mg. और यही आपका इधर है। इस की अगर आप बात करें, देखना आपके आंखों के ऊपर धूल झोंक के जा रहा है आपके आंखों पर नहीं आपके शरीर पर धूल झोंक रहा है इस पॉइंट का मास नहीं है मास नहीं है, तो नेट फोर जीरो ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो टी और Mg इधर तो जरा देखना टी माइनस एमजीवल टू एम ए आप कहेंगे तो ये आ जाएगा टू एम जी माइनस एमजीवल टू एम ए की वैल्यू आपकी आ रही होगी जी ए वन ए वन ए वन की वैल्यू आपकी आ रही होगी जी वेरी गुड जरा दूसरा देखना दूसरे वाले का बी केस का आपने 2mg 2m जी टू यहां पर है तो अगर आप यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो टू एम जी यहां कहते धागा एक ही है टेंशन T इधर यहां टेंशन T इधर यहां mg इधर तो ऑब्वियस बात है सर ये इधर चलेगा A2 और ये इधर चलेगा A2 अगर आप A2 की बात करेंगे बेटा तो ले जाने वाला फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं अब इतना लाए हैं बच्चों को तो टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू टू एम ए टू और यहां टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए टू जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा g बाय थ्री इक्वल टू ए टू एक का g आया एक का g बाय थ्री आया जरा तीसरे की भी बात कर लो बेटा एम एम और एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एम जी धागा एक ही है T T एम जी ठीक है और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एम जी ठीक है जरा ये देखना इधर थी ए थ्री तो आप यहां क्या कहते टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास M e ही है एम a3 एस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए थ्री एड कर दो एम जी इज इक्वल टू टू एम ए थ्री ए थ्री इज इक्वल टू जी टू बताओ हाँ. यश यश आप ये चीज नोटिस कर रहे हो देखने में एक जैसे इसीलिए कहता हूं इक्वेशन लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि गलतियां ना हो ईमानदार से बताना कौन कौन सॉरी है

अब जरा देखते हैं कौन करता है देखो क्वेश्चन क्या देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना क्या आपको दिया गया है क्या आपको पूछा गया उसके बीच का एक रास्ता बनाना पहले तो आप सारे बच्चे देखना इन्होंने जो मेरे को दिया मैं वो लिख देता हूं एक बॉडी है t पर इसकी वेलोसिटी जीरो है इस पर आपने फोर्स लगाया एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी तो वेलोसिटी एट टाइम टी चाहिए करोगे क्या मेरे को अप्रोच बताना तब प्लीज रिपीट फर्स्ट इक्वेशन देखिए रिपीट हो जाएगा हम्म बताइए बताइए अब क्या करोगे हाँ, इनमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मास है की है है आपका आप क्या लगाने वाले मेरे को अप्रोच बताए आंसर तो हाँ वेरी गुड इंपल्स भी लगा सकते हैं या काइनेमेटिक्स दोनों लगा सकते हैं जरा ये देखना कैसे करेंगे एक्सेलरेशन होएगा बेटा फोर्स बटे मास तो आप देखें एफ नॉट बाय एम इनटू ई की पावर माइनस बी टी याद करिएमेटिक्स में जब भी आपको एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछते थे इंटीग्रेशन तो आप इसको ऐसे कर लीजिए एफ नॉट बाय ई की पावर माइनस बी टी तो डीवी इज इक्वल टू एफ नॉट जिन्होंने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है ना बेटा उन्हीं को दिक्कत आएगी लिमिट्स बताइए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना चाहे बिल्कुल निकाल सकते हैं आ, जरा, यहां वेरिएबल है वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम जब टाइम की वैल्यू जीरो रेस्ट तो पर था और जब टाइम की वैल्यू टी है तो वेलोसिटी वी है सारे बच्चे मेरे को बताना हाँ बोलिए 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 वेरी गुड तो ये आ जाएगा बेटा वी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कतई जिद्दी है बिल्कुल चेंज नहीं होगा बस टोपी गिर जाएगी इसके आगे यस yes, बच्चे लोग तेज होते हुए धन्यवाद धन्यवाद ये आ जाएगा बेटा एफ नॉट बाय एम माइनस एम बी आप यहां कर लीजिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करेंगे तो ई e की पावर माइनस बी टी माइनस वन या फिर एफ नॉट बाई एम बी वन माइनस ई की पार माइनस बी टी ऐसे अब मेरे को ये बताइए कहीं ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है का हाँ आप सभी लोग ड्रापर या बारहवीं क्लास का बच्चा लोग है हाँ या ना हाँ या ना आरसी सर्किट्स वन माइनस ई की पार कौन सा ग्राफ होगा आप देख के बता सकते हैं hmm. कौन सा ग्राफ होगा आपका आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ दिटर क्यूक्ल टू सीवी इंटू वन माइनस ई की पार माइनस टी बाई आरसी अब यहां पे ग्यारहवीं वाला बच्चा थोड़ा सा ठाए हो जाएगा अगर कोई है तो आपका सेकेंड ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी ऑर आंसर बी ऑप्शन यस yes. कैपेसिटर्स में आप सभी लोगों ने यह सवाल देखा होगा अच्छा अगला सवाल 2006 का अच्छा सवाल है सिखा के ही जाएगा सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट ठीक है पूरा है द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस नाउ द स्ट्रिंग इज कट द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट सारे बच्चे ये देखना हुँ. सारे बच्चे जरा ये देखना कि आपने क्या करा बेटा ये पहले रेस्ट पर है अब आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया ध्यान समझना स्ट्रिंग का फोर्स अचानक जीरो हो सकता है लिखना स्ट्रिंग का फोर्स अचानक चेंज हो सकता है ये हमारे पास जैसी कट करोगे ना वैसी जीरो हो जाएगा ये वो बच्चे हैं जैसे जब तक हमारा सपोर्ट रहता सर हम तो फोड़ देंगे फोड़ देंगे फोड़ देंगे जैसी क्लास है हम तो फट गए फट गए फट गए वैसे है धागे के जैसे ठीक है जरा इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखिएगा अब जरा देखना पहले तो आप मेरे को यह समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यह आपका धागा है ठीक है स्प्रिंग कुछ खिंचा होगा यहां है इसका मास टू एम जी यहां है टेंशन टी यहां है टेंशन टी यहां है एम जी यह बहुत अच्छा सवाल है स्प्रिंग कट के ऊपर ध्यान से सुनना स्ट्रिंग कट के ऊपर यह था और स्प्रिंग फोर्स क्या आप मेरे को बता सकते हैं सारे बच्चे जरा बताना यह अभी रेस्ट पर है पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी सारे बच्चे मेरे को बताना बोलिए 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 हम्म कहा जा रहे हैं एक बार हां वेरी गुड देखिए भाई ये रेस्ट पर है तो टी की वैल्यू एम आएगी और ये भी रेस्ट पर है तो स्प्रिंग फोर्स अगर आप एफ लेते हैं तो एफ की वैल्यू टू एम जी प्लस टी आएगी और टी की वैल्यू एम है तो स्प्रिंग फोर्स हो गया थ्री एम जी जब भी आपका सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हां बहुत सही वेरी गुड जब भी आपका स्ट्रिंग कट होगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा तो वही डायग्राम बनाइएगा ठीक है वही डायग्राम आप बनाइएगा बस धागा मत बनाइए अब मेरे को बताना टेंशन जीरो यहां पर आपका स्प्रिंग फोर्स है थ्री एम जी का अब मेरे को बताना ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा वेरी गुड कई बच्चे जवाब देते हुए सर तो रोप पर एनजी लगेगा तो वो नीचे नहीं आएगा ऑब्वियसली पूरा सिस्टम खिंचने के बाद रुका हुआ है तब की बात कर रहा हूं मैं अब जरा दोनों का देखना जैसे आप स्ट्रिंग को कट करेंगे बेटा ठीक है तो टेंशन इसमें से टेंशन उठा दीजिए अब देखिए क्या मिल रहा है यार ये इस पे एम जी लग रहा है तो ये तो नीचे ही जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम ए वन करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी ये जी से नीचे जा रहा होगा वेरी गुड इस ब्लॉक पे थ्री एम जी ऊपर लग रहा था एम जी टू एम जी नीचे है तो ये ए टू से ऊपर जाएगा बेटा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है तो इधर क्या लिखेंगे आप थ्री एम जी माइनस टू एम जी इज इक्वल टू टू एम ए टू फिर टू एम क्यों क्योंकि इसका मास्ट 2M था? तो अगर आप देखें तो ये g by से ऊपर जाने की कोशिश करेगा खड़ा और ये नीचे वेरी गुड तो ये जेई में आया हुआ सवाल है बहुत प्यारा सवाल है तो इसका एक का g बाय टू ऊपर होगा अपवर्ड होगा और एक का g डाउनवर्ड होगा हाँ सर नीट वाले पढ़े क्या यस पढ़ाई तो करिए लेकिन यहां नहीं ठीक है आप अपना नीट में पढ़िए आप लोगों का जब सीरीज स्टार्ट होगा ना बेटा तो आप उसमें पढ़िएगा अभी मत करिए आपके बैच ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसमें करिए है। क्लियर यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल मुंह पर आपके एडवांस का मारते हुए तो कही मुंह फूट जाएगा लेकिन दिक्कत मत समझिएगा मेरे अंटर पंटर किस किस को एडवांस का सवाल देख के घिन मचता है प्लीज दिल बना दीजिए हाँ अरे सात सौ बच्चे भाग गए <laughs> बहुत सही यही होता है जब आपको आपके लिए लड़वाया जाता है तो आपका तभी मन नहीं होता है जानते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रीड करें डायग्राम बनाएं और सोचिए हाँ जबरदस्ती का बड़ा कर देते हैं यार सही बता रहा हूं ले चलिए कोई नहीं अब है तो है क्या करें सोचना पिछले वाले सवाल के बारे में बात कर रहा हूं मैं बीच में खड़े होकर बोल रहा हूं सारे बच्चे अपना डायग्राम वाइग्राम देख के सवाल करने की कोशिश करें लप्पा मत मारिएगा बेटा नहीं तो पापा लप्पड़ मार देंगे बाद में ठीक <laughs> है हाँ मैं क्या बता रहा था कौन सा हाँ भाई देखो जब आप स्ट्रिंग को कट करते हैं तो उससे पहले का सीनेरियो बना लीजिए इक्विलिब्रियम रुका हुआ है स्प्रिंग खिंच गया होगा धागे के अंदर टेंशन होगा तो आप स्प्रिंग फोर्स और धागे का फोर्स निकाल लीजिए आ गया उसके बाद जस्ट एक और डायग्राम बनाइए टेंशन, टेंशन, तो टेंशन जीरो का आप डायग्राम बना लीजिए फिर देखिए अब क्या बचा नीचे वाले फोर्स पे एम लग रहा है तो ऑब्वियस बात है नीचे जाएगा एक्सलेशन जी है ऊपर वाले ब्लॉक पे थ्री एम ऊपर था टू एम जी नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर है तो ऊपर स्प्रिंग उसको खींच लेगी एक्सलरेशन वहां से आ जाएगा क्लियर है क्या आइए अब जरा देखा जाए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ मास ईच आर टू द एंड ऑफ ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग लेंथ मासू धागे से बांध रखे हैं ऐसे फ्रॉम सेंटर पी अंग्रेजी में खत्म इंसान सुन ले फ्रॉम सेंटर पी इन द फिगर नाउ द मिड पॉइंट ऑफ दिंग इज पुल्ड वर्टिकली अफर्ट विदेंट फोर्स एज The रिजल्ट द पार्टिकल मूव the ईच अदर ऑन is द जब ये दोनों पास आते रहेंगे जरा डायग्राम मैं बना रहा हूं थ्री डायमेंशनल है भाई और थ्री डायमेंशनल सोचते ही हमारे बच्चे ठुस हो जाते ये पहले कुछ पोजिशन पे थे अब तुमने धागे से इसको खींच के ऊपर ऐसे खींचना स्टार्ट किया है एफ तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इन दोनों के बीच में एक्स डिस्टेंस आएगा तो इन दोनों की एक्सलोशन कैसे होगी हुँ. सर अगर वो नीचे वाला मास ग्राउंड पर होता तो एक्सलोरेशन जीरो रहती है, बात है। वाला भाग जाता है जी बाई टू से हुँ. एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं आधे बच्चों के तो हाथ पांव फूल जाते देखना इधर पहले कितना था ए तो क्या आपको यह बात पता है ये वाला धागे का लेंथ ए होगा ये वाले धागे का लेंथ ए होगा हा सर प्लीज ब्रेक अभी देख के आए हैं जरा देखना एमजी नीचे होगा टेंशन किधर होगा टेंशन यहां टी और टेंशन यहां टी सिमिट्रिकल केस है तो यहां पर भी टेंशन टी टेंशन टी सारे बच्चे पहले बताइए क्या आपको ये बात समझ आई हाँ या ना। हाँ बेटा फेल होने वाले हो आप डेढ़ महीने बाद ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था ये इनको पढ़ ले भाई एटलीस्ट <laughs> यहां का पढ़ ले इस बात से ये श्योरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं आती है ठीक है ये पढ़ ले बस सर आपको कैसे पता दोनों साइड का टेंशन सेम होगा पहली बात सिमेट्रिकल केस है जितना ये एक्स है ये लेंथ ए है ये लेंथ ए है कई बच्चे कहेंगे सर ये आपको ए कैसे पता क्योंकि ये धागा पहले ए था जब तुम इसको ऊपर करोगे तो ये धागा ऐसे हो जाएगा लेकिन रहेगा तो ये भी ए है ना ये भी ए तो जरा यहां पर सारे बच्चे देखना ये दोनों इधर की डायरेक्शन में भाग रहे होंगे एक्सलेशन को मैं कह देता हूं ए डैश ए डैश पहले क्वेश्चन समझ आया आपको मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं ये दोनों इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं हां यस yes. सारे बच्चे पढ़ने वाले जितने भी हैं प्लीज एक बार मेरे को दिल बना के बता दीजिए कि अगर मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा ये दोनों भागते हुए आएंगे पास में तो ये डैश पूछा गया है वेरी हाँ। गुड इस ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे इसका एम नीचे है नॉर्मल रिएक्शन इधर है टेंशन टी इधर था ये एक्स है ये ए है ठीक है ये आपका एंगल थीटा था और यहां आपने फोर्स लगाया है एफ ये है आपका टी देखो भाई तमीज से करना इस सवाल को अच्छा सवाल है टी वेरी गुड लव यू बेटा थैंक यू सो मच क्या आपको यह बात समझ आ रही है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ टी कॉस थीटा टी साइन थीटा ही इसको एक्सलरेट करा रहा होगा हाँ या ना इतना बता दो क्या एम जी एक्सलरेट कराएगा नहीं वो नीचे लग रहा है क्या नॉर्मल एक्सलरेट कराएगा नहीं वो ऊपर लग रहा है सर टेंशन का कॉस थीटा ऊपर लग रहा है कौन एक्सलरेट कराएगा भैया टी साइन थीटा ही एम ए होगा इतनी बात आपको पकड़नी थी सारे बच्चे मेरे को बताइए यस और नो क्या मेरे को टी पता है ऑप्शन देखना हमें आंसर एफ एक्स में निकालना है तो मैंने कहा इस पॉइंट को जरा सारे बच्चे बताना ये एंगल मैंने थीटा और ये एंगल थीटा लिया है इसका मास तो जीरो है इस पॉइंट का मास जीरो है तो नेट फोर्स कितना होगा जीरो तो मैं कह सकता हूं टू टी थीटा एफ की वैल्यू टू टी थीटा के बराबर होगी सारे बच्चे क्या आप समझ पा रहे हैं आ, जितने बच्चे बकवास कर रहे बेटा आप पे ध्यान नहीं है जवाब वालों पर ध्यान है जब मैंने इसको खींचा बेटा तो दोनों टेंशन टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा नीचे आएंगे मास नहीं है ना बेटा तो नेट फोर जीरो एफ की वैल्यू टू टी कॉस थीटा के बराबर होगी और यहां पर अगर मैं टी की बात करूं तो एफ बाय टू कॉस थीटा होगा आंसर मुझे एफ ए एक्स में चाहिए तो पहले तो टी हटा देता हूं तो यह आ जाएगा एफ By टू कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पर एम भी रख लो ठीक है ये आया ए डैश अब सारे बच्चे देखो जवाब आपके हाथ में आते हुए एडवांस का एफ बाई टू एम टेन थीटा इक्वल टू ए डैश अब मेरे को बता दो टेन थीटा क्या होगा रिपीट करूंगा ध्यान से सुनना जब मैंने इसको बेटा ऊपर खींचना स्टार्ट किया तो ये दोनों पास भागना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x और x 2x है तब एक्सप्लोरेशन बताओ सारे बच्चे मुझे इस यहां पर थीटा बताओ मैं रिपीट कर रहा हूं सर दिमाग खराब हो रहा होना भी चाहिए बेटा आखिरी मोमेंट पर आपने इतना बड़ा टारगेट लिया है और मेहनत नहीं करना चाहते तो दिमाग खराब हो जाएगा यहां पर टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी लेके आने वाला फोर्स कौन सा होगा टी कॉस थीटा ऊपर है टी साइन थीटा ही ला रहा होगा टी कॉस थीटा और एन वजन को समझा संभालेंगे टी साइन थीटा होगा ए डैश हमें निकालना है गॉट इट मैंने कहा ऑप्शन में हमें टी नहीं है तो मैंने कहा एफ और टी के बीच में यही रिलेशन बन सकता है अगर आप रिजोल्व करेंगे टी कॉस थीटा नीचे आएगा टी कॉस थीटा नीचे आएगा ये पॉइंट का मास जीरो है तो एफ की वैल्यू टू टी साइन टू टी थीटा होगा P की वैल्यू आई मैंने यहां रख दी और ये आंसर आ गया टेन थीटा कितना होगा अगर आपने ट्राइंगल से देख लिया ना बेटा ये आपका एक्स है ये ए है पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस किया गया और अगर आपने बस इतना रख दिया होता तो आपका ये एडवांस का सवाल हो जाता बेटा f बाई

जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हो उतनी कंपेरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ती है अब आपको ये चीजें नहीं डरना है कि सर आप तो बहुत ज्यादा मेहनत मांग रहे हो चाहिए ना रैंक तो करनी पड़ेगी सीधी सी बात है बहुत सीधा सा रास्ता है ठीक है बहुत सीधा सा रास्ता है तो फ्री बॉडी डायग्राम दो बार तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं एडवांस एडवांस कर रहे थे ना वजन नीचे नॉर्मल ऊपर टी कॉस थीटा इधर होगा ले जाने वाला फोर्स होगा टी साइन थीटा उसको आप एम ए डैश से इक्वेट करेंगे उसको आप किससे इक्वेट करेंगे एम ए डैश से और जैसे आप एम ए डैश से इक्वेट करेंगे तो आपका एफ बाई टू एम टेन थीटा करके आएगा यहां पे ये वाले पॉइंट में एफ इक्वल टू टू टी कॉस्ट मास जीरो है टेंशन निकाला यहां रखा ट्राइंगल से वो कर लिया क्लियर है क्या यस और नो वेरी गुड वेरी गुड इसके बाद आपके ये सवाल होमवर्क वाले हैं येल्लो येल्लो डटी फैलो ठीक है हाँ तो नोट्स और पीडीएफ आपको कहा मिलेंगे पीडब्ल्यू के ऐप पर मिलेंगे थियोरी के पॉइंट्स लेकर कुछ बच्चे अचानक से जागते हैं निकालना हमको दो साल पहले पापा पैसा दो के ज्यादा मारेंगे लपड़ अभी धरती में गड़ जाओगे कल तक पौधे के जैसे उग जाओगे पापा फिर दो हो जाएंगे फल निकलेगा तो पापा कहे नहीं भैया हम फीस नहीं दे पाएंगे तो मंजिल में आए हैं मंजिल तक जाना है तो हम बता रहे हैं थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फार्मूला लिखना है क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है इतना हरकत भी मत बिगाड़िएगा कि पापा आपको टू टाइम्स में ना झेल पाए मतलब आप ही के जैसा एक अचानक से एक और स्वरूप दे दें घर में आप ही के जैसा पापा कहे भैया ये क्या कर दिए कहां से आ गया ये हा? ले जाइए प्लीज ले जाइए एक से परेशान है एक से परेशान है ठीक है तो कम से कम एटलीस्ट आपको बेटा लाइफ में ये जरूर करना चाहिए ठीक है आपको लाइफ में एटलीस्ट ये जरूर करना चाहिए कि आप इतना करें कि भगवान अगर कहें कि हम आपको वरदान दे रहे तो आपके पापा बोले हमारे पुत्र व पुत्री के जैसा ही एक और स्वरूप हमें दे दीजिए ऐसा नहीं पापा बोले एक और मिल गया यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है ना ऐसा ना ठीक है आइए कंस्ट्रेंट मोशन हाँ क्लियर आइए देखो तो नाम से बड़ा सिंपल है कंस्ट्रेंट मोशन मतलब बाधा वही बाधा जो आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन की तैयारी में है लेकिन है नहीं आप ही अपने लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है ठीक है हा लव यू बेटा देखो यार अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा ये चलेगा हाँ या ना पहले तो बहुत बेसिक सी चीज पूछ लेता हूं मैं हां इतना बता दो अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा ये चलेगा हाँ या ना ट मोशन कई लोग नाम से पहली बार सुन रहे होंगे बहुत आसान है चार पांच क्वेश्चन करोगे मस्त समझ आ जाएगा यस क्यों क्योंकि इन दोनों के बीच में एक है धागा और धागा का लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक को खींचोगे तो धागे दूसरे को खींच के लेके आएगा कॉन्स्टेंट मोशन अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियस बात है ये रुका नहीं रह सकता धागे का लेंथ आपका हमेशा कॉन्स्टेंट है तो यह चलेगा ही चलेगा तो जब भी एक बॉडी को चलाने पर दूसरी बॉडी पर कभी इंपैक्ट आ जाए ध्यान से सुनना मेरे बात को जब भी आप एक बॉडी को चला रहे हैं और दूसरी बॉडी पर कही कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ जाए क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशन फिक्स था चलना चाहिए था उसको हम कहते हैं कंस्टेंट मोशन ठीक है अब इसको करने के लिए दो चीजें बेसिक सोच और थोड़ी सी प्रैक्टिस देखिए सोच के लिए हम है प्रैक्टिस के लिए आपको बनना पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है जैसे आपका यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं इफ रॉड स्टार्ट स्लिपिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड फाइंड ऑफ बी अब इसमें ना क्या है कॉमन सेंस भी बहुत मैटर करता है एक रॉड है जो स्लिप कर रही थी तो रॉड स्लिप करेगी तो ये वाला बी वाला पॉइंट नीचे जाएगा ए वाला पॉइंट इधर जाएगा ये टेन मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये तिरपन डिग्री थर्टी सेवन डिग्री इसकी वेलोसिटी आपको पूछी गई है ठीक है करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसको आप डिफ्रेंसिएशन से करना चाहें कर सकते हैं इसको एक्स ले लीजिए इसको वाई ले लीजिए इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के डिफ्रेंशियट करके तरीका है लेकिन मेरे को एक बात बताइए अगर मैं एक रॉड को दो मीटर पर सेकंड से मूव से कर रहा हूं रिजिड रॉड को इस एंड का दो मीटर पर सेकंड स्पीड है तो इसका कितना होगा सारे बच्चे बताइए से नहीं बताऊंगा जरूरत नहीं है सारे बच्चे ध्यान से सुनिए मेरे को ये बताना अगर एक रॉड है जिसका लेंथ फिक्स है अगर ये टू मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसका हर एक कण कण टू मीटर पर सेकंड से चलेगा तो ये अगर टू मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये कितने से जा रहा होगा टू कंसेप्ट बहुत सिंपल है ये कह रहा है डिफ्रेंसिएशन है, तो क्यों जाऊं लंबे मेथड से जब सिंपल से हो रहा है ठीक है कंसेप्ट ये है कि बेटा कि आपकी जो ये रॉड होगी ना बेटा वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड सेम होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स अलोंग दी लेंथ ऑफ रॉड सेम होनी चाहिए सर ये आपने क्यों बोला क्योंकि रॉड का लेंथ कांस्टेंट है भाई अगर दोनों पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो रॉड का लेंथ चेंज हो जाएगा सीधी सी बात ठीक है जरा देखना तो ये वाला पॉइंट आपका कितनी स्पीड से जा रहा है यह जा रहा है टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है और ये है आपका 53 डिग्री ये है आपका 53 डिग्री क्लियर हाँ क्लियर तो इसका यहां पर कंपोनेंट लेना है ये वाला पॉइंट है आपका यहां पर वी और ये था आपका 37 डिग्री सीधी सी बात है यार देखो इस रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे रॉड के लेंथ के अलोंग करना बेटा यहां आ जाएगा टेन कॉस फिफ्टी थ्री सारे बच्चे दिल बनाना क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं अगर यार दोनों की विलोसिटी अलग अलग होगी तो स्ट्रेच कर जाएगा या कंप्रेस कर जाएगा वो हो ही नहीं सकता और इधर की आपकी विलॉसिटी होगी v cos 37 किस किस को ये कंस्ट्रेंट समझ आया ये बाधा समझ आई वेरी गुड कई सारे बच्चे टिके हुए बेटा कोशिश करना इसके बाद बस फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा फ्रिक्शन छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रिक्शन तक तो बिल्कुल बने रहिएगा ठीक है जितना दर्द आपको उतना दर्द मेरे को ठीक है लेकिन हम दोनों अगर एक दूसरे का दर्द समझ के पढ़ते चले जाएंगे आपके पेरेंट्स को दर्द नहीं होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं सीरियसली बता रहा हूं ठीक है आप देखो एक बच्चा कह रहा है डिफ्रेंसिएशन वाला मैं क्यों कह रहा हूं भाई देखो समय समय को समझिए समय से बलवान कोई नहीं है अगर मैं डिफ्रेंसिएशन से कर रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं समय हमारे पास जितना है ना उसको समझना पड़ेगा उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर आप समय को नहीं समझेंगे आखिरी में ये क्लास चल जाएगी इतनी लंबी आखिरी में आपको उतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा ठीक है तो समय की भी रिस्पेक्ट करनी है तो आप कहेंगे यार लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी थ्री मस्ट बी इक्वल टू वी कॉस थर्टी सेवन ठीक है तो कॉस फिफ्टी अब आप ट्राइंगल कई बच्चे नए जुड़े होंगे ठीक है बार बार हर बच्चे के लिए हमें करना पड़ रहा है ठीक है तो ये है 53 ये है 37 जो नए जुड़े हैं बेटा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है आईटी कई बार यूज करता है कॉस्ट 53 थ्री दैट इज थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू वी इंटू कॉस्ट थर्टी सेवन दट इज फोर बाय फाइव तो ये हमारे पास चला जाएगा तो v की वैल्यू आपके आ जाएगी 30 डिवाइड बाई फोर सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड क्लियर है क्या येस ऑर नो सर मैं डेढ़ घंटा पीछे हूं कोई दिक्कत नहीं आराम से करिए अपनी स्पीड के साथ करिए लेकिन करिए जरूर ठीक है वेरी गुड हम्म अगला सवाल जरा देखना ये सवाल थोड़ा सा मैं इसमें उन्होंने डेटा ज्यादा लिख दिया है ठीक है मैं वो हटा देता हूं क्वेश्चन जरा सुनना क्या है मैं अगर इस वाले ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड से खींचूंगा तो जब यहां 30 डिग्री इसकी स्पीड क्या होगी अब सोचना इसको मैं पावर वाले मेथड से भी बताऊंगा अगला स्टेप ठीक है लेकिन बेसिक से अगर मैं सोचू तो टफ नहीं है मैं अगर इसको खींचूंगा तो धागे का लेंथ कांस्टेंट है और धागे का लेंथ मेरे अगर कांस्टेंट है ना बेटा तो वो उसके दोनों एंड के लेंथ के लेंथ वेलोसिटी सेम होगी दिल बनाइएगा इस बात पर लव यू बेटा जो टिके हुए हैं सही बता रहा हूं टेंशन वाली ट्रिक आ रही है बेटा ये रहा ठीक है जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा ऑब्वियस सी बात है बताता चलूंगा इसको सारा समझना हाँ यार देखो धागे का लेंथ भी कभी चेंज नहीं होता ना अगर मैं इसको टेन मीटर पर सेकेंड से लेके जा रहा हूं तो ये धागा कुछ ऐसा है है ना कुछ बच्चे वेलोसिटी वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते परपेंडिकुलर टू ले, नो, अलोंग लेंथ, समझना, इस पॉइंट को आप दस से खींच रहे हो तो ये टेन मीटर पर सेकेंड से ऐसे ही जा रहा है ये इसके लेंथ के लॉन्ग है, 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 है और ये वाला जा रहा है तो आप क्या करेंगे इसको रिजोल्व करेंगे इस डायरेक्शन में क्योंकि इसका भी लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता तो इसको इसके अलॉन्ग लाना है बेटा हमेशा V2 टू कॉस थर्टी तो ये कितना आएगा V2 टू कॉस थर्टी इज इक्वल टू टेन आएगा बेटा कॉस थर्टी की वैल्यू आपके लिए कितनी होती है रूट थ्री बाय टू तो ट्वेंटी बाय रूट थ्री किस किस का यही आंसर आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड ये हुई ना बात तो आपको कभी अगर सिंगल धागा मिले या रॉड दिखे आपको कभी नहीं घबराना आपको क्या करना है वेलोसिटी कर अलोंग करने में आसानी देता है जैसे कौन से एग्जाम्पल एक्जाम, मैं आपको दिखा देता हूं कुछ बच्चे ऐसे सवाल को देख के डर जाते ऐसे सवाल को देख के या फिर हमारे पास ये मैंने होमवर्क में दिए आपको कुछ ऐसे सवाल को देख के बिल्कुल नहीं डरना है बिल्कुल नहीं जो कंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है सारे बच्चे मेरे को ये बताना, पावर देखो पावर वर्क पावर में पढ़ोगे लेकिन मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूं ठीक है अगर आप देखें पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम मेरे को पता है ये वर्क में आएगा जिनको नहीं पता है वर्क का फॉर्मूला या फिर ये ठीक है एफ डॉट एस हमारे पास डिवाइडेड बाई टी अगर फोर्सेंट है तो ये बन जाता है आपका पावर से देखना हमें बस इतना चाहिए और कुछ नहीं हमें बस इतना चाहिए बट पावर ठीक है जब आप वर्क पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे पर पर आता है ये, वहां पर ये आता है 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 ये ये ठीक तो आपको अभी उसमें नहीं जाना बस पावर ये है क्यों बात कर रहा हूं देखना हमारे पास जो भी इंटरनल फोर्सेस है ना बेटा इंटरनल फोर्सेस इनका जो वर्क डन होएगा दैट इज इक्वल टू जीरो सिस्टम को चला नहीं सकते आप अगर पिछले सारे क्वेश्चन में देखें इंटरनल फोर्सेस खटखट खटखट कटते जा रहे थे जब मैं system की बात कर रहा था। दिल बनाइए। बेटा एक्स एडिट प्लीज पढ़ाई कर लीजिए ठीक है सारे बच्चे मेरे को ये बताना जब हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे मैं कह रहा था इंटरनल है कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा ठीक है क्यों कट रहा था क्योंकि एक्शन रिएक्शन सिस्टम के अंदर है मैं अपने हाथ को पकड़ करके कभी भी नहीं चला सकता क्यों एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर लग रहा है लेकिन अगर आप मेरे हाथ पकड़ के खींचेंगे तो मैं मूव कर जाऊंगा तो हमारे लिए इंटरनल फोर्सेस का वर्गडन जीरो रहेगा और अगर वर्ग डन जीरो है तो पावर इंटरनल का आप क्या कर सकते हैं जीरो क्लियर पावर इंटरनल का आप क्या कर सकते हैं जीरो अब जरा देखना पावर लिखना सिखा देता हूं फिर हम लोग इंटरनल फोर्सेस को ढूंढेंगे उनका पावर जीरो करते जाएंगे क्वेश्चन होते चले जाएंगे देखो जब हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी, ये अगर आप पावर की बात करेंगे बेटा ये लिखना आ बेटा ठीक है, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा थीटा क्या है थीटा एंगल बिटवीन पी एंड एफ हमारे पास एफ एन वी सॉरी ठीक है एफ एन वी फोर्स और विलोसिटी के बीच का एंगल है ठीक है करना कुछ नहीं है देखो इसका अगर कोई बोले पावर लिखना है तो पावर होगा एफ वी कॉसो खत्म पावर क्या होगा फोर्स एफ वी कॉस वन एटी तो कॉस वन इज़ माइनस वन तो माइनस एफ वी होगा क्लियर इन दोनों के बीच का एंगल फोर्स और के बीच का एंगल थीटा है तो पावर होगा एफ वी कॉस थीटा और अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑप्टिज है तो एफ वी कॉस्थीटा ऑब्वियस बात है ऑप्टिवज एंगल पे कॉस्थिटा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा क्लियर क्लियर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक बार थम्सअप कर दीजिए क्योंकि कुछ बच्चे कॉन्स्टेंटली वही कर रहे हैं जो वो स्टार्टिंग से कर रहे थे क्लियर सीरियस बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए तब तक आप दिल बनाइए ठीक है मैं कह रहा हूं भाई इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम को नहीं चला सकते उनका वर्गडन ओवरऑल सिस्टम में जीरो रहेगा ओवरऑल सिस्टम में अगर वर्गडन जीरो है तो मैं पावर जीरो कर सकता हूं पावर होता है फोर्स डॉट ठीक है जहां जहां पर फोर्स विलोसिटी बनाएगा उसमें पावर निकालेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर देखना आपके लिए आसान हो जाएगा क्लियर लव यू बेटा लव यू जैसे ये ये वाला ये एच का सवाल है पहले इसी पर बात करते हैं ठीक है ये वाला अच्छा वो वाला ऑप्शन हम लोगों ने चलो मैंने हटा दिया था कोई नहीं यहीं पर बात करते हैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाता हूं ठीक है मान लीजिए आपका यहां पर ब्लॉक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए था उनको लेकिन चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा ठीक है आ जाओ यहां पर आपका है एक ब्लॉक यहां पर है आपका एक ब्लॉक मैं इसको यू स्पीड से खींच रहा हूं इसको भी यू स्पीड से खींच रहा हूं तो इसकी स्पीड क्या होगी तो आपको देख के पता लग रहा है अगर दो, इन दोनों को खींचोगे तो ये तो चलेगा ही चलेगा तो इन दोनों के खींचने पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना धागे से भी जा सकते हो पावर से भी जा सकते हो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा देखना यहां पर आपका टेंशन टी है तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए लेकिन चलिए कोई नहीं यहां पर आपका टेंशन भी टी आएगा एक ही धागा और सिमेट्रिकल है यहां आपका टेंशन टी है तो यहां आपका टेंशन टी होगा क्लियर आपको सर आपको कैसे पता टी और टी होगा आप टी वन और टी टू ले लीजिए अगर आप टी वन और टी टू लेंगे बेटा, यहां टी वन ले ले, और यहां टी टू ले ले, थीटा, थीटा, साइन थीटा यहां आएगा और टी टू थीटा यहां आएगा जब आप हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो टी वन और टी टू फिर से आ जाएगा ये तो कॉमन सेंस है सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर ही ले लेने चाहिए अदरवाइज स्टेप्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है ठीक है अब जरा देखना टेंशन यहां पर इंटरनल फोर्स है टेंशन यहां पर इंटरनल है एक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन इन दोनों में लगेगा इन दोनों में लगेगा इंटरनल है तो इनका zero, zero. तो इनका डन पावर सिग्मा पावर बाय इंटरनल इज जीरो एचसीवी का आपका सवाल है ऐसे कर सकते हैं आप एचसीवी में डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से गए हम बेसिक से चल रहे जरा देखना यहां पर पावर जरा लिखना फोर्स ऊपर वेलोसिटी नीचे माइनस टी या फिर टी यू कॉस वन एटी समझ के लिखना बेटा यहां की पावर क्या आएगी टी यू कॉस वन एटी इधर भी क्या आएगी प्लस टी यू कॉस वन एटी सारे बच्चे बताएं क्या आपकी इक्वेशन यहां पर मैच हो गई प्लस टू टी इधर कितना होगा टू टी कॉस थीटा ठीक है टू टी कॉस थीटा इंटू यू या वी कॉस जीरो इन दोनों के बीच का एंगल इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन मैच हो गई बाय कॉस थीटा हम्म वेरी गुड ये इक्वेशन किस किसकी मैच हो गई वेरी गुड लव यू बेटा लव यू लव यू लव यू तो ये आ जाएगा बेटा अब अगर आप देखें तो टी 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 उड़ा दीजिए माइनस यू माइनस यू प्लस ये आ जाएगा टू वी कॉस कॉस्थीटा इक्वल टू जीरो और अगर आप देखें टू यू इक्वल टू टू वी कॉस कॉस्थीटा आएगा बेटा तो आपका टू से टू गया वी इज इक्वल टू यू बाय कॉस कॉस्थीटा अगर आपने एच सी वी का वो सवाल लगाया है यही आंसर आता है सर सिग्मा जीरो कैसे किया बेटा देखो एक जगह पावर पॉजिटिव हो एक फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा दूसरा नेगेटिव करेगा टोटल वर्क जीरो होगा तो मैंने यह बात क्यों बोली इंटरनल फोर्सेस कई जगह पर वर्क डन करेंगे लेकिन नेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैं बात सिस्टम की बात करूं तो वो जीरो हो जाएगा पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पर पावर क्या होगा फोर्स विलोसिटी कॉस वन एटी फोर्स विलोसिटी कॉस वन एटी टू टी कॉसिटा इंटू वी कॉस जीरो क्लियर लव यू कोई बच्चा कहे कि सर और क्या मेथड है वैसे डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हैं जरा इस धागे को देखना ठीक है ये वाला एंड आप खींच रहे हो u से और ये वाला एंड आपका जा रहा है v से ये एंगल था थीटा तो मैंने कहा था धागे के लेंथ के अलोंग तो वेलोसिटी सेम रहती है v कॉस थीटा किसके बराबर कर सकते हो u के v cos theta is equal to u v is equal to u by cos theta लो भाई इस तरीके से भी आ गया hmm. देखिए मैंने क्या बोला इस धागे को जरा कंसीडर करना ये वाला एंड आपका u से जा रहा है ये वाला एंड आपका v से जा रहा है अगर मैं इसको v cos theta कर लूं तो धागे के लेंथ के along वेलोसिटी सेम होती है तो आप कहते हैं सर u की वैल्यू v cos theta होनी चाहिए तो v की वैल्यू u by cos theta यहां से भी आ गई यस yes, मैच हो गया तो आप इससे जाएं या इससे जाएं धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर आएगा सर 180 कैसे आए भाई एंगल देखना यार तेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना नहीं आया क्या अभी तक दोनों के बीच का एंगल जीरो, है तो जीरो लिख रहा हूं दोनों का एंगल अपोजिट है तो कॉस वन एट्टी लिख रहा हूं एंगल थीटा है तो कॉस थीटा लिख रहा हूं एंगल ऑप्टि थीटा है तो थीटा लिख रहा हूं तेरे को यहां पर यहां पर फोर्स इधर वेलोसिटी नीचे मैं इसको नीचे खींच रहा हूं इन दोनों के बीच का एंगल 180 सौ नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच का एंगल 180 नहीं दिख रहा है कैसी बात करता है यार हा अगला क्वेश्चन जरा सारे बच्चे देखना मैं यहां पर ये है हमारे लिए ठीक है जरा इसमें इन दोनों की विलोसिटीज आपको ठीक है ऐसा क्वेश्चन है मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला एंगल 60 डिग्री है ठीक है ये वाला एंगल 60 डिग्री है

दोनों इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनके बीच में धागा है। अगर आप धागा काट दो इसको ले जाओगे तो ये चलेगा ही नहीं इतनी बात समझ आई हाँ या ना हम्म सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहे हो क्या बेटा जग गए आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ जग गए हो चलो कम से कम क्लास तो आए बताइए बताइए एक बच्चा कह रहे विजल टू माइनस यू अरे हाँ जरा ये देखना मैं अगर इस धागे की बात करूं आप ये भी तो कह सकते थे कि आप इसको इधर लेके गए हो U और ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री तो धागे के लेंथ के लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल 30 हुआ तो अगर आप इसको रिजोल्व करते बेटा तो यह आ जाएगा U कॉस 30 ऐसे और यहां पर आपका है यहां पर है आपका V और ये एंगल था 60 डिग्री तो इसका धागे का लॉन्ग करते बेटा v cos 60 आता दोनों को इक्वेट कर दो तो v cos 60 इज इक्वल टू u cos 30 आपको मिलता v root √3 v cos 60 1/2 v/2 इज इक्वल टू u √3/2 किस-किस का यही आया पावर मेथड से जरा दिल बनाओ हम्म रूट थ्री वीक्वल टू रूट थ्री आ रहा है यू बाई रूट थ्री कहां से आ रहा है हा हा यश किस किसका पावर मेथड से आ रहा है जिनको पावर मेथड की दिक्कत है ना आ जाओ मैं आराम आराम से एक बार कर देता हूं ठीक है आराम आराम से बिल्कुल देखो कौन इंटरनल है टेंशन इंटरनल है तो वर्क डन बाय पावर ऑफ टेंशन टेंशन फोर्स का पावर आप हर बॉडीज पर टोटल करके जीरो कर दो सिस्टम में और पावर क्या होता है एफ वी कॉस थीटा तो टेंशन ये वेलोसिटी ये तो इसमें पावर अगर आप लिखते हैं तो टी वी कॉस सिक्सटी आएगा बेटा और यहां टेंशन ये वेलोसिटी ये इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री है ना तो एंगल इन दोनों का लोगे ना या फिर थर्टी दे रखा वही ले लोगे पागल प्लस टी यू कॉस वन फिफ्टी इक्वल टू जीरो आप टी और टी हटाइए वी कॉस सिक्सटी तो ये आ जाएगा बेटा कॉस सिक्सटी वन बाई टू प्लस यू कॉस वन फिफ्टी नाइनटी प्लस सिक्सटी आप लिख सकते हैं तो साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो माइनस हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा कॉस्ट सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव होगा माइनस ये v की वैल्यू यू रूट थ्री आ गई आ गया भाई सेम आ रहा है सेम आ रहा है यस हा वेरी गुड वेरी गुड सर टेंशन का कैसे भैया टेंशन ही तो इंटरनल है ना वजन एक एक्शन बनाओगे रिएक्शन धरती पर लग रहा है उसको नहीं ले रहे वो इंटरनल नहीं है सिर्फ टेंशन ही इंटरनल है यार हाँ। पावर मेथड कहां इंटरनल कहा वैलिड होगा जहां जहां पर आपके इंटरनल फोर्सेस है वहां वहां पर अगर आप उनका नेट पावर जीरो करके आंसर निकाल पाए तो बेनिफिट होगा अगला क्वेश्चन एस का सवाल है ठीक है थीके? रिंग कैन मूव अलॉन्ग दी रॉड ये रिंग है ये रॉड के अलॉन्ग मूव कर सकती है ठीक है विद विद्वेंटी मीटर पर सेकेंड बीस मीटर पर सेकेंड से फाइंड वेलॉसिटी ऑफ द रिंग अच्छा ये ट्वेंटी से जा रहा है क्वेश्चन जरा समझना ये जो आपकी रिंग है ये कैसे पुली पर लगा के ये ब्लॉक आपका कैसे जा रहा है ये जा रहा है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से इस रिंग की ये विलोसिटी आपको बतानी है जब यहां पर एंगल आपका थर्टी डिग्री है क्वेश्चन समझ आया रिंग इस पर ही मूव कर सकती है जैसे आप छोड़ोगे तो रिंग ऐसे भागेगी ये नीचे जाएगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे ठीक है तो अभी हमारे पास ये इस तरीके से जा रही है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है इसकी वेलोसिटी निकालनी है रोहित जेठवा बेटा अगर तुम आईटी कानपुर या जो भी लिख रहे हो तुम वहां हो क्योंकि तुम मेरे से पढ़े हो ऐसा हो नहीं सकता ठीक है इसलिए नहीं कि हमारी वजह से बच्चे नहीं पहुंचते इसलिए क्योंकि वहां पर बच्चा जाने के बाद यहां नहीं आता तो बकवास कम करो जो काम कर रहे हो पहुंचने के लिए वो कर लो पहले ठीक है अब आप पावर से जाना चाहे पावर से जा सकते हैं या फिर आप इस धागे को समझिए वी आर कॉस 30 की अगर आप बात करेंगे वो इधर होगा ठीक है इस धागे की बात करें और ये वाली जो आपकी वेलोसिटी है वो ट्वेंटी होगी ठीक है तो धागे के अलॉन्ग बेटा इक्वेट कर दो तो वी आर 30 थर्टी की वैल्यू आपकी कितनी होगी ट्वेंटी तो आपका रूट थ्री बाय टू है तो फोर्टी बाय रूट थ्री किस किस का यही आंसर आया दिल बना दो भाई हा वेरी गुड ये हुई ना बात सर इसको पावर से कर सकते हैं कर सकते हैं आ जाओ देखो यार कई बार कुछ मेथड्स आपको जवाब देते हैं कई बार कॉम्प्लिकेट करते हैं तो आपको मेथड्स सारे पता होने चाहिए पावर मेथड जरा देखना ये आपकी रिंग है ये आपका ब्लॉक है टेंशन कहां कहां लग रहा है ट्वेंटी से और ये जा रहा है वी से एट एन एंगल थर्टी डिग्री टेंशन इंटरनल है हा टेंशन इंटरनल है तो जरा सिग्मा पावर ड्यू टू इंटरनल हैश टू बी इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो जरा देखना यहां पावर क्या लिखते फोर्स वेलोसिटी 180 डिग्री टी 20 कॉस 180 प्लस यहां पे टी वेलोसिटी कॉस 30 इक्वल टू जीरो पर टी और टी चला गया बेटा माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू या फिर आप ऐसे लिख लीजिए ट्वेंटी इज इक्वल टू वी आर कॉस थर्टी आर की वैल्यू फोर्टी बाय रूट थ्री वही आ रही है दिल बनाइए पहले सर hmm. एंगल वेरी करेगा बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन उस समय पर जब ये तीस डिग्री पर है तब आपसे पूछा गया तो उस कंडीशन के लिए ही सॉल्व कर रहा हूं मैं क्लियर ऑल मैच किस किस के सारे मैच हो गए जरा दिल बनाइए hmm. हा भाई न ही मैं पिचत्तर परसेंट पे बोलने वाला हूं ना ही मैं बोर्ड्स के लिए बोलने वाला हूं ना ही मैं ग्यारहवीं के लिए बोलने वाला हूं ना ही मैं एडवांस के लिए बोलने वाला हूं मैं सीधे सीधे सीधाई में जो आपका जनवरी में होने वाला है उसके लिए बोलने वाला हूं और वो भी बोल ही रहा हूं समझदार को इशारा काफी है क्लियर hmm. काफी सारे बच्चे टिके हुए हैं वेरी गुड अब जरा इन सवालों को भी देख लीजिए तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जैसे ये सवाल इन्होंने क्या कहा है अब इसमें आप धागे को पकड़ के नहीं कर पाएंगे क्योंकि धागा

आपको यही चीजें पढ़ाई गई हैं लेकिन आराम आराम से पढ़ाई आप अचानक एक साथ इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं डाल सकती पढ़ चुके हैं इसलिए इनकी स्पीड मैच हो रही है मेरे से ठीक है तो जितने भी ग्यारहवीं के बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही होगी उसका रीजन यह है बेटा आप पढ़ाई को हलवा समझते हैं समय के साथ आपको ना जब चीजें ग्यारहवीं बताई जाती है तो यही चीज यही लेक्चर ना बारह लेक्चर में जाता है अभी चार घंटे साढ़े चार घंटे में हम यहां तक आ चुके हैं ठीक है बारह लेक्चर क्यों दी क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ये दो साल से सोच रहे हैं भाई इसके बारे में देखिए अब मैं लेंथ कंस्टेंट करके नहीं कर पाऊंगा कि यार लेंथ कॉन्स्टेंट है तो मैंने क्या करा इस ब्लॉक की बात करी देखो चलेगा इसलिए क्योंकि टेंशन है तो एक धागे का टेंशन टी ये रहा यहां पर आपका टी यहां 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 आपका टी और यहां इस ब्लॉक पे भी टी जरा देखना इस वाले की बात करें इस वाले की बी वाले की अगर आप बात करोगे बेटा तो एक टी तो यहां आ जाएगा और इस पुली पर टूटी इधर टूटी इधर तो इस पर टूटी और आएगा सारे बच्चे जरा दिल बनाना कि आप इस बात को समझ पाए और ये वाला जो ब्लॉक है टूटी इधर है तो टूटी इधर टूटी इधर इस पर आ रहा होगा टूटी और एक और पुली की वजह से इधर आ रहा होगा पहले ये बताइए क्या ये क्लियर है yes. Love you, बेटा जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं यही मेरे को मैंने आपको कई बार बताया मैं पांच छह घंटे से ज्यादा लगातार नहीं पढ़ा पाता हूं लेकिन अगर आप लोग टिके रहेंगे तो मैं भी टिका रहूंगा इसका प्रॉमिस है ठीक है तीन चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं बड़े बड़े चैप्टर हैं अगर आप जाके देखेंगे तो बाइस लेक्चर के आसपास लगते हैं पूरे को खत्म कराने में ठीक है तो इट टेक्स टाइम एंड इट्स टेक पेशेंस एज वेल तो अगर आप शो कर रहे हैं तो मेरे को भी वही शो करना है ठीक है लव यू बेटा हाँ ये बात समझ आई राइट सर आपने कैसे कर देखो ये धागा तो सेम ही है ना बेटा तो मैं एक धागे में एक टेंशन दे लेता हूं टी तो यहां टी तो यहां टी 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 ये टी तो इस पुली को जरा आप पकड़िए तो यहां आपका टी है यहां आपका टी है तो यहां टू टी होगा और यही आपका इस ब्लॉक पर टूटी लग रहा होगा ना बेटा वही मैंने वहां बनाया गुड yes. yes. अब जरा देखो ये इंटरनल फोर्स था ना बेटा इसको आप टेन मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हो इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है तो मैंने कहा हो गया सवाल कैसे करोगे जरा देखना इसकी वेलोसिटी इधर फोर्स इधर है तो नेट पावर बाय इंटरनल हैज टू तो बी इक्वल टू जीरो तो आप यहां पे कहते हैं फोर्टी इधर लग रहा है बेटा खुद से रिवाइज करते ना यही सारी चीजें मैं लिटरली बता रहा हूं सभी ने ये चीजें पढ़ी है खुद से रिवाइज करते ना जो हम लोग अभी आधे या एक घंटे में कर रहे हैं आपको लगते पांच छह घंटे फोर्स इधर विलोसिटी इधर सीरियसली करते रहना बेटा मैग्नि फोर्स विलोसिटी इन दोनों के बीच का एंगल देखना ये इधर ये इधर कॉस वन एटी है बेटा प्लस फोर्स इधर ऑब्वियस सी बात है विलोसिटी आप इधर लेके चल रहे हैं थ्री टी इंटू वी कॉस जीरो दोनों के बीच का एंगल कितना है जीरो टू जीरो बेटा ठीक है तो ये आ जाएगा फोर्टी इज इक्वल टू थ्री वी हमारे पास V की वैल्यू किस किसकी फोर्टी बाई थ्री आ रही है दिल बनाइए जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी आपको मेहनत करनी है जे मेन्स टू से पहले पहले इस सारे कंटेंट को एक दो बार करेंगे होमवर्क क्वेश्चन करेंगे लड़ेंगे तभी जाके आप अपने कंपटीटर के बराबर खड़े होंगे अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है ठीक है यार गर्म पानी भिजवा देना क्लियर अच्छा अब जरा एक और कंस्ट्रेंट होता है वेज कंस्ट्रेंट ठीक है भाई देखो सीधी सी बात है या तो अभी पढ़ लो ये सभी ने बोला होगा अभी पढ़ लो बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा या बाद में परेशानी नहीं होगी मैं आपको कह रहा हूं जो आपको बारहवीं और ग्यारहवीं में टाइम दिया गया था ना वो कहीं ना कहीं मिस हो चुका है उसको समझिए और जब पढ़ाया जा रहा है ना पूरे दिल से उस समय अपनी कंसनट्रेशन से पढ़ लीजिए आपको शायद नहीं पता जब आप एग्जाम में बैठेंगे या एग्जाम से एक दिन पहले और उसके बाद के जो दिन होते हैं ना जितना बकवास करवाना है आपसे आप कर सकते हो जितना बोलना है आप बोल सकते हो लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रेस होगा ना दुनिया में कोई नहीं देख पाएगा एक्सेप्ट यू और वो जो पेन है ना आप चाहे कितना किससे कर, शेयर कर लो एग्जैक्टली exactly जो फील होगा वो कोई शेयर नहीं कर सकता आपसे वो अकेले झेलना है और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना दुनिया खुश होगी लेकिन जो आपकी खुशी होगी ना वो अलग होगी तो जब कोई चीज का टारगेट लिया जाता है ना तो बीच बीच में बार बार इधर उधर इधर उधर जो करते हैं ना दिस इज ऑफ इमेरिटी दिस इज ऑफ इमेच्योरिटी मैं आपको बार बार ये चीजें भी सिखाता रहूंगा लाइफ में कि आप अगर किसी एक गोल के पीछे दौड़ते हैं ना तो मेच्योर हो दौड़िए एटलीस्ट या तो मत दौड़िए भी आ, की, decisive की मैंने डिसाइड करा मेरे को करना ही नहीं है जाओ सारे लोग दौड़ो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार कदम रख दिया ना फिर एक्सक्यूज मत बना अरे हमारा मन नहीं था हमने तो बस स्टार्ट कर दी कर दी ना अब दौड़ ये है दुनिया दिस इज क्रूअल आई नो एंड यू हैव टू रन ठीक है तो ये बीच बीच में जो आप लोगों की नौटंकी चल रही है ना को पता है कुछ आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं ऐसे बच्चे बहुत हैं तो ये बीच बीच में को बताना पड़ेगा कि आप लोगों के उस बिहेवियर से ही आपका फेलियर लिखा जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आखिरी के एक डेढ़ महीना जितना मेहनत आपने कभी नहीं की है ना कर लीजिए नुकसान कुछ नहीं होगा वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है देखो, अभी तक हम लोग धागे की बात कर रहे थे ठीक है सर गुस्से में है। ना ना ना, ठीक है? वीवल टू यू टेन थीटा कुछ आता है वेरी गुड आते हैं देखिए भाई रिजिड बॉडीज रिजिड बॉडीज जो भी होती है ना रिजिड क्यों बोला जाता है, उनका जो शेप है या साइज है वो चेंज नहीं हो सकता ठीक है तो जब पहली बात इसको समझिए ये स्मूथ है जब ये बॉडी नीचे मूव करेगी ना तो ये वाली बॉडी किधर भागेगी ये वाली बॉडी इधर भागेगी क्या आपको ये बात समझ आ रही है पहले तो यह चीज समझना क्या है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो ये इसको धक्का देगी ठीक है इस इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये नीचे ना जाके इस बॉडी को इधर मूव कराएगी ये थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा ये ऐसे हमारे पास इधर खिसक जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हाँ ना ओहो लेग आते हुए भाई लेग आया है भाई लेग आ रहा है बेटा आपको भी लेग आया था क्या वीडियो बफर मार रही थी मेरे सामने हाँ जरा ये देखना बेटा तो ये नीचे मूव करेगा ये इधर मूव करेगा तो दोनों की रिलेशन आपको रखनी है तो कंसेप्ट में आपको बता देता हूं अलोंग दलोंग नॉर्मल आपके सेम होने चाहिए जरा सुनना क्यों और कैसे क्योंकि जो आप बॉडीज की बात कर रहे हो दीज आर रिजिड बॉडीज ठीक है जरा ध्यान से सुनना बेटा मैं अगर इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊ ना कुछ ऐसे होगा ऑल दो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये एक वेज है और एक आपका वेज ये है समझना बेटा इन दोनों के बीच में अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल वर्ड है पुश फोर्स ठीक है ये वाली जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ऐसे होगी सीखिए बेटा ये ये आपका मान लीजिए इसको हम क्या कहते हैं यू कह रहे है आ, डाँड़ डाँड़ हैं क्वेश्चन में वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द सरफेस फाइंड द रिलेशन बिटवीन ठीक है मैं मान लेता हूं इसको यू ठीक है इसको हम लोग मान लेते हैं यू और ये वाली बॉडी इधर जा रही है क्या आपको ये बात समझ आई क्या आपको ये बात समझ आई बेटा कई बच्चे बहुत सही से जवाब दे रहे हैं ध्यान सुनना क्या आप मेरे को बता रहे हो ये दोनों पॉइंट तो कॉन्टेक्ट में है ना और रिजिड बॉडीज बॉडी अगर इन दोनों की इस डायरेक्शन के अलॉन्टी अलग अलग हो गई तो देखो भाई जब आपकी कोई गाड़ी आ, आपने कोलिजन पड़ा होगा मैक्सिमम कोलिजन के समय जब मैक्सिमम uh, कंप्रेशन होता है दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही होती है तब तो और कंप्रेशन नहीं हो सकता है ना हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडीज की और जब रिजिड बॉडीज की बात है तो इस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग अगर मैं बात करूं ठीक है इस नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग अगर मैं यहां पर बात करूं जो ये वाला वेलोसिटी होगा जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपका थीटा होगा तो यू कॉस थीटा ये ये वाला पॉइंट इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे साइड में अगर आप देखें ये वाला एंगल आपका थीटा है दिस इज 90 माइनस थीटा तो ये वाली जो वेलोसिटी आएगी रिपीट करूंगा ध्यान से सुनना कोशिश करना ये वाली जो आपकी वेलोसिटी होगी v कॉस ऑफ 90 माइनस समझना मैंने क्या बोला यार देखो दो बॉडी रिजिड बॉडी है कॉन्टेक्ट में है अगर ये चलेंगी ना तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए जो नॉर्मल के अलॉन्ग आपको क्या करना एक नॉर्मल बनाना है ये नीचे आ रही थी बॉडी ये नीचे आ रही थी तो इसका जो कॉम्पोनेंट नॉर्मल के केलॉन्ग होगा थीटा इसका भी कॉम्पोनेंट वही नॉर्मल के कैलॉन्ग होगा अगर नहीं हुआ तो ये दोनों एक दूसरे में मर्ज करना स्टार्ट करेंगी या फिर दूर हो जाएंगी सारे बच्चे थम्जअप करिए हाँ या ना अगर नॉर्मल के कैलॉन्ग वेलोसिटी नहीं इक्वल हुई तो ये दोनों दूर हो जाएंगे हाँ या ना और अगर सर वेलोसिटी इक्वल नहीं हुई तो ये हो सकता है कंप्रेस कर जाए और पिचक जाए और मर्ज कर जाए ये ऐसा नहीं हो सकता रिजिड बॉडीज हैं ये तो आपके लिए कंडीशन क्या बनी बेटा आपके लिए कंडीशन बनी u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी v sin थीटा के बराबर तो u इज इक्वल टू वी टेन थीटा आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा सर मर्ज क्यों होगा देख भाई तू कार लेके खड़ा है दूसरे कार तेरी कार की वेलोसिटी जीरो है दूसरे कार की वेलोसिटी टेन है तो जब ये तू जीरो पर है ये टेन से जब ये मर्ज करेगा मतलब तेरे से टकराएगा तो ये तेरे साथ कोलाइड होता रहेगा तो, तो अंदर घुस जाएगा ना भाई बॉडी

फाइंड विलॉसिटीज अलोंग नॉर्मल फाइंड विलॉसिटीज अलोंग नॉर्मल आप नॉर्मल के अलोंग विलोसिटीज निकालिए एंड देन इक्वेट एंड देन इक्वेट ये आपका वेज कंस्ट्रेंट सॉल्व कराता है क्लियर क्लियर यस आइए जरा इस सवाल को देखना जरा सारे बच्चे इस सवाल को देखना मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर या फेयर मान लीजिए सिलेंडर है एक सिलेंडर है और तीसरा सिलेंडर यह है जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये दोनों इधर भागेंगे हा या ना? हा या ना? बोलिए 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 अगर ये दो सिलेंडर है एक ऊपर अगर मैं इसको नीचे प्रेस करूंगा तो ये दोनों इधर भागेंगे हा ना टिके रहना बेटा टिके रहना मेरे को पता आपके लिए बहुत सारे काम होंगे ठीक है आखिरी मौका मत जाने दीजिए मैं बस यही बोलूंगा यस अब इन्होंने क्या कहा रिलेशन बिटवीन देशन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है ना दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है तो आप कैसे करते हैं सवाल को तीनों आइडेंटिकल सिलेंडर है तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है इसकी एसलरेशन आपकी है ए टू देखना कौन कौन कर पाता है इसकी एसलरेशन है ए वन अगर आपने हल्का सा मेहनत किया होता और कंसेप्ट जान लिया होता ठीक है कई बच्चों का जवाब आते हुए क्या आपको समझ आ रहा है आइडेंटिकल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे रेडियस रेडियस आर 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 साठ डिग्री साठ डिग्री एंड साठ डिग्री अगर आपको इतना पता लग गया होता तो क्वेश्चन हो गया देखना ये वाला जो आपका एंगल है दिस इज सिक्सटी डिग्री और ये वाला एंगल है सिक्सटी डिग्री ये वाला आपका जो एंगल होता यह सिक्सटी होता यह एंगल है थर्टी डिग्री नॉर्मल के वेलोसिटीज इक्वल होती हैं और नॉर्मल के कैलॉन्ग एसलरेशन उनका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो एक्सलरेशन भी इक्वल हो जाएंगे तो अगर आप यहां इक्वेट करते तो यह आएगा बेटा ए टू कॉस सिक्सटी नॉर्मल कैलॉन्ग और यह आपका आ जाएगा बेटा ए वन कॉस थर्टी नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों की इक्वल इक्वल कर दो आ गया दैट टू टू बी राइट तो वन कॉस्ट थर्टी कितना रूट थ्री बाय टू ठीक है इज इक्वल टू ए टू कॉस सिक्सटी वन बाय टू तो किस किसका यही आ रहा है वन रूट थ्री इक्वल टू ए टू अरे वाह 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 मेरे अंटर पंटर बहुत सही यार बहुत सही यस थैंक यू लक्ष्यंस वेरी गुड ये सर आपने वेलोसिटी के बारे में बोला था एक्सलरेशन के बारे में क्यों अगर आपका वेलोसिटी का रिलेशन आ गया डिफ्रेंशिएट अगर मैं कर देता तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी इन टेन थीटा होता ठीक है थीटा आपको कांस्टेंट है तो ये एक्सलरेशन एक्लेशन एक्लरेशन का रिलेशन आ गया तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है ठीक है इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं वेरी गुड तो इसी के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ठीक है थीके? अगर आप देखेंगे तो ये आपके क्या है क्वेश्चन है ठीक है आसान है प्लीज आप इसको जरूर ट्राई करिएगा इसमें तो कई सारे आपको पीवाई क्यूज भी मिल जाएंगे ठीक है ये है फिर वही नोट्स और फ्रिक्शन अब आ गए हम लोग अपने अब अप छोटे पार्ट पर ठीक है यस हाँ आइए फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट टू ब्लॉक सिस्टम से पहले पहले हम लोग खत्म करके जाते हैं फिर टू ब्लॉक आके हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे वो भी एक छोटा सा पार्ट है कंसेप्ट अगर आप सीजेंगे तो आसान है फिर सर्कुलर मोशन में चले जाएंगे लास्ट पार्ट ठीक है यस बहुत सही अब जरा ध्यान से सुनना ठीक है आइए फ्रिक्शन क्या है हमारे पास दिस इज ऑल्सो कॉन्टेक्ट फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के ये तो फोर्स लगता ही नहीं है दिस इज अ अंटेक्ट फोर्स विच अपोजिस ठीक है विच अपोजेस हमारे पास रिलेटिव स्लिपिंग ठीक है रिलेटिव स्लिपिंग एंड टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ठीक है एक ऐसा फोर्स ऑफ कॉन्टे अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा सीधी सी बात और एक ऐसा फोर्स जैसे मान लीजिए कि मैच चलने की अच्छा एक बात बताओ अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन क्या मेरे लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन यहां पर कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है जरा बताना अगर मैं यहां पर ऐसे आगे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड सोच के बताइए जरा हम्म एक ऐसा फोर्स जो टेंडेंसी ऑफ मोशन या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को भी रोकने की कोशिश करता है और रिलेटिव स्लिपिंग को भी रोकने की कोशिश करता है अरे कहा से आए हो बच्चा लोग हम्म आई वॉज एक्सपेक्टिंग बैकवर्ड बोलेंगे बच्चे लेकिन फॉरवर्ड बोल रहे हैं बहुत अच्छा वेरी गुड अब कई बच्चे कहते हैं सर फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन को अपोज करता है नोवी क्लास के बाद सीधे ड्रॉपर बना बच्चा बोला है ना अरे ऐसा नहीं है भाई मोशन को अपोज नहीं करता है वो दो सरफेसिस पे पहली तो बात आप बॉडीज को देखना छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आपको दिक्कत होने वाली है दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ठीक है जब मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा पांव जमीन पर पीछे जाने की कोशिश कर रहा है है ना तो फ्रिक्शन क्या करेगा उसको अपोज करके आगे लगेगा खुद सोच यार न्यूटन ने बोला था कि, कि किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो सकता मेरा खुद का वजन एम इधर है नॉर्मल इधर है और मैं चल इधर रहा हूं ठीक है तो कौन लेके जा रहा है मेरे को आगे कौन लेके जा रहा है फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा सर तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है क्यों लग रहा है सर वो तो मोशन को अपोज करता था आप कह रहे हो फ्रिक्शन आगे लग रहा है अरे भाई मेरा जूता पीछे जाने की कोशिश कर रहा है स्लिपिंग हुई नहीं है स्लिपिंग नहीं हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यूज हुआ है और स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है क्लियर तो बिना अगर मेरे पास यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता बेटा मैं कभी चल नहीं पाता तो फ्रिक्शन के वजह से ही मैं चल पा रहा हूं तो मोशन के बारे में आपको बात नहीं करनी की सर मोशन को अपोज करता नो इट अपोज इज मोशन अगर चलने की कोशिश कर रहे हो तो भी उसको अपोज करेगा और अगर चल चुके हो रिलेटिव स्लिपिंग दो सर्फेसिस के बीच में हो चुका है उसको अपोज करेगा अब फ्रिक्शन दो प्रकार के आपके पास होते थे याद करिए एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ना एक होता है बेटा स्टैटिक और एक होता है आपका काइनेटिक कई बच्चे अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला फ्र, क्या होता था बताइए 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 थोड़ा सा गलत कर दीजिए थोड़ा सा देखा जाए कितना तो मैंने कहा था रिवाइज करके आना 200 बच्चे भागते हुए वेरी गुड तो खाना खाने जाएंगे वापस नहीं आ पाओगे मुझे पता है 500 600 हर बार जाएंगे पीछे सब गलत सब गलत याद करिए बेटा रिवाइज करके आए हो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं की आपकी सेल्फ होती है। ये जो आप आखिरी बार गलती कर रहे हैं इसके बाद एग्जाम में करेंगे और मैं चाहता हूं कि एग्जाम में ना करें ध्यान से सुनिएगा अरे सर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन यूएन यूएन लिख रहे हो अरे भाई ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है ठीक है ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो यही गलती करते आए हो और अभी भी कर रहे हो वो होता है म्यूएस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हाँ और ये गलतियां ही आपको बिगाड़ती थी। ठीक है एफ एस मैक्स आपको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा एस की वैल्यू जीरो से और म्यूएस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बीच में होती है वो आपको चेक करना पड़ता है वी वी ऑलवेज हैव हैव टू टू चेक 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 बिना किया बता ही नहीं सकते कि भैया फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है हा इसीलिए मैं कह रहा हूं फोकस के साथ सुनना यही चीज अगर आप एग्जाम खुद से कर रहे होते तो इस शायद दो फोकस दोबारा नहीं जाता गलती होती एग्जाम में फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दैट इज कॉल्ड अपना म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन अभी एग्जाम्पल भी लूंगा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये आपका कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लगता है व्हेन देयर इज टेंडेंसी व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग स्लिपिंग हुई नहीं है टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तब लगता है जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे चलने में मेरा जूता पीछे जाने की कोशिश करेगा बेटा और जब वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा आगे तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है और स्लिपिंग होने के लिए जब टेंडेंसी होती है उसको रोकता है वेरी गुड वेरी गुड हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन नाम से पता लग रहा है व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन दी सर्फेसेस रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन सर्फेसेस उसको आप कहते हैं काइनेटिक इसकी वैल्यू फिक्स होती है फिक्स वैल्यू और ये होती है बेटा के इंटू एन ये वाली वैल्यू होती है के इंटू एन और किस डायरेक्शन में अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग सारे बच्चे इसको लिखिए ये मेन पॉइंट्स हैं ये दिमाग से स्लिप नहीं होने चाहिए फ्रिक्शन ही आपको संभाल के लेके चलेगा क्लियर सूडोफोर्स लास्ट में पढ़ेंगे बेटा क्योंकि यहां पर भी सूडोफोर्स आएगा सर्कुलर में भी आएगा दोनों को मर्ज करके ही सवाल करेंगे क्लियर हाँ मैं आपको वैल्यूज वाइज समझाऊंगा पहले इसको लिख लीजिए थम्सअप करिए हाँ लिखिए 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 यस yes. अभी वैल्यूज देखो ये थ्योरी है थ्योरी तो आपने कई बार पढ़ी इससे नहीं समझ आएगा एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा वो यहां पर मैं लेता हूं ठीक है यहां पर लेता हूं फिर मैं फ्री बॉडी डायग्राम पर आता हूं ठीक है आइए फोकस करना बेटा प्लीज देखिए मेरे पास ये फोर्स है मैं बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं ये एक बॉडी है टू के की और ये जो सरफेस है रफ है सर इसको बनाना है बिल्कुल बनाइए ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा रफ ठीक है और म्यू की वैल्यू है आपके लिए पॉइंट फाइव सपोज ठीक है मैं यहां पर एक आपको टेबल दे रहा हूं ध्यान से देखना ठीक है मैं इस पर बॉडी पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा वो मैं लिखूंगा अब आपको फ्रिक्शन के बारे में लिखना है और यहीं से आपको वो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी बस फोकस बना के रखना बेटा जो भी चैट में फालतू वालतू चल रहा है सब साइडलाइन कर दो मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगा ये मौका आपको मिस नहीं करना है ठीक है लगे रही है एंड तक जो आपने कितनी भी गलतियां करी होंगी दो साल में सब मिट सकती हैं इन डेढ़ महीने में इन डेढ़ महीने में ठीक है और एक बार जेई मेंस की पहले अटेम्प्ट में बेटा रैंक आ गई या अच्छा स्कोर आ गया आपके पास आ गया ना तभी टू में आप फोड़ पाओगे और अच्छे से एक बार जहां ईमान डगमगाया ना कि यार पता नहीं यार पेपर खराब हो गया सेकेंड में ना हाथ पांव फूल रहे होंगे तो जितनी जान है पहले वाले में लगा दो उसके बाद ही आसान लगेगा दूसरा अदरवाइज नहीं लगेगा ठीक है ये मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यूज दूंगा आपको फ्रिक्शन के बारे में यहां पर सोचना है ठीक है मान लीजिए मैंने टू न्यूटन लगाया फोर न्यूटन लगाया सिक्स न्यूटन लगाया नाइन न्यूटन लगाया और नाइन पॉइंट नाइन 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 लगाया टेन पॉइंट वन लगाया फिफ्टीन लगाया ठीक है और यहां पे ट्वेंटी न्यूटन या हंड्रेड न्यूटन लगा दिया अब जरा सोचना ठीक है हाँ देवोप्रिय पात्रा नीट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ये Very वेरी गुड ठीक है आप जाइए करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए सारे एग्जाम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है ये सफारतु बातें यहाँ पर मत करिए आप यही करते रह जाएंगे इसीलिए आपका कहीं भी नहीं हो पाएगा ठीक है अगर आपके लिए है इंपॉर्टेंट तो आप प्लीज पढ़ाई करिए शो द रिस्पेक्ट टू द पेपर कई सारे बच्चे लिख पाए हैं वेरी गुड देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं जब आप इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे टू जी यहाँ है नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ है एन की वैल्यू आपकी ट्वेंटी आई सबसे पहला काम होता है आप फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे विच इज न्यूएसट टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन तो दिस इज पॉइंट फाइव इन टू ट्वेंटी तो यह आपका हो जाएगा टेन न्यूटन अब मैं क्या कह रहा था दस न्यूटन क्या आया ये नहीं कि दस न्यूटन से कम होगा तो फ्रिक स्टेटिक फ्रिक्शन है अगर एक्सटर्नल फोर्स दस न्यूटन से कम होगा तो स्टैटिक है फ्रिक्शन दस लगेगा पागल हो देखो मैं इसको यहां पर दो न्यूटन से खींच रहा हूं बच्चे क्या कहते हैं सर आपने दो न्यूटन से खींचा मैंने कहा सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है उससे कम से खींचा है आपने मैंने कहा ओके बेटा तो सर बॉडी रुकी रहेगी और फ्रिक्शन लग लेके के चला जाएगा क्या बात कर रहा है तो मैंने आपको यहां पर क्या बात बोली ध्यान सुनना ये है मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक 10 न्यूटन नहीं लगाओगे तब तक बॉडी रुकी रहेगी ये कह रहा है अगर आपने दो न्यूटन लगाया ना बेटा दो न्यूटन तो 10 न्यूटन से कम है ये दो न्यूटन लगा के रोक लेगा सेल्फ एडजस्टिंग यही कह रहा हूं ये सेल्फ एडजस्ट कर ले जाएगा दो न्यूट्रन लगाया दो ये दस न्यूट्रन तक लग सकता है दो न्यूट्रन लगा के रोक लेगा चार न्यूट्रल लगाओगे चार न्यूट्रन लगा के रोक लेगा छ्यूट्रल लगाओगे छे न्यूटन लगाओ लगाओ लगा के रोक लेगा नौ न्यूटन लगाओगे नौ न्यूटन लगा के रोक लेगा नाइन पॉइंट नाइन 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 तक लगाओगे तो फ्रिक्शन दस न्यूटन तक यहां तक लगा के रोक सकता है तो ये अभी भी उतना लगा के रोक लेगा ये बॉडी अभी रेस्ट पर ही है और जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन था ध्यान से देखना इस फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ फिक्स है क्या इस फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ फिक्स है क्या नहीं ये वेरी कर रही है इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग जितना आप लगाओगे उतना लग के रोक लेगा अपोज करके रोक लेगा ये चलना चाहता था फ्रिक्शन इधर लग के इसको रोक लेगा अगर मैं टेन या टेन से ज्यादा लगा दूं हल्का सा भी अब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा अब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा मान लीजिए हमारे पास यही आप कर था मैं अगर टेन पॉइंट वन लगाऊंगा फ्रिक्शन की वैल्यू टेन हो जाएगी फिक्स अब आपका एक्सटर्नल फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा है तो बॉडी मोशन में आएगी अब फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा इसके बाद अगर आप पंद्रह भी लगाते दस से ज्यादा तो फ्रिक्शन फिक्स रहेगा सौ लगा लो तब भी फिक्स रहेगा हजार लगा लो तब भी फिक्स रहेगा क्लियर है क्या क्लियर है क्या? क्लियर exactly टेन तो आप, आप ले गुड तो यही चीज मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बताना चाहता डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनानी है अगर एक बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो तो बॉडी चलनी चाहेगी इधर फ्रिक्शन कहां लगेगा इधर सिर्फ फ्रिक्शन की बात करेंगे मैं बॉडी को ऐसे धक्का दे रहा हूं ऐसे ठीक है तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी किधर है उधर चलने की फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर दिल बनाना इस बात पर मैं बॉडी को इधर खींच रहा हूं तो बॉडी की टेंडेंसी किधर है चलने की इधर फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स है किधर लगेगा इधर मैं एंगल पर कर रहा हूं ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर सारे बच्चे बताइए क्या क्लियर है क्या सर लेक्चर कितनी देर चलेगा जब तक आपका रेलिवेंट कंटेंट खत्म नहीं होता तब तक चलता रहेगा आपको पढ़ना है तो साथ में बने रहिए लव यू बेटा कई सारे बच्चे टिके हुए हैं और आपको मैं बता रहा हूं दुआएं मिलती हैं आपके पेरेंट्स से जब आपको वो पढ़ते हुए देखते हैं और उस दुआ को कोई नहीं काट सकता ठीक है क्लियर समझना मैं अगर दीवार पर एक ब्लॉक को फोर्स लगा के रख रहा हूं अगर ये स्मूथ होती तो वजन तो नीचे ही चला जाएगा फ्रिक्शन यहां कहां लग रहा होगा ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी किधर है नीचे गिरने की स्टार्टिंग में आप ये बता रहे थे मैंने कहा था ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन लगेगा ऊपर क्लियर अगर मैं एक इंक्लाइन पर इस ब्लॉक को ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं तो इसकी टेंडेंसी ऊपर होगी फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे क्लियर हम्म क्लियर तो आपको जो भी मोशन हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है उसको अपोज करना है दैट्स इट ठीक है दैट्स इट आइए ठीक है एंगल ऑफ रिपोज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हम एंगल ऑफ रिपोज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये ऐसा एंगल होता है ठीक है सारे बच्चे जरा देखना हमारे पास एक ऐसा एंगल फ्रॉम दॉरिजोन एंगल फ्रॉम दॉरिजोंटल फ्रॉम हॉरिजोंटल वेयर ब्लॉक जस्ट स्लिप हॉरिजोंटल वे आर ब्लॉक जस्ट स्लिप जस्ट वो स्लिप करता है उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ सर टॉपलिंग कब कराएंगे टॉपलिंग बेटा आपकी रोटेशन में होती है ठीक है जस्ट ये स्लिप करने की कोशिश करता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स ऑब्वियस बात है ना यार देखो मान लीजिए मैं ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है ठीक है ऐसे कर लेते हैं मैं अगर इसको एंगल बढ़ाऊंगा 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 एक नहीं टूटा नहीं है एक एंगल एक ऐसे एंगल की बात करेंगे जहां पर ये स्लिप करने लग जाए जैसी ये स्लिप करने लग जाए उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स ठीक है हाँ, तो करना क्या है कुछ नहीं करना सर कुछ नहीं करना तो जाइए ना नहीं नहीं थोड़ा सा तो करना ही है ये है थीटा यह है आपका आई से सारे बच्चे जरा देखना जब आपका यहां पर है तो ब्लॉक नीचे जाना चाहता है एम जी साइन थीटा से नॉर्मल रिएक्शन ओए वजन cos थीटा आपका इधर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन आपका ये रहेगा और फ्रिक्शन क्या करेगा इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा हा यास हा yes. ये फ्रिक्शन क्या करेगा इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा एट दी वर्ज ऑफ स्लिपिंग क्या आप मेरे को बता सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी हाँ या ना? ये नीच, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन बढ़ के रोक ले रहा है फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन बढ़ के रोक ले रहा है एट जस्ट स्लिपिंग की जब मैं कंडीशन की बात करूंगा जब ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन होगी तो मैं कह सकता हूं बेटा एमजी थीटा म्यू टाइम्स दी नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा दिस इज म्यू एस टाइम्स दी नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी साइन थीटा इज म्यू एस टाइम्स एम जी कॉस थीटा के बराबर तो यहां से आ जाएगा म्यू की वैल्यू टेन थीटा कुछ बच्चे कहते हैं आ तो गया है करना क्या है करना कुछ नहीं दो बॉडीज के बीच का म्यू कैसे निकालते हो आप रखिए किसी एंगल पर देखिए जहां पर वो स्लिप करेगा वो थीटा आते ही टेन थीटा आप कर देंगे तो बॉडीज के बीच का जो सरफेस का ये म्यू है वो आपको पता लग जाएगा क्लियर है क्या हाँ वेरी गुड वेरी गुड हां ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन पे आ रहे ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन पे आ रहे यश तो इसका भी एक ग्राफ बनाते हैं और इसका भी एक ग्राफ बनाते हैं जरा ये देखना सभी लोगों को याद आ रहा होगा दसवीं क्लास वो ग्यारहवीं क्लास का सबसे मजेदार ग्राफ फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स जब आपने बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन जीरो लीनियरली बड़ा था देखिए लीनियरली कैसे यहां जितना फोर्स लगा रहा है, उतना यहां यहां जितना यहां 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 उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गया तो ये फोर्स कैसे होता है टिचिक। टिचिक। हाँ। और कम क्यों हुआ क्योंकि ये आपका होता है के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन और जो ये वाला आपका ऊपर वाला है दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्लियर हाँ ग्राफ तो याद है वेरी गुड ठीक है हम्म अच्छा इसका ग्राफ बनाना जरा देखे जरा सारे के सारे छपोड़े इंसान बैठे पड़े हैं यहां पे हाँ ah. टॉपलिंग अरे वो रोटेशन में आएगा पहले टॉर्क निकालना सिखाना पड़ेगा भाई यहां फोर्स में मौत आ रही है तू टॉर्क की बात कर रहा है अच्छा इसका ग्राफ बनाना फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का जरा देखा जाए यहां पे मुझे लगता है नहीं बना पाएंगे फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का ग्राफ लेट्स सी हम याद है बना के दिखाओ हां सर रिकॉइल वेलोसिटी हम लोग कब पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे बेटा हम कैसा ग्राफ बनेगा लीनियर बनेगा एक्सपोनेंशियल बनेगा पैराबोलिक बनेगा कैसा बनेगा इतना बता दो चलो एक नंबर के सारे झूठे बना लिया <laughs> अगर हमारे पास ये शक्ति होती ना बेटा कॉपी देखने की कॉपी बिल्कुल सपाट होती तुम्हारे दिमाग के जैसे हाँ लीनियर पैराबोला एक्सपोनेशियल हा स्टैटिक इज मोर देन काइनेटिक बेटा बॉन्ड टूटेंगे तभी बॉडी चलती है कोल्ड वेल्ड बनते थे आ, एक का भी हाँ यही से पता लग रहा है एक का भी जवाब सही नहीं है इसका ग्राफ थीटा के साथ बनाओगे जरा देखना जब तक मान लीजिए ये वो वाला एंगल है रिपोज एंगल जहां पर बॉडी स्लिप करेगी दिस इज योर रिपोज एंगल थीटा आर ठीक है ये वो वाला एंगल है हाँ हेलो हाँ अरे मम्मी ऑफिस में स्कूल कहने वाला था मैं ऑफिस <laughs> में हूँ हाँ अभी क्लास चलेगी रात तक खाना वाना खा लेंगे खा लेंगे आप सो जाओ ओके हम्म बेटा पढ़ाई नहीं करी ना बद लगेंगी हाँ मैं कह रहा हूँ मम्मी को मम्मी अभी स्कूल में हूँ <laughs> स्कूल ही है भैया ही हमारा हाँ जब तक आपका रिपोज एंगल नहीं होगा फ्रिक्शन की वैल्यू जरा देखना यहां पर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर तक सेल्फ एडजस्टिंग होगा अभी आधो का दिमाग उड़ जाएगा सेल्फ एडजस्टिंग होगा हो तो ये कितना होगा एमजी शाइन थीटा के बराबर पहले तो ये सोच के बताइए हा या ना हा बोलिए भैया सर कांस्टेंट होगा वाह 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 वा। अगर मैं इसको यहां से ऐसे ऊपर करता चला जाऊंगा तो फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा स्टैटिक बॉडी रुकी हुई है जितना फोर्स एम जी साइन थीटा होगा उतना ही फ्रिक्शन रहेगा तो सबसे पहले अब ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा कई बच्चों के लिए पहले साइन थीटा का ग्राफ पकड़ेगा हाँ ये पैराबोला दिख रहा है ये साइन थीटा का ग्राफ है फिर आपका एक रिपोज एंगल आएगा थीटा आर रिपोज एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट करेगा और आप व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन रिपोज एंगल तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी काइनेटिक वाली हो जाएगी म्यू के टाइम्स एमजी कॉस थीटा फिर ये कॉस थीटा का ग्राफ पकड़ेगा और ये ग्राफ कुछ काइनेटिक फेज में आती है थोड़े से वैल्यू कम हो जाएगी फिर ये कॉस थीटा ग्राफ पढ़ के थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था गारंटेड है ये हां गैर है किसी ने साइनोसाइडल वर्ड बोला ही नहीं हम्म hmm. किसी ने नहीं सोचा था झूठ मत बोलना सर्कल दिख रहा है तो और गलत है हां अब बोल रहे हैं साइनोसाइडल देखो भाई जब तक आपका रिपोज एंगल नहीं आएगा तब तक जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी सेल रुका हुआ है रुके हुए में एमजी साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वही फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तो थीटा लेस देन रिपोज एंगल में ये साइन थीटा का ग्राफ पकड़ेगा तो साइन थीटा के जैसे उड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा फिर रिपोज एंगल के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा काइनेटिक में मतलब चलने लगेगा तब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा न्यूके एमजी थीटा और फिर ये यह थीटा का ग्राफ लेगा मिक्स ग्राफ हो गया <laughs> स्कूल में ये वाला ग्राफ पढ़ पढ़ के ठीक है बच्चा बॉन्ड बना पड़ा जैसी एंगल की बात होने लग गई ठुस अब ये हवा आगे से निकले पीछे से निकले, पता नहीं आगे से गिले, पीछे से पीले हो गए हैं चलिए कोई नहीं सफाई हो जाएगा टेंशन मत लीजिए चलिए कुछ क्वेश्चंस कुछ करेंगे फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा बजे ठीक है देखना हमारे पास एन इंक्लाइन प्लेन इज बेंड इन सच ए वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय आपका एक इंक्लाइन प्लेन है उसको बेंड कर दिया है ऐसे है कि ये एक पैराबोला की फॉर्म में ठीक है ये आपका एक पैराबोला के फॉर्म में है y इक्वल टू एक्स है वे y इज इन वर्टिकल एंड x इज इन हॉरिजॉन्टल इफ द अपर सरफेस ऑफ द कर्व्ड प्लेन इज रफ विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू इज पॉइंट फाइव द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर एट एटविच द स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप इन सेंटीमीटर सारे बच्चे जल्दी से देखना हा क्या हंस रहे हो हा सोचिए सोचिए एक बात बताओ ये कह रहे हैं कि मैं इसके ब्लॉक को एक मैक्सिमम हाइट कितने पर रख सकता हूं मतलब ये इसका मैक्सिमम हाइट ये कितना हो सकता है कि ये ब्लॉक फिसले नहीं क्या करना चाहिए हाँ कुछ बच्चों का जवाब आते हुए वेरी गुड वेरी गुड या बहुत सही है बहुत सही बच्चे पढ़ रहे हैं लव यू बेटा यार देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा एंगल बढ़ता जा रहा है 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 क्या आपको यह चीज यहां नहीं दिखाई दे रही थी एक ऐसा एंगल एक ऐसा एंगल जहां पर यह स्लिप कर रहा था दैट वाज रिपोज एंगल टेन थीटा इक्वल टू म्यू ऐसे सवाल इतनी बार आ चुके हैं क्या आपको यह दिखाई दे रहा है क्या आपको यह दिखाई दे रहा है एक पॉइंट पर यहां पर एक ऐसा स्लोप आएगा ठीक है एक ऐसा स्लोप आ जाए जहां पर टेन थीटा म्यू के बराबर होगा देन ब्लॉक विल स्लिप यही तो एंगल ऑफ रिपोज है दिल बनाना इस बात को जैसे आप यहां से ऊपर जाएंगे तो आपका एंगल बढ़ रहा है 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 एक एंगल पर जहां पर ये स्लिप कर जाएगा वहां टेन थीटा म्यू होगा सर टेन थीटा कैसे निकालेंगे भैया dy बाई डी एक्स ठीक है हमारे लिए डीवाई बाय जो होगा दैट इज टू एक्स बाय फोर इक्वल टू म्यू आ जाए तो बाई टू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू वन मीटर आ गई हमसे तो y पूछा गया है तो धर दो भैया y की वैल्यू वन बाई फोर पॉइंट टू फाइव मीटर या पच्चीस सेंटीमीटर किस किस का आंसर आई भाई ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है क्लियर क्लियर यस वेरी गुड अगला सवाल सारे बच्चे जरा देखना

ये ब्लॉक रुका हुआ है ठीक है और इन दोनों के बीच का कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन रिमेन इन एंड द सरफेस म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो कि ये ब्लॉक रुका रहे क्या करना है हाँ। श्याम किशोर शर्मा सर आप क्रो की तरह हैं, चलिए कम से कम हम क्रो की तरह आप गधे के जैसे काये बोल रहे हैं है? आ, तो जरा इसका चलने की बात हो रही है तो भाई बना लो डायग्राम क्या है आपका एक पी ये रहा और आपने क्यू यहां लगा रखा है और कौन सा एंगल है बेटा हमारे पास ये वर्टिकल से एंगल रखो है थीटा हो गया सवाल हो गया सवाल आ, बच्चा डर गया बच्चा डर गया यहां काइनेटिक यहां स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा यश जरा सारे बच्चे देखना यहां आपका वजन होगा एमजी यहां आपका वजन होगा नॉर्मल ये कब चलेगा तो पहले इसको रिजोल्व कर लो भैया नौटंकी करेगा नहीं तो यह आ जाएगा क्यू कॉस थीटा क्यू साइन थीटा किस किस को यह बात समझ आ रही है यह ब्लॉक कब चलेगा ब्लॉक तब चलेगा जब p प्लस क्यू साइन थीटा किसके बराबर हो जाए फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के तो p प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन अब कई बच्चे क्या नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी होता है अरे ओ वाई डायरेक्शन में देखियो जरा एन इज इक्वल टू एमजी प्लस क्यू कॉस्टा है रे मेरे एंटरपेंटर है ना उठा करके यहां धर दे

फर्स्ट ऑप्शन हा वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल जरा सारे बच्चे देखना द कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस बिटवीन ब्लॉक ए एंड मास टू के जी देखो ये एंड द टेबल इन शोन फिगर इज म्यू की वैल्यू है पॉइंट टू अब जरा देखना सारे बच्चे ठीक है वट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ द ब्लॉक सो द टू ब्लॉक्स डज नॉट मूव इक्विलिब्रियम की बात हो रही है आप यहां पर कितना मास रख सकते हैं कि ये दोनों ना चले मैक्सिमम तो क्या आप ये कह सकते हैं इसका जो भी वजन होगा वो कौन रोकेगा इसका फ्रिक्शन क्योंकि ये टेंशन बनाएगा बेटा ये टेंशन बनाएगा तो आप ये कह सकते हैं आपके पीवाईक्यूज क्यूज हैं है एम जी की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट कर दो बस ये कितना आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा टू जी यहां होगा यन जैसे मिनिमम की स्पेलिंग में होता है यम यन यम यू यम वही वाला यन। तो यहां पर आपका आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है या जी ले लेते हैं जी जी कट गया हमारे पास एम की वैल्यू आ रही है पॉइंट फोर के जी यह आपके पी क्यू में आया हुआ है थर्ड ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल बेटा ये अच्छा सवाल है भाई ये आपका अच्छा सवाल है इसमें बच्चों से गलती होगी देखना ये अच्छा सवाल टू ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी एंड 3 केजी आर प्लेस्ड ऑन अ सरफेस आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग इफ 3 केजी इज पुल्ड बाय 10 न्यूटन एज शोन इन द फिगर आप 10 से खींच रहे देन फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 2 केजी बता दो भाई मान जाऊंगा ठीक है वो हो वेरी गुड मैं इसके बाद आपको खाने पीने का थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं भी कुछ खा पी लूंगा फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम्म अच्छा फसना स्टार्ट चलो चलो करो 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 हम्म देखे आओ जानिए देखो पहले आप इसका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी छे न्यूटन और इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा पॉइंट टू इंटू थर्टी ठीक है सिक्स न्यूटन यही आएगा हम्म शुभांशी शौर्य वेरी गुड दीपांशु आई थिंक चलो जरा ये देखना इस ब्लॉक को तीन के जी वाले, वाले ब्लॉक को जरा समझना इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है छे न्यूटन की अगर मैं यहां पर छे न्यूटन लगाता तो ये फ्रिक्शन छ न्यूटन लग के रोक लेता समझना न्यूटन लगाता तो न्यूटन लग के रोक लेता तब तक आपका जो ये धागा है ना टेंशन जीरो ही होता लेकिन अब मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं दस समझना ऐसे इसको धीरे धीरे करोगे तो ही क्वेश्चन समझ पाओगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैंने यहां पे एक न्यूटन लगाया समझना तो ये एक न्यूटन लगा के रोक लेगा मैंने यहां पर ठीक है मैंने यहां पर दो न्यूटन लगाया देखना बेटा दो न्यूटन लगाया तो ये दो लगा के रोक लेगा तीन लगाया तीन लगा के रोक लेगा चार लगाया।, चार लगाया चार लगा के रोक लेगा अब कई बच्चों को शायद समझ आ रहा होगा पांच लगाया पांच लगा के रोक लेगा पांच तक छह तक जा सकता है छह लगाया तो ये छे लगा तक रोक लेगा इसके बाद ने आ, अब आंसर चेंज हो रहे हैं आप लोगों के छह लगाया छह लगा के रोक लेगा सर सातवें पे तो चलना चाहिए मैंने कहा जैसे ये चलने की कोशिश करेगा धागा टाइट हो जाएगा इसका फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे आप यहां पर सात लगाओगे तो ये छे ही लग सकता था अब ये चलना चाहेगा चलना चाहेगा फ्रिक्शन ये यहां पर इसको एक न्यूटन से खींचेगा तो एक न्यूटन ये लग के रोक लेगा रुका रहेगा सिस्टम फिर जरा समझना आप इसको नौ से खींचने की अगर मान लो कोशिश कर रहे हो नौ से तो ये छे लगाएगा तीन न्यूटन का टेंशन आएगा ये यहां तीन न्यूटन से खींचेगा ये छे न्यूटन तक रोक सकता है तो ये तीन न्यूटन लगा के रोक लेगा यस yes. क्या अब आपको समझ आया सवाल था दस न्यूटन का बेटा जब आप यहां दस न्यूटन लगा रहे हो यह छे तक ही लगा सकता है अगर धागा नहीं होता चल जाता आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर ये चार न्यूटन चार न्यूटन और चार न्यूटन ऐसे लगा के रोक लेगा तो इन्होंने पूछा था ब्लॉक इज सेकेंड ऑप्शन स्टार्टिंग में सभी ने गलत जवाब दिया स्टार्टिंग में सभी ने गलत जवाब दिया उन्होंने क्या कर दिया म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन भाई क्या कर रहे हो तुम कनेक्टेड है थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे या नहीं करोगे ठीक है अगला क्वेश्चन

बॉडी कवर्स एस डिस्टेंस एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट तो वी कितना होगा मेरे को यह बताना यह भी आपका जेई मेन्स में आए हुए क्वेश्चन है उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिखे ये भी आपके जेई में आए हुए सारे क्वेश्चन है मेरे को बताना वेरी गुड लव यू काइलेटिक फ्रिक्शन होगा राइट right? क्योंकि अब तो ये चल रहा है इसमें कोई डायरेक्शन वाली पंगा ही नहीं है उसको अपोज करने के लिए देखिएगा तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन इधर लग रहा है म्यू टाइम्स एम जी और विलोसिटी इधर है तो ऑब्वियस बात है रिटार्डेशन होगा यह फोर्स रिटार्ड करेगा है ना यही तो उसकी वेलोसिटी घटाएगा तो आप कहेंगे म्यू एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए या एम ए कर लीजिए एक्सेलरेशन निकाल लीजिए तो ए आ जाएगा म्यू जी सवाल क्या बन गया भाई इससे इजी सवाल क्या लोगे काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया एक ब्लॉक है वी स्पीड से जा रहा था एक्सेलरेशन उसकी रिटार्डेशन उसकी म्यू है एस डिस्टेंस चल के रुक गया है फाइनल वेलोसिटी जीरो अब बता दीजिए वी क्या है की v ये गया v की वैल्यू आ गई कितना है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल मेरे एंटरप्रेंटर ठीक है अगला सवाल मेरे एंटरप्रेंटर जल्दी से वर्क से भी जा सकते हैं भाई बिल्कुल दोहराए वाली बात ही नहीं है लेकिन मैंने अभी वर्क नहीं पढ़ाया आपने वर्क रिवाइज नहीं किया अभी लॉज ऑफ मोशन को स्ट्रॉन्ग करना है हमें हमारा टारगेट इज नॉट अबाउट फ्लेक्सिंग दी नॉलेज अबाउट इज कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कम से कम टाइम में रिवाइज करके निकल जाए ये हमारा टारगेट है अब मार्स फाइव के जी रेस्टिंग ऑन ऑनजोनटल सरफेस कनेक्टेड बाय अड पासिंग ओवर लाइट फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन है कोफिजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अब मेरे को यह बताओ Mu की वैल्यू पॉइंट फाइव है ठीक है टेंशन इन दर्ट इस है आपको होमवर्क दे दूंगा ठीक है एक दो सवाल अच्छे थे अगर हम लोग आधे घंटे में क्या टाइम हो रहा है साढ़े दस ग्यारह सवा ग्यारह क्लास खिंचेगी चलो कोई नहीं यार देखी जाएगी अब क्या है हाँ, इसकी बात करना पहले रेस्ट या मोशन मूविंग वेरी गुड तो इसको ले जाने वाला फोर्स 5g जी यहां टेंशन t एक्शन आपको लिखना है t और यह ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन की जरा मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो ये आ जाएगी बेटा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन तो म्यू इज पॉइंट फाइव इंटू फिफ्टी तो 25 न्यूटन यहां 50 लग रहा है यहां 25 लग रहा है तो कैसे ये रुक सकता है चलेगा एक्सलरेशन निकाल लीजिए एक्सलरेशन की बात करेंगे ले जाने वाला फोर्स 50 माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस फाइव टेन तो ये कितना आ रहा किस किसका एक्सलरेशन यही आ रहा है 2.5। पॉइंट एक्सलरेशन कितना 2.5। ठीक है अच्छा जी की वैल्यू कितनी है 9.8 पॉइंट आप कैलकुलेशन करिए, ठीक <laughs> है हमारे अंदर से भरती हुई म्यू टाइम्स कितना है म्यू टेन दे देते तो क्या हो जाता, ठीक है, बच्चों पे आ, संकट आ रहा और कुछ नहीं है इसकी इक्वेशन क्या होगी फाइव जी माइनस टी इज इक्वल टू फाइव यहां आएगा टी माइनस फाइव थोड़ना होगा ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग हो जाएगा फ्रिक्शन कर देते हैं फाइव जी माइनस फाइव एफ इक्वल टू टेन ए तो ए की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे फाइव जी माइनस एफ डिवाइड और टेंशन निकाल लेंगे आ, हम अपना बच्चा पे पूरा कंसेंट्रेशन आ ध्यान से बिल्कुल सही है ठीक है बिल्कुल सही है इसके बाद हम्म चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देने पड़ेंगे अच्छे इसके बाद हम लोग आएंगे अपने टू ब्लॉक सिस्टम पे ठीक है ब्रेक दे देते हाँ ब्रेक दे देते हैं ठीक है ठीके? आपका इस बार का ब्रेक है ब्रेक अभी टेन थर्टी हो रहा है टेन फोर्टी फाइव पे हम लोग मिलेंगे फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक दे देता हूं ठीक है आराम से घूमिए हमें भी कुछ खाने पीने को मिल जाए तो हम चार के आते हैं ठीक है हाँ? आइएगा जरूर अभी देखिए कितना है हजार बच्चा पिछली बारी से कम हुआ है अभी एक्सपोनेंशियली मतलब अब इस बार जाएगा बारह सौ के आसपास गिरेगा चलिए देखते हैं ठीक है कितने आप आते हैं जीवित रूप में ठीक है टू ब्लॉक सिस्टम अगले अगले स्लॉट में हम टू ब्लॉक सिस्टम करेंगे और सर्कुलर काइनेमेटिक्स बिल्कुल आसान है सर्कुलर काइनेमेटिक्स कर ले जाएंगे फिर थोड़ा सा ब्रेक देके दस मिनट का ब्रेक देके डायनेमिक्स एंड सूडोफोर्स फिर हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है आइए 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 हेलो 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 हाँ नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी आने दो बच्चों को अभी टाइम है दो मिनट बचे हुए हैं यस हाँ हेलो हेलो नमस्ते 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 आजिये आज है भैया हाँ बहुत सही डिनर डन डिनर में हमें क्या दिया गया ये दिया गया क्या है ये क्या कहते हैं इसको इसको क्या कहते हैं कॉर्न फ्लावर कॉर्न फ्लावर थोड़ना होता है ये है हमारा हेल्दी डाइट स्वीट कॉर्न हेलो 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 मजाक वैसे मत बनाओ बेटा महंगा आता है मार्केट में हाँ कॉर्नफ्लेक्स हाँ ये कॉर्नफ्लेक्स दिख रहे हैं इनको <laughs> मार्केट में खाने जाते हैं ना भाई सब बहुत महंगा बेचते हैं मजाक वैसे मत बनाओ सौ रुपए में एक चम्मच देते हैं पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना है ज्यादा हंसी मजाक नहीं ये तो चलो अच्छे से कर रहे हैं सीरियस स्टूडेंट वेट करते हैं ये बात सही है बहुत अच्छे से बच्चे वेट कर रहे थे स्पैमर्स पर ध्यान नहीं देना है मैंने आज बिल्कुल नहीं दिया है क्रिस्प फॉर्म में पढ़ाना है स्लो एट फा, फास्ट पढ़ाना है बिल्कुल सही गाइडलाइंस <laughs> <laughs> हाँ। चलो भाई हाँ पैतालीस हो गए भाई टाइम हो गया सर ये भी सैलरी से कटेगा क्या नहीं भैया अगर ये इसका पैसा सैलरी से कटा अगर तो भाई साहब सही बता रहा हूं कोहराम मचा दूंगा मैं हाँ ये नहीं होना चाहिए भाई वापिस कर देंगे सुबह सारे के सारे बीजी <laughs> सैलरी से दो सौ मत काटना हमारे हाँ जैसे चाहिए वैसे वापिस कर देंगे सुबह मिलेंगे लेकिन हाँ आ जाओ भाई यस हम्म चलो भाई हाँ, थोड़ा सा डटी जोक हो गया लेकिन लेट इट बी यार तुम कौन से सुधरे हुए हो है? सारे इंजीनियरिंग करने वाले सीरियस हाँ सीरियस आई एम सीरियस ओके okay? आ, आ कईयों को जोक नहीं समझ आया होगा लेट इट बी ठीक है चलिए तो अच्छा गाने से शुरुआत करने के यार गाने मेरे को ज्यादा याद नहीं रहते हैं आ, जाना मैंने अब है माना मैंने हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी इस कॉपीराइट नहीं आ सकता अपना ही है ठीक है हाँ टेंशन नहीं है हाँ जाना मैंने अब है माना मैंने हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी जो भी है ये छोटा सा ही मेरे दिल का जहां अब है तेरे लिए अब अब कहूं मैं क्या है अल्फाज नहीं तेरी याद थी तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी तेरा साथ ही तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी तेरी हर खुशी मेरी ना रा ना ना न न यहाँ गया मैं तो वहां गया आना देखा कहीं तुम साहसी तुम जो मिलो देखू ना सारा जहाँ आ बुला दू मैं यहाँ सभी अब कहूँ मैं क्या अल्फाज नहीं तेरी याद थी तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी तेरा साथ ही तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी मेरी हर खुशी ठीक है अब इसमें कॉपीराइट भी नहीं आएगा तो ये हो गया है अब हमारा ब्रेक भी खत्म हो चुका है जिसमें से आपने हमारे तीन मिनट बर्बाद कर दिए हैं लेकिन लेट इट भी हाँ कितने बच्चे वापिस आए रहे चार बच्चे छूट गए रे चिपक गए कहीं हाँ चार बच्चा आ हा 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 कुछ बाथरूम में चिपका होगा गोंद के जैसे हाँ कुछ डाइनिंग टेबल पे और कुछ बिस्तर पे चिपक गया लेकिन ले, कोई नहीं कोई नहीं आ, हमें सीरियस बच्चा ही पढ़ाना है धीरे धीरे छट्टा चला जाएगा अगला है हमारे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब सीरियस पढ़ना है सारे बच्चे दिल बनाइए क्या आप सभी लोग तैयार हैं हमारे ऑलमोस्ट आखिरी चरण में घुसने के लिए क्योंकि टू ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे जैसा सलीम सर ने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया था स्टार्टिंग में ठीक है वैसा ही सब कुछ रहेगा तो आसान है ठीक है जिन्होंने कल पढ़ा होगा उनको आज बेनिफिट मतलब कल नहीं जो लास्ट क्लास हुई थी सर की जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा डायनेमिक्स वाला पार्ट अलग है और फूडो फोर्स वाला पार्ट वो अलग होगा यस यस वेरी गुड आइए तो जरा देखना टू ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास किस प्रकार से रहता है सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं ठीक है जब भी हमारे पास ठीक है जब भी हमारे पास ये देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता जिससे बच्चे पक चुके हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही एग्जाम्पल आसानी से समझाया जा सकता है ठीक है 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 जैसे मान लीजिए आपके पास एक थाली है, क्या है? थाली थाली क्या और इस थाली में आपका कहा है पराठा है ठीक है बच्चे गुस्सा आएंगे ठीक है मजाक कर रहा हूं लेकिन बात यह है कि इस एग्जाम्पल ये मेरे मुंह पे एग्जाम्पल चढ़ा हुआ है एग्जाम्पल बहुत सिंपल है जरा ये बताना कि थाली और आ, रो, रोटी और थाली के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है जैसे मम्मी बोले कि यह लीजिए रोटी फेंक दी तो थाली पे गिरा है अब आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे तो आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप थाली को खींचते हैं है ना तो रोटी भी तो उसके साथ ही आती है इसीलिए तो खींचते हैं इतना तो दिमाग है लेकिन कभी भी आपने यस यही ये रहता है यार एग्जाम्पल क्या करें ठीक है अगर आप इस थाली को खींच रहे तो रोटी इसके साथ क्यों आ रही है ये कभी आपने सोचा ही नहीं क्योंकि सारा फोकस है पेट में जानी चाहिए भाड़ में जाए फिजिक्स है ना? है ना इसीलिए दिक्कत तो जरा यहां पर समझना अगर ये बिल्कुल थाली बिल्कुल स्मूथ होती ना तो रोटी यही रहती थाली नीचे से निकल जाती रोटी यही गिर जाती कोई बेनिफिट नहीं होता फ्रिक्शन की वजह से अगर आप देखें तो इस रोटी रोटी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये जो आपकी रोटी थी इसका एक वजन होगा इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्रिक्शन किधर लगेगा सोचना फ्रिक्शन आगे लगेगा अदरवाइज ये आगे क्यों आई मैंने बोला था जब मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन मेरा आगे लग रहा है तभी तो मैं चल पा रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है आगे और अगर एक्शन है तो रिएक्शन तो भैया होना ही चाहिए थाली पर हाँ या ना फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा तो एक्चुअली में अगर आपका टू ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को अगर आप इधर खींच रहे हैं तो अगर ये यहां से चल गया मतलब ये वाला फ्रिक्शन को ओवरकम करके आपने चला दिया ठीक है तो ये इसके साथ क्यों चलेगा क्योंकि इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा सारे बच्चे मेरे को ये बताना दिल बना के क्या आपको ये बात समझ आई हां या ना अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींचूंगा तो पहले मान लो मैंने इतना फोर्स लगाया चला ही नहीं तो फ्रिक्शन नहीं आएगा लेकिन अगर ये सिस्टम चल गया तो ये फ्रिक्शन ये आगे क्यों आया होगा फ्रिक्शन आगे लगा होगा इसीलिए आया होगा इसके साथ तो इस पर फ्रिक्शन आगे रहेगा इस पर फ्रिक्शन पीछे रहेगा यस यस बिल्कुल अब जरा समझना ठीक है अब जरा समझना कई बार आपने ये किया होगा कि आप सुपर एक्टिव हैं और आपने सोचा कि अगर मैं बेड पर बैठ के पढ़ूंगा सर्दी में तो मजा ज्यादा आएगा ठीक है मजा ज्यादा आएगा है ना तो अब जैसे मान लीजिए आपके टेबल पर एक टेबल क्लाथ रखा हुआ है ठीक है टेबल क्लाथ रखा हुआ है यहां गमला है जिसके अंदर फूल है है। और आपके यहां पर किताब है तो आप इतने सुपर एक्टिव है कि आपका जो ये बेड है इससे मुश्किल से एक फीट की दूरी है ये पन फीट लेकिन आप इतने एक्टिव हैं कि आप उतर के थोड़ ना जाते है।, है ना आप उतर के तो जाएंगे ही नहीं, नहीं अगर आप यहां पर लेटे हो आपको लग रहा है ओ हो बहुत देर से मैं पढ़ाई वेस्ट कर रहा हूं टाइम वेस्ट कर रहा हूं पढ़ाई कर लेनी चाहिए किताब वहां पर नहीं पढ़ेंगे यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे तो आप कैसे हो जाते हैं यहां पर मुंडी रहती है और हाथ आपका ऊपर रहता है हा या ना यस इसको करने में आपके पास एनर्जी है लेकिन चलने की एनर्जी नहीं होती है दिल बनाना इस बात पर या ना ये आप सभी लोगों ने किया है और मैंने अपने भाई बहनों को और अपने भी करते हुए देखा है ठीक है कि अगर आपको कोई भी चीज उठानी है तो ये नहीं कि यहां से उतरें एक फीट चलें सामान उठाएं और ले आए तो आप क्या करते हैं इस पर हाई लेवल की जिम्नास्टिक पोजीशन रख के ठीक है इसको उठाने की कोशिश करते हैं हस क्या रहे हो आप सभी लोगों का आलस के बारे में मैं बता रहा हूं है ना और अब आपने क्या करा ध्यान से सुनना अब आपने क्या करा इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया क्योंकि आपको तो ये चाहिए और फ्रिक्शन विक्शन आप कहां जानते हैं तभी तो यहां पर बैठे हैं ठीक है थीके? आपने ब्लॉक को खींचने की कोशिश करी कई बार क्या होता है नीचे वाला कपड़ा भी खिंच जाता है हाँ या ना? यार अरे बोला यार हाँ ये सभी ने किया है क्योंकि आप सभी लोग काम चोर है ठीक <laughs> है पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो ये चीज करी है इसमें हमारी कम एनर्जी लगी रेदर देन अगर मैं खुद खड़े होके जाता तो मेरी ज्यादा एनर्जी खर, खर्च हो जाती ये कम एनर्जी वाला है पता नहीं ऐसा क्यों लगता है यस अब जरा ये सोचना इस ऊपर वाले ब्लॉक पर तो आपने फोर्स लगा दिया तो नीचे वाला क्यों मूव करा होगा सोच के बताना ये ऊपर वाले पर तो आपने फोर्स लगा दिया तो नीचे वाला क्यों मूव करा होगा इसके साथ कभी कभार जो ये टेबल क्लॉथ है ये भी मूव कर जाता, जाता। है सोच के बताना हम्म बताइए 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 हम्म क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना फ्रिक्शन ही लेके आया होगा और कोई लाही नहीं अगर स्मूथ होता ये हंड्रेड परसेंट स्मूथ होता आप उठाते यही उठ के आता और आप इस पोजीशन में पहले किताब अब ये भी है बच्चे इसके बाद रुकते नहीं है ये किताब लाते अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पीछे चले जाएंगे किताब नीचे रखेंगे यहीं पर फिर अपना ये वाला हाथ इधर रखेंगे फिर पीछे जर्क देने की कोशिश करेंगे कि हम उठ जाएं फिर अब उनको समझ आ रहा था गिर भी सकते तो वो जर्क देते हैं और किसी तरीके से आके ऐसे बैठ जाते हैं फिर ऐसे यहां पर बैठ गए अब देख रहे अरे किताब तो नीचे रह गई <laughs> किताब तो नीचे रह गई फिर क्या करते हैं फिर यहां से कुछ डंडी वंडी उठा करके इसको पास लाते हैं फिर यहां से फिर झुक के इस किताब को ऊपर ले जाके यहां पर लेटते हैं और फिर किताब ऐसे रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं और तब तक इतनी एनर्जी लग चुकी होती है कि सो जाते हैं <laughs> है ना आ वेट ज्यादा है अचानक ऐसे उठाएंगे उठा करके जमीन पर रख देते अगर ऐसे करके पीछे आ सकते तो बहुत सही था यस यस है ना आ बहुत सही तो अब मैं आपको यहां पे फ्रिक्शन के बारे में बता रहा था भले ही आपके कामचोरी के बारे में लेसन कन्वर्ट हो गया लेकिन जब आपने इसको खींचा तो ये इसके साथ इसलिए आया बेटा क्योंकि इस पे ऊपर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस पर फ्रिक्शन ये इधर चलना चाहता तो है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा एक्शन है तो रिएक्शन आगे लगेगा क्लियर यस तो टू ब्लॉक सिस्टम के लिए ना थोड़ा सा आपको ये चीजें याद रखनी है ठीक है जरा देखना कैसे करा जाता है टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन को ठीक है इस पे दो तीन क्वेश्चन आपको पीवाई क्यू मिलेंगे एक मैंने छोड़ रखा है एक बाद में है आपको मिल जाएगा सबसे पहला स्टेप है इनके फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो यहां पर है बेटा आपका टू जी यहां है नॉर्मल ध्यान से सुनते चलना बेटा ठीक है यहां पर आपका फोर जी अब नीचे स्मूथ है बिल्कुल यहां पर आपका क्या है बिल्कुल स्मूथ हमें बताना है एक ऐसा फोर्स लगाओ कि जहां पर ये स्लिपिंग हो जाए ठीक है तो देखना कैसे किया जाता है फोर जी जमीन से एक नॉर्मल मिलेगा और एन वन कह देता हूं और ये वाला नॉर्मल आपको यहां बनाना होगा सबसे पहले इन सवालों में सबसे पहले इन सवालों में आपको क्या करना होता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो जरा देखना एन की वैल्यू ठीक है एन की वैल्यू आपके लिए क्या रहेगी बेटा एन की वैल्यू यहां हो जाएगी टू जी ट्वेंटी और एन वन की वैल्यू आपके लिए होगी फोर जी प्लस एन तो ये आपका आ जाएगा 60 हाँ या ना सारे बच्चे थम्स अप करेंगे ध्यान से रहना वेरी गुड यार कई सारे बच्चे वापस आ चुके हैं लव यू बेटा ठीक है सबसे पहला मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा इसको चीजों को समझना यहां पर आपका फ्रिक्शन है अभी यहां पर आपका स्मूथ दे रखा है तो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग यहां पर फ्रिक्शन के पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है ट्वेंटी का और जमीन से आ रहा है सिक्सटी का तो इधर आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्स तो जरा ये देखना वो होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल पॉइंट थ्री इन टू एन वन की अगर आप एन की बात करेंगे ठीक है तो एन है आपका ट्वेंटी तो 6 न्यूटन का हो सकता है क्लियर कई बच्चों का जवाब आते हुए वेरी गुड वेरी गुड फ्रिक्शन की सभी जगह करूंगा जितने भी केसेस लूंगा सभी जगह करूंगा सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सर अगर इधर स्मूथ ना हुआ इधर भी लूंगा आगे देखना अब आप देखना सबसे पहले एक ऐसा फोर्स मानना क्योंकि स्मूथ है मैं अगर हल्का सा भी फोर्स लगाऊंगा तो सिस्टम चलने लगेगा हा या ना इफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो Both block will move. ये अगर आपने स्टेप फॉलो कर लिया कभी दिक्कत नहीं आएगी ब्रोथ ब्लॉक विल मूव हा या ना? गुड yes? तो मैं ये कह सकता हूं ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन इसको लेके जा रहा है इसका फ्रिक्शन बेटा यहां है और आपने फोर्स लगाया है यहां और दोनों कॉमन एक्सलरेशन एसी से चल रहे हैं. पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप में दोनों को एक साथ ले जाने की बात करना तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू इसका मास इंटू ए और इसका हो जाएगा बेटा f माइनस एफ इज इक्वल टू फोर इंटू ए दोनों एक साथ चल रहे हैं बेटा तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू सिक्स इंटू ए ए की वैल्यू आ गई एफ बाई सिक्स यस वेरी गुड अब जरा देखना जैसे आपके पास एक्लरेशन आ जाए लास्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आप इस एसलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए एफ इक्वल टू टू ए में रख दीजिए तो आप यहां पे कहेंगे एफ इज इक्वल टू टू इन टू एफ बाई सिक्स एफ इज इक्वल टू एफ बाई थ्री देखना अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा तो तो बट तो इसकी एक लिमिट है एंड दैट लिमिट इज इक्वल टू सिक्स न्यूटन इससे ज्यादा फ्रिक्शन अलग नहीं सकता है ठीक है तो जैसे आप यहां पर रखोगे फोर्स एट विच स्लिपिंग विल स्टार्ट स्लिपिंग जो स्टार्ट होती है अगर आप देखें तो आप यहां पर कहेंगे सिक्स इक्वल टू एफ बाई थ्री और एफ की वैल्यू आ जाएगी अट्ठारह न्यूटन मतलब अगर आपने यहां पर 18 न्यूटन लगाया तो इन दोनों की, इन दोनों दोनों की के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी क्लियर आंसर मोर देन 18 वेरी गुड मैम मैं रिपीट कर रहा हूं सारे बच्चे ध्यान से सुनना ठीक है कभी भी अभी दूसरे केस में यहां पे भी मैं रफ लूंगा समझना तो मैंने यहां पर क्या बात बोली कि अगर मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाऊंगा ना नीचे स्मूथ है तो ये दोनों चलने लगेंगे इसको कौन लेके जा रहा है फ्रिक्शन लेकिन फ्रिक्शन जैसे जैसे चलेंगे तो फ्रिक्शन इसको एक्सलरेट कराएगा लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है छह न्यूटन तो मैंने कहा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो फिर इनके इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से दोनों को साथ मानते हुए चलो जैसे ही दोनों साथ चलेंगे तो एफ इक्वल टू टू एफ माइनस एफ इक्वल टू फोर ए ए की वैल्यू आई ए की वैल्यू आती फ्रिक्शन के किसी भी इक्वेशन में रख दो ये आई मैंने कहा अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करूंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा मैं फिर से एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करूंगा तो फ्रिक्शन फिर से बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट है इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता तो छह न्यूटन रखते ही आपका वो फोर्स आ जाएगा जहां फ्रिक्शन लिमिटिंग पर आ गया और जैसी फ्रिक्शन लिमिटिंग पर आता है स्लिपिंग हो जाती है क्लियर क्लियर हाँ क्लियर सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं गिव अप मत करना यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि बैच में रिवीजन होगा अब कर रहे हो यहां पर से तो यहीं से करके खत्म करो ना सेम ही चीज वहां मिलेगी आपको आधा करके छोड़ने की आदत कब छोड़ोगे भाई ठीक है हाँ जरा इसका अगला केस देखते हैं जहां पर अब जमीन पर भी फ्रिक्शन आ गया थोड़ा सा तो पहले आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बेटा यहां आपका होगा ट्वेंटी यहां होगा एन यहां होगा आपका फोर जी यहां आपका होगा एन और जमीन से भी इस बार नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा दैट इज एन वन मेरे को सारे बच्चे बताना ठीक है मेरे को सारे बच्चे बताना कि दोनों दो सरफेसेस हैं वन एंड टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देखना अभी यहां पर भी गड़बड़ कर देंगे एफ एम मैक्स वन कितना होगा एफ एस मैक्स टू कितना होगा लेट्स सी कौन कौन सही निकाल देता है बताइए 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 सर एफ इक्वल टू टू ए कैसे हुआ

और यहां पर हो जाएगा पॉइंट सिक्स इंटू एन वन भाई गर्मी क्यों है एसी चला देना थोड़ा सा ठीक है तो ये हो जाएगा छत्तीस न्यूटन इक्कीस का यही आ रहा है सिक्स एंड थर्टी सिक्स वेरी गुड मेंटेन रहना बेटा मेंटेन रहना ठीक है यस या अब बताना कितने फोर्स पर ये दोनों चलने लगेंगे कॉमन सेंस भाई देखो टू ब्लॉक सिस्टम कोई रट के कर लेगा मैं तो ये मानता हूं कि गलतियां फिर होंगी मैं नीचे वाले बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं ऊपर वाली बॉडी आपकी यहां है ये दो के की ये चार के की ये जब दोनों साथ चलने लगेंगे तभी तो ऊपर फ्रिक्शन आएगा पहले ये बताइए मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये दोनों चलना स्टार्ट करें अब कॉमन सेंस चाहिए हाँ, कोई कह रहा है फोर्टी टू कोई कह रहा है फिफ्टी फोर कोई कह रहा है थर्टी अरे पगले हाँ अब आ रहा है एक न्यूटन लगाया रोक लगा लेगा चलेगा क्या नहीं दो न्यूटन लगाऊंगा दो न्यूटन लगा के रोक लेगा तीन लगाऊंगा तीन लगा के रोक लेगा खुद सोचिए जब आपका एफ इज ग्रेटर देन थर्टी सिक्स न्यूटन होगा बोथ विल स्टार्ट मूविंग दोनों स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के साथ चलना कॉमन एक्सलोरेशन तब होगी आ, से प्लस वेरी गुड ठीक है तो छत्तीस से नीचे तो चलेगा ही नहीं भाई यही रुका ही रहेगा और जैसे ये चलना स्टार्ट करेंगे तब आपका फ्रिक्शन क्या होगा एफ और तब आपका फ्रिक्शन होगा एफ और यहां पर छत्तीस फिक्स हो जाएगा ये गलती बच्चे कर देते हैं यस सैटिस्फैक्ट हो जाएगा ना काइनेटिक फेज में आ गया काइनेटिक फेज में आते यही फ्रिक्शन कांस्टेंट अब इक्वेशन बना दो इक्वेशन जरा देखना यही फ्रिक्शन इसको लेके जा रहा है तो f इज इक्वल टू 2a इसके लिए f minus f minus 36 इज इक्वल टू 4a जैसे आप इक्वेट करो वो ऐड करोगे तो इक्वेशन आएगी f minus 36 equal to 6a और a की बात करोगे f minus 36 6 मैंने क्या बोला जैसी आपकी कॉमन एक्सप्लेशन आए एक इक्वेशन में डाल के फ्रिक्शन निकालो तो एफ की वैल्यू कितनी आई बेटा एफ की वैल्यू आई टू इंटू ए तो एफ की वैल्यू आ जाएगी की वैल्यू थी एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स अब ये रिलेशन आ गया अब देखना अगर मैं ये वाला फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा ये वाला फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा ये वाला फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा लेकिन इसकी तो एक लिमिट है ना भाई उसके बाद तो ये स्लिप करने लग जाएगा इसकी लिमिट थी छे न्यूटन तो मैं इसको सिक्स वैल्यू निकाल लेता हूं कि कब इनके बीच में स्लिपिंग होगी वेन स्लिपिंग वेन ए विल स्लिप जैसी ए स्लिप होगा इस फ्रिक्शन की वैल्यू छे हो चुकी होगी तो आप यहां पे रखेंगे थ्री हुआ ये अट्ठारह इक्वल टू एफ माइनस थर्टी सिक्स एफ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस एटीन तो आठ और छह चौदह तीन चार पांच फिफ्टी फोर न्यूट्रन किस किस का आ गया था दिल बनाओ वेरी गुड मेंटेन रहना बेटा यही चीज अकेले करने में घंटों लगेंगे घंटों ठीक है लगे रहो लड़ते रहो बस ठीक है वेरी गुड समरी क्या है पहले इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन निकाल के सेकंड स्टेप एफ मैक्स हर जगह के निकालेंगे फिर हम एनालाइज करेंगे कि यार कितने फोर्स में दोनों चलेंगे जैसे आपका चलने लगे कॉमन एक्सलेशन लेके आप दोनों के निकाल ए निकाल ए निकाल के में डाल दीजिए फिर जैसे आंसर आ गया क्लियर क्लियर सर माइनस थर्टी सिक्स क्यों लिया माइनस थर्टी सिक्स कहा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये पॉइंट थ्री और यार ये वाला सेम कर दिया क्या ओहो। चलो इसके बाद ये अरे ओहो यार रुको इसमें नीच अच्छा ये इस बार ऊपर पे लगाया फोर्स ठीक है ठीक है इस बार हमारा फोर्स ऊपर है बेटा हम्म यश हाँ इस बार फोर्स आपका कहां है ऊपर फोर्स ऑन अब ब्लॉक अब बताना है किस फोर्स पर ए स्लिप हो जाएगा बोलिए 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 अब सबसे पहले बताना ये तो वही किताब किताब वाली बात होगी आपने किताब पर फोर्स लगाया और नीचे की चादर मूव करके आ गई पहले तो मेरे को यह बताना कि इनके फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन इनके कहां, कहां लगेंगे अगर आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन कहां, कहां लगेंगे लेट्स सी कौन कौन सोच पाता है इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा ठीक है ये आया नॉर्मल ये आया नॉर्मल और जमीन से आपका है एनमल यहां पर आपने फोर्स लगाया है एफ एन वन की वैल्यू वही ट्वेंटी आएगी एन टू एन की वैल्यू ट्वेंटी आएगी और एन वन की वैल्यू आपकी सिक्सटी आ जाएगी फ्रिक्शन कहां कहां लगेगा सर लिमिट फिक्स कैसे करी अरे मेरे अंटर पंटर नहीं रिवाइज किया होते तो खत्म ही हो गए होते इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है छे जैसी यहां पर फ्रिक्शन छे पहुंचेगा ये चल जाएगा तो मैंने वही तो रखा कि ये स्मॉल एफ किसका फ्रिक्शन है भाई इन दोनों के बीच में तो मैंने कहा बेटा कि ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ाओगे तो बढ़ेगा तो ये लेकिन इसकी लिमिट क्या है छे जैसी रख के वो फोर्स निकाल लिया इस फोर्स को लगाओगे तो सिस्टम इतनी एक्सलरेशन से चल रहा होगा कि फ्रिक्शन छे पर पहुंच चुका है इससे हल्का सा ज्यादा करोगे स्लिपिंग हो जाएगी ठीक है हल्का सा ज्यादा करोगे स्लिपिंग हो जाएगी ओनली अगले बच्चे अच्छा ऊपर वाले सरफेस पे वेरी गुड यार जरूर देखो नीचे स्मूथ है ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा फ्रिक्शन इस पे इधर लगने की कोशिश करेगा एक्शन है तो रिएक्शन भी है लेफ्ट एंड राइट हाँ वेरी गुड आप किताब को खींच रहे हो चादर नीचे से क्यों आएगी क्योंकि फ्रिक्शन लेके आएगी अगर फ्रिक्शन इसको लेके आ रही है एक्शन है तो रिएक्शन ये वेरी गुड वेरी गुड जरा ये देखना कि अगर मैं एफ एस मैक्स वन निकालू तो ये आपका हो जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट थ्री तो टू आता छ न्यूटन का अब क्वेश्चन ये बोला है किस फोर्स पर स्लिपिंग होगी तो मैंने कहा हल्का सा फोर्स लगाओगे चल देंगे इक्वेशन दोनों का जरा देखना ये रहा आपका फ्रिक्शन और ये रहा ए ये रहा, ये रहा आपका एक्सटर्नल फोर्स ये रहा आपका फ्रिक्शन ये रहा आपका फ्रिक्शन ऐसे और दोनों स्मूथ सरफेस पे है ऐसे ही चल रहा है सर हाउ एन वन इक्वल टू सिक्सटी बड़ा हाई लेवल डाउट आया है रे रात को इसको भाई ये इक्विलिब्रियम में है टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स मतलब डाउट बना रहे क्या जबरदस्ती कि दूसरे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं ऐसा नहीं करते बेटा सोच भी ले थोड़ा सा ठीक है ये ये दोनों साफ इक्वल टू टू ए इसकी इक्वेशन आएगी बेटा एफ इक्वल टू फोर ए जैसी आप एड करोगे एफ इक्वल टू सिक्स की वैल्यू की बात करोगे एफ बाई सिक्स उठा करके यहां डाल दो तो आपका इसको यहां डाल दो तो आपका एफ की वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू एफ बाई सिक्स एफ इज इक्वल टू टू एफ बाई थ्री देखना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ाओगे बढ़ेगा बढ़ाओगे बढ़ेगा लेकिन भैया इसकी लिमिट है इसकी लिमिट है छे। तो तब हमारे पास स्लिपिंग हो जाएगा फोर्स की वैल्यू आ रही होगी नौ न्यूटन वेरी गुड आप नाइन बता रहे थे नौ से हल्का सा ज्यादा बस उस पर स्लिपिंग हमारे हो जाएगी क्लियर है क्या यस यस तो इसके बाद मैं आपको ये वाला होमवर्क दूंगा ठीक है ये आपके जेई मे दो का सवाल है वैसे ही हमारे पास ये आपको होमवर्क ट्राई करना है क्लियर मैं रिपीट करा देता हूं ठीक है घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे एंटरपेंटर समय दीजिएगा और समय देंगे तो समय को इज्जत देंगे इज्जत देंगे तो वापस इज्जत देगा समय जब आपका रैंक आएगा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले ड्रॉ एफबीडी ठीक है ड्रॉ एफबीडी एंड कैलकुलेट कैलकुलेट एफ एस मैक्स ऑन बोथ सरफेस अगर कहीं स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं बोथ सरफेस ठीक है सेकेंड स्टेप ठीक है सेकेंड स्टेप हमारे पास कंसिडर दैट फोर्स कंसिडर दैट फोर्स एट विच बोथ स्टार्ट मूविंग बोथ स्टार्ट मूविंग विथ कॉमन एसलरेशन विथ कॉमन एक्सलरेशन दोनों एक साथ चल रहे हो वैसी कंडीशन बनाइए क्लियर फिर हमारे पास राइट दी इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों की इक्वेशंस को आप लिखिए क्लियर फिर आप ए निकालिए पुट इन एनी इक्वेशन एनी इक्वेशन टू फाइंड एफ फ्रिक्शन को आप कैलकुलेट आउट कर लीजिए फॉर स्लिपिंग पर स्लिपिंग की स्लिपिंग हो जाए आप फ्रिक्शन की वैल्यू को एफ एस मैक्स जैसे ही रखेंगे आपको वो फोर्स मिल जाएगा जहां पर स्लिपिंग हो जाएगी क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे दिल बनाइए हां क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे दिल बनाइए क्लियर क्लियर हाँ सर एक्सलरेशन तक समझ आया पर उसके बाद नहीं जरा ये समझना जैसे आपने यहां पर एक्सिलेशन निकाल ली ना बेटा लियालरेशन निकाल किसी भी इक्वेशन में डाल के फ्रिक्शन फ्रिक्शन निकाल लो friction और फोर्स के बीच का टर्म का रिलेशन चाहिए अगर आप जैसे ये रिलेशन निकाल रहे हो ना इसको समझना इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहां पर फ्रिक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो निकाल रहा हूं आपको पता है ये छ न्यूटन पर ही स्लिपिंग होगी तो मैंने कहा यार फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा जब ये स्लिपिंग होगी एफ की वैल्यू सिक्स रख दो फोर्स आ गया खत्म क्वेश्चन क्लियर यश तो ये आपका कंडीशन रहेगा अब आते हैं हम लोग सर्कुलर काइनामेटिक्स पर आइए 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 यश हाँ अगर हमारे पास समय बचेगा हम काफी सारे बेटा देखो मैं आपके पास आपको बता देता हूं ठीक है कुछ बच्चे चेन प्रॉब्लम्स कह रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं चेन प्रॉब्लम में लाया भी था ठीक है समय का कंस्ट्रेंट है चेन प्रॉब्लम है वर्टिकल वॉल के साथ आप लगा के क्वेश्चन करने का था और हमारे पास ये एच सी वर्मा का ये बहुत अच्छा सवाल है जेई में भी आ चुका है ठीक है ये मैंने भी रखे हुए हैं अगर आखिरी में हमारे पास समय बचेगा तो डेफिनेटली वी विल डू अदरवाइज कंसेप्ट हम लोग बता चुके हैं आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा क्लियर हम्म क्लियर हम्म बोलो भाई होमवर्क hmm. का आंसर मेरे को पता नहीं एक बार आप सोल्व करिएगा आइए अब सर्कुलर की बात करते हैं लास्ट पार्ट पे आ चुके देखो भाई हमारे पास जब भी सर्कुलर मोशन की बात होती है तो कोई भी बॉडी अब सारे बच्चे सीरियस रहना देखो भाई कितने बच्चे बच्चे अभी भाग कितने गए हमारे छ तीन सौ हाँ तो हमारे पास सात सौ आठ सौ बच्चे फिर से भाग चुके हैं हो सकता है बीच में आए भी कुछ दिक्कत विक्कत हुई हो ठीक है आ जाएंगे वापस मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि आप लोग आखिरी चरण तक आए हैं वही बात होती है किसी भी चीज को शुरुआत करने में बिल्कुल दर्द नहीं होता उसमें जोश होता है और खत्म करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए हो, होता है ठीक है तो आप सभी लोग पहले यह बताइए बीस तीस लोग अभी अचानक से भाग के <laughs> पता नहीं कैसे आ जाते में तो हमेशा फायदे में रहोगे ठीक है मैं बस यही देखना चाहता हूं देखो अब देखो अस्सी लोग और आ गए

है ना देखा मेरे को पता है भाई आई नो दी अलगम यस अभी मैं थोड़ा सा अभी मैं एक थोड़ी सी चुटकुले बांध रहे लग जाऊ नौ सौ तक पहुंचा सकता हूं मैं मुझे पता है दो मिनट की बकवासपंथी सारी की सारी जन जनता ऐसे मक्खी के जैसे आ जाएगी देखो अब बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा आई नो यू यार खून के ना रग रग से मैं बात की हूँ ठीक है हमारे कॉलेज में एक कहानी मैं आप सभी लोगों को बताता हूं ठीक है जब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में थे ना तो हम सारे लोग इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड थे कि यार पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी क्या होगा तो हम सारे लोगों ने देखो 900 पहुंच गए बस होगी कहानी यही थी मैं बस बुला रहा था इनको ठीक है आ जाओ देखो हंसरा मेरे को पता है भाई ये ऐसी है ठीक है ये ऐसी है अभी देखो, हाँ देखो आगे ना नौ सौ ग्यारह हो गए ना मैं पता नहीं इनके पास कैसे खबर जाती है ये ठीक है अभी मैं दो गाना गाऊ मैं अभी बारह तक पहुंचा सकता हूँ बंदों को बस पढ़ाई नहीं करानी है ठीक है बस पढ़ाई नहीं करानी है मैं बकवास करता रहूंगा ये सारे मक्खी के जैसे आ जाएगा जाएंगे सर के सारे एंटरप्रेंटर ठीक है हाँ देखो नौ सौ बारह अभी पांच मिनट और बोलने तो छ हजार पहुंचा देंगे वापस ये ये इनके साथ ना हमारा माइंड टू माइंड का कनेक्शन है जैसी मैं यहां बकवास करता हूँ इनको लगता है अरे राजवंश सर कहीं बुला रहे हैं जल्दी से आ जाओ सर तो शाम को वहां क्लास ले रहे थे ठीक है ये जल्दी से आ जाएंगे वापिस पता नहीं क्या हमारा माइंड टू माइंड का कनेक्शन है या दिल टू डे देखो छ हजार हो बोला था ना बस पांच मिनट बकवास करनी अभी पढ़ाऊंगा देखना पांच सौ भागेंगे इनको कैसे पता लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं यहां पर ये हमारे भाई साहब तरंगे निकल रही है यहां से ठीक है और जब ये तरंगों की बात होती है ना तो ये सारे के सारे हमारे एंटरप्रेंटर वापस इकट्ठा हो जाते हैं जैसे होता है ना एवेंजर्स असेंबल नहीं एवेंजर्स असेंबल कराता कौन असेंबल कराता था ठीक है वैसी ही है ठीक है ये शक्ति है भाई हमारे पास ये कोई डिकोड नहीं कर पाया कि कैसे होता है ठीक है ये हमारे पास शक्ति है हमें पता है कि हमारे इंटरप्र क्या कर रहे हैं ठीक है और कैसे उनको बुलाना है <laughs> देखो सिक्स वन हो चुके हैं यस हाँ ना सॉरी बेटा आपको बुला लिया यहां कुछ नहीं चल रहा है पढ़ाई की बात चल रही है आप जाइए जाइए देखो थोड़ी देर और ये सात हजार पहुंचा देंगे ठीक है हाँ चलो 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 लेट इट बी लेट इट बी अभी बस ये ऐसी होता है भाई मैं जानता हूं ठीक है मेरे को बस ये नहीं समझ आता कि अगर ये लोग YouTube पे लेक्चर नहीं देख रहे हैं ठीक है तो ये कहीं और थे इसका मतलब इनके पास ऐसे कैसे इंफॉर्मेशन चल जाती है सर बकवास करना स्टार्ट कर चुके चलो मजे लेंगे ठीक है कैसे पता लगते आई डोंट नो ठीक है लेकिन लेट इट बी तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना ठीक है सर्कुलर मोशन की बात करेंगे पांच सौ तो भागेंगे सिक्स पॉइंट टू हो चुके हैं कहां तक तो पहुंचाना है बताओ अभी अलग सर को मैंने अपनी शक्ति बताई नहीं है कि भाई साहब ऐसे बढ़ा सकता है बंदा भी उस <laughs> बता दूंगा तो मेरे को बैच से निकाल के यूट्यूब पे डाल देंगे मुझे पढ़ाना नहीं है यूट्यूब पे बस यही है हाँ hmm. सीरियस ही है यार दो मिनट तो थोड़ा हंसी मजाक करने दो हम्म hmm. youtube टीम वाले भी देख रहे होंगे अरे ऐसा भी कुछ एल्गोरिथम होता है क्या राजवंश सर एल्गोरिथम आ जाओ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे लास्ट चरण है हमारे पास हम्म ये क्या कह रहा है देखो यार कोई भी बॉडी को अगर आप एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रख के घुमाना स्टार्ट करते हैं तो जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन हमारे पास ये सेंटर है और इस सेंटर से आपकी जब बॉडी घूमेगी बेटा आ ही गए हो बकैती के नाम पे तो थोड़ा सा पढ़ लो नया चीज स्टार्ट हो रहा है काइनमेटिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आसान है ठीक है तो जब आप आर रेडियस पर फिक्स करके इसको घुमाने की बात करते हैं तो इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं ठीक है एक आपके लिए ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन होता है जहां पर पार्टिकल सीधा सीधा चलता है और अगर पार्टिकल गोल घूमने लग गया दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन ठीक है तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो ये एंगल ट्रेवल करता है ठीक है ये हमारे पास एंगल ट्रेवल करता है तो कुछ टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा पार्टिकल की पोजिशन चेंज होने से हमारे पास आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पढ़ा फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलोरेशन पढ़ा सेम चीजें यहां पर होती है ये पार्टिकल थीटा एंगल इस प्रकार से घुमा है तो थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर समेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है हमारे पास और इसकी आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से देखिए कोई भी सर्कुलर मोशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज दो ही ऑप्शन है तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप इसका अगर पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है तो इसका थीटा आप कहां लिखेंगे ऐसे ठीक है अब इसमें भी केस होता है स्मॉल एंगल के लिए वेक्टर होता है लार्ज एंगल्स के लिए स्केलर बन जाता है उसको हटा देते हैं हमारे काम की चीज यही है तो दीज आर एक्सियल वैक्टर्स अगर आपने वैक्टर्स पढ़ा होगा ये एक्सिस पर लगते हैं बेटा मेंटेन रखना बस थोड़ा सा पार्ट और है आखिरी में गिव अप करके फिर से खुद से करने में ज्यादा टाइम लगेगा प्लीज आप इस चीज को मेंटेन रखिएगा ठीक है एंगुलर डिस्प्लेस कितना एंगल पार्टिकल ने चला दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जब पार्टिकल चल रहा है तो आपने कभी कभार पंखा चलाया होगा तो पंखे में क्या होता है पार्टिकल स्पीड पकड़ता है और फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमने लगता है अगर मैं एंगल के टर्म में बात करूं तो एक और रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डी थीटा dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इसको हम क्या कहते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर सेकंड की और इसका यूनिट रहता है बेटा हमारे पास रेडियंस का ध्यान से सुनना और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस कई बार आपको जरूरत पड़ेगी तो इसका भी

ठीक है विच एक्ट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच एक्ट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन उनको हम एक्सल वेक्टर्स कहते हैं इनकी डायरेक्शन आप कहां बनाते हैं एक्सिस पर ठीक है तो जरा देख समझना आप सभी लोगों ने ओमेगा एवरेज भी पढ़ा होगा जैसे वेलोसिटी एवरेज होता था टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वैसे ही टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन दिस इज ओमेगा एवरेज सारे बच्चे बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हुई अब किस किसी ने काइनेमेटिक्स की क्लास करी थी जरा एक बार दिल बनाओ आई वॉन्ट टू सी कि कितने बच्चे भैया यहां पर सीरियसली इस लास्ट स्टेप को भी अपना एक रिवीजन का सही मोड मानते हैं सारे बच्चे मेरे को बताना किन किन बच्चों ने लास्ट जो काइनामेटिक्स की आपकी क्लास कराई थी सर ने सर ने भी बहुत मेहनत करी आप लोगों पर आप में से कौन ऐसे बच्चे अभी क्योंकि अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट सिक्स के आसपास बच्चे बचे हुए आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चों ने देखी है करी है ना मेहनत और वो मेहनत आपकी जाया नहीं होगी आज आपको यह चीज पता लग जाएगी अब अगला वाला पार्ट आपके लिए बिल्कुल मक्खन के जैसा है बिल्कुल सेम एस काइनामेटिक्स जो चीज आप वहां एक्स के लिए कर रहे थे यहां थीटा हो जाता और कुछ नहीं यूनिट रेडियंस रहती है

अगर आपको एवरेज एक्सलेशन निकालनी है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ओमेगा ओमेगा ये सारी कहानी आपकी बिल्कुल वैसे ही है सारी कहानी आपकी बिल्कुल वैसे ही है ठीक है अगर आप इसके यूनिट की बात करेंगे बेटा तो इसकी यूनिट थी रेडियंस पर सेकेंड इसकी होती है रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर क्लियर वेरी गुड वेरी गुड हाँ अब जरा यहां पर ध्यान से देखना इसमें कुछ दो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है ठीक है हमारे पास ओमेगा अगर वन कंप्लीट रोटेशन की बात करूं कई बच्चे अभी गलत करेंगे क्वेश्चन को वन कंप्लीट रोटेशन की बात करूं तो ओमेगा होगा टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन तो टोटल एंगल होता है टू पाई रेडियस डिवाइड बाई टी किस किस को ये याद आ रहा है ओमेगा होता है टू पाई बाई टी या फिर टू पाई न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में यस और नो बेटा कितने बजे तक चलेगा डजन मैटर रेलिवेंट चीजें हमें खत्म करके जानी है आज ठीक है सारे बच्चे यस और नो राइट वेरी गुड नोट करना बेटा एक टर्म आपका आता है रेवल्यूशन पर मिनट जब बच्चों से पूछा जाता है ना इतने आरपीएम से बॉडी घूम रही है तो ये क्या है तो बच्चे जल्दी समझते हैं ओमेगा दे रखा है नो दिस इज नंबर ऑफ रेवल्यूशन पर मिनट समझना दिस इज आरपीएम एंड आरपीएस ये दोनों ही आपकी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है आरपीएम एंड आरपीएस कितने रेवल्यूशन पर सेकेंड वेरी गुड वेरी गुड यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसको ओमेगा लेने की गलती मत करना जई मीन में, में कई बार सवाल आए जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है थ्री सिक्स तो इसको आप करेंगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी आर पी एस एक सेकेंड में छूश हो रहे होंगे एक सेकेंड में अगर वो छ रेवोल्यूशन कर रहा है तो एक मिनट में 360 रेवोल्यूशन करेगा उसको कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट दिस पर सेकेंड और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब आप ओमेगा निकाल सकते हैं टू पाई सिक्स ट्वेल्व पाई रेडियंस पर सेकेंड ये आपका आया ओमेगा सारे बच्चे दिल बनाइए बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ या नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड ठीक है तो ओमेगा जो आपने टू पाई बाई टी रखा है फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन नंबर ऑफ ऑसोलेशन पर यूनिट टाइम वन अपॉन टी तो मैं इसको टू पाई न्यू लिख सकता हूं कई बार क्वेश्चन में आरपीएम और आरपीएस वर्ड होते हैं तो ये गलतियां मैंने होते हुए देखी बच्चे उसको ओमेगा ले लेते हैं लेकिन ओमेगा नहीं होके वो क्या रहता है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने कह दिया तीन सौ एक मिनट में हो रहे तो एक सेकंड में कितने होंगे बटे साठ तो सिक्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिस इज दूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको बोलूं कोई बॉडी छ रेवल्यूशन एक सेकंड में कर रही है इसका ओमेगा कितना होगा टू पाई न्यू ट्वेल्व पाई रेडियंस पर सेकेंड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बिल्कुल मेंटेन रखना है बेटा अब जरा देखना ठीक है अब जरा यहां पर देखना कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो क्या आपको यह चीज समझ आ रही है जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो कुछ एंगल चलेगा स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताते चलना हा या ना जब कोई पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो ये कुछ एंगल हमारे पास चलेगा हा ना सोच के बताना अब यह रिवाइज करने हैं फॉर्मुले सभी को पता है वीक्वल टू आर ओमेगा या सेंटीपीटल एसोलेशन वी स्क्वायर समझना है ये चीज ठीक है कम टाइम में यही समझ पाओगे अगर आपका बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगर है तो ऑब्वियस बात, बात है बॉडी रोटेट कर रही है है ना बॉडी रोटेट कर रही है तो यहां पर आप समझना ये थीटा वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो इसकी एक ओमेगा है विच इज डी थीटा बाई डीटी मीन्स कितना एंगल चला कितने टाइम में चला देखो भाई मेरा हाथ है मैं यहां से यहां 90 डिग्री घुमाया एक सेकंड में तो आप कहेंगे पाई बाय टू रेडियंस पर सेकंड से आपका हाथ घुमा ऑब्वियस ही बात है जब मैं कह रहा हूं मेरा एंगल चेंज हो रहा है तो क्या मेरा हाथ का जो ये टिप है वो चल रहा है बिल्कुल तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रिलेशन है इसकी विलोसिटी कितनी होगी क्योंकि अगर उमेगा है तो v है समझना अगर उमेगा है अगर उमेगा है तो v है कई बच्चे कहते हैं सर एक पार्टिकल को इतनी सारी वेलोसिटी कैसे हो जाती है आप में से भी कई बच्चों का ये डाउट होगा सर पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और वेलोसिटी भी है ये कैसे हो सकता है ये डाउट आता है कई बच्चों के पास रहता है सर इसके पास टेंजेंशियल एक्सलरेशन भी है अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन भी है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी है सर इतनी सारी एक्सलरेशन कैसे हो गई क्योंकि आपने बेसिक से चीजों को सोचा नहीं अब मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ये क्या बता रहा है कि इसका जो रेडियस वेक्टर है वो घूम रहा है ऑब्वियस ऑब्बियस बात है कि अगर इसका रेडियस वेक्टर कुछ एंगल चल रहा है थीटा एंगल, थीटा एंगल एंगल चल रहा है है टाइम में तो तो ऑब्वियस बात है, ये पार्टिकल के पास हुई होगी तभी तो चलेगा ना यार तो मैं क्या रिलेशन बता रहा हूं कि अगर मेरे को ओमेगा पता है पार्टिकल कितने ओमेगा से घूम रहा है कितना रेडियंस पर सेकंड से हाथ घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी तो समझना रिलेशन बिटवीन डेरिवेशन हमें जरूरत नहीं है रिलेशन बिटवीन वी टेंजेंशियल एंड ओमेगा हमारे पास होता है वी टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर कई बच्चों ने शायद ये ना देखा हो और ये ही इस पर सवाल पूछ चुका है ठीक है वी टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर या वी इक्वल टू आर ओमेगा याद आया सारे बच्चे मेरे को बताइए यस और नो अरे ओ अंजा मोए मोए क्या मतलब है बेटा इसका पढ़ ले इसका ज्यादा मतलब पूछा जाता है एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आईटी में कि मोय मोए मोए जो क्लास में स्पेमिंग चल रही थी उसका मतलब बता दे चार ऑप्शन दिए जाएंगे ठीक है इसका पूछा जाएगा भाई सर ये ओमेगा क्रॉस आर कहां से आया जर देखो ठीक है ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका ओमेगा किधर है आप खुद समझ जाओगे ओमेगा हमारे पास इधर है और आर वेक्टर किधर है इधर है जरा ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन करना ओमेगा और आर ओमेगा क्रॉस आर करोगे वेलोसिटी आपकी ऐसे ही आ रही थी है ना तो ये डायरेक्शन के लिए है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बहुत ध्यान रखना है क्लियर हम्म हाँ सर ये एच वाला ओमेगा बिल्कुल वहां पर फेजर में यही ओमेगा यूज होता है ठीक है तो एक तो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और वी इक्वल टू आर ओमेगा समझना ये क्या बता रहा है बेटा ये टेंजेंशियल जिनको सिर्फ फॉर्मुला रटना है तो भाई कुछ भी कर सकते हो लेकिन समझना वी टेंजेंशियल टेंजेंट की जो उसकी स्पीड है ना वो कितनी है रेडियस इंटू ओमेगा ऑब्वियस बात है जब ओमेगा होगा तभी वी होगा अगर बॉडी का ओमेगा ही नहीं है एंगल ही चेंज नहीं किया तो वी भी नहीं होगा क्लियर नेक्स्ट अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दू ठीक है समझना अगर हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है टॉप व्यू बना रहा हूं ये पार्टिकल आपका यहां से चल रहा है दिस इज योर वी टी जब आप पंखे को ऑन करते हैं तो पंखा स्पीड अप होता है पहला चक्कर वो टू पाई कुछ सेकंड में काटेगा अगला चक्कर टू पाई रेडियंस का कम समय में काटेगा फिर अगला चक्कर टू पाई रेडियंस और सम, कम समय में काटेगा का, तभी आपका फैन स्पीड अप होता है समझ रहे हो तो अल्फा क्या है अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा जब आपका इक्वल एंगल इक्वल टाइम में नहीं चल रहे हैं तब एक्सलरेटेड है समझिएगा मेरी बात को जैसे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी होगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर मैं दो मीटर हर एक सेकंड में चल रहा हूं तो मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वैसी अगर कोई बॉडी घूम रही है वो टू पाई रेडियंस 360 डिग्री हर एक सेकंड में कर रही है यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रही है कोई अल्फा नहीं है वो एक्सलरेट नहीं कर रहा लेकिन अगर एक पार्टिकल तेज हो रहा है या फिर धीरे हो रहा है इसको हम एक्सलरेटेड बोलते हैं ठीक है तो जरा समझना केस ऑफ केस टेंजेंशियल स्पीड केस टेंजेंशियल स्पीड आपकी चेंज हो रही हो अगर आपकी टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही हो तो आपकी एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन रहती है और जिसकी वजह से ओमेगा और इसके बीच में आपका रिलेशन आएगा देखो कैसे आपका था v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका ए टेंजेंशियल आ जाता है अल्फा क्रॉस r सही कई सारे बच्चों ने बात पढ़ी हुई है ए इक्वल टू आर अल्फा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस चेंज नहीं करेगा जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा हजार बच्चे और गिर चुके हैं जितने भी सीरियस बच्चे हैं सारे बच्चे मेरे को बताइए क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं जब भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में जाता है उसका रेडियस एंगल वेरी करता रहेगा तो ओमेगा क्या है कितना एंगल चला कितने टाइम में चला उसको इससे कोई लेना देना नहीं यस yes. v इक्वल टू आर ओमेगा क्या बता रहा है कि भाई अगर किसी का ओमेगा है ना तो v भी होगा ही होगा वो कैसे निकालोगे v इक्वल टू आर ओमेगा से और अगर मेरा हाथ तेजी तेजी से चल रहा है इक्वल एंगल इक्वल टाइम में नहीं चल रहा है एक्सलरेटेड है तो अगर ओमेगा चेंज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली तो अल्फा यहां पर इसकी भी तो स्पीड चेंज हो रही होगी यस स्पीड वैल्यू तो इसकी अगर टेंजेंशियल एक्सलरेशन है अगर ये स्पीड अप कर रहा है तो ओमेगा का भी एक्सलरेशन होगा तो इन दोनों के एक्सलरेशन का रिलेशन है एटी इक्वल टू आर अल्फा क्लियर क्लियर वेरी गुड अब जरा सारे बच्चे देखना हमारे पास इन सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन अगर मैं बात करूं द डायरेक्शन ऑफ विलॉसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग हा या ना द डायरेक्शन ऑफ विलॉसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग जो आपकी डायरेक्शन है ना बेटा वो हमेशा ही चेंज होती रहती है यस और नो ये बताइए भले वो स्पीड अप हो रहा हो या ना हो रहा हो हा या ना यस और नो आई वॉन्ट ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स टू गिव मी द रिप्लाई कि अगर सर सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज हो रही है और न्यूटन ने बोला था कि अगर आपको डायरेक्शन को चेंज कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा समझिए अगर आपका सर्कुलर मोशन है यहां पर आपका पार्टिकल स्पीड से जा रहा है यहां पर आपका पार्टिकल v स्पीड से, से, से जा रहा है तो भैया इसकी डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा है इसकी डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा है वेरी गुड कई बच्चे बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ऑलवेज सेंट्रीपिटल एक्लेशन हमारे पास होती है जो डायरेक्शन के चेंज कराने के लिए होती है न्यूटन ने ही तो बोला था अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स लगेगा तो इसके पास एक सेंटर की तरफ बार बार एक एक्सलरेशन होती है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्लियर है क्या क्लियर है क्या बोलिए भाई यस सीरियस स्टूडेंट प्लीज मेरे मेरे साथ कम्युनिकेट करना जितने भी हैं इनसे कोई मतलब नहीं जब आप ये बच्चे अपने लिए नहीं खड़े तो फिर क्या ही होगा बेटा v square by R. और इसी का आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि के के में में सर वाई नॉट सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल सेंट्री फ्यूगल सूडो फोर्थ होता है आखिरी में पढ़ा होगा अभी आपको देखना ये हमेशा इसको सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन वी स्क्वायर बाई आर एंड आर क्लियर वेरी गुड अब हमारे पास सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं ठीक है सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं कैसे कैसे अब जरा समझ लेना फिर मैं आपको एक समरी दूंगा उसको याद रखेंगे अपने आप क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बनने स्टार्ट होंगे एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे पता लगेगा सर ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है देखो जरा ओमेगा कांस्टेंट मिलेगा वी आपको कांस्टेंट मिलेगा एग्जांपल के तौर पर ओमेगा इज फोर रेडियंस पर सेकेंड वी इज टेंजेंशियल uh, जो वेलोसिटी है दैट इज टू मीटर पर सेकेंड देख के पता लग रहा होगा कि समय के साथ वेरी नहीं कर रहे समय के साथ फोर रेडियंस पर सेकेंड मतलब हर एक सेकंड में फोर रेडियंस घूम रहा है हर एक सेकंड में फोर रेडियंस घूम रहा है ये जब पंखा चलाते हो तो स्पीड अप करता है फिर कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर लव यू बेटा जरा देखना अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे ना ये आपको कैसा दिखाई देगा ऐसे टू 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 ये हमेशा जो उसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस केस में आपका मेरे को बताना टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितना है बेटा सोच के बताइएगा सोच के बताइएगा अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन विच इज अल्फा या फिर डी बाय डी टी ऑफ मॉड वी इसकी वैल्यू का देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस रेट से चेंज हो रहा है अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा वो कितना होगा लव यू जीरो एडवांस का सवाल बनेगा आपका ये आपका एडवांस का सवाल बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं होती है पर टेंजेंशियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा या डी बाई डी ऑफ मॉड वी सर ये क्या कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ऑब्वियस सी बात है लेकिन वैल्यू क्या चेंज हो रहा है नहीं तो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सारे बच्चे बताना इसमें क्या सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगी सेंटीमीटर वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा यस और नो बताइए भाई वेरी गुड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर अल्फा जीरो होता है ऑब्वियस बात है अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो ही होता है ओमेगा कांस्टेंट अगर वी कॉन्स्टेंट वैल्यू वाइज कांस्टेंट है डायरेक्शन तो चेंज करेगी ऑब्वियस सी बात है v तो हमारे पास a टेंजेंशियल आपका जीरो होता है हा क्या सर सेंट्रीपिटल होएगा ऑब्वियसली होगा कौन डायरेक्शन चेंज कराएगा भाई कौन डायरेक्शन चेंज कराएगा सेंट्रीपिटल तो यहां आपका है एसी यहां आपका है एसी यहां आपका है एसी यहां आपका है एसी अगर आप नेट एक्सलरेशन देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वो सेंट्रीपिटल ही होती है बस hmm. सर अल्फा के बारे में बता दो अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अच्छा तुम अल्फा की जगह ना ए समझो यार ठीक है डीवी टी अगर हमारे पास विलोसिटी चेंज हो रही है तो आप एक्सलरेटेड कहते थे सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा चेंज होगा ओमेगा मतलब कितना रेडियंस घुमा पर सेकेंड पहले एक चक्कर में तुम टू पाई रेडियंस घूमे एक सेकंड में अगले चक्कर में टू पाई रेडियंस घूमे पॉइंट फाइव भागे, फिर अगले में टू पाई टू पाई रेडियंस घूमे सेकंड में और तेज भागे तो यहां पर आपका ओमेगा वेरी कर रहा है मींस यू आर एक्सलरेटिंग यू आर स्पीडिंग अप या स्लोइंग डाउन यह आपको अल्फा बताता है बेटा क्लियर क्लियर सर ए टेंजेंशियल रिपीट कर दो बेटा देखना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर यहां से समझ आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है जिसमें आपका ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम हो या फिर वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एग्जाम्पल के तौर पर ओमेगा इज टी स्क्टी या वी या का जो वैल्यू है फोर टी क्यूब समय के साथ आपका ओमेगा चेंज कर रहा है दैट मीनस ये पार्टिकल या तो स्पीड अप कर रहा है या तो स्लो डाउन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब आप पंखे को ऑन करते हैं तो पहले स्पीड अप होता है नॉन यूनिफॉर्म फिर ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे ही आप पंखे को बंद करते हैं फिर ये स्लो डाउन होता है दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर है क्या यस हा सर वन आरपीएम क्या होता है वन रेवल्यूशन एक मिनट में साठ सेकंड में एक चक्कर काटना इज कॉल्ड वन रेवल्यूशन पर मिनट ठीक है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको कैसे दिखता है जरा ये देखिए दो केसेस बना लेते हैं इसके ठीक है दो केसेस बना लेते हैं क्योंकि स्पीड अप भी हो सकता है और स्लो डाउन भी हो सकता है दो केसेस ले लेते हैं ठीक है जरा ये देखना मान लो ये पार्टिकल यहां से चल रहा है ये है टू ये है फोर ये है सिक्स ये है एट ये है टेन ऐसे चलता जा रहा है हमारे पर टी इक्वल टू जीरो के बाद तो ये स्पीड अप हो रहा है और दूसरा अगर मान लो टी इक्वल टू जीरो पर ये था ट्वेंटी ये था एटीन ये था सिक्सटीन ये था फोर्टीन ये था ट्वेल्व एंड सो डाउन ये स्लो डाउन हो रहा है एंड ये स्पीड अप हो रहा है जरा समझना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है जहां पर आपकी टेंजेंशियल स्पीड भी चेंज हो रही हो इधर भी हो रही है और उमेगा भी चेंज हो रहा हो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब बताना क्या टेंजेंशियल एक्सलरेशन विच इज आर अल्फा या फिर डी ऑफ मॉडवी बाई डी टी क्या ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा जितने बच्चे हाँ पांच बच्चे हैं ना यही होता है चलिए कोई नहीं कोई नहीं जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए ही रिस्पेक्ट में पढ़ाएंगे

इधर फोर्स लगाया होगा तभी दो से छ हुआ इधर फोर्स लगाया होगा तभी छह से आठ हुआ इधर फोर्स लगाया होगा तभी आठ से दस हुआ तो आप समझ पा रहे हैं आप टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं और टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका टेंजेंशियल एक्सलरेशन है और डायरेक्शन तो चेंज कर ही रही है बार बार तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है बेटा दैट इज वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर हमेशा रहेगा ये भी कुछ ना कुछ होगा सर yes? अल्फा हाँ. है क्या जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है समझना बेटा आपको जो आंखों से इसकी स्पीड चेंज होती दिखाई दे रही है कि वो टेंजेंशियल एक्सलरेशन है जो उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज करा रहा है ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है समझे पहली बार पढ़ रहे हैं एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है ना तो इसकी बाहर तुम्हें क्या दिखता है तुम्हें अर्थ अगर अराउंड घूम रही तो तुम्हें इस अर्थ की स्पीड दिखाई देती है ये 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 ये, ये तुम्हें दिखाई देती है अगर ये स्पीड तेज हो रही है तो आप कहोगे सर टेंजेंशियल एसलरेशन है इसकी डायरेक्शन कौन चेंज कराएगा भैया फोर्स कराएगा तो सेंट्रीपिटल एसलरेशन है तो सर अल्फा कहा गया अल्फा कहा गया अल्फा तुम्हारे को दिखता नहीं है वो एक्चुअली में ध्यान समझना अल्फा जब अल्फा है तभी टेंजेंशियलेशन है ना मैं कह रहा हूं अगर ये स्पीड करेगा ना तो इसका ओमेगा भी तो चेंज होगा ना यार तो जब भी आपका ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा तो आपका एक्सलरेशन है तो अल्फा एक्चुअली में आपको दिखता नहीं है अल्फा आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको टेंजेंशियल स्पीड दिखाई दे रही है मैं कह रहा हूं अगर टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा भी होगा ये दो दो आपको क्या चाहिए ना सारी चीजें दिखे वो नहीं दिखती आपको सेंट्रीपिटल दिखती है आपको टेंजेंशियल दिखती है बस और इसी वजह से हमारा रेडियस वेक्टर भी घूम रहा है ना तो उसका जो रेट ऑफ चेंज डी ओमेगा बाई टी है दैट इज अल्फा क्लियर और नेट अभी क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा नेट एक्सलेशन इज इन दिस केस इज ए टी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर सारे बच्चे जरा ये देखना ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्लियर स्पाइरल पाथ आपको अभी नहीं सोचना बेटा स्पाइरल पाथ आपको अभी नहीं सोचना है जरा ये समझना ये आपका ऐसी बैच द कॉलम एडवांस में एक सवाल आया था ठीक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा ऑप्शन मैच होना चाहिए सोच के बताइए अब इसमें कई बच्चे रीड ही नहीं कर पाएंगे देखा जाए ये क्या कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी बाई डी टी डी बाई डी टी का मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूं ठीक है जरा सोच के बताना अच्छा क्योंकि किस, -किस तो यह तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा है किसी ने कहना क्या चाह रहा है दिस इज दिस इज डीवी बाई डी टी समझना ये वेलोसिटी है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ये एक्सलरेशन की बात कर रहा है इतना डेप्थ में जाके पूछा था बच्चे को नहीं समझ आ रहा मॉड अंदर बाहर रखने से क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ मॉड भी क्या है सर ज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ विलॉसिटी विलॉसिटी का जो मैग्निट्यूड है उसका रेट ऑफ चेंज मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चेंज ऑफ स्पीड यह आपका टेंजेंशियल एक्सलरेशन हुआ यह आपका टेंजेंशियल अब जरा देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या जीरो होता है सोचना अगर कोई भी बॉडी गोल 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 घूम रही है क्या उसका पास जीरो हाँ तो अगर बॉडी के ऊपर एक्सलरेशन जीरो डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा है चक्चा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होती है टेंजेंशियल नहीं होती तो

R cannot be equal to zero, लेकिन उसका स्पीड जो है, तो है बल्किशियल भी होती है S. किस किस को यह चीज समझ आई दिल बनाओ जिनका टाइम ओवर हो, हो चुका है जाओ भाई कॉम्पिटिशन कम लोगों के बीच में ही होता है स्टार्टिंग की भीड़ सभी पे होती है क्लियर बेटा कल भी मेरी भी क्लास है सुबह ठीक है पीपीटी भी नहीं बनाई है दस बजे सुबह क्लास है मेरी आपकी भी होगी हमारी भी है ठीक है आइए आइए वेरी गुड जरा सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स जरा समझना सेम एज वट एवर यू हैव स्टडी इन काइनेमेटिक्स चैप्टर वहां पर आपका एक्स पोजीशन था यहां थीटा एक्स की जगह आपका थीटा हो जाता है ठीक है वहां आपका डिस्प्लेसमेंट था वेलोसिटी यहां पर ओमेगा बन जाएगी ओमेगा आप एवरेज आपका हो जाएगा थीटा टू थीटा वन टी टू टी वन. अल्फा की बात करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी होगा और अल्फा एवरेज की बात करेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बिल्कुल सेम चीजें चलती है जैसे यहां पर एरिया ऑफ अल्फा टी वैसे पूछा नहीं जाता है अल्फा टी ग्राफ ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल और एरिया ऑफ ओमेगा टी ग्राफ थीटा थीटा फाइनल माइनस इनिशियल किस किस को काइनेमेटिक्स याद आ रहा है दिल बना दो यही सेम चीज पर सर ने आपके साथ दिन रात मेहनत कर दी भैया सारी चीजें वही है एसलरेशन निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम ग्राफ में सर ने आपको पढ़ाया था ग्राफ का एरिया, नहीं, इन देता है। और यहां पर बिल्कुल वैसा चलेगा यार बिल्कुल वैसा चलेगा ठीक है देखना आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है यहां पर फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा ये बिल्कुल वैसी थीटा एनए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इन टू टू एन माइनस वन यहां पर बस छोटी मोटी चीजें और याद रखनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है और v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ये होता है a इक्वल टू आर अल्फा होता है और a इक्वल टू अल्फा क्रॉस r जे ने पूछ लिया है बेटा सवाल गलत हुआ है कई बच्चों से ठीक है यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर होती है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बेटा आर अल्फा या फिर डी बाय ऑफ मॉड वी होती है क्लियर सर एक बार टेनजेंज क्वेश्चन से आप सीख पाओगे बेटा जितना थ्योरी से समझा सकता था मैंने समझाया है अब आप क्वेश्चन से सीख पाएंगे सर ओमेगा इनिशियल होता है ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं तो प्रोटेक्टर रख के भाई जैसे मान लो मैं थर्टी डिग्री कहूंगा तो किसी ना किसी रेफरेंस लाइन से ही कहूंगा अब मैं कह रहा हूं मेरी पोजीशन टू मीटर है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन से ही नापूंगा तो यस थीटा इनिशियल हो सकता है कोई रेफरेंस लाइन से पहले पार्टिकल थर्टी डिग्री पे था फिर थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री पर चला गया ऐसे क्लियर आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहां से आपको चीजें समझ और बेटर वे में आएंगी फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जरा ये देखना थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम जो किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है ये थीटा टाइम पर डिपेंड कर रहा है मेरे को कंसेप्ट बताते चलना फाइंड आउट ओमेगा एवरेज कैसे करोगे बताइए थीटा मतलब एक्स दे दिया है ओमेगा एवरेज वी एवरेज पूछना बेटा आप सारे बच्चे फोकस रहना 200 और जा चुके हैं खुशी मनाइए ऐसी खिसकता है मामला ठीक है ऐसी खिसकता है मामला कितनी बार साल में आपने आठ नौ घंटा लगातार पढ़ा है बहुत कम इसीलिए तो पेशेंस चेक किया जाता है और मैं अपने बैचेज में बच्चों को कहता हूं पीक अटेन करने की कोशिश कर लो आठ नौ घंटा बैठ के पढ़ने की कोशिश कर लो तभी आपको फायदा दिखेगा और वो फायदा आज दिख रहा होगा सर डिफ्रेंसिएशन भाई देखो इंस्टेंटेनियस ओमेगा और एवरेज ओमेगा याद करें अगर आप ओमेगा निकालेंगे डी थीटा बाई तो ये स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका बेटा फोर टी बस अगर एट टी इक्वल टू थ्री सेकेंड्स की बात करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस ओमेगा आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जैसे तो ये आ जाएगा 12 रेडियंस पर सेकेंड ये आपका बी पार्ट का आंसर होगा वेरी गुड और ओमेगा एवरेज बताया गया होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आपको बेसिक फॉर्मूले से जाना पड़ता है तो टी इक्वल टू जीरो पर थीटा कितना है थ्री रेडियंस और टी इक्वल टू थ्री पर थीटा कितना है तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री का स्क्वायर नाइन नौ दुनी अठारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस रेडियंस तो आप यहां पे कहेंगे ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय हमारे हमारे पास पास कितना टाइम था? थ्री, तो ये ये हो जाएगा एटीन थ्री, सिक्स पर ये आपकी एवरेज आएगी और ये आपकी इंस्टेंटेनियस आएगी वेरी गुड अब का बेनिफिट मिलेगा बेटा पेशेंटली बैठना और लॉज ऑफ मोशन का बेनिफिट मिलेगा डायनेमिक्स में शांति से बैठना क्लियर आइए अगला क्वेश्चन अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और वैसी चलेगा ग्राफ दे देंगे वही जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वही चीज यहां चलती है जो डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे अब मेरे को बताना अब पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ रेडियस है वन मीटर विद ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। देख के बता दो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म देख के क्या आपको लग रहा है ओमेगा होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना यही होता था वेलोसिटी जैसे होते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में हुआ ओमेगा है बस एंगल के टर्म में है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म सोच के बता दो बस लव यू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका ओमेगा बार बार चेंज कर रहा है यार नॉन यूनिफॉर्म है तो इन्होंने क्या बोला फाइंड एंगल बिटवीन टोटल एसलरेशन एंड नॉर्मल एसलरेशन नॉर्मल मीन सेंट्रीपिटल क्योंकि वो नॉर्मल के लॉन्ग ही रहती है एट इक्वल टू वन सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म वेरी गुड बेटा इसमें दो टाइप की एक्सलरेशन होती थी एक सेंट्रीपिटल जिसका फॉर्मूलाई आर या फिर आर से निकाल सकते हो और एक टेंजेंशियल सर वो कैसे निकालेंगे मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला आर अल्फा या डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन किस किस को चमक दिल बना दो बस आपको ये ढूंढना है कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म था है ना Centripetal आर से निकाल सकता हूं एट इक्वल टू वन सेकेंड एट इक्वल टू वन सेकेंड आर है one. आपका three square, तो nine, आ जाएगा का का तो कितना आंसर आ रहा है वेरी गुड ठीक है कितना आ रहा है भाई देखो इक्वल टू वन सेकेंड ओमेगा कितना आएगा टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन थ्री आएगा वही रख दिया सर टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे ये स्पीड अप हो रहा है तो टेंजेंशियल रहेगा आर अल्फा सर वी तो नहीं दे रखा मैंने कहा इसको लगा ले भाई अल्फा कैसे निकालेगा अल्फा होगा बेटा डी ओमेगा बाई डी टी से तू इसको निकालेगा तो डिफरेंशिएट करेगा तो फोर टी आपका आएगा एट इक्वल टू वन सेकेंड हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई फोर बस वैल्यू धर दे भाई यहां पर वन इंटू फोर करेगा फोर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्लियर हो तो गया यार क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास यहां पर पार्टिकल के पास नाइन है यहां पर आपकी फोर है नेट एक्सलरेशन कितनी होगी दोनों का रिजल्टेंट अगर आपसे कोई पूछ ले ए नेट कितना होगा अंडर रूट में नाइन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कोई एंगल कितना पूछा था एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन तो टोटल ये ये है ये एंगल पूछा है तो थीटा 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 लगा दे? या थीटा लगा दे? थीटा 9, थीटा किस किस का या आ गया भैया दिल बना दो अरे नॉर्मल एक्सेरेशन इज एक्टिंग नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ने आपकी ये है बेटा तो ये वाला एंगल पूछा ना फोर बाय नाइन आ रहा होगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन जरा देखना सर्कल मूव अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर रेडियस है आपका टू सेंटीमीटर द स्पीड इज गिवन एजल टू फोर टी अब मेरे को बता दो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है जरा देखा जाए कौन कौन सोच पा रहा है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म टिके रहना बेटा आखिरी पड़ाव बिल्कुल टिके रहना यही चीज आपको खुद से करने के लिए मैं बता रहा हूं बहुत समय लगेगा ठीक है सर टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है कभी टी की वैल्यू वन डालूंगा चार से चल रहा था टी की वैल्यू टू डालूंगा आठ से चल रहा है टी की वैल्यू थ्री डालूंगा बारह से ये तो सर स्पीड अप हो रहा है ये तो सर नॉन यूनिफॉर्म है अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सलेशन तो एटी

2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन वेलोसिटी आपको किसमें दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत सही ठीक है तो ये आपका हो जाएगा 2 तो ये 16 8 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर वेरी गुड वेरी गुड बस देख के पता लग जाएगा यही दो फॉर्मूले आपको यूज करने सर ये क्यों किया अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v तो बार-बार चेंज करेगा है ना वी तो बार बार चेंज करेगा जिस समय पर पूछा है उस समय पर वी निकाला और वी स्क्वायर बाय आर में धर दिया आंसर आया अब इन्होंने पूछा था नेट एक्सलरेशन तो भैया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सलरेशन होगी फोर का स्क्वायर एंड एट का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू तो बी योर आंसर बोलो भैया क्लियर है क्या यस वेरी गुड अगला सवाल बेटा ठीक है अगला सवाल जरा इसकी बात करेंगे

काइनेमेटिक्स में भी ऐसा सवाल आपने फॉर श्योर किया है क्या बता रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म है सर बिल्कुल हाँ नींद आ रही है बेटा मुंह पे पानी मारिए कॉफी पीजिए वापिस आइए वापिस आइए हमें भी आ रही है और आपसे ज्यादा गदम्बड़ इंसान हूं मैं ठीक है मैं ग्यारह बजे सो जाता हूं लेकिन अभी मेरे दिमाग में सन, का पड़ा है कि भाई अच्छे से करा के खत्म करना है वेरी गुड ये हुई ना बात यार अगर आपको मैं एक्सीलरेशन दे दूं -k√v और मैं स्टॉपिंग की बात करूं तो अगर आप एक्सीले देखो ऑब्वियस सी बात है ये वेरिएबल है जब पार्टिकल रुकेगा v वेरी करेगा v वेरी करेगा a वेरी करेगा, करेगा, करेगा. नॉन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तो नहीं लगा पाओगे बहुत सही यार कई सारे बच्चे एग्जाम में ये नहीं सोच पाते हैं आपको बेसिकली चाहिए कि कितना देखो फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल कम टू रेस्ट कितने टाइम के बाद रुके तो टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dv या d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा तो d ओमेगा बाय ओमेगा की पावर हाफ इक्वल टू माइनस k dt हाँ या इन्होंने कहा फाइंड टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल कम टू रेस्ट टाइम है तो टाइम के टर्म में लेके आओ ना यार अगर कोई बोलता कितना एंगल चल के रुकेगा सवाल मेरा यह होता ठीक है एंगल चल के रुकेगा तो मैं उमेगा वी को मैं लिख लेता बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के उमेगा की पार हाफ तो एंगल का इंटरप्रिटेशन आता यश हाँ तो जरा यहां पर सारे बच्चे जरा देखना यहां पर आपका इंटीग्रेशन होगा t इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट t टीवल टू टी पर जब ये जीरो होगा तो टाइम निकालना क्या आप ये कैलकुलेट आउट कर लेंगे सारे बच्चे हां या ना बोलिए भाई सर सेम भैया काइनेमेटिक्स से ही चल रही होती है काइनेमेटिक्स ही चल रही होती है जरा इसकी बात करना बेटा जरा इसकी बात करना वट इज ये आपका पी वाई क्यू में है सारे सवाल ठीक है ईयर नहीं लिखे घबराना मत वट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ओमेगा दे दिया है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप और आर आपका दे दिया है फाइव आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस सिक्स के कैप ये पता किन बच्चों के लिए सवाल था ये उन बच्चों के लिए सवाल था जिनको ये तो पता है वीक्वल टू आर उमेगा होता है लेकिन ऑर्डर क्या है जनली बच्चे कहते हैं आर क्रॉस ओमेगा ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट तो करना है कौन सा मेथड भैया कई बच्चों को ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा याद आता है हाँ बोलो 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 भैया आखिरी मोमेंट में क्या आपको समझाऊं भाई दिल की बात बोल रहा हूं आखिरी मोमेंट में तो अपने लिए खड़े हो जाओ सर सर दर्द हो रहा है भाई मेरे तो पीठ भी दर्द हो रही है बार बार तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं है ना चलता है भाई जब सनक होती है ना किसी चीज के लिए करना पड़ता है कई बार ठीक है तो चलो भाई आप लोग जगह तो बैठे हुए हो ना वहां पर उतना ही बहुत है वेरी गुड जब आपको वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना हो तो वीक्वल टू ओमेगा क्रॉस r करेंगे आप तो याद रखना आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है i माइनस जे

आपका आएगा बेटा छेती अठारह और माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी क्लियर क्लियर वेरी वेरी गुड गुड एक सवाल और ये लास्ट है फिर हम लोग डायनेमिक्स की बात करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दूंगा लास्ट इज सूडो फोर्स ठीक है फिर खत्म हाँ आइए बेटा कार विल इज रोटेटिंग बिल्कुल काइनेमेटिक्स चलता है फर्स्ट पार्ट सर वाई माइनस अच्छा भाई माइनस जे क्या तो भाई तू सो जा फोर के जगह में फोर अरे सत्ताईस कैसे हो गए तू सो जा छब्बीस में पढ़ा लूंगा भाई मैं माइनस जे कैप कहां से आ गए ये कौन है भाई दसवीं क्लास का होगा ये हाँ तिरालीस हो गए, तिराली गए अब हाँ कहां से जागा है तू है कहां से जागा है? कार विलेशन यह समझना आपका अल्फा ठीक है आपका अल्फा कांस्टेंट है तो जब आपका अल्फा कांस्टेंट है तो काइनामेटिक्स की क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है इनिशियलीरोक्वल टू जीरो पर ओमेगा जीरो इट रोटेट थ्रू एन एंगल थीटावर इन फर्स्ट टू सेकेंड समझना यहां से मान लो इन्होंने कहा है टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहां रेस्ट पर था दो सेकंड में ये यह यहां तक कुछ घूम गया है थीटा वन इन द फर्स्ट टू सेकंड इन द नेक्स्ट टू सेकंड इट रोटेट बाय एन एडिशनल एंगल थीटा टू यहां से टी इक्वल टू फोर हो चुका है तो ये यह यहां थीटा टू एंगल घूम चुका है तो थीटा टू बाय थीटा वन का रेशो चाहिए देखो भाई ये बिल्कुल आपको चेक करा जा रहा है ये बच्चा सर्कल के नाम से डरता तो नहीं है काइनेमेटिक्स पढ़ा हो सर्कुलर ना पढ़ा हो ऐसा सवाल जब आपका अल्फा कांस्टेंट होता है बेटा तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड है ठीक है इक्वेशन आपकी वैलिड होती है की इक्वेशन आपकी वैलिड होती है तो आप यहां पे क्या कहेंगे भाई एंगल और टाइम का है तो थीटा इक्वल टू तो ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी देखना क्वल टू टू सेकेंड की बात करूं तो थीटा वन इज इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हुआ है हाफ अल्फा टू का स्क्वेर. अगर मैं सीधे फोर सेकंड करूं जीरो टू फोर सेकंड की बात करूं तो थीटा टू इज इक्वल टू हाफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू हाफ अल्फा फोर का स्क्वायर किस किस को यह चीज समझ आ रही है आ, इनको देखो कई बच्चे हैं जिनको खुद नींद आ रही है सर सो जाओ बेटा <laughs> हमें आपका केयर अभी नहीं चाहिए ठीक है इनको खुद नींद आ रही है इंसान और दूसरे को कर रहा सो जाओ सो जाओ ठीक है मैंने यहीं से लेके टोटल की बात कर ली तो टोटल एंगल इज सीटा वन प्लस थीटा टू टाइम की वैल्यू आपने फोर डाल दी रेशियो लेना चाहे आपको चाहिए क्या थीटा टू बाई थीटा वन तो थीटा टू प्लस थीटा वन डिवाइडेड बाय थीटा वन आप यहां पे करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय हमारे पास फोर तो ये आपका आ जाएगा बेटा थीटा टू बाई थीटा वन प्लस वन इज इक्वल टू फोर बच्चे को देखो बड़े शातिर हैं बड़े शातिर थ्री आ रहा होगा हाँ जैसे नहीं हो तो छोटे बच्चे के लिए क्या करते हैं बेटा सो जा बाहर चौकीदारी आ रही है चौकीदारी चौकी आ रहा है बच्चे को डराने के लिए होता है ना हाँ चौकी आ रहा है तो जब बच्चा सो नहीं रहा होता है छोटे में तो घर का दूसरा बंदा जाके दूसरी जगह पर लाठी को जमीन में मारता है। बच्चे की हालत टाइट आगे से गीला पीछे से पीला बच्चा सो गया ऐसी होता है अब ये सोच रहा है सर आप सो जाओ हमें डर नहीं लगता भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम पढ़ा लेंगे तेरे को सोना है तू सो जा बच्चा समझ रहा है मेरे को अच्छा किस किस को सच बताना ठीक है किस किस को बचपन ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं किस किस को सच्ची में ठीक है बचपन में चौकीदार से डर लगता था रात को आता है भाई पता नहीं मैं सच बता रहा हूं ये मेरे मेरे मेरी कहानी है ठीक है मुझे ऐसा लगता था ना चौकीदार कुछ अलग ही प्राणी होता होगा हाँ अलग मतलब मेरे को, में को विश्व, मैं जब पहली बार हमारे घर में उस समय इन्वर्टर इन्वर्टर इतने नहीं होते लाइट गई थी सारे लोग छत पे थे तो चौकीदारी मेरे को लगा ये तो है। सच बताना, किस किस को ऐसा लगा था कि वो कुछ अलग ही चीज होती होगी पता नहीं क्या है।, है सच बताना भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही इतना बेवकूफ नहीं था बचपन में आप भी होंगे ही ठीक है हाँ ऐसा नहीं तुम्हें लगता है इंसान ही है हाँ आजकल ज्यादा है हम आ, आ रहे हैं यहाँ पे हमें तो एक्चुअली में डराया जाता था उसके नाम से कि भाई चौकीदार पकड़ के ले जाएगा हमें डर लगता था फिर जब एक बार मैंने देखो मैंने कहा यार ये रात को सिटी में जा रहा है और ये तो ऐसे ऐसे ठक 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 कर रहा है ये तो इंसान ही है हाँ फिर हम लोग चौकीदार के साथ मिले थे उस समय मंकी मैन आया था एक बार बीच में पता नहीं आप लोग उस समय तो पैदा भी नहीं हुए हो बीच में हुआ था कि दिल्ली में मंकी मैन आ गया है बंदों के मुंह पे पंजा मार के चला जाता है और भाई साहब जो डर लगता है और छोटे छोटे बच्चे तो आपको पता ही है मसाले लगा रहे हैं ओ भाई हमारे घर के पीछे ना मंकी मैं था उसकी आंखों में से लेजर निकल रहा था हाँ और हम हम खुद ही ऐसे थे हालत वही बचपन की बात है कोई है देखना जरूर है भाई तो छुपे पड़े एक आंख से देख रहे आ, भूत की स्टोरी एक आंख से देख रहे इतनी हालत टाइट है और जैसे देख लिया मान लो लाइट चली गई या फिर मम्मी दूसरे कमरे में है तो बीच वाला जो रास्ता है ठीक है बीच वाला जो रास्ता है उसमें ऐसा नहीं है कि आराम आराम से जा रहे हैं कि मम्मी मेरे लिए खाना दे दो नहीं उनको लगता था बीच में ही कहीं भूत है ओ भाई साहब बच्चे ऐसे सुट भागते थे तो अभी जो मेरा भांजा है ना वो भी ऐसी है हालत टाइट रहती है लेकिन भूत देखना है ठीक है मैंने कहा भूत देखना है तेरे को दिखा दिया एक बार भाई भाईद पांच पांच दिन तक सोते सोते जैसे कर रहा है फिर बहन कह रही क्या दिखा दिया रूमों के बीच में जैसे जैसे चूहे होते हैं ना छट से भागते हैं वैसे भागता है तो मैं समझ गई बचपन में वही वाली हरकत कर रहा है जो हम करते थे हाँ आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा ये ऐसे ऐसे डर लग रहा है लेकिन भूत देखना जरूर है चलो भाई अब डायनेमिक्स की बात करते हैं मतलब डायनेमिक्स कहना इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा ठीक है फिर देन लास्टोर छोटा सा पार्ट है दोनों को कंबाइन करके खत्म करेंगे तो जरा ये समझना भाई कभी भी अगर आपका सर्कुलर मोशन होगा फॉर एनी सर्कुलर मोशन फॉर एनी सर्कुलर मोशन किसी भी प्रकार का अगर आपका सर्कुलर मोशन हुआ तो ऑब्वियस भली वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो सबसे पहला काम है ड्रॉ एफ बी डी आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सर्कुलर मोशन में आप रिजोल्यूशन कैसे करते हैं जरा समझिए रिजोल्व ऑल दी फोर्सेस ये बच्चों को पता ही नहीं है रिजोल्व ऑल फोर्सेस टेंजेंशियली टेंजेंशियली एंड नॉर्मली समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं अगर मान लीजिए आपका कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको उसमें पढ़ाया जाएगा वर्क पावर में ठीक है क्योंकि एनर्जी की कुछ इक्वेशन होती है कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ऐसे एमजी ये रहा और टेंशन ये रहा अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो आप किसको रिजोल्व करेंगे टेंशन को या एमजी सोच के बताइएगा हम्म हाँ बैंकिंग ऑफ रोड इसी में आएगा बेटा हा सोच के बताना सोच के बताना यहां पर आप किसको रिजॉल्व रिजोल्व करेंगे टेंशन को या एमजी को वेरी गुड कभी भी अगर आपका सर्कुलर मोशन होगा तब आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी रिजोल्यूशन करेंगे टुवर्ड्स दी रेडियस एंड टू अलोंग दी टेंजेंट इसके अलोंग रिजोल्व किया जाता है क्यों क्योंकि भाई देखो कोई भी सर्कुलर मोशन होगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना ही चाहिए तो आप यहां पर क्या कहते ये अगर मान लीजिए यहां से एंगल थीटा है बेटा तो ये भी एंगल थीटा होगा यहां आपका आ जाएगा बेटा एम जी कॉस थीटा और यहां आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा ये आ जाएगा तो आप नेट फोर्स द सेंटर कैसे करेंगे जो फोर्स द सेंटर है रिजॉल्व ऑल दी फोर्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मली नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर उसकी बनाएंगे उसकी इक्वेशन बनाएंगे एम वी बाय आर और जो भी आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा नेट टेंजेंशियल उसका बनाएंगे एम आर अल्फा क्लियर है क्या क्लियर है क्या हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है इसके बाद एक बजे तक हम ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे छोटा सा ही पार्ट है एक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बैंकिंग ऑफ रोड फिर कुछ क्वेश्चन एक बजे ब्रेक दूंगा दस मिनट का फिर एक साइकिल में हम लोग अपना सूडो फोर्स आधे घंटे में खत्म करेंगे बाय बाय टेक गुड नाइट हाँ, हाँ आइए तो जरा एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं कैसे कैसे हमारे पास है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आप सभी लोगों को पता है स्कूटर या स्कूटी तो आपने चलाई होगी है ना जब कोई साइकिल वाला बेंड करता है ऐसे आप आपने बचपन में खत्म कराओ <laughs> इसको देखो तेरे बोलने से खत्म हो रहा होता तो बेटा तू तो, तो ग्यारहवीं में ही करवा लेता जैसे ये साइकिल होती है आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग शूरवीर बच्चे हो आपने कैसे साइकिल चलाई है कोई अंग्रेज देख लेना यहां के बच्चों को भाई साहब हाँ पागल हो जाए कि ये भाई कौन सा देश है यार ये कहां के बच्चे मतलब इनको कौन सिखा रहा है? है ऐसे कौन चलाता है और हमारे बच्चे इतने तेज होते हैं सेंटर ऑफ मास ऐसे बैलेंस आउट करके रखते हैं भाई साहब साइकिल ऐसे नहीं पलट जाए आधा मास उधर है हाथ इतना बैलेंस आउट करके टांग ऐसे बैलेंस आउट इधर है लेकिन सेंटर ऑफ मास बिल्कुल लाइन पर इधर रख रखा है बंदे ने तुम चाहे बोलो कितना भी कि तुम्हें सेंटर ऑफ मास आता नहीं है सर बड़ी दिक्कत होती है लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने के लिए दे जाए और अपने से बड़ी एटलस साइकिल चलाने का मजा ही अलग था छोटी साइकिल कौन चलाएगा तो चलानी सीखने ये लोग अंग्रेज अंग्रेज का कोई बच्चा होगा तो वो ऐसे देखेगा साइकिल पे कि फादर वेयर हैव टू सिट द फादर विल टेल sit here hold the handle pedal the cycle then you will move if in case you need help let me know i will try to hold you हमारा बच्चा यहां पे भाई तो सरक मार रहा तेरे को सीधे बैठ के नहीं चलाई जा रही इसीलिए हमारा देश महान है <laughs> सेंटर ऑफ मास बच्चा पहले ही पड़ चुका है ठीक है कि कैसे हमारी सेंटर ऑफ मास साइकिल का भी बैठ करनी तो मैं इस वाली साइकिल की तो कतई बात नहीं कर रहा हूं ठीक है <laughs> आप सोचोगी सर इसका बेंडिंग और साइकिलिस्ट क्या होगा इसका बेंडिंग होगा तो बेटा पीछे से घिस जाएगा ये ठीक है हाँ तो इसका हम बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मल जो हमारे सिलेबस में बेंडिंग और साइकिलिस्ट है ठीक है वो बेंडिंग और साइकिलिस्ट कैसे है तो हम साइकिल ही बना रहे हैं अब या बंदा भी हमारे पास बेंड हो गया होगा चलो ठीक है तो जरा देखना जब ये साइकिलिस्ट है ना वो इतना एंगल पे बेंड नहीं होता थोड़ा सा एंगल पे बेंड होता है ठीक है तो मैं यहां पे मान लेता हूं इसका खुद का वजन mg है जमीन से आपको यहां पर नॉर्मल मिला और ये एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर रहा r रेडियस का तो ये क्या होगा बेटा ये वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पर ऐसे बेंड हुआ है किसको रिजॉल्व करेंगे हम किसको रिजॉल्व करेंगे हंस क्या रहे हो तुम मतलब तुम सबने ये कराया ना हैं धूम चौल है अच्छा ये भी क्या होगा ईमानदारी के साथ बताना वैसे पॉइंट नंबर टू है ज्यादा हंसी मजाक नहीं लेकिन भाई साहब सात आठ घंटे में थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता है सच बताना ठीक है ईमानदारी के साथ कि आप में से जैसे साइकिल में होता था ट्रिंग ट्रिंग एक तो होता था टिंग टिंग ऐसे करके और एक होता था ट्रिंग 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 किस किसने किस किसने -किस बचपन में स्कूल से आते समय साइकिल के उसमें धूम की ट्यून बजे अब मेरे पापा कहते दो कौड़ी की साइकिल चला रहा है ऊपर से ट्यून देख कौन सी बजा रहा है मैक्सिम भी दौड़ाएगा तो चालीस से ऊपर नहीं दौड़ा पाएगा कैसा धूम है, है? है सभी ने हाँ हमारे यहाँ पे सरगम तो ऐसे ही बच्चा बजा रहा साइकिल में यस yes. और फिर बाद में क्या हुआ ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आने लग गए है ना उसमें एक वो ऐसा होता था कुछ बैटरी वैटरी लगा के हाँ और फिर म्यूजिक बजाते थे लेकिन हम जैसे लोग घंटी से ही बजा रहे हैं। <laughs> भाई जब तुम बड़े हो गए ना जब तुम बड़े हो गए और जब तुम्हारे पास खुद की गाड़ी होगी तुम्हारे सामने कोई बच्चा ये कर रहा होगा तुम्हें ऐसा लगेगा यार <laughs> क्या कर रहा है यार क्या कर रहा है था? और उस बच्चे को नहीं पता होता कि वो उसको अपनी से बड़ी दुनिया का क्या लेना था हम जब कर रहे थे हमें लग रहा होता था हम कितने स्मार्ट हैं हाँ यार ना बस इस पे दिल बना दो फिर हम बात करेंगे हमें क्या लग रहा होता था खुद को यार हमने क्या धुन बनाई है और आस पड़ोस के लोग हमें सुन के कह रहे हो भाई साहब धूम की याद आ गई सच बताना आप अपने आप को कितना कूल मान रहे हो उस समय है ना <laughs> भाई अगर अब तुम बड़े हो गए ना तुम्हारे सामने कोई बच्चा बजाएगा ना तुम क्या कर रहा है यार क्या कर रहा है ये ठीक है तो वैसे ही है आपने आपको हर सब... वही बात है जैसे अभी यहाँ पे बच्चे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको लगता है मैं तो कूल बन गया हूं बेटा गधे ही कहलाओगे कभी भी किसी भी समय में चले जाओ गधे ही कहलाओगे बस आपको परसेप्शन होता है कि आप बहुत स्मार्ट हो आपने जोक क्रैक कर दिया है या सब लोगों की अटेंशन आ गई है कुछ नहीं गरिया के लोग आगे बढ़ जाते हैं वैसे ही है चलिए हाँ बस अब सीरियस राइट right. तो यहां पर जो लगे पड़े रहते हैं ना आपको लग रहा हो आपको भाई साहब लोग देखेंगे क्या कमेंट लिखा है भैया इसको इतिहास के पन्नों में चढ़ाया जाए ये बच्चे ने तो भाई साहब आग लगा दी स्टेटमेंट करके बेटा दूसरी साइड में बैठ के ना लोग कह रहे क्या है रोहित शर्मा का डायलॉग था ना वो न्यूज एंकर ने सवाल पूछा था कुछ ठीक है तो उसने कहा क्या <laughs> वैसे ही रिएक्शन दूसरे का होता ठीक है तो यहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन को रिजोल्व करेंगे भैया क्योंकि ये टेंजेंट के क्या ही है तो आप नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे यहां आएगा आपका एन कॉस्ट थीटा और यहां आपका आएगा एन साइन थीटा अगर ये वी टर्न ले रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन एन साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल बाई आर और एन कॉस्ट थीटा आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा एम जी के बराबर और जैसे आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आपका होगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी टेन थीटा ये आपका होता है क्लियर यस यस अच्छा इसी का सेम फॉर्मूला आपका बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन भी होता है नाम ही नहीं सुना हो बैंकिंग ऑफ रोड से ही परेशान है बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन आपने नोटिस किया होगा जब फाइटर जेट मुड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे मुड़ जाते <laughs> ऐसा नहीं होता उनको थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है जैसे फ्लाइट जा रहा है इधर मुड़ना है तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये ऐसे करके चला जाएगा है ना सर प्लीज एक्सप्लेन दी डायग्राम भाई देख अगर मेरे को सर्कुलर ट्रैक लेना है ना मेरा वजन नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मेरे को अगर उधर घूमना है तो फोर्स देना पड़ेगा तो मैं साइकिल को हल्का सा बेंड करते कभी चलाई हो तो सोचना आप हल्का सा बेंड करते हो जब भी आप साइकिल चलाते हो जब टर्न लेते हो तो आप हल्का सा बेंड होते हो क्यों क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपेटल का काम करता है ठीक है

और कौन सा फोर्स होता है सोचना हम्म बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन में और कौन सा फोर्स होता है एक होता है एरोडाइनमिक लिफ्टी कह रहा है लिफ्ट होता है ठीक है आप सभी लोगों ने शायद थोड़ा बहुत फ्लूड्स में पढ़ा होगा ठीक है कि एरोप्लेन की विंग्स को ऐसे बनाया जाता है उसको एक अपवर्ड लिफ्ट मिलता है। नहीं तो ऊपर कौन लेके जाएगा उसको वजन नीचे लग रहा है लिफ्ट होता है तो जब प्लेन चल रहा होता है ना जब नॉर्मल चल रहा होता है तो लिफ्ट ऊपर होता है वजन नीचे होता है बिल्कुल साइकिल के जैसे अगर उसको बेंड करना है तो वो क्या करता है ऐसे बेंड करता है और जैसे ही ऐसे बेंड करता है लिफ्ट इधर हो जाती है वजन नीचे और इसके हिसाब से ही आपका एरोप्लेन ऐसे बेंड होकर टर्न कर पाता है तो भाई अगर आप देखें तो ये एफएल cos थीटा यहां है एफएल sin थीटा आपका यहां है तो एक फोर्स आपका सेंट्रीपिटल का काम करता है दैट विल बी एम वी स्क्वाई आर और एक फोर्स आपके वजन को संभाल के रखता है दैट इज एम जी तो जैसे आप रेशियो लेंगे बेटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी बिल्कुल वही बेंडिंग ऑफ दिसकलिस्ट का ही फॉर्म आपको यहां पर दिखाई देता है क्लियर है क्या सारे बच्चे क्लियर है क्या यस और नो हाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सब इंक्लूड होने की बात की बात है अब जरा समझना हमारे पास नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ द रोड आपने हाईवे को देखा होगा तो हाईवे भी किसी ना किसी एंगल थीटा पर हमारे पास बैंक ही हुए ठीक है अगर आपने ओलंपिक्स में साइकिल रेसिंग देखी हो ठीक है वैसे आपने कहा देखी होगी आपने तो सिर्फ ये देखे क्या कहते हैं शॉर्ट देखे मीम देखे में, में देखे तो हाईवे को हम लोग किसी ना किसी एंगल पे बेंड कर देते हैं किसी ने गाली दी भाई साहब अटक गया हम्म hmm. और बैंकिंग ऑफ रोड किस एंगल पे कार को मतलब रोड हम लोग बैंक करें इससे गाड़ी की जो स्पीड लिमिट होती है वो बढ़ जाती है hmm. हा मैं तो देखते हैं hmm. तो जरा समझना मान लीजिए कि मैं एक ऐसी स्पीड की बात कर रहा हूं मैक्सिमम ऑफ दैंग रोड अच्छा एक बात बताओ मैं आपको गाड़ी चलाने के लिए अगर दे दू वैसे गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है क्योंकि आपकी अभी एजनी है लेकिन मैं दे देता हूं आप एक रोड पर बहुत तेजी से टर्न मारोगे तो आपकी गाड़ी फिसल सकती है किधर कि डायरेक्शन में फिसलेगी सोच के बताना हम्म सोच के बताना अगर आप मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं कार की तो गाड़ी का जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है वो किधर होगी बाहर की तरफ है ना बाहर गाड़ी फिसल जाएगी आपकी तो फ्रिक्शन क्या करेगा इसको रोक के रखेगा तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ऐसे लग रहा होगा वजन को मैं पहली रिजोल्व कर देते हैं ठीक है या फिर ऐसी रहने दीजिए एम आपका ये रहा और नॉर्मल आपका ये रहा अब देखो गाड़ी जब टर्न करती है ना तो उसका रेडियस कहां होता है यहां सेंटर है दिस इज द रेडियस अब मेरे को बताना किसको रिजोल्व करना चाहिए जरा देखा जाए किसको रिजोल्व करोगे मेरे हाँ, बोलो बोलो, बोलो कई सारे बच्चे टिके हुए हैं बेटा प्लीज मेंटेन रखना बस थोड़ा सा पार्ट और इसके बाद क्वेश्चन हैं हमारे पास ठीक है किसको रिजॉल्व करोगे सर्कुलर मोशन में सारे फोर्सेस टेंजेंट और रेडियस के अलोंग रिजॉल्व होते हैं जब गाड़ी बेंड वो होती है ना तो कईयों को कहते हैं सर सेंटर तो ये रहा हम्म गाड़ी तेरी ऐसे ऐसे टर्न लेती है ना अबे कौन सी दुनिया में रह रहा है गाड़ी तुम्हारी ऐसे टर्न करती है एंगल रोड पर ऐसे टर्न कर रही तो सेंटर ये हुआ ना mg को रिजॉल्व करेंगे यही तो दिक्कत है यही तो दिक्कत है ये आपका टेंजेंट है आप फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों को रिजोल्व करेंगे बहुत ही कम बच्चे बोल पाए एक बोल रहा है आर आरिश वेरी गुड ये अगर आपका एंगल थीटा है ना बेटा तो ये वाला जरा देखना ये वाला एंगल आपका थीटा हुआ वर्टिकल अपोजिट 90 माइनस थीटा दिस इज थीटा तो आप नॉर्मल को रिजोल्व करेंगे ध्यान देखना आपका नॉर्मल यहां पर एन कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा एन साइन थीटा आपका इधर हो जाएगा यही दिक्कत है आप रिजोल्यूशन को ध्यान से नहीं सुनते हैं और एफ कॉस आपका इधर हो जाएगा और एफ साइन थीटा आपका इधर और एम जी आपका इधर आपको सारे फोर्सेस को रेडियस और टेंजेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व करना था यस yes? हाँ सर फ्रिक्शन तो अपवर्ड होगा वाह 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 वा। अगर तू बहुत तेजी से साइकिल टर्न करेगा तो तूने कभी साइकिल चलाई हो बेटा बहुत तेजी से चलाने के बाद टर्न करेगा तो फिसल जाता है बाहर अगर तू फिसलने की टेंडेंसी बाहर रखा फ्रिक्शन कहा लगेगा अंदर तो अगर तू बहुत तेजी वी वी मैक्स के के वी मैक्स के के लिए केस कह रहा हूं में गाड़ी बाहर जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन अंदर रहेगा ठीक है जरा सारे बच्चे यहां पर देखना इक्वेशन आपकी क्या रहेगी एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ये आप बोलेंगे और इधर आपका बराबर है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg जी करना क्या है कुछ नहीं आता ही नहीं है करना क्या है टीचर ही करेगा तो जरा इसको मैं कॉपी कर लेता हूं स्लो हो गया ये बहुत आ. अरे आधा घंटा तो अपने लिए लड़ सकते हो है? ये कतई स्लो हो चुका है तो देखो भैया फ्रिक्शन आपका म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा म्यू टाइम्स म्यू कॉस थीटा प्लस एन आ, हमारे पास प्लस साइन थीटा का कॉमन यहाँ एन ले लीजिएगा ठीक है इक्वल टू तो एम वी स्क्वायर बाय आर है और यहां से अगर आप इसको इधर ले जाए तो एन यहां से कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू तो एम जी है दोनों का रेशियो ले लीजिए भैया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी तो वी मैक्स आपका कितना होता है बेटा जे इमेज में डायरेक्टली भी आ चुका है ये आता है हमारे पास म्यू कॉस थीटा म्यू कॉस अरे इतना गंदा कास लिखे यहां म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ये आपका मैक्सिमम होता है हाँ चलिए 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 क्लियर क्लियर सारे बच्चे एक बार दिल बनाना हम्म हाँ सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए यह आया बेटा जिनको याद है वी मिनिमम कैसे निकालते थे डायरेक्टली लेट सी कौन कौन रिवाइज करके आया है अगर मैंने देखो यहां पर जो बैंकिंग ऑफ रोड की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली है वी मैक्स आपका आया है अब आपको ये इनमें से एक फॉर्मुला याद रखना होगा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी इन टू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ठीक है डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू थीटा यही है ना हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अगर मैं आपको बोलूं कि बैंड रोड पर वी मिनिमम क्या होता है कई बच्चे मुझे पता है मैं रिटर्न करूंगा तो बता देंगे वेरी गुड लव यू बेटा सर म्यू की जगह माइनस म्यू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आरजी हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू थीटा, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती बेटा थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अगर रोड आपकी फ्रिक्शन लेस है रोड की म्यू जीरो है तब भी आपकी स्पीड आ जाएगी फ्लैट रोड पर अगर फ्रिक्शन लेस होगी टर्न कभी नहीं ले पाओगे तो म्यू अगर आपका जीरो है तो वी आपका कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट में आर जी, हमारे पास म्यू जीरो करोगे आरजी टेन थीटा देखिए बैंक रोड का यही फायदा बारिश वारिश हो गए अगर फ्रिक्शन कम भी हो जाएगा तब भी आपके पास टर्निंग के लिए स्पीड है आप आराम से गाड़ी को मोड़ के ले जा सकते हैं ठीक है ठीके? अगर आपका लेवल्ड रोड है ठीक है अगर आपका लेवल्ड रोड है बेटा थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो डाल देंगे यहां पर ठीक है तो हमारे पास v जो आएगा दैट इज अंडर रूट में आर जी हमारे पास जीरो वन हो जाएगा ये हट जाएगा जीरो वन हो जाएगा तो म्यू आर जी हमारे पास म्यू एस आर जी, आपको यहां पर मिल जाएगा है ना साइन तो ये हो जाएगा ये वन हो जाएगा हमारे पास वन हो, जाएगा, वन हो जाएगा वन हो जाएगा ये जीरो हट जाएंगे जी क्लियर यस तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कुछ करेंगे फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा बस आखिरी का एक ब्रेक अच्छे से आप सभी लोग यहां पर यूटिलाइज करके आएंगे ठीक है चलिए जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना बेटा तो एन ए है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एन ए है जब कार यहां पर चल रही है कॉन्स्टेंट स्पीड वी और जब कार यहां पर है वी स्पीड से तो एनबी है सारे बच्चे मेरे को बताना बोलिए 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 हा हाँ तो किधर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा कम होगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इधर एमजी होगा इधर एनए होगा इधर एमजी होगा इधर एनए होगा अब सारे बच्चे जो ट्वेल्थ क्लास के होंगे उनको यह बात पता होगा कोरोना डिस्चार्ज या फिर आपने पढ़ा होगा जहां शार्प एंड होते हैं वहां चार्ज ज्यादा जाता था याद है शार्प एंड में रेडियस का हुआ तो सिग्मा ज्यादा देखना इसकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे इसकी इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस एन ए सेंटर की तरफ नेट एम जी माइनस एन इक्वल टू एम वी बाय आर ए तो एम जी माइनस एम वी आर इक्वल टू एन ए देखना क्या हुआ क्या आप मेरे को बता सकते हैं दोनों एंड में रेडियस किसका ज्यादा होगा जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस उतना ही ज्यादा रेडियस है ना जेई में दो बार सवाल आ चुका है इसके ऊपर तो यहां पर आपका आरबी की वैल्यू ज्यादा है बेटा तो यहां पे इक्वेशन क्या बनती एमजी माइनस एनबी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आरबी तो, तो नॉर्मल रिएक्शन एनबी की अगर आप बात करेंगे तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर बी ध्यान से देखना याद आ रहा है याद आ रहा है हाँ जहां फ्लैट सर भाई स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन याद करो स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इनफ़िनिट जहां रेडियस सबसे ज्यादा होगा वहां पर फ्लैटनेस आपकी सबसे ज्यादा होगी तो समझना ये ज्यादा फ्लैट है ये ज्यादा शार्प है तो जहां रेडियस ज्यादा हुआ ठीक है जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां एम वी स्क्वायर बाय आर कम हो जाएगा और अगर ये कम हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा तो जहां रेडियस ज्यादा वहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो बेसिकली एन बी की वैल्यू एन ए से ज्यादा होगी थर्ड ऑप्शन वेरी गुड लव यू बेटा लव यू लव यू लव यू कई सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं सही सोच रहे हैं अगला सवाल अगला सवाल ये गलती होगी

जैसे आप कभी सर्दी में सोते सोते किताब ऐसे गिर गई और मम्मी ने जब मारा होगा ठीक है तो बिल्कुल झन्ना के बच्चा उठता है और पहला डायलॉग होता है मम्मी रिवाइज कर रहा था है ना तो अभी कुछ बच्चे ऐसे ही सुस्ता रहे हैं ये थप्पड़ के जैसे क्वेश्चन पड़ेगा भी इनके ऊपर यस हाँ <laughs> यस जरा देखा जाए भाई देखो यहां पर ये इक्विलिब्रियम में तो यहां पर इन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ टेंशन इन द सपोर्टिंग कॉर्ड सपोर्टिंग कॉर्ड ये वाली है आपकी ठीक है मतलब यहां पर जो धागे के अंदर टेंशन है ये है टीबी और यहां पर जो धागे के अंदर है टेंशन दैट इज टी ए इन दोनों का रेशियो बताना है इन दोनों सर क्वेश्चन 82 रिपीट कर दीजिए पहले तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करें भाई ध्यान से देख सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी आती है यह पार्ट भी एक सर्कुलर एक्जेक्टली सर्कुलर नहीं है सर्कुलर का पार्ट है तो यहां का फोर्स फोर्स टूवर्ड सेंटर माइनस दिस नेट फोर्स इधर होगा तभी तो ये घूम पाएगा ना एम जी माइनस एन एक्वल टू एम वी स्क्वाई इसका रेडियस अलग है भाई और इसका रेडियस अलग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तू भूल चुका है या तूने तू ढंग से नहीं पढ़ी है फ्लैट सरफेस का रेडियस ज्यादा होता है वहां चार्ज कम आता है शार्प एंड्स पर चार्ज ज्यादा आता है वैसे ये फ्लैट दिख रहा है तो इसका रेडियस ज्यादा है इसका रेडियस कम है तो इसकी इक्वेशन क्या एम जी माइनस एन एज इक्वल टू एम वी स्क्र बाई आर ए तो ये इक्वेशन लिख ली इसकी भी इक्वेशन लिख ली जहां फ्लैटनेस ज्यादा है वहां रेडियस ज्यादा और जहां रेडियस ज्यादा ये न्यू, दोनों में सेम है रेडियस ज्यादा तो ये वैल्यू कम ये वैल्यू कम तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी तो जहां रेडियस ज्यादा वहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो आरबी की वैल्यू आर ए से ज्यादा होगी अब बात करते हैं इस वाले सवाल की वन इज टू वन हो गया भैया लपड़ पड़ गया है देखिए भैया ए पोजीशन पर मुझे पता था यही होगा ये है आपका टीए इसीलिए क्वेश्चन मैंने कहा स्किप नहीं करते ये अभी आपका इक्विलिब्रियम है ये अभी आपका इक्विलिब्रियम है यहां रुका हुआ है तो टीए कॉस थीटा आपको यहां दिखेगा ए साइन थीटा आपको यहां दिखेगा भाई जब इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई जीरो जो टी ए की वैल्यू होगी ना बेटा दैट इज एम जी बाय थीटा होगी अभी देखना कई बच्चे कहेंगे हो ये कैसे हो गया भाई देखो पहले धागा बंधा होता ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स अलोंग एक्स और वाई जीरो करा तो ये आया टीए अब कई बच्चे क्या करते हैं ना दूसरी साइड जब जाती है बॉल ठीक है जब बॉल दूसरी साइड जाती है तो वैसे ही रिज़ोल्व करते हैं अरे पागल इंसान ये सर्कुलर मोशन के ट्रैक पर है अगले मोमेंट में ये सर्कुलर मोशन करेगा तो तूने खुद बोला था सर टेंजेंशियली रिजॉल्व करना है मैंने कर लो mg sin थीटा एमजी कॉस थीटा और यहां था टेंशन टीबी कब कौन सा रिजॉल्व करना है ध्यान तो दे ले वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन तो इक्वेशन क्या बनाता रेडियल वाली रेडियल वाली बनती है हमारी टीबी माइनस नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर टीबी माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गई गलती सॉरी बोलिए सारे बच्चे जरा सॉरी बोलिए हमारे पास जिनको ये वाली गलती समझ नहीं आई कि रेजोल्यूशन कब कैसा करना था टीबी की वैल्यू है एम जी कॉस्टा सर ये दोनों दो सेम नहीं होंगे क्यों होंगे भाई वहां इक्विलिब्रियम है यहां पर एट रेस्ट है भैया अगर ये मोमेंट में सर्कुलर ट्रैक पे चलने वाला है हाँ गई गलती वेरी गुड तो टी ए बाय टीबी आपसे पूछा गया था ना हमारे पास यहां पर पोजिशन बी तो TA अगर आपको निकालना है हो गया क्वेश्चन आएगा MG थीटा बाय थीटा आंसर आएगा बेटा कॉस स्क्टा टू वन इज टू वन कर रहे अबाउट द रेजोल्यूशन आप रिजोल्व कैसे कर रहे हैं ठीक है इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन कि आप रिजोल्व कैसे कर रहे हैं जरा इस सवाल को करना पहले थ्री आइडेंटिकल आर टूगेदर बाई थ्रेड एज शोन इन द फिगर ऑल थ्री पार्टिकल मूविंग ऑन स्मूथ स्मूथरिजोटल प्लेन अबाउट ओ सभी का पार्टिकल का मास हमारे पास ठीक है इफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज मूविंग विद वी नॉट ठीक है द रेशियो ऑफ टेंशन इन द सेक्शन इज मतलब हमारे पास ये वाला मान लीजिए यहां पर आपका टेंशन है टी वन यहां पर आपका है टेंशन टी टू और यहां पर है आपका टेंशन टी थ्री तो हमें टी वन इी टू इस टू टी थ्री आई थिंक यही चाहिए होगा ठीक है देख लेते हैं इनका रेशियो इन्होंने दिया नहीं है ना हमारे पास किस ऑर्डर में चाहिए तो ये मान लेते हैं जरा बताना कैसे करा जाए हाँ हम्म बोलिए 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 ब्रेक मांग रहा है अरे देंगे पंद्रह मिनट बाद तीन चार क्वेश्चन लगाइए ना हम्म अच्छा एक बात बताओ जब ये तीनों घूम रहे होंगे क्या इनकी वी सेम होगी या ओमेगा सेम होगा हम्म बोलिए भाई हाँ 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 सर आंखें धुंधला आ गई ठीक <laughs> है वेरी गुड यार जब ये सारे के सारे जैसे मान लो पार्टिकल यहां है यहां है यहां है ये यह पूरा एक चक्कर काट के आए पूरा एक चक्कर हमारे पास काट के अगर आए तो सभी ने इक्वल एंगल चला इक्वल टाइम में चला स्पीड सेम नहीं होगी ओमेगा सेम होगा वेरी गुड ओमेगा ऑफ ईच हमारे पास सेम है ओमेगा ऑफ ईच हमारे पास सीम है बस हो गया क्वेश्चन यार जरा तो इस वाले पार्टिकल के लिए देखना C वाले पार्टिकल के लिए क्या मैं कह सकता हूं यही जो टेंशन T3 है ये m रेडियस है 3l ओमेगा का स्क्वायर C वाले पार्टिकल के लिए सारे बच्चे देखना C वाले पार्टिकल के लिए यही टेंशन ये इस सर्कल में घूम रहा है V नॉट का क्या करना हटाओ रेशियो है हमारे पास हट जाएगा बाद में मैं कहूं T3 इस सेंट्रीपिटल फोर्स एम रेडियस है थ्री एल ओमेगा का स्क्वायर टी बी वाले के लिए देखना बी वाले के लिए टी टू माइनस टी थ्री भैया नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर ये भी तो घूम रहा होगा तो नेट फोर्स क्या है टी टू माइनस टी थ्री इज इक्वल टू एम इन टू एल ओमेगा का स्क्वायर तो टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास फाइव एम एल ओमेगा का स्क्वायर ये टी टू आ गया ये टी थ्री आ गया और जरा फर्स्ट वाले के लिए बात करना ए वाले के लिए बात करें तो इसका सर्कुलर मोशन कब होगा जब टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एम एल ओमेगा का स्क्वायर होगा तो टी टू की वैल्यू फाइव आई थी तो टी वन की वैल्यू आपके हो जाएगी सिक्स एम एल ओमेगा का स्क्वायर सारे बच्चे क्लियर है क्या हा यस क्लियर है क्या हमारे पास हम्म तो थ्री फाइव सिक्स आई थिंक यही वाला ऑप्शन होगा ठीक है टी थ्री टी टू एंड ये तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हाँ अच्छा अब मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं जिनको नहीं समझ आ रहा है अब जाके आप सोचिए आपने अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेच करा कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है थोड़ी देर का आधे घंटे का लेक्चर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बच रहा है तो आप जाके अभी सो सकते हैं कल सुबह उठ के देख लीजिएगा ठीक है देखो भाई सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में हमारे पास रहता है तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर एम आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए तो मैंने इसके लिए बोला इसके लिए नेट फोर्स क्या है टी थ्री एम आर ओमेगा का स्क्वायर तो रेडियस क्या होगा थ्री एल ये रखा इसके लिए क्या होगा टी टू माइनस टी थ्री एम आर ओमेगा का स्क्वायर तो टी थ्री की वैल्यू ये आई थी दूसरी साइड ले जाओगे तो फाइव हो गया और टी वन माइनस टी टू एम ओमेगा का स्क्वायर तो इससे साइड टी टू की वैल्यू रखोगे तो टी वन सिक्स आ गया तो रेशियो ले लो क्लियर हा वेरी गुड अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर एचसी वर्मा का ये सवाल ठीक है बहुत स्टैंडर्ड सवाल है अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन गलती हो सकती है तो ध्यान सुनना करेंगे ना जी एल और आखिरी में आप डाल एल की वैल्यू ट्वेंटीड नियर एन एंड विच इज मेड टू रोटेट इनजोनटल प्लेन ओमेगा आप ओमेगा से घुमा रहे हैं ये वाला झूला भी आता है ठीक है ऐसा एक झूला भी आता है कि लोग बैठ जाते हैं जब वो घूमता है तो वो थोड़े से एंगल पर हो जाते हैं एम अ बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग आल्सो ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड द एंगल थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद अ वर्टिकल 30 डिग्री फाइंड ओमेगा ऑफ द रोटेशन हां लक्ष्यंस नेवर डाई मैं कल ही सुन रहा था केशव गुप्ता द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस लाइफ इज दैट वी ऑल आर गोइंग टू डाई युधिष्ठिर जी से पूछा गया था जीवन में जीवन का एक मूल्य सच बताइए तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि हम सबको मरना है इसके अलावा सब जुटला सकते हैं लेकिन मृत्यु को कोई नहीं जुटला सकता इकलौता जो सच है और हमारे बीच में एक हैं युधिष्ठ की बात काटने के लिए ठीक है <laughs> तो बेटा भगवान बुला लेंगे जल्दी ठीक है उन्होंने एक ही चीज फिक्स करी है इंसान के लिए अगर आप कहेंगे कि वो भी नहीं होगा तो ईगो हर्ट होगा ईगो हर्ट होगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा ठीक <laughs> <नहीं। laughs> है तो बकवास नहीं करते अभी हो सकता है कमेंट लिख के सो गया हो ये ठीक है हाँ क्वेश्चन जरा ध्यान सुन ये सर्कुलर ओमेगा हमें निकालना है तो इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो ये सर्कुलर मोशन में है कुछ बच्चे यहीं पे घुमा देते हैं ये ऐसे घुमा रहा है अरे यहां एक्सिस है भाई तो ये किस चक्कर में रहेगा ऐसे में ठीक है ये कैसे चक्कर में रहेगा ऐसे चक्कर में ठीक है आ, तो इसका जो रेडियस है ना उसकी बच्चे गलती बहुत करते सारे बच्चे मेरे को बताइए किसको रिजोल्व करेंगे ये है आपका टेंशन टी ये है आपका एम जी ये है थीटा ये है थीटा आप किसको रिजोल्व करेंगे एम जी या टेंशन हाँ तर लोकी नेवर डाइज बेटा लोकी इज अ इमेजिनरी थिंग व्हाट आई ठीक है अब हो भी सकता है वो किसी क्योंकि तो थौर को एज अ भगवान माना जाता है तो हो भी सकता है लोकी भी भगवान हो किसी उसमें ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भगवान है तो फिर ही बात है नहीं मर सकते लेकिन अगर वो भगवान नहीं है तो उनका भी निश्चित है यस किसको रिजॉल्व करोगे वेरी गुड ठीक है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा तो आप किसको रिजोल्व करा बेटा ये देखना बहुत जरूरी है। सेंटर यहां है तो रेडियस और टेंजेंट के लॉन्ग रिजोल्व करना है तो अब आप आपकी इक्वेशन बनेगी हमारे लिए टी साइन इक्वल टू एम रेडियस ओमेगा का स्क्वायर और टी कॉस थीटा ये होगा आपका एम जी के बराबर तो टेन थीटा अगर आप देखें आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी तो ये आ जाएगा जी टेन थीटा बाय आर अब आर में गलती हो जाती है ये होगा ये किस किस का ये सही हो गया दिल बनाओ हम्म hmm. yes हा फिजिक्स नेवर डाइज देखो ज्ञानी लोग इतने जगह पड़े हैं अभी ठीक है क्वेश्चन एक भी नहीं हिल रहा है लेकिन ज्ञान देने में पीछे नहीं हटेंगे यहां पे समझना बेटा जो आपका रेडियस है ना इसको आप रिजोल्व करोगे तो ये आएगा आपका एल साइन अच्छा एल कॉस थीटा नहीं एल साइन आएगा ठीक है तो ये आपका आएगा एल साइन आएगा बेटा एल तो रेडियस की वैल्यू एल प्लस अरे वाह 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 बच्चे गड़बड़ बता पा रहे हैं ये तो मेरे को लग रहा था लास्ट को दो थप्पड़ मारो या तीन फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहां पर बच्चा बड़ा तेज है यार बड़ा तेज है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला वाह सेल्यूट है भाई हाँ हमारे तीन हजार छह सौ सिपाहियों को जो अभी भी गलतियां ढूंढ पा रहे हैं वेरी गुड दो दो सवाल और फिर उसके बाद ब्रेक दे दू दू दूंगा फिर सूडो बहुत आसान सा है कंसेप्ट बता के दो तीन क्वेश्चन आप फ्री हो जाएंगे ठीक है मेरे गले को रह सी इसलिए मैं दस मिनट का ब्रेक दूंगा अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स ऑन वन एंड ऑफ स्प्रिंग आपने एक लाइट स्प्रिंग के कोने पर एक एम मास करेक्ट कर दिया है ठीक है स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड अनस्ट्रेच लेंथ एल नॉट इसकी जो नेचुरल लेंथ है दैट इज एल नॉट ठीक है द अदर एंड इज फिक्स्ड द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सो दैट इट रोटेट इन अ सर्कल इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस इतनी अंग्रेजी आई होती तो भैया बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए होते चुपचाप डायग्राम बना के दे दिए होते तो हमारा काम बन गया होता Then in the is. ये तो आप लोगों ने किया ही ठीक है ये, तो ये चीज होती है इंडियन बच्चों में ये बहुत होता है जब तक हमारे हाथ में कोई खिलौना नहीं आता तब तक तो भाई साहब पूरे घर में रो रो के और रोने का भी तरीका हमारे अलग होता है जमीन पर लेट जाते हैं उनको ऐसा लगता है हमें उठा के दिखा दो दो किलो के हो बेटा लात मारेंगे कम से कम सौ मीटर दूर जाओगे ठीक है और इतना गंदा रोते है हैं ना हमारे यहाँ से आंसू यहाँ से नोजीब सब कहा जा रहा कुछ को नहीं और जैसे खिलौना मिल जाता चुप तो उसके अंजर पंजर खुलने स्टार्ट हो भाई खिलौने का काम है जैसे गाड़ी दे दोगे गाड़ी चलाने के लिए तुम तो एक दिन बाद उस बच्चे से गाड़ी देखना उसके पहिये निकाल देगा इंडियन इंडियन बच्चा इस लाइक अभी रुको इसके अंदर से साइंस ढूंढ के निकालता हूं ठीक है हम्म ये आप लोगों ने भी किया होगा दो दिन करेंगे पीछे करके गाड़ी आगे जा रही पीछे करके गाड़ी अब सवाल यह है कि पीछे करने के बाद आगे क्यों जा रही है है ना उसके अंजर बंजर खोल देंगे अंग्रेजों के के बच्चों खिलौने देखो भाई साहब मेरी बहन के पास एक डॉल थी और डॉल में होता ना जब ऐसे लेटाता तो वो ऐसे हो जाती है मेरी बहन ने उसकी एक एक पलके निकाल रखी थी और उस डॉल की चुटिया ऐसे थी ठीक है ऐसे करके कुछ चुटिया थी और इसमें से ऐसे ऐसे बाल निकल रहे थे भाई साहब बार भी डाल के बुरवी बना दिया था और मुंडी से पकड़ पकड़ के दीवार में ऐसे मारती थी क्यों मारती थी, थी कुछ नहीं बता मैं देखता था छोटी वाली बहन मेरी ठीक है हम स्कूल से आते थे तो वो मम्मी का वो जो होता है दुपट्टा ऐसे ओढ़ लेती थी डंडी ले लेती थी ओ भाई साहब टीचर टीचर खेलना स्टार्ट करा मेरी दोनों बहनों ने ना खुद को कुछ आता टीचर बन गई ठीक है आप लोगों ने खूब किया होगा किचन किचन भी खूब खेला होगा डॉक्टर डॉक्टर सुई लगा रहे पेंसिल से ऐसे करके बच्चों है और भाई साहब इस डॉल की जो हालत बना रखी थी ना उ, वो डॉल जैसे नॉर्मली दिखाते हैं ना मूवी में कि भाई साहब मुक्का उक्का पड़ गया एक आंख खुली पड़ी और बंदा सो रहा है सूजी पड़ी है लिटरली मैंने डॉल में देखा है इस डॉल को जब जमीन पर लेटाते ना एक आंख खुली रह जाती थी उसको इतना मार रखा था भाई मैंने कहा भाई ये सिर्फ लड़कों में नहीं है लड़कियों ने भी भूत उतार रखे सारी डोलो के इंडिया में बार भी ना होती, बुर भी होती है जमीन में रगड़ रगड़ के मार रखा तो हमारे बच्चे थोड़े तेज होते हैं तो ये भी किया ही होगा आपने स्प्रिंग के साथ ऐसे गोल 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 घुमाया होगा है ना यस तो इनका इलांगेशन बताओ तो ठीक है मान लेते हैं यार ये यहां पर कुछ एक्स लेंथ इलांगेट हो चुका और ऐसे घूम रहा ठीक है तो स्प्रिंग का इलोंगेशन जब ये ब्लॉक यहां आएगा तो स्प्रिंग में इलांगेशन हुआ एक्स यही हमें निकालना है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा के एक्स भाई हमारे लिए अच्छा इन्होंने नेचुरल लेंथ बोला है क्या द द अदर एंड इज इज स्प्रिंग गिवन एंड हाँ ठीक है तो ये के एक्स हो गया तो के एक्स ही आपका सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ना बेटा तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू एम रेडियस कितना हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स

बेटा डॉल के जैसे पिटना चाहते हो <laughs> कौन सी स्प्रिंग के साथ K equivalent निकालेगा तू ये बता बेटा तू सो जा हाँ जा सोजा, सोजा सोजा समझना मैंने क्या बोला आज स्प्रिंग को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो खिंच जाएगा ये इलोंगेशन है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस तो नेचुरल लेंथ प्लस से सॉल्व करके x निकाल लिया डर <laughs> गया बच्चा वैसी के जैसे बंद कर ली होंगे इसने ठीक <laughs> है तो इसके बाद वैसे एक ही क्वेश्चन था ये वाला आप करेंगे ट्राई होमवर्क है ठीक है और इसके बाद लास्ट पार्ट है फसूडो फोर्स ठीक है तो मैं आपको एक ब्रेक दे देता हूं दस मिनट का फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है लास्ट पार्ट छोटा सा पार्ट है ब्रेक हम लोग मिलेंगे एक बजकर एक बजकर दस मिनट पर एम हो गया है फिर स्टार्ट करते हैं फोर्स यस पांच दस मिनट ऐसे टहल के आइए बस आधे डेढ़ बजे छोड़ दूंगा भाई बीस मिनट का टॉपिक है हेलो 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 इनको देखो हाँ आवाज आ, आ रही है एक बार कर यही वाला माइक है ना आवाज आ रही है एक बार चेक करना हाँ हाँ यस भाई ठंड हो गई है अचानक से हमें महसूस हुआ बाहर जाते <laughs> <laughs> पेट में से हुआ भाई साहब दर्द <laughs> मैंने कहा यार ठंड हो गई है अभी हाँ कुछ लोग तो बिना कॉपी किताब के हाँ बिना कॉपी किताब के आराम से बैठे होंगे हाँ हाँ बिना कॉपी किताब के आराम से गद्दे में बैठ के आराम से पता नहीं ऐसी कौन सी हाई लेवल की पढ़ाई हो रही होगी हाँ चलिए भाई हाँ तो तीन मिनट काट लिए नहीं 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 आप ही लोगों का तीन मिनट हम बचाने की कोशिश में हा? ठीक है तो भाई कहा गया वो ये बता देते हैं आखिरी में भी देखो कितना स्लो चल रहा है ये भी सो रहा ठीक है पीडीएफ और नोट्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिलेंगे मंजिल बैच ठीक है और थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मुला लिखने क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर एंड सॉल्यूशन आपको करने ठीक है आइए आइए हाँ आप खत्म करने के बाद ही गाना गाएंगे भाई ठीक है देखिए भाई लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं ठीक है हाँ कितना टाइम हो गया कितनी देर का वो हो चुका है इतनी देर तो भाई साहब मेरा दिमाग भी काम नहीं करता हम्म अलग सर का मैसेज आया भाई तुम लोगों के लिए सुनना चाहोगे वैसे वॉइस मैसेज नहीं है टेक्स्ट में आया हुआ है मंजिल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का हाई मोटिवेशन दो से तीन हजार स्टूडेंट्स आर वेटिंग एट दिस आवर फिनोमिनल राजवं सिंह इफ यू कैन टेल स्टूडेंट्स टूवर्ड द लेक्चर दैट वी ऑल्सो रिगार्ड मंजिल एस इंपॉर्टेंट एज देम यही बात है ठीक है तो ये अलग सर देखो मैं यही कहता हूं ना कि तुम्हें लग रहा होता है कि यार पूरी दुनिया ना आराम से सो रही है मैं ही क्यों मेहनत कर रहा हूं आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं जगा हुआ हूं मेरे साथ एक व्यक्ति जगा हुआ है मेरे साथ टीम जगी हुई है और मेरा जो मालिक है वो भी आपको देख रहा है आपके कमेंट्स देख रहा है आपकी सीरियसनेस देख रहा है ठीक है एंड थकावट जो होती है ना वो यहां से हट जाती है जब जो व्यक्ति पढ़ा भी नहीं रहा है वो भी मेरे साथ अगर जगा हुआ है तो आप जिसके लिए पढ़ाया जा रहा है क्या आप नहीं जाग सकते है ना तो यही चीज है हमारी स्पिरिट को पता लगे हुँ. सर को भी ये बात अच्छी लगती होगी ना कि यार जिन बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं वो एटलीस्ट इतने बच्चे तो सीरियस है ठीक है तो वेरी गुड बहुत अच्छा किया आप सभी लोगों ने आखिरी तक डटे रहे लास्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं अच्छे से यस इसमें कई सारे क्वेश्चन रह जाएंगे आप बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ये सीरीज चलती रहेगी अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं बाद में जाके क्वेश्चन सीरीज आ जाएंगी बहुत सारे तो जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस सीरीज का मेन पर्पज क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूं ठीक है वैसे आपको पता ही होगा ये तीन चैप्टर अगर आप खुद से रिवाइज करते कितने आलस के साथ करते मैं आपके बाद 10 मिनट का ब्रेक देके गया आप वापस आ गए ना अगर आप खुद से 10 मिनट का ब्रेक लेते तो क्या आप 10 मिनट का लेते नहीं आप लेते कम से कम एक घंटे का हम 10 मिनट तो ये सोचने में लगता है कि अच्छा चलो ब्रेक स्टार्ट हुआ है ठीक है और फिर माहौल दोबारा बनाने के लिए हो सकता है 1 घंटा लग जाता है ना तो जो ये जो आपको पुश मिल रहा है ना कि दस मिनट बाद आते हैं तो और आप कोशिश कर रहे हो कि दस मिनट बाद आ ही जाऊं मैं ठीक है यही है जो रियल पुश है ये अकेले में नहीं आता है भाई अकेले में नहीं आता है ठीक है आपको नींद आ रही होती ना कितनी बार दिल बनाना इस थॉट पर कितनी बार आपके बीच में आया क्योंकि कई सारे बच्चे तो गिव अप करके निकलते चले गए ये होता है हर बार होता है और हमें पता है ये बात ठीक है स्टार्टिंग का जो सभी में होता है और एंड का डिसिप्लिन बहुत कम में होता है किस किस ने ऐसा कई बार बीच बीच में ऐसा थॉट आया कि यार अभी छोड़ देता तो, हूं कल देख लूंगा सच बताना सच बताना स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद कई बार हुआ होगा ना और जो आखिरी तक टिकता है ना यही बात है ये लास्ट देखो स्टार्टिंग है तो मेहनत हर कोई कर रहा है ना यार डिफ्रेंशिएट hmm. कौन कर रहा है डिफरेंशिएट यही कर रहा है कि कौन एंड तक मेहनत कर रहा है और आप सभी लोगों में मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट कि आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितने एफर्ट्स डाले और जब आपका रिजल्ट अच्छा आए या ना आए आप एटलीस्ट आंख से आंख मिला के अपने पेरेंट्स को बोल सकते कि मेहनत मेहनत मैंने मैंने करी है है ठीक तो उस चीज के लिए आपको रुकना नहीं ठीक है आइए सूडो फोर्स तो भाई देखो लॉज ऑफ मोशन का ना सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बन गया कि जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप लोग ग्यारहवीं के नहीं है आप सभी लोगों को पता होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं एक्सलरेटेड फ्रेम्स ठीक है एक्सलरेटेड फ्रेम्स में लोगों को यह लगने लगा कि यार कि यहां तो ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही नहीं है किस प्रकार से जरा देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक एक डब्बा है जो जो सिस्टम सिस्टम में था और ये सिस्टम होने लग गया तो जो भी बॉडी पर आपने मान लो इस पर फोर्स लगाया तो ये वाली बॉडी थोड़ा शिफ्ट करेगी ये वाली बॉडी तो जहां थी वहां की वहां रहेगी और ये चीज आप सभी लोगों ने नहाते समय अगर टब में मग्गा रखा है ठीक है तो मान लीजिए आपका टब है बीच में मग्गा पड़ा है आपको मग्गा चाहिए आप आराम से बैठे ये नहीं कि मग्गे को पकड़ ले आप टब को पकड़ लेते हैं और आप कहते हैं आजा, आजा। तो आप टब को खींचते हैं मग्गा आपके पास नहीं आता है मग्गा दूसरी साइड चला जाता है फिजिक्स पड़ी होती तो शायद समझ आता एक्चुअली में आपने जिस पर फोर्स लगाया उसी की तो स्टेट चेंज होगी न्यूटन ने तो यही बात बोली आपने मग को थोड़ना खींचा और जब आपने मग को नहीं खींचा तो मग का स्टेट क्यों चेंज होगा तो अगर ये एक्सलरेटेड फ्रेम है तो जो ये आपका बॉक्स है ना बेटा ये वैसी की वैसी स्टेट में रहेगा आ, फेल हो जाता है वहां पर क्योंकि न्यूटन लॉ को आपको ध्यान से समझना है राइट अब मानिए कि जैसे मग है वो टब था टब के बीच में मग है आपने मग वो टब को पकड़ के खींचा तो मग तो पीछे चला गया अगर आप कोई कैमरा टब पर लगाते तो कब टब वाले कैमरे से क्या दिखाई देता मग पीछे जा रहा है हाँ या ना जल्दी से बोलिए हाँ या ना कि अगर आपने इसी में कैमरा लगा दिया अगर तो ये कैमरे वाले बंदे को क्या दिखाई देगा ये तो एक्सलरेटेड है कैमरे वाले बंदे को क्या दिखाई देगा अरे ये तो पीछे जा रहा हाँ या ना यस मोशन दिखाई देगा उसको और वो बोलेगा अरे न्यूटन ला आठ घंटे के टीचर ने मैराथन ले ली हमारी और आखिरी में कह रहा फेल हो रहा ना बेटा फेल ना हो रो दिक्कत यह है कि तुम तो न्यूटन ने बोला कि अगर आप फ्रेम से चीजों को देखेंगे तो आपको लॉ मेरा थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा लेकिन रियलिटी में आप थोड़ी सी दिक्कत वाली जगह पर है तो उन्होंने कहा कि जो बंदा बाहर से देख रहा है ना ये इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम से कभी भी आपको दिक्कत नहीं दिखेगी ये यही बोलेगा यार आपने इस पर फोर्स लगाया है तो यह चलेगा ब्लैक मूव नहीं करेगा बिल्कुल सही वैसे ही हुआ लेकिन कैमरा वाला बोलेगा भाई ओई, भूत होता कैसे भूत होता है, कि बिना के भी चल रही है। तो हमें उसको थोड़ा सा लतियाना पड़ेगा कि भाई ओ कैमरा लगा के तेरे तो को लग रहा है तू तो पूरी दुनिया देख रहा है ऐसा नहीं होता जो कैमरे वाला बंदा है इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर क्योंकि ये खुद एक्सलरेटेड है भाई ठीक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर जो खुद एक्सलरेटेड होता है तो इसको फिजिक्स समझाने के लिए हमें थोड़े से जुगाड़ करने पड़ेंगे एस वी ऑल आर इंडियंस वी है वी नो वी मस्ट डू जुगाड़ तो हमने कहा भाई देख एक नकली फोर्स बना ऑल दो लग नहीं रहा है एक नकली फोर्स बना ले तेरे को समझ आएगा तभी नकली मतलब इंग्लिश में होता है फसूडो उन्हें हमने कहा कि हमें बाहर से पता लग रहा है तू ए एक्सलरेशन से जा रहा है तो एक नकली फोर्स बना माइनस एम ए ध्यान सुनना ये मास ऑफ द बॉडी है मास ऑफ बॉडी और ए है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सलरेशन समझे मैंने क्या बोला एक नकली फोर्स बना ले एक नकली फोर्स बना ले एम इज द मास ऑफ द बॉडी ए इज द एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम बॉडी का नहीं है बॉडी तो रेस्टी पर है लेकिन तू ए से जा रहा है तो तेरे को ये ए से जाते हुए दिखाई देगी तो ये बना ले सारे बच्चे अप करना हा हाँ हां यहीं से जी एफेक्टिव का भी कंसेप्ट आता है जरा सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि आपको ये बात क्लियर हुई कि किसको सूडो फोर्स की जरूरत है सूडो फोर्स की जरूरत होती है ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इन एन आई एफ जो एक्सलरेटेड होगा सर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है नहीं बनाना सर रेस्ट पर है नहीं बनाना सर एक्सलरेटेड है बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे अगर कोई अंदर से चीजों को देखने वाला है किधर बनाएंगे सर ये माइनस क्या बता रहा है माइनस आपका बता रहा है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ एन आई एफ क्लियर वेरी गुड लव यू बेटा लव यू तो ये था पंगा ठीक है अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं सीधी सी बात कब यूज करेंगे जब जब हमें जब ऑब्जर्वर ध्यान सुनना जब ऑब्जर्वर इनसाइड साइड फ्रेम होगा जब ऑब्जर्वर इनसाइड साइड फ्रेम होगा तब यूज करेंगे देखना कैसे अगर ये बॉडी ए जा से है तो इस बॉडी पर आप सूडो फोर्स कैसे बनाएंगे सारे बच्चे जरा बताना यार ये जैकेट थोड़ा सा मोटापे में अड़सा दे रही है एक बच्चा बोल भी रहा सर आप मोटा गए हो नहीं बेटा डोला बड़ा हो गया देख रहे हो हमारे मुंह इतना बड़ा डोला होता जा रहा क्या करे लेकिन चलिए कोई नहीं भगवान की देन है सबको नहीं मिलता ठीक <laughs> है यस हम्मरी कह रहा हालत तो मरी मरी है कह रहा सम कर दे हाँ यस हाँ <laughs> तो अड़स जा रहे थे बॉडी में ना ये पढ़ाने का फ्लो नहीं बनता है <laughs> हाँ तो जरा ये देखना किसके लिए बनाओगे भैया कैमरे वाले बंदे के लिए कैमरे वाले बंदे के लिए आपको सुडो फोर्स बनाना अगर ये इधर एक्सलरेटेड है तो आप सुडो फोर्स बनाओगे इस डायरेक्शन में दैट इज एम ए ठीक है अगर आपका एक्सलरेशन इधर है बेटा तो कैमरे वाले बंदे के लिए आप कहां बनाओगे अगर कोई बॉडी है तो ये अगर इधर है तो आप सूडो फोर्स बनाओगे मास बॉडी का लेना है एक्सलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का लेना है ठीक है अगर हमारे लिए एक्सलरेशन नीचे है तो आप कोई भी बॉडी अगर अंदर होगी तो फोर्स किधर बनाओगे ऊपर एमए क्लियर अगर आपका एक्सलरेशन ऊपर है बॉडी अंदर है तो सूडो फोर्स किधर बनाओगे एम इधर अगर आपकी बॉडी इधर है एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में तो सूडो फोर्स किधर बनाओगे अपोजिट डायरेक्शन में एम क्लियर है क्या सारे बच्चे हा या ना हा या ना कौन ये बनाएगा भैया सूडो फोर्स किसके लिए बनाया जा रहा है बार बार बता रहा हूं सूडो फोर्स हमारे पास ऑब्जर्व कैमरे वाले बंदे के लिए है कैमरा वाला जो बंदा है वही हमारे पास सूडो फोर्स को बना के चीजों को सॉल्व करता है बाहर वाले बंदे को जरूरत नहीं है उसको लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल मस्त दिखाई देगा यस ठीक है अब आइए तो एलिवेटर प्रॉब्लम्स में क्या होता है बहुत सिंपल सी बात है अगर मान लो कि हमारे लिए एक बंदा है ये रेस्ट पे बोलिए एलिवेटर और कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर जाए नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं तो जरा समझना इसमें कोई नहीं है तो इस केस में जो वेइंग मशीन है वो क्या बताएगी इसका मास अगर एम है तो वेइंग मशीन आपका एम ही बताएगी फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे यहां एम और यहां एन तो एन इज इक्वल टू एमजी की आप बात करेंगे तो वेइंग मशीन आपका करेक्ट वेट बताएगी वेरी गुड वेरी गुड अगर आपका जैसे मान लीजिए कि यहां पर था और यहां एक व्यक्ति खड़ा है ये एक्सलेशन से बेटा नीचे जा रहा है तो आप कैमरे वाले बंदे के लिए बात करेंगे बाहर से भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं कैमरे वाला बंदा फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनाएगा जरा समझना ये कहेगा एक एमजी एन। फोर्स किधर ऊपर या नीचे सूडो फोर्स ऊपर या नीचे बोलिए 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 सूडो फोर्स की ये लिफ्ट अगर हमारे ए एक्सलरेशन से नीचे जा रही है और मैं कैमरे वाले बंदे के लिए इक्वेशन बना रहा हूं ऊपर या नीचे कहां बनाना चाहिए वेरी गुड सर ऊपर रहेगा एमए तो अब इस कैमरे वाले बंदे को रेस्ट पर दिख रहा है वो कहेगा एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी तो वो कहेगा एन इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए यही होती थी आपकी जी इफेक्टिव याद करिए ये पेंडुलम तक में जाएगी ये आपके पेंडुलम तक में जाएगी। अगर आपका कोई बॉडी यहां पर है लिफ्ट में और ये ए एक्सलेशन से ऐसे ऊपर जा रहा है कैमरे वाले बंदे के लिए अगर आप बात करेंगे तो कैमरे वाला बंदा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा वो कहेगा एम नॉर्मल और A, ऐसे सूडो फोर्स बनाना पड़ेगा Ma, ऐसे तो यहां पर क्या आएगा बेटा आपके लिए एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए तो किस किस को याद आ रहा है जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है क्लियर जब बाद में इसके क्वेश्चन की सीरीज अगर स्टार्ट होगी तो मैं ही इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा तो जितने कराए हैं इसमें एडिशन होंगे जो छोटी मोटी चीजें छूट रही होंगी परेशान नहीं होना है ठीक है परेशान आपको नहीं होना है क्लियर वेरी गुड तो सर्कुलर मोशन में भी एक सूडो फोर्स होता है देखिए ये हमारा सन है कितना मस्त बनाया ये है ये हमारी धरती है यस सर्कुलर मोशन में कई बच्चों ने सेंट्री फ्यूगल वर्ड सुना है और बच्चे क्या कहते हैं तो है, जीरो हो गया अर्थ तो, तो सीधी निकल जानी चाहिए सोच के बताना हम्म के बताना मेरे एंटरप्रेंटर आखिरी टाइम है कोई भी जाना नहीं चाहिए थोड़ा सा मेहनत और करना है बस अगर हमारे लिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर सेंट्रीफ्यूगल बाहर दोनों का एम अरे ये एमबी कट गया ये तो सीधे ही चला जाना चाहिए भैया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना ध्यान सुनिए जो बाहर से व्यक्ति होगा देखिए इसी चीज को देखने का नजरिया है जो इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा होगा वो कहेगा वो कहेगा कि अर्थ पर एक फोर्स है जी एम एम बाय आर स्क्वायर और यही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है यह वर्ड यूज करता है सेंट्रीपिटल का वो फोर्स लिखेगा एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वेयर इसने वर्ड सेंट्रीपिटल बोलकर इसने मोशन देखा ये अर्थ को घूमते हुए देख रहा है और अर्थ को घूमते हुए देख रहा है तो वो सर्कुलर मोशन बोल रहा है और सर्कुलर मोशन बोलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेंट्रीपिटल वर्ड बोल के कर रहा है अब जरा देखना जो अर्थ पर ही अर्थ के पास ही है मान लो ठीक है नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे ये रहा सन और ये रहा आपका अर्थ मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है जो बिल्कुल इसके साथ ही है या इसी पर है ठीक है हाँ नजरिए की बात है बेटा बिल्कुल नजरिए की बात है क्लास में जब आप बैठे होते थे आपका कोई मित्र बोलता था वो देख रही है आपको प्यार हो जाता था नजरिए की बात है बोलने से पहले आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लग रही है कलीग लग रही है क्लास की मित्र लग रही हैं। जैसे आपके तीन चार मित्रों ने बोलना स्टार्ट किया भाई 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 देख रही है देख रही है देख रही है तीन चार बारी में तो आपको प्यार हो जाता है नजरिए की बात है यस है ना आ, हा, 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 तभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाता है फिजिक्स में बच्चा तेज हो जाता है यस तो जो इनर्शियल फ्रेम की बात है बेटा <laughs> मतलब कैसे ठुस्सू इंसान हो भाई तुम लोग कोई तीन बार बोल देता है तो प्यार हो जाता है सच्चा प्यार होता है अगली बार वो ये नहीं बोलता है ना भाई देख रही है ना ना भाभी देख रही है ये बोल ठीक है तो भाभी वर्ड अपने आप से लगवाते हैं चलिए कोई नहीं बचपना है सब धुल जाता है ठीक है आई आइए आइए ठीक है तो भाई अगर ये ऑब्जर्वर है तो यार देखो ये इसके साथ खुद ओमेगा से घूम रहा है और कोई भी चीज अभी मैंने आपको बताई थी सर्कुलर मोशन में होती है तो इसका खुद का एस्लरेशन है ना इसका खुद का एस्लरेशन है वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर आप कह है सकते हैं अर्थ ये कैमरा लेके मैंने इसके पास रखा और मैं इसको अब अर्थ के साथ घुमा रहा हूं अर्थ के साथ घुमा रहा हूं तो कैमरे से क्या दिखाई देगा भाई कैमरे वाले बंदे को दिखाई देगा कि अर्थ तो रुकी हुई है वो अपना फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनाएगा वो कहेगा अर्थ सन की तरफ अट्रैक्टेड लेकिन रेस्ट पर है। और कहेगा भैया न्यूटन लॉस तो खराब है न्यूटन लॉस तो खराब है बॉडी पर फोर्स लग रहा है नेट फोर्स जीरो नहीं है तब भी बॉडी रुकी हुई दिख रही है तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा चच्चा आप खुद एक्सलरेटेड और आपकी खुद की एक्सलरेशन वी स्क्वायर बाय आर है तो यहां पर एक सूडो फोर्स बना लीजिए एम वी स्क्वायर बाय आर अब देखिए चच्चा चश्मा लगा के तो चच्चा कहेंगे हाँ दिख तो रहा है फोर्स दू, है तो मैंने कहा दिख रहा है रेस्ट दिख रहा है मोशन दिख रहा है रेस्ट तो बराबर कर दीजिए यही दिख रहा ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना ये आपने बनाया दिस इज सेंट्रीफ्यूगल क्लियर ये आपने बनाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कई बच्चे सेंट्रीपिटर और सेंट्रीफ्यूगल एक ही साथ बना देते हैं ए, हमें नहीं चाहिए लोड वर्ड कौन देख रहा कान देख रहा कहां से देख रहा हट दोनों एक साथ बना देंगे। <laughs> नहीं बेटा अगर आप बाहर से रुक के देख रहे हैं तो आपको सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा है के लिए एक होना जरूरी है, तो वो व्यक्ति सेंट्रीपिटल की बात करेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स का काम कर रहा है तो वो सन और अर्थ के बीच में तुम्हें अगर मैं बोलूं भैया सन और अर्थ के बीच में फोर्स है, तुम हाँ है। कितना है जीएमएम बाई आर स्क्वाने कहा और कोई फोर्स लग रहा है तुम कहोगे नहीं मैंने कहा अर्थ की अर्थ फिर सन की तरफ क्यों नहीं जा रही है बंदर जैसी शक्ल बना लोगे अपनी जिससे अरे भैया क्योंकि आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं आप खुद है, तो आप एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगाएंगे एम वी स्क्र बाई आर और आप कहेंगे सर जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है वो जीएमएम बाई आर स्क्वायर से बैलेंस आउट हो रहा है इसीलिए हमें अर्थ रुकी हुई दिखाई दे रही है क्लियर हुआ क्या यस हा तो सेंट्रीपिटल सेंट्री फ्यूगल का मजे ऐसे मत लेना ठीक है तो चलिए ये वाला स्टैंडर्ड सवाल है हमारे पास ठीक है ये वाला स्टैंडर्ड सवाल है एक पेंडुलम गाड़ी में हैंग कर रहा है ये तो कर करके बच्चा बोर हो लिया ए एक्सलरेशन ठीक है तो ये पेंडुलम इससे कितना एंगल बनाएगा सभी को पता है धरती पे छोटे बच्चे को भी लपड़ मार के उठाओ कि बेटा क्या है वै टेने भाई जी सीधे बोलता है ठीक है आपको नहीं पता है बस हाँ किसी देखो आगे ना इतना ही तो करना होता है सर कैसे करें भाई देखो एक्सलरेटेड है कैमरा लगा लो अंदर और जैसे ही आप कैमरा लगाओगे तो एक सूडो फोर्स बना लेना एम ए यहां एम जी यहां टेंशन टी हो गया सवाल इस कैमरे वाले को क्या दिखेगा रेस्ट पर कैमरे वाले के साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना लो कैमरा वाला बोलेगा ये टी ये एम जी और ये एम ए और हमको कहा दिख रहा है जी रेस्ट पर दिखाई दे रहा है तो अगर ये रेस्ट पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर थीटा कर दीजिए तो टी कॉस थीटा यहां होगा टी साइन थीटा यहां होगा ठीक है तो टी साइन थीटा किसके बराबर के बराबर। टी कॉस थीटा किसके बराबर एम जी के बराबर। तो टेन थीटा किसके बराबर ए बाय जी के बराबर। क्लियर है क्या हा धरती खोद के निकालोगे तो भी ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कम से कम इतना याद रखना यश हाँ कैमरामैन जल्दी फोकस करें हम्म आखिरी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है हाँ क्लियर हम्म यश बहुत सही अब इसी के ऊपर मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं पहले जेई का ही सवाल है ठीक है जे ही ठीक है पैराबोलाइड ऑन द वायर फ्रिक्शन एक बीड है parabola, bead mass, the, uh, bead slide bead hai, जो उस पर स्लाइड कर सकती है पैराबोला वेन वायर इज एट रेस्ट द वायर इज नाउ एक्सलरेटेड पैरल टू एक्सेज विद कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन बिल्कुल वैसा ही सवाल है बस थोड़ा सा घुमा दिया जरा देखना मैं इसको ऊपर ले आता हूं ठीक है देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पैराबोला वो फ्रेम था ठीक है इसके अंदर एक बीड थी अब इसको आप ए एक्सलरेशन से ऐसे लेके जा रहे हो ठीक है तो या फिर आप मान लीजिए कि हाँ ठीक है इस तरीके से मान लेते हैं ठीक है या फिर इस डायरेक्शन में ए एक्सलरेशन किधर बोला है हम लोग नाउ एक्सल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां पर परेशन ऐसे मान लेता हूं तो ये बीड कहां भाग के आ जाएगी यहां पर आ जाएगी

ये सोएगा नहीं अभी रात को जात के पहले क्वेश्चन करेगा जैसी होमवर्क दूंगा फोन बंद करके सो जाएगा खराटे मारेगा ठीक है चल ये देखना तो आप यहां पे कहेंगे वही चीज भाई ए से जा रहे हो आ जाएगा यहां पर नॉर्मल आ जाएगा यहां पर आपका एम जी आ जाएगा क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसे दिखाई देना बंद हो गया होगा अब तक लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ऐसा ही तो दिख रहा है टेंशन की जगह आपका नॉर्मल आ रहा है हाँ ना अरे बोले टेंशन की जगह आपको यहां पर नॉर्मल दिखाई दे रहा है यश और अगर एंगल भी मैच कर गया ना तो मजा आ जाएगा अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ ये 90 माइनस थीटा हुआ ये आपका थीटा हुआ देखो नॉर्थ टेंशन जैसे वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा था वेरी गुड वैसे ही यहां पर यहां पर भी वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है तो भाई यहां तो करना क्या था थीटा इक्वल टू ए बाई जी होता है तो थीटा आप डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लीजिए ना क्योंकि वही स्लोप है तो वाई टू के एक्स के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी a बाय टू जी के बस सवाल आपका यहां से खत्म ठीक है a बाय टू जी के ये आपका सवाल यहां से खत्म क्लियर अरे बोलिए सर रिपीटेड सवाल है ये कई बार आ चुका है भाई मैं क्या करूं ठीक है मैं थोड़ना बना रहा हूं इस वायर फ्रेम को अगर आप इधर लेके जाओगे ए से तो सूडो इधर लेके जाओगे तो सूडो फोर्स ये एम जी टेंशन की जगह नॉर्मल आ जाएगा सर ये क्यों करा आपने टेन थीटा जरा ये समझना अगर ये वाला एंगल थीटा है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो ये थीटा है तो ये नाइनटी माइनस थीटा ये थीटा और यही तो आपका स्लोप हो गया तो टेन थीटा जो आपका स्लोप है वही ए बाई जी है इसी में रोटेशन का भी सवाल है दिखा देता हूं आपको ये रहा आपका कहा गया अहेमिस्फेरिकल बाउल वाला ना ये रहा आ जाओ कंसेप्ट बताऊंगा ठीक है करना आपको है दर ये देखना इन द गिवन फिगर स्मूथ पैराबोलिक वायर ट्रैक लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन ये मास एम कैन स्लाइड फ्रीली ऑन द ट्रैक इज प्लेज एट दोजीशन एट ए ए ट्रैक इज नाउ रोटेटेड विथ अब आपने क्या करा इसको रोटेट करा जैसे आप क्या करते एक, एक बाउल ले लिया उसमें ब्लॉक रखा बाउल को घुमाएंगे ब्लॉक ऊपर चला जाएगा वैसा ही सवाल तो इसके बेसिक्स का मैं पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूं जरा ये बताना ठीक है कंसेप्ट जरा देखना ये कंसेप्ट आपको कई बार मिलेगा ठीक <coughs> है मान लीजिए मेरे पास एक फ्रेम है ये रेडियस देखना बड़ा मस्त चीज है इसके अंदर मेरे पास एक पेंडुलम था एल मैं इसको ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर देता हूं तो ये यहां पर थीटा एंगल हो जाएगा थीटा बताना है एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ये आपके एचसी वर्मा के भी सवाल बना देगा लिटरली बता रहा हूं एचसी वर्मा के भी सवाल बना देगा मैंने एक डब्बा रखा उसमें पेंडुलम है उस डब्बे के अपने हाथ में पकड़ के ऐसे गोल 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 घूमना स्टार्ट किया तो पेंडुलम दूर चला जाएगा क्या करोगे भाई सोच के बता दो बस इस फ्रेम में घुस जाओ कैमरा तो आपको ए की जगह आर ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा जी आपका यहां हो गया तो टेन थीटा जो आप ए बाई जी कह रहे थे बेटा ये आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी हो जाएगा और कुछ ना हुआ यार यस यस कैमरा मैन जरा फोकस करें आखिरी सवाल आने वाला है यस yes. यही तो आएगा जो आपका एक्सलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर वो ए था जो आप ले रहे थे वो आर ओमेगा स्क्वायर हो गया तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है आप ये मानिए कि इसका यहां पर जो एक्सलरेशन है आपका जो यहां पर एक्सलरेशन है दैट इज दिस एक्स की वैल्यू ए है ए आर ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं आप करना इसको आर ओमेगा स्क्वायर जी नॉर्मल हो गया क्वेश्चन भाई हा हो गया क्वेश्चन यस yes? hmm. एक लास्ट सवाल बस लास्ट सवाल ठीक है ये बाउल का बिल्कुल वैसे ही है एक लास्ट सवाल ये आप सभी लोगों ने करा होगा रिवाइज करके आए होंगे तो आपको दो मिनट लगेगा मिनट मिनट बेटा हो हो गया हो गया जैसे डॉक्टर सुई लगाने से पहले करता <laughs> है ना डॉक्टर सुई लगाने से पहले बस तीन हजार बच्चे बैठे दो मिनट बैठा बस फिर उसके बाद गाना गा देंगे सुई लगाने से पहले डॉक्टर क्या करता है अरे दर्द नहीं होगा दर्द नहीं होगा दर्द नहीं होगा देखो 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 हो गया बच्चे की हालत टाइट है भाई साहब <laughs> हर जगह से लीक करना स्टार्ट कर दिया बच्चा लेकिन लगा के कहते देखो देखो हो गया हो गया कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ठीक है हाँ तो वैसे ही है यस <laughs> तो आखिरी सवाल है आखिरी सवाल है कि मान लीजिए मेरे पास एक वैच है ठीक है एंगल थीटा और मैं इसको कितनी एक्सलेशन से आगे लेके जाऊं कि इस पर रखा ब्लॉक स्लिप ना करे फ्रिक्शनलेस म्यू की वैल्यू जीरो है ठीक है वट शुड बी ए वट शुड बी ए एक्सलरेशन सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ठीक है यस hmm. yes. तो जरा यहां पर ध्यान समझना कि आप यहां पर कैसे करेंगे अगर आप इसको यहां पर लेके जा रहे हैं तो यहां पर आपका कैमरा है तो आप इसके अंदर ही चले जाइए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे बेटा जरा ध्यान से देखना तो आप यहां कहते हैं सर ये ए आएगा यहां पर जी आएगा यहां पर नॉर्मल आएगा है ना ये वेज पर मूव नहीं करना चाहिए तो यहां पर मैं एम जी एम ए ऐसे कर लेता हूं एम जी एम ए और यही आपका थीटा है तो आप रिजोल्व कर दीजिए तो आप यहां पर कहेंगे ये थीटा और ये थीटा करस्पॉन्डिंग देखो हॉरिज़ॉन्टल से थीटा बना रहा है हॉरिज़ॉन्टल से तो आप यहां पर क्या कहते बेटा यहां कहते एम जी थीटा और एमजी साइन थीटा किस किस का ये आंसर आ गया भैया एमएमए का यहां पर साइन थीटा और यहां पर एमए का कॉस् थीटा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लिप ना करे कैमरे वाले को रुका हुआ कब दिखाई देगा जल्दी से बताइए हाँ तो ये कब दिखाई देगा जब ये वाला इसके बराबर होगा तो आप कहेंगे थीटा इक्वल टू थीटा यम से यम चला गया और यहां पे टेन थीटा इज अगेन इक्वल टू ए बाई जी तो कुछ आपको यहां पर चमत्कारी चीज दिखाई दे रहा होगा यश yes? तो ये फॉर्मुला टेन थी टू ए बाइजी मैंने कहा था धरती खोल के निकालोगे तब भी निकल आएगा सर्कुलर में भी काम कर रहा है यहां पर भी काम कर रहा है है थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी ठीक है थीके? थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी है है ठीक तो इसमें काफी सारे होमवर्क मैं आपको दे दूंगा ठीक है आप उसको जरूर ट्राई करिएगा और मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि जो हम लोगों ने चैप्टर करे हैं लॉस फ्रिक्शन एंड सर्कुलर ठीक है फ्रिक्शन एंड सर्कुलर इस पूरे को कवर कराने में ना बेटा मिनिमम कितने लेक्चर्स लगते हैं ठीक है दैट इज अराउंड ट्वेंटी लेक्चर्स और मतलब फोर्टी आवर्स अगर मैं इंटू टू करके मान के चलू चालीस घंटे का कंटेंट था तो ऑब्वियसली बात है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये छोटी छोटी चीजें चेन वाली प्रॉब्लम है ना बिल्कुल रहेंगी ठीक है ध्यान से सुनिएगा हम लोगों ने चालीस घंटे को अप्रोक्सीमेटली नाइन आवर्स में लेके आए हैं तो ये बात स्वाभाविक है इसमें मैं कोई भी छुपाने वाली बात नहीं करूंगा ठीक है कुछ छोटी छोटी चीजें डेफिनेटली रहेंगी ठीक है जिनको हम लोग डेफिनेटली करेंगे क्योंकि ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली है इसके बाद ऑब्वियस बात है हम लोग क्वेश्चन सीरीज या कुछ ना कुछ जरूर आएगा तो अगर अगली बार आएगा तो मैं इसको लेके क्वेश्चन सीरीज अगर आएगी तो मैं इसको लेके इसमें और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं और भी क्वेश्चन कराना चाहता था लेकिन समय के हिसाब से मैं नहीं करवा पा रहा हूं टेंशन मत लीजिए प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती लेकिन आगे हम लोग चल के हम लोगों ने नौ घंटे में एटलीस्ट देखा जाए तो चालीस घंटे में से तीस घंटे तो रिवाइज करे और यही चीज आपको खुद से करनी पड़ती तो ज्यादा जाता ठीक है फॉर श्योर ज्यादा जाता एनर्जी मेरी भी लगी एनर्जी आपकी भी लगी लेकिन यही मिलके हम सबको मिलके करना था ठीक है तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा जो आपके स्मॉल रिमेनिंग टॉपिक देखो मेजोरिटी चीजें मैंने कवर कराई हैं स्मॉल रिमेनिंग टॉपिक्स अगर कुछ है ठीक है रिमेनिंग टॉपिक्स अगर कुछ छोटे मोटे रह भी जाएंगे तो वो रहेंगे बेटा हम लोग बड़ा टारगेट लेके चले हैं और जब बड़ी टारगेट लेके चलते हैं तो छोटी मोटी चीजें रहती हैं ठीक है थीके? जैसे चेन वाला एनऑल टाइम परमिट करेगा तो हम कराते हैं लेकिन कोई नहीं आप इसके लिए क्या कर सकते हैं दो ऑप्शन है सेल्फ आप ट्राई करें और अगर आप नहीं कर पा रहे डोंट वरी हम लोग आगे फर्दर इसको डेफिनेटली कर लेंगे ठीक है फर्दर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी ठीक है अगर अगली बार हमारे पास क्वेश्चन सीरीज चलती है पीवाई क्यू सीरीज चलती है हम और क्वेश्चन करेंगे पहला देखो मैं अपने ड्रॉपर स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलता हूं कि जब भी आप कर रहे हैं ट्वेल्थ वालों को पहले जेई मीन वन से पहले आप पढ़ के रिवाइज करके चले जाएं यही बहुत बड़ी बात है कईयों के तो टॉपिक ही छूट जाते हैं भाई चैप्टर ही नहीं पढ़ के गए तो आपका टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता किस चैप्टर से आसान सवाल आ जाएगा ठीक है क्या पता इसी इस, इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल हो और आप पढ़ के ही नहीं गए तो छूट तो पहली प्रायोरिटी है कि हम लोग ईजी एंड मीडियम को खत्म करें एडवांस के पीवाई क्यूज एंड ऑल सारी हम लोग कर लेंगे आगे चल के ठीक है आपका समय बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है Clear? Love you all, love you all. और आप सभी लोग जो इतना प्यार देते सीरीज को सीरियसली बता रहा हूं, ना, अभी तुम क्या मतलब कैसे हूं मैं ओम पांडे सर का छोड़ देना <laughs> धमकाया था मेरे मैंने कहा क्यों कह रहे कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो ये सोएंगे नहीं सोएंगे नहीं तो ये कल मेरी क्लास में नहीं आएंगे हर टीचर को अपनी क्लास की टेंशन है यहाँ ठीक है हर टीचर को वो उनको उनका भी बड़ा टॉपिक है ठीक है तो वो कह रहे कि ये कदम बढ़ सोएंगे नहीं अभी फोन चलाएंगे आधा घंटा <laughs> और ये कल मेरी क्लास में नहीं आएगा मैंने कहा नहीं सर मैं बोल दूंगा बच्चों को वो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है ठीक है हाँ लव यू ऑल और हमारी टीम आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है आप सभी लोग जो जिस प्रकार से बेटा मेहनत कर रहे हैं जो शो करते हैं ना अगर यही भाई दो सौ होते ना तो मेरा क्या मन करता सच बताओ नहीं करता ना ठीक है और वो दो के लिए भी नाइंसाफी हो जाती फिर करना पड़ता खत्म करते हैं हम लोग लेकिन ना रहती मन नहीं करता लेकिन जो ये आप लोग जगह रहते हैं ना बेटा ठीक है ऑल ओवर इंडिया से जब जो बच्चे जगह रहते हैं ना तो एक बार भी मोमेंट दिमाग में ये नहीं आता कि भाई कि हाँ यार चलो यार घर चलते हो गया नहीं तो वो ना एक कनेक्ट रहता है ठीक है एंड आई विश कि आप आने वाले सारे टीचर्स की क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा इसके बाद कोई नहीं पढ़ाएगा इसके बाद तो और समय कम होएगा ना खुद सोचिए कि आगे आने वाले टाइम में तो और समय कम रहेगा तो क्या मैं मैं खुद इसको नौ घंटे में करवा पाऊंगा बिल्कुल नहीं अगर मेरे को यह कराना पड़ेगा तो चार घंटे मिल रहे होंगे मेरे को खुद मिल रहे होंगे चार घंटे तो आप खुद सोचिए ये जो टाइम अगर आपने पहले पढ़ा होता तो चालीस घंटे में पढ़ा होता ठीक है अब करते 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 ये समय है कि इसको नौ घंटे पे लाए और आगे जाओगे तो तीन घंटे का हो जाएगा और आगे जाओगे तो एक घंटे का होगा उसके बाद ये रिवाइज नहीं करवा पाएगा कोई आपको आपको खुद से करना पड़ेगा तो प्लीज स्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते रहिएगा गिवअप मत करिएगा इस सीरीज में भी वही चीजें होंगी बैकलॉग होगा तबियत खराब होगी बीच में इंपॉर्टेंट काम आएंगे आपको नहीं छोड़नी है ये सीरीज ठीक है क्योंकि दूसरे एंड पर जो टीचर है ना बेटा रात को भी जग के आपको देख रहे हैं कि आप लोग जगे हो या नहीं हो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो कमेंट्स क्या कर रहे हो आपको शायद नहीं पता होता कि आपके जो छोटे मोटे कमेंट्स होते हैं उससे टीचर्स का मनोबल कितना चेंज होता है ठीक है तो जो भी टीचर आए खुल के प्यार देना और जब आप खुल के प्यार देंगे ना बेटा टीचर आपको कहीं पर भी नीचे नहीं गिरने देगा ये मेरा विश्वास है ठीक है तो हाँ, आ, अरे पेट दर्द हो रहा गाना, गला भी दर्द हो रहा गाना अरे गाने है ही नहीं भाई साहब कॉपी आ जाएगा ठीक है अब हमारा तो गाने नहीं है तेरी एक नजर से वो क्या हुआ कुछ नूर सा खिल गया कुछ फूल सा खिल गया तेरी इच्छुवन से वो क्या हुआ कुछ नूर सा मिल गया तुझे दिल दिया तुझे जा दिया तेरा नाम लेके जिया मर भी गया मिट भी गया फरियाद लेके जिया बैरिया 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 बैरिया, बैरिया, बैरिया। बेरिया। ये अधूरा गाना हमारे कॉलेज का था तो अभी हमारी सीरीज अधूरी है इसीलिए यही वाला गाना गाया ठीक है कॉपीराइट आ जाएगा भाई साहब कंपनी वाले पकड़ के दबोच के नीचे मार देंगे वहाँ पे <laughs> तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ ठीक है अभी अलग सर का मोटिवेशनल आया तो पता लगे डीमोटिवेशनल आया सर क्या कर दिया आपने स्ट्राइक आ गई आ, तो मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता ठीक yes, so है यस आई लव यू सो मच ठीक है ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आज हमारा जो टारगेट था ठीक है पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना है आई टिक ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है मैंने पूरी कोशिश करी है भाईदा तुम जानते हो पेट दर्द होने लगता है मेरा मैं बकैती ना करूँ तो ठीक है प्रयास वाले और लक्ष्य वाले जानते होंगे मेरे को ठीक है सीरियस स्टूडेंट वेट कर रहे हैं बिल्कुल तीन हजार चार सौ बच्चे पर ध्यान नहीं देना मैं बिल्कुल नहीं दिया आज ठीक है क्रिस्प फॉर्म में स्लो फास्ट कोशिश पूरी करी है ठीक है तो आज का हमारा टारगेट होता है डन आज की मजदूरी खत्म तो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर पढ़ते रहिए अरे रुकिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड हाँ कहां गया वो अरे ऐसे ही बोल देते हैं पीडीएफ हाँ पीडीएफ हमारे उस बैच ऐप में मिलेगा ठीक है हाँ तो जाके और पीडीएफ और टेस्ट वेस्ट सारा कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा तो मंजिल बैच जाके देख लीजिएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्वेल्थ बाय बाय केयर पढ़ते रहिए मचाते रहिए